हेलो एवरीवन तो गाइज बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी थी बहुत ज्यादा अवेटेड था कि मैम हम लोगों को ज्योग्राफी तो आपने सिक्स से लेकर टेंथ तक का पढ़ा दिया समझ में भी आ गया समझ में आ गया ना सारी हर की को टोटल समझ में आ गया ठीक है तो अब एक चीज था क्या कि यार मैम एक बात बताओ एग्जाम निकालने के लिए इलेवेंथ और ट्वेल्थ का ज्योग्राफी छोड़ना है क्या नहीं ना बिल्कुल नहीं इवन आज जो हम पढ़ाना शुरू करने वाले हैं का ये वाला बुक ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ठीक है सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस बुक में आपको ना कंसेप्ट पता चलेंगे टोटल ठीक है कंसेप्ट जियोमोर्फोलॉजी इन्वायरमेंट उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी इस सारे कंसेप्ट आपको टोटल पता चलेंगे तो ये बुक मैं अगर बोलूं कि सिक्स से लेके ट्वेल्व तक की कौन सी एनसीईआरटी की बुक सबसे ज्यादा जरूरी है तो आज हम लोग इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं और ये बुक सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर तो बहुत बेसिक है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है लेकिन इस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि यार तुम सोचते हो कि ज्योग्राफी साइंस है यार ज्योग्राफी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और तुमने जितना ज्योग्राफी पढ़ा है ना उससे और भी ज्यादा विस्तृत है यानी कि बहुत अलग जगह इसका एप्लीकेशन है हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है तुम क्या खाते हो तुम क्या पहनते हो तुम कब उठते हो तुम कब पढ़ते हो कब तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है ये सब चीज वहां की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है वह अगर मान लो पहाड़ों पर रह रहे हो तो तुम्हारा जीने का शैली अलग होगा तुम एकदम ही अलग इंसान हो अगर तुम समुद्र तट पर रह रहे हो तो तुम्हारे जीने का शैली अलग है है ना कुछ को लोग कहते हैं कि भाई वहां की देखा है आपने यूक्रेन की जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं या एक्ट्रेस के आम आदमी भी पाकिस्तान बॉर्डर पे हुंजा वैली में है वो एकदम उनका चेहरा लाल होता है कश्मीर में देखिए महिलाएं हैं पुरुष हैं एकदम सुडोल शरीर होता है लंबे चौड़े सुंदर वो क्या है वो बेसिकली उनका वो ऐसा नहीं है कि वो लोग सुंदर हैं आप नहीं हैं बेसिकली वो उस जगह रहते हैं जहां पे ग्लेशियर से इतना प्योर पानी आता है वहां का टेम्परेचर वैसा है अफ्रीका में आपको दिखते हैं यानी कि थोड़े डार्क स्किन कलर के लोग दिखते हैं तो कंटेंट ज्यादा होता है वो क्यों है क्योंकि वो उस जगह से आते हैं तो ज्योग्राफी जो है वो हर चीज आपके पूरे जीवन को डिफाइन कर देगी आप, आपके पूरे लाइफ को डिफाइन कर देगी राइट अगर बहुत सारा टेम्परेचर आप पढ़ नहीं पाते आप थकान से हो जाते हैं बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर यानी कि एकदम ठंडा है कुल्ड चिलिंग कोल्ड है, तो क्या होगा उस समय भी होगा कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज किस चीज पे डिपेंड करती है ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है और आज से हम इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं एक एक कंसेप्ट बहुत प्यार से समझेंगे प्लीज पूरा का पूरा, पूरा आप देखिएगा ये सेशन और आपका ये बुक कंप्लीट होगा तो फर्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है चैप्टर नंबर ज्योग्राफी पे हम देखेंगे तो इसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ठीक है तो एनसीआर में यूनिट वन है सेकेंड चैप्टर से दूसरा यूनिट शुरू हो जाएगा तो यूनिट वन में यूनिट में कहा गया है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट और ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग इसको समझेंगे ठीक है तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे अब बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्रफी क्यों पढ़ना पड़ेगा जोग्रफी क्यों पढ़ना है मैम ज्योग्राफी का मुझे नहीं समझ में आता मुझे तो पता है कि चलो कहीं पहाड़ है कहीं पठार है कहीं रेगिस्तान है कहीं समुद्र है कहीं नदियां हैं पढ़ना क्यों है इसको पढ़ना कि क्योंकि देखिए आप इस धरती पर रहते हैं है ना हम इस धरती रहते हैं और ज्योग्राफी में हम इस धरती के बारे में पढ़ते हैं हम इस धरती पे रहते हैं ज्योग्राफी में हम धरती के बारे में पढ़ते हैं कि आसपास का जो सराउंडिंग है वो हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से कैसे प्रभावित कर रहा है जीवन हमारे परिवेश में कई तरह से प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होता है यानी कि अभी तुमको ठंडा लगेगा तो तुम कंबल ओढ़ लोगे गर्मी लगेगी तो आप पंखा ऑन कर दीजिएगा राइट तो हमारा जो सराउंडिंग है वो हमको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या फिर हम वी डिपेंड ऑन द रिसोर्स लिव आर लाइफ यानी कि हम क्या है संसाधन पर हम डिपेंड कर रहे हैं ताकि हम अपना जीवन द, इसको जी सके इन द सराउंडिंग एरियाज ठीक है तो लिव आर लाइफ इन द सराउंडिंग एरियाज तो हम, सब चीज किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा हमारे पास क्या रिसोर्सेज है उस पर डिपेंड कर रहा है, है ना सोसाइटी सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन ऑफ सब्सिस्टेंस यानी कि अब कहा जा रहा है कि पुराने जो लोग थे देखिए आजकल क्या है आज आपके पास हाई टेक्नोलॉजी आपके पास फोन है आप फोन से पढ़ रहे हैं वाई लगा हुआ है इंटरनेट लगा हुआ है आपको गर्मी लगेगी आप ए ऑन कर लोगे यानी अगर आपको खाना खाना है तो ऐसा जरूर अब घर में बनाने का मन नहीं है तो आपने कपा नूडल्स मंगा लिया बस गर्म पानी डालो आपने गर्म मा, गर्म मैगी खा ली कुछ नहीं करना है राइट तो हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा विकसित कर लिया है कि आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बिना वाईफाई के बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप सोच ही नहीं सकते हो लाइफ लेकिन यानी कि पहले जो आदम जमाने में आदम समाज था वो क्या करते थे वो अपने जीवन निर्वाह के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्वाहन करते थे यानी कि वो क्या करते थे जो खाना है जो बेसिक चीज है फूड ये पेड़ पौधा से तोड़ के फूड खा लेते थे पानी नदियों से पानी पी रहे हैं ठीक है ठीके? वाटर इनको क्लोदिंग कहाँ से मिल रहा है तो जानवर के खाल से ये क्लोदिंग कर रहे हैं शेल्टर कहाँ से मिल रहा है तो पेड़ के नीचे रह रहे हैं इस तरह से ये अपना जीवन निर्वाह बहुत ही ज्यादा सबसे तरीके से यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से करते थे यानी कि जीने के लिए जिस जिस संसाधन का जैसे जैसे जरूरत है है ना वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी में फिर हम समझेंगे कि ताकि हम पूरा जो भी परिघटना है जो भी चीज हो रहा है जो भी हमारे आसपास स्पेस में अंतरिक्ष में धरती पे जो भी चीज हो रहा है उसको हम समझेंगे हमारे हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं यानी कि डाइवर्स कहीं पे बोला मैंने पहाड़ है कहीं पे पठार है कहीं पे घाटी है घाटी समझ तो? दो जैसे दो पहाड़ है तो पहाड़ों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है इसको हम घाटी कहते हैं ठीक है तो कहीं पे घाटी है कहीं पे नदियां हैं कहीं पे समुद्र है तो इस सब चीजों को हम समझ रहे हैं कि हम अलग अलग जगह कहाँ कहाँ कैसे कैसे रह रहे हैं ठीक है टू अंडरस्टैंड चेंजेस टेक प्लेस ओवर टाइम तो क्या 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 परिवर्तन हुआ है परिवर्तन को समझने के लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना है फिर टू तो इन्वेस्ट इन टू द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच चेंजेस ओवर और जैसे, जैसे बदलाव हुआ है अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जब आपने ज्योग्राफी जब आप बहुत बेसिक्स ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप जानते थे कि पहले जो धरती है उसमें पूरा जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह सब थे जिसको हमने पैंजिया बोल दिया है ना जिसको हमने पैंजिया बोल दिया उसके बाद क्या हुआ कि ये दो में डिवाइड हुए दो में डिवाइड हो गए एक को हमने अंगारा लैंड बोल दिया और एक को हमने गोंडवाना लैंड बोल दिया ठीक है ठीक है उसके बाद फिर क्या हुआ कि तीथिस सी बना बीच में है ना तीथिस सी यहां पे तीथिस सी बना ठीक है उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया ये स्ट्रक्चर पे मजा जाना ठीक है यहाँ पे एशिया हो गया ये अफ्रीका हो गया ये ऑस्ट्रेलिया हो गया ये अंटार्कटिक हो गया यानी कि हमने फिर कॉन्टिनेंट समझा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट बने तो क्या हुआ ओवर टाइम समय के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हुए है ना कि विथ टाइम यहाँ पे क्या हुआ बहुत सारे चेंजेस हुए ठीक है तो इसी को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि विद टाइम क्या क्या चेंजेस हुए कैसे कैसे चेंजेस हुए यहां पे समझो ग्लोब द ग्लोब कन्वर्टेड इंटू मैप हैव एंडल ऑफ अर्थ एटमोस कैसे पूरी की पूरी धरती आज जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आज हम भारत का पोजिशन देख रहे हैं आज हम बाकी जगहों का पोजिशन देख रहे हैं है, ये किस तरह से इवॉल्व हुआ इसके लिए हमको ज्योग्रफी समझना होगा ज्योग्राफी पढ़ना होगा ठीक है तो ये चीज है अब ज्योग्रफी है क्या क्या है ज्योग्रफी तो ये जो शब्द है जियोग्रफी ये जो शब्द है जियोग्राफी ये खुद में ये क्या करता है धरती के डिस्क्रिप्शन को बताता है यानी कि धरती हमारा जो धरती है जियोग्राफी द टर्म वॉज कॉइन बाई एरेस्थानस ठीक है, का है? किस, किस है? है Thanos, तो इनका नाम आपको याद रखना है इनका नाम क्या है इसको इस तरह से पढ़ेंगे ई आर एरा ठीक है टॉस टॉस इरा टॉस थेनिस इराटोस थेनस इनका नाम है ये क्या है ये ग्रीक है ठीक है ये ग्रीक की है ग्रीक के हैं सॉरी और ये इराटोस्थेनस जो है इन्होंने सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया था ज्योग्राफी और कब इस्तेमाल किया था तो कहते हैं कि 276 से लेकर 194 बीसी के समय में इन्होंने जियोग्राफी शब्द इस्तेमाल किया जियोग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है ठीक है तो ग्रीस के लोग इसका ग्रीक कहते हैं तो ग्रीक शब्द है ये और ये जियो का मतलब क्या हुआ धरती और ग्राफोस का मतलब हुआ धरती का डिस्क्रिप्शन ठीक है ग्राफोस का मतलब हुआ इसका जो विवरण है उसके बारे में तो हम इसमें जितने भी फिजिकल ठीक है यानी कि भौगोलिक भौतिक उसके बाद सोशल यानी कि सामाजिक ठीक है फिर कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जितने भी ऐसे फीचर्स हैं उसको हम ज्योग्राफी में समझने की कोशिश करते हैं स्टडी एरिया ऑफ ज्योग्राफी नेक्स्ट टॉपिक तो ज्योग्राफी जो है वो साइंस से थोड़ा सा अलग है ठीक है क्यों इसका पढ़ने का तरीका इसके जो मैटर्स है इसके जो मेथडोलॉजी है वो साइंस से थोड़े अलग है फाइन और ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फेनोमेना यहाँ पे सिर्फ हम क्या-क्या चेंजेस -क्या है वो नहीं समझते हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि उससे रिलेटेड ठीक है आल्सो स्टडी द एसोसिएशन विद अदर फैक्टर्स व्हिच कॉज दिस वेरिएशन यानी कि जो भी हमारे धरती पे जो भी बदलाव हुए हैं जो भी चेंजेस हुए हैं उसको तो हम लोग पढ़ते ही है साथ ही साथ जो फैक्टर्स जिनके कारण ये चेंजेस हुए हैं उन फैक्टर्स को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो विभिन्नताओं को का अध्ययन करते हैं बल्कि अन्य कारकों के साथ संबंधों की भी अध्ययन करते हैं और उसके विविधता के कारण को समझते हैं देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम यही सब चीज जान रहे हैं सेकेंड चैप्टर से आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा फाइन तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को समझेंगे तो फिर देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे ठीक है और ये समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि तुमने आज ज्योग्राफी पढ़ लिया और उसके बाद तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन नहीं कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे जैसे आप सुनते होंगे कि हिमालय जो है अभी भी बढ़ रहा है या मेडिटेर ये जैसे मिर्याना ट्रेंच है मिरियाना ट्रेंच कितना डीप है धरती पे सबसे ज्यादा डीप जो गड्ढा है वो मेरियाना ट्रेंच में है या आप समझेंगे कि अटलांटिक ओशन का स्प्रेडिंग हो रहा है तो ज्योग्राफी जो है वो डायनेमिक है यानी कि धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं और सिर्फ हम स्टैटिक पोर्शन की तरह नहीं लेकिन इसको डायनेमिक यानी कि गतिशीलता के साथ इसको पढ़ेंगे फाइन चेंज ओवर द रिजल्ट ऑफ इंटर एक्टिव प्रोसेस यानी कि जहां पे जहां इंटरक्शन हो रहा है उस तरह यहाँ पे चेंजेस शुरू हो जाएंगे धरती पे और ये नॉन स्टॉप है और यहां पे आप एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स देखेंगे यानी कि ये नॉन स्टॉप है यहां पे ऐसा नहीं है कि कभी रुक गया कभी आपने सोचा कि ऐसा हवा रुकता थोड़ी है हवा बहते रहता है नदी बहते रहती है है ना? तो हवा बह रहा है नदी बह रही है ग्लेशियर पिघल रहा है बर्फ पिघल रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे सोसाइटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट ठीक है तो यानी कि प्रिमिटिव जो पुराने तरह के लोग थे जो पहले के जमाने के लोग थे वो अपने आसपास के वातावरण से डायरेक्टली प्रभावित होते थे है ना तो वही ज्योग्राफी है यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी का सोसाइटी है इसने क्या किया है नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने चेंज कर दिया है हमने क्या करा है हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ठीक है और बहुत सारे ऐसे एंड हैव एक्सपेंडेड हॉरिजिन ऑफ देयर ऑपरेशन बाय एप्रोप्रिएट एंड रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर यानी हमने जो प्रकृति ने हमें इतनी प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया है उससे टेक्नोलॉजी विकसित किया है ठीक है और उससे अपने आस की चीजों को चेंज किया है फाइन तो हमने क्या करा जैसे मान लो कि अभी पहले के लोगों के पास अगर गर्मी लग रही है उनके पास घर तो नहीं है पेड़ के नीचे बैठेंगे हमने घर बनाया घर भी इतना एडवांस बनाया उसमें हीटर कूलर सब लगा दिया राइट right? तो हमने अपने टेक्नोलॉजी से चीजों को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है क्लियर है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम यानी कि हमने टेक्नोलॉजी को कैसे किया है कि अब ऐसा नहीं कि प्रकृति जो हमें देगी उसी अकॉर्डिंग हमको अपना जीवन निर्वाहन करना है लेकिन हमें हमको फ्रीडम है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से किस तरह की चीजों को मोल्ड कर सकते हैं किस तरह से चीजों को चला सकते हैं right? राइट अगर हम सोशल सोशल साइंस में देखेंगे तो ज्योग्राफी जो है वो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन यानी कि एग्जैक्टली कौन सा इंसान कहां पे रहता है और हमारा प्यारा सान है, है। है तो समझा है फिर बात है कि भाई ज्योग्राफी जो है वो तीन सेट ऑफ क्वेश्चन जब हम ज्योग्राफी पढ़े तो हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्न पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न को पहचानने से संबंधित है ये किस बारे में सवाल मतलब ये जो सवाल है यह क्या है तो बेसिकली सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न एंड ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि अब जैसे इंडिया में ही देखो तुम छोटा नागपुर प्लेटियो में छोटा नागपुर प्लेटियो में क्या है आपको आयरन एंड कोल का माइंड मिलता है ठीक है तो ऐसा क्यों है कि यहां पे ही ये मिलता है समझ रहे ऐसा क्यों है उसके बाद अगर आप सोचोगे कि इंडिया में महाराष्ट्र ही ऐसा जगह क्यों है महाराष्ट्र ही ऐसा जगह क्यों है जहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है और यहां पे फिर हम यहीं पे क्यों कॉटन का खेती करते हैं ऐसा क्यों है राइट right? ये आप सोचेंगे फिर आप सोचेंगे मान लो कि अगर कश्मीर है कश्मीर में कोई पहाड़ है जिसका नाम है कड़ेवाज़, तो कड़ेवाज़ में ही ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ही सैफरन का खेती होता है सैफ्रन जिसको केसर कहते हैं है ना यहाँ पे क्यों खेती होता है ये सारे सवाल है हम सोचेंगे या हिमालय जो है हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है हिमालया इज इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए जरूरी है क्या हिमालय के कारण ऐसा है कि हमारा देश का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड है या अगर हिमालय नहीं होता तो क्या हम भी एक ठंडे प्रदेश होते समझ रहे या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि अरेबियन सी है और अरेबियन सी से मॉनसून के समय में कैसे बारिश आती है तो ये जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं जो नेचुरल natural, नेचुरली और कल्चर कल्चर क्यों कल्चर कैसे तो कल्चर इसी तरह से है कि यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग ज्यादा कॉटन की खेती करते हैं कश्मीर के लोग जो सेफान की खेती करते हैं कश्मीर के लोगों को ठंडा ज्यादा लगता है क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में है मतलब ठंडे राज्य में है महाराष्ट्र में कभी ठंडा कभी गर्मी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर दिल्ली में देखोगे बहुत ठंडा है बहुत गर्मी है तो जितने भी प्राकृतिक सवाल है जितने भी कल्चरल सवाल है उन सब का जवाब हमको यहाँ पे ज्योग्राफी में कल्चरल और नेचुरल चीजें का फीचर्स हमें यहाँ

उसके बाद हमको प्लेट्यूज मिलेंगे प्लेट्यूज यानी कि प्लेट्यूज मिलेंगे और ये हमारे यहां पे कौन सा भारत के इस वाले पोजिशन में ये प्लेट्यू समझ रहे हैं फिर हमको कोस्टल क्षेत्र मिलेंगे कोस्टल क्षेत्र मिलेंगे ये जो तट वाला क्षेत्र है ठीक है ये जो तट वाला क्षेत्र है ये कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे क्लियर है अंडरस्टूड है उसके बाद आप देखेंगे तो बीच बीच में बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी ठीक है नदी यानी कि रिवर्स मिलेंगे हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है फिर आप इंडिया के ये वाले पोर्शन में देखेंगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमको थार डेजर्ट मिलेगा तो कहाँ पे क्या चीज मिल रही है कौन सा फीचर कहां पे है इसका जवाब भी हमको ज्योग्राफी देता है तो थर्ड क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस चीज से रिलेटेड है कि हमारा जो रिलेशनशिप है कॉजल रिलेशनशिप देखिए कॉजअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ये क्या कॉज किया ठीक है कॉज क्या किया cause, क्या रिलेशनशिप है इसका मतलब है कि भाई देखो पहाड़ था पहाड़ था तभी वहां के लोगों का जो बॉडी है वो सुडोल हो गया कि लंबा चौड़ा उनको चढ़ना पड़ेगा ठीक है वहां की बकरी भी अब जैसे कि एक एग्जांपल है नीलगिरी तहर नीलगिरी तहर. ये नीलगिरी तहर क्या है तहर तहर बेसिकली बकरी होती है ठीक है बकरी होती है तहर और ये क्या करती है पहाड़ एकदम सीधा होता है बकरी जो है कूद कूद के इस तरह से पहाड़ चढ़ती है यानी पहाड़ ऐसा नहीं है ये इस पर चल नहीं रही है ये ऐसे कूद कूद के चढ़ रही है समझ रहा तो, तो यानी कि ये वहां के ऐसा उसका टेरेन ही ऐसा था उसका टेरेन ही ऐसा था कि बकरी में ये चीज इवॉल्व हो गया बकरी में ये चीज इवॉल्व हो गया तो कॉजियल रिलेशनशिप है द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजियल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड द फेनोमेना यानी कि किस तरह से वो चीज इवॉल्व हुआ है किस तरह से वो चीज इवॉल्व हुआ है उस पर डिपेंड करता है हर जगह का इंसान हर जगह का जानवर अलग अलग टाइप का है अब जैसे बंगाल में आप देखें तो बंगाल में क्या है जैसे गंगा नदी गंगा नदी जब समुद्र में मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिलके समुद्र में सी में जाती है तो उस बीच में एक जगह है और उस जगह को हम क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं है ना वो जगह क्या है डेल्टा है जब भी नदियां जो है समुद्र में छिता के मिलती है तो वो जगह डेल्टा है इसका नाम हमने सुंदरबन डेल्टा रखा हुआ है सुंदर बंस डेल्टा रखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव के फॉरेस्ट मिलते हैं मैनग्रोव के फॉरेस्ट मिलते हैं और यहाँ का जो टाइगर है उसको रॉयल बेंगौल टाइगर कहते हैं भाई उसको रॉयल बेंगोल टाइगर हम लोग क्यों कहते हैं वाई बी कॉल एज अ रॉयल बेंगाल टाइगर ये इतना ज्यादा एकदम हेल्दी मोटा ताज़ा एकदम देख के लगता है कि यही है हमारा नेशनल एनेमल ऐसा क्यों है क्योंकि ये इकोटोन है इकोटोन एरिया है जब दो अलग अलग इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के चैप्टर्स में जब दो अलग अलग टाइप का वेजिटेशन के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है जो बीच का ट्रांजिशन एरिया फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में आप देखोगे सहारा का डेजर्ट है और इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट है, है ना उन दोनों के बीच में एक एरिया है सवाना वहां के जानवर भी बहुत ज्यादा हाई वेराइटी हाई ब्रीड के होते हैं तो यानी कि ये इकोटोन है वहां पे उसको दोनों का मिक्स मिल रहा है रॉयल बंगाल टाइगर तो ये ये सब क्या है क्यों ऐसे कैसे क्यों 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 वहीं पे पे मिलता है? वहां पे ही मिलता है है वहां ही हमको आर्टिक फॉक्स जो है एकदम ठंडे जगह में ही मिलता है क्यों हमको जो है वो अंटार्कटिका में ही मिलता है क्यों हमको पोलर बियर आर्टिक में मिलता है क्योंकि वो कॉशल रिलेशनशिप वहां के एनवायरमेंट के कारण वो उस तरह से बन गए हैं समझ में आए आपको तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा पूरा धरती समझ जाओगे यार कि तुम क्या अब जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल हम आपको इस तरह से दे कि देखो जैसे मान मान लो लो जैसे कि हमारे ये बार, बहुत बार हम आपको बता चुके होंगे ऑस्ट्रेलिया है ठीक है लग रहा है दिल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है ऑस्ट्रेलिया द कंट्री ऑफ राइट ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि भाई देखो अगर धरती पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा सदर्न पोर्शन में है ना सदर्न पोर्शन में है ऑस्ट्रेलिया तो यहां पे इसका हाई तो यार से अभी टेन तक लैटिट्यूड पढ़ा है तुमको पता होगा लैटिट्यूड क्या है हाई लैटिट्यूड में यानी कि थोड़ा नीचे यानी कि ठंडा प्रदेश भाई जो जगह ठंडा है उसको किस टाइप का हवा चाहिए उसको गर्म हवा चाहिए तो ठंडा जगह गर्म हवा मिक्स हो गया एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर लोग एकदम फटाफट बहुत तेज हो गए और सिटी जो है विकसित होने लगा तो यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर हम ये इस तरह से बोले कि यहाँ पे अगर गर्म कोल्ड करंट चल रहा है और यहाँ पे अगर ठंडा कोल्ड करंट चल रहा है तो कौन सा जगह ज्यादा विकसित होगा तो ऑस्ट्रेलिया का सा बात है कि ये सब जगह क्योंकि यहां पे कोल्ड करंट चल रहा है तो तुम सिडनी ले लो है ना तुम ले लो तुम मेलबर्न ले लो ये सब जो है ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा डेवलप्ड है दे। जितना भी बड़ा बड़ा शहर सुनोगे वो ईस्टर्न कोस्ट पे है समझ लो तो यानी शहर भी किस तरह से डेवलप कर रहा है क्योंकि वो ईस्टर्न कोस्ट पे है ईस्टर्न कोस्ट वाला शहर क्यों डेवलप कराए क्योंकि जब कोई प्रदेश ठंडा है तो उसको हवा यानी कि कोल्ड करंट का बात करें बेसिकली कोल्ड करंट आगे पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेटल ओशनोग्राफी में तो कोल्ड करंट जो है उसको किसी तरह की चाहिए उसको गर्म कोल्ड करंट चाहिए ताकि ठंडा प्रदेश गर्म कोल्ड करंट वहां पर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम बन जाए ऑप बन जाए और लोग जो है वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवेलप करें जादा से जादा करें जादा से जादा करें ज्यादा 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 से से विकसित डेवलप तो ये भी ज्योग्राफी डिसाइड करेगी कौन सा जगह ज्यादा डेवलप करेगा जब आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ोगे क्यों ऐसा है कि इंग्लैंड ने सब पे रूल किया क्या इसके पीछे भी ज्योग्राफी है क्या इसके पीछे ज्योग्राफी है सोचो हाँ इसके पीछे भी ज्योग्राफी है ऐसा क्या था कि इंग्लैंड ने सब जगह पे रूल किया क्योंकि इंग्लैंड को मिल गया नेचुरल हार्बर यानी कि इसका तट जो है बड़ा ऊबर खाबड़ था शिप्स के लिए बड़ा आसान था वहां पे जाना तो इंग्लैंड को नेचुरल हार्बर मिला और इंग्लैंड के पास भाई इंग्लैंड के पास क्या हुआ इंग्लैंड के पास ही आयरन मिला इंग्लैंड के पास ही कोल मिला समझ लो इसके पीछे भी ज्योग्राफी है बिहार में आओ बिहार अभी कहता है कि भाई झारखंड जो है हमारा चला गया हमको चाहिए विशेष प्रदेश का दर्जा यानी कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि तुम्हारा सारा संसाधन जो है वो तो झारखंड के पास चला गया ये ज्योग्राफी इस पर ज्योग्राफी है बिल्कुल है अब मगध डायनेस्टी क्यों जाके बहुत ज्यादा विकसित हो गया क्योंकि मगध के आसपास नदी था है ना और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और मगध को झारखंड वाला जो अब क्षेत्र हो गया है वहां से कोल एंड आयरन मिल रहा था इसलिए मगध डायनेस्टी जो है पूरे भारत पे रूल किया तो इसके पीछे भी ज्योग्राफी है क्यों हमने सिलिकॉन वैली बैंगलोर में स्टैब्लिश किया है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऑप्टिमम है दिल्ली में नहीं कर सकते अभी गर्मी में तो तब तप, तप आ जाएगा लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी है अब तो हम उसको भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं समझ लो तो एक बीच में आगे जाके जो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बीच में क्लैश है कि कौन बड़ा है फिजिकल ज्योग्राफी बड़ा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी बड़ा है तो एक क्लैश भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये बड़े मजेदार तरीके से हम लोग ज्योग्राफी ये सब चीजों को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली इंटरफेस है विद नेचर एंड सोशल साइंस का ये इंटरफेस है समझ रहे तो ये हर जगह का फेनोमना प्लेस टू प्लेस है holistic, हम लोग पूरी तरह से इसको समझेंगे इन डिफरेंट प्लेसेस ठीक है और इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को तो इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्री लार्जर साइज इन एरिया गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस ठीक है तो कहते हैं कि जो पहला का टाइम था एंशियंट ये जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था जब पहली लड़ाई चल रही थी पुराने जमाने में जब लड़ाई चल रही थी तो कंट्रीज विथ लार्जर साइज जो बड़े बड़े साइज एरिया के कंट्री थे गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस ठीक है तो उनको ज्यादा फायदा हो रहा था उसमें भी ज्योग्राफी है भाई यानी हर जगह देखो ज्योग्राफी है ये हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी है तो ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है अब जैसे कि बोला जाएगा कि हिमालय हमको बचाता है यानी कि जो साउथ से जो हवाएं चलेंगी चाहे अगर मान लो दुश्मन भी आ गए तो हिमालय को क्रॉस करके आएंगे तो हिमालय हमको बचाता है लेकिन फिर हिमालय जो है वो दर्रा भी बनाता है यानी कि जगह भी देता है स्पेस भी देता है ताकि लोग आ जा सके और हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो हमको चिलिंग विंड ऑफ साइबेरिया के ठंडे ठंडे हवाओं से भी बचाती है है ना सी कोस्ट जो है सी कोस्ट हमारे पास तटीय क्षेत्र भी है तो हमको पूरब और साउथ ईस्ट एशिया यूरोप से सबसे कनेक्ट करता है तो ज्योग्राफी इस तरह से फायदा करता है देखो हमारे पास जो सी तट क्षेत्र है आप आगे जब आप ज्योग्राफी को ऑप्शनल वगैरह लोगे तो आपको हार्टलैंड थ्योरी रिमलैंड थ्योरी ये सब भी आप पढ़ेंगे तो बेसिकली यही सब चीजें हैं कि ज्योग्राफी आपको यहां पर मतलब अगर तट है हमारे पास सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड किलोमीटर्स का तट है अगर हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं अगर हम आइलैंड्स को बात कर रहे हैं सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर्स का तट है तो वो तट जो है वो हमको बाकी जगह से कनेक्ट करने की हेल्प करता है है ना तो वो उसमें भी ज्योग्राफी है यानी कि हम समुद्री समुद्र मंथन कर रहे हैं चाहे हम समुद्र सेतु कर रहे हैं तो वो भी उसमें भी ज्योग्राफी है क्योंकि है हमारे पास तभी ना तो सारे जो, जो फिजिकल ज्योग्राफी है और नेचुरल साइंस है कनेक्ट करके हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो चाहे तुम जियोलॉजी उठा लो मेट्रोलॉजी उठा लो हाइड्रोलॉजी उठा लो पेडोलॉजी उठा लो ठीक है जियोमॉर्फोलॉजी उठा लो क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी सॉयल जितने भी हैं सब जो है वो कि बहुत ज्यादा लिंक्ड है जियोग्राफी जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट हर सब्जेक्ट में दिए हुए है ठीक है नेचुरल साइंस जो है वो डिराइव देयर डेटा फ्रॉम दिस साइंस अगर तुम नेचुरल साइंस में पढ़ो तो तुमको डेटा चाहिए और वो भी वो भी कहां से तो डेटा कहाँ से मिलेगा अर्थ से मिलेगा अर्थ के सर्फेस को हम ज्योग्राफी कहते हैं बायोज्योग्रफी क्लोजली रिलेटेड है अगर बायोज्योग्राफी ज्योग्राफी का ये ब्रांच देखोगे तो जियोलॉजी और बायोलॉजी uh, से रिलेटेड है इकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है हर जगह का अलग अलग नीच है हर हर जगह का अलग अलग इंपॉर्टेंस है समझ रहे हैं कार, कार्टियोग्राफी यानी कि जो मैप हम बनाते हैं क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इकोनोमेट्री के लिए इस्तेमाल करते, करते हैं ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं जाकर ज्योग्राफी के किसी ब्रांच से रिलेटेड है ठीक है तो हिस्ट्री फिर हम हिस्ट्री एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि उस समय जो ज्योग्राफिकल थिंकर मदर है सब्जेक्ट का फाइन फिर हम साइंस इकोनॉमिक्स डेमोग्राफी ये सारे आस्पेक्ट को हम ज्योग्राफी में यहाँ पे कवर कर रहे हैं अगर ज्योग्रफी एंड सिविक्स की बात करेंगे तो भाई ज्योग्रफी के अकॉर्डिंग तुम सिविक्स करोगे अभी इंडिया में जो जो चल रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि बॉर्डर के उस पार भी तुम अपना जो रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो पॉलिटिक्स भी इससे रिलेटेड है कि हमको पहले अपना टेरिटरी तो समझ में आएगा हमारा तो आर्टिकल नंबर वन ही ये कहता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी भारत और उसका टेरिटरी पहले हमको समझना तो पड़ेगा कि लॉ बनाओगे तो पे चलेगा वो लॉ पूरे पूरे सतह के उस पर तो नहीं चलेगा हमको पहले अपना टेरिटरी तो समझना है सोवरेनिटी का बात करते हैं कि भाई हम जो है किसी के भी वो नहीं है कॉलोनी नहीं है हम किसी के गुलाम नहीं है सोवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं तो सोवरेनिटी भी कैसे सोवरेनिटी तो उसमें भी जियोग्राफी है हाँचे? तो ज्योग्रफी है सिविक्स फिर इकोनॉमिक्स में भी देखो अब हमको अगर वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है तो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए तो काम नहीं कर सकते ना पहले हमको अपना लिमिटेशन समझना होगा उसके बाद हमारे पास ज्यादा वेलफेयरिज्म होगा तो हम दूसरे के लिए काम करेंगे अभी जैसे ऑपरेशन करुणा हम म्यांमार के लिए चला रहे हैं तो उसमें भी ज्योग्राफी को समझना है दोस्ती करने के लिए भी ज्योग्राफी समझना है दुश्मनी करने के लिए भी ज्योग्रफी समझना है क्योंकि ज्योग्रफी एक ऐसा चीज है जो डायनामिक तो है लेकिन वो हमेशा रहेगा अगर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राज्य है चाइना है तो भले हमारा रिश्ता बदल सकता है लेकिन वो जगह वहीं पर रहेगा स्ट्रैटेजी तो के लिए भी ज्योग्राफी को समझना है फिर हमको ये समझना होगा कि भाई अगर हमको इकोनॉमिक्स के लिए प्रोडक्शन करना है तो कौन सा जगह हम अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करें रहे थार डेजर्ट में जाके फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर नहीं सकते मार्केट के पास होना चाहिए जहां से कच्चा माल मिले वहां पर होना चाहिए तो इसके लिए भी हमको ज्योग्राफी को समझना है तो हर फील्ड में चाहे तुम हिस्ट्री ले लो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है चाहे तुम सोशियोलॉजी ले लो सोशल ज्योग्राफी है फिलोसफी ज्योग्राफिकल थॉट है एंथ्रोपोलॉजी साइंस साइंसिकोलॉजी ज्योलॉजी बॉटनी पेडोलॉजी हाइड्रोलॉजी मेट्रोलॉजी जियोलॉजी मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी साइंस स्टैटिक्स स्टैटिक्स, इकोनॉमिट्री, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी पॉलिटिकल साइंस हर जगह जो है ज्योग्राफी के फील्ड जो है यह डिवाइडेड है, जो है ये तो ज्योग्राफी में हम तीन चीज पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी और अभी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आ गया है बायो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ज्योमोरफोलॉजी ज्योमोरफोलॉजी में हम देखेंगे कि पहाड़ बना या पठार बना उसका अलग अलग शेप समझेंगे फिर क्लाइमेटोलॉजी हम वा, वा, वायु को पढ़ेंगे वायु जलवायु को पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी समुद्र को पढ़ेंगे सोयल सोयल ज्योग्राफी हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सोशो कल्चरल पॉपुलेशन सेटलमेंट इकोनॉमिक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सारे पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे ज्योग्राफी में प्लांट जियो ज्योग्राफी जू ज्योग्राफी इको सिस्टम्स इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इन चीजों को भी पढ़ेंगे समझ हो तो इस तरह से हम सारे ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस बुक में ये बुक इतना इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये सारा ये जो हम रीजनल uh, अप्रोच है यानी कि रीजनल स्टडीज है रीजनल डेवलपमेंट है रीजनल एनालिसिस है प्लानिंग है ये सारी चीजों को यहाँ पे हम पढ़ने वाले यही चीज यहाँ लिखा है कि ये टोटल आस्पेक्ट uh, भी हम इसमें पढ़ने पढ़ेंगे ठीक तो है फिलोसफी में आप देखिएगा तो ज्योग्राफिकल थाट है लैंड एंड ह्यूमन इंटरैक्शन है मेथड ऑफ टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मैप का इस्तेमाल करें किस तरह से हम टेक्निक का इस्तेमाल करें सर्वे का इस्तेमाल करें जीपीएस का इस्तेमाल करें ये सारी चीजों को यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर यानी कि लैंड के फॉर्मेशन को एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर वायोस्फेयर ये सारे इसमें इस जो बुक है हमारा उसमें बेसिकली हमारा यही एस्पेक्ट कवर होगा इसको हम यहाँ पे समझेंगे एक एक करके एक एक चैप्टर हम समझेंगे पहला चैप्टर हमारा है कि धरती जैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना पूरा की पूरी धरती कैसे बनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम देखते तो है बोलते हैं कि बहुत सारे तारे हैं हम तारे इनगिनत है, हैं अनगिनत हैं तारों को काउंट नहीं कर सकते तारे किस चीज से बने हैं क्या सन भी एक तारा है तो ये जितने भी मन में आपके सवाल हैं वो सवाल को हम इस चैप्टर में कंक्लूड करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट टू चैप्टर नंबर टू कि बेसिकली ये सब कुछ बना कैसे नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है अ, Kant क्या कह गए गया इमान क्या कह गए है ना लैपलेस जो है वो उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये सारी चीजें हम यहाँ पे ज्योग्राफी में समझने वाले हैं तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू जहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट को हम समझेंगे लेट्स बिगिन चलिए तो चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू तो आइए जानते हैं चैप्टर नंबर टू के बारे में जहां पे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात होती है तो देखो यहां पे न, थ्योरी है हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस क्या होता है कि जहां पे कुछ भी फिक्स आपके पास सबूत नहीं है आप उसको प्रूव नहीं कर सकते लेकिन आपने एक थ्योरी बना के दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा था ना तो ऐसा ऐसा हो गया होगा दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस ठीक है तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं अब हम यहाँ पे दो तीन स्टोरी समझेंगे कि किस चीज की हाइपोथेसिस की बात होती है तो जनरली पहले जितने भी साइंटिस्ट थे ना यहाँ पे दो थॉट है एक अर्ली थ्योरीज है और एक मॉडर्न थ्योरी है तो जितने भी साइंटिस्ट थे ना वो ये नहीं सोचते थे कि यूनिवर्स कैसे बनाए वो ये इस चीज के पीछे थे कि अर्थ कैसे बनाए तो फिर मॉडर्न थ्योरी में कहा गया कि भाई आप ये सोचिए ना कि यूनिवर्स कैसे बना होगा उस हिसाब से आप करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे नाम आएंगे पहले मैं आपको थ्योरीज बता देती हूँ और फिर धीरे धीरे करके हम नाम को समझेंगे तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि भाई देखो एक ना ना ही एयर ना ही सॉलिड एक क्लाउड जैसा कुछ होगा और क्लाउड जो है आपस में ऐसे घूमते 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 रहा होगा और घूमते घूमते के चक्कर में क्या होगा कि बीच में एक सन बन गया होगा सूरज बन गया होगा और फिर धीरे धीरे क्या फैले होंगे तो इनके आसपास जो है जो क्या फैले होंगे तो प्लान फैले होंगे इस टाइप का एक थॉट है ठीक है तो एक थॉट तो ये है अंडरस्टूड उसके बाद एक थॉट दूसरा थॉट क्या था कि सन है ठीक है सन है और सन के पास से एक बहुत ही पास से एक स्टार गया होगा क्रॉस किया होगा ठीक है सन और स्टार दोनों आसपास है इसलिए दो चीज है ना यहां पे तो हम इसको बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि दो चीज है दो है तो बाइनरी और इनके बीच में जब ये गया होगा तो इसने सोलर एक्सपेंशन कुछ सो, मतलब सन का कुछ टुकड़ा कुछ चीजें जो है अपने साथ खींच लिया होगा और ये खींचने के चक्कर में ये थोड़ा सा सिगार शेप का बन गया होगा ऐसा शिगार सिगार होता है ना सिगार शेप का बन गया होगा और यही जो है फिर आ, करते करते हमारे पूरे सिस्टम को एक मतलब सिस्टम जो है हमारा बना तो एक थ्योरी यह है दो दो थ्योरी है अभी हम लोग समझेंगे इन सब चीजों को और डिटेल में बस मैं आपको बेसिक बेसिक बात बता रही हूं और जो सबसे सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी है वो कहता है कि देखो एक मॉलिक्यूल होगा या एक एटम होगा और ये एटम बहुत ज्यादा डेंस होगा ये एटम जो है बहुत ज्यादा डेंस होगा ठीक है ये एकदम सॉलिड सा एक पार्टिकल होगा और ये बहुत डेंस पार्टिकल होगा और अचानक से क्या हुआ होगा कि ये जो है बर्स्ट कर गया होगा ये जो है बर्स्ट कर गया होगा फट गया होगा ऐसे ठीक है और बर्स्ट करके आज जितना भी हमको यूनिवर्स दिख रहा है या जो भी चीजें हमको दिख रही है वो बना होगा ठीक है तो ये हमारा ये जो थ्योरी है ये है बिग बैंग थ्योरी ये थ्योरी क्या है ये है बिग बैंग थ्योरी राइट right? ये थ्योरी क्या है ये बिग बैंग थ्योरी है तो ये एक थ्योरी है हाइपोथेसिस एक है, है तो हम इन्हीं थ्योरीज को भी समझने वाले हैं द ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ठीक है तो यहाँ पे आप देखिएगा अर्ली थ्योरीज जिससे हमको पता चलता है कि अर्थ कैसे बना और फिर नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे हुआ फाइन आगे बढ़ते हैं तो हम समझेंगे इसको कि सेल्फ ग्रेविटी से यानी कि जितने भी कण हैं उन सबका एक ग्रेविटी होगा और उन ग्रेविटी से ये आकर एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे जो मैंने आपको नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस में समझाया कि इस तरह से ये बादल का फॉर्मेशन होगा ठीक है और सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे गैस क्लाउड में है ना एक गा, मतलब गैस का क्लाउड बना होगा उसके बाद क्या होगा कि इस तरह से ये सब जो है वो ऐसे घूमना शुरू कर दिए होंगे है ना तो ये जितने भी क्लाउड है वो आपस में घूमना शुरू कर दिए होंगे और ये क्या है एंगुलर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम के कारण ये सब एक दूसरे में घूमना शुरू कर चुके होंगे राइट और ये क्या होंगे क्लाउड्स के फॉर्मेशन में बन गए होंगे क्लाउड के फॉर्मेशन में ये बन गए होंगे है ना तो क्लाउड के फॉर्मेशन में ये बन गए अब धीरे धीरे क्या होता है कि क्लाउड को ये घूमते 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 क्लाउड से डिस्क के फॉर्मेशन में बन गया ठीक है ये क्लाउड से क्या बने डिस्क के फॉर्मेशन में ये बने है ना और डिस्क ने क्या किया डिस्क ने इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया डिस्क ने इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया ठीक जब ये घूमना शुरू कर दिया तो जो इसका सबसे भारी चीज होगा ना वो सेंटर में आ गया होगा सेंट्रल मास में ये आ गया होगा ठीक है जो भारी चीज होगा वो सेंट्रल मास में यहां पे आ गया होगा और यही जो सेंट्रल मास है ये पुराना सन है यानी कि ये प्रोटो सन है

और डिस्क जो है ये घूमना शुरू कर गया डिस्क जो है घूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में कॉन्सेंट्रेट कर गए धीरे धीरे पार्टिकल जो है वो बीच में कॉन्सेंट्रेट कर गए और ये जो बीच में जो पार्टिकल कॉन्सेंट्रेट किए उस और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूर पे कॉन्सेंट्रेट किया और ये जो बीच का पार्टिकल है वही हमारा प्रोटोसन का मतलब हुआ कि जो आज का सन है उससे पुराना सन ठीक है ये हमारा प्रोटोसन बन गया अंडरस्टूड है ये प्रोटोसन बन गया और फिर जो अपना सिस्टम है इस हाइपोथेसिस को नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं इस हाइपो हाइपोथेसिस को क्योंकि ये जो बादल बना है ना बादल बना है निहारिका कहते हैं हिंदी में इसी को हम नेबुला कहते हैं बादल यानी कि नेबुला हम इसको कहते हैं और ये हो गया हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस तो सबसे पहले नेबुलर परिकल्पना है एक तरह का तो इमैनुअल कांत ने जो कि जर्मनी के फिलोसोफर हैं है ना जर्मन दार्शनिक हैं इन्होंने ये तो अपना हाइपोथेसिस दिया नेबुलर हाइपोथेसिस का और फिर इमैनुअल कांत के बाद 1796 में एक मैथमेटिशियन है लैपलेस लैपलेस ने इसको प्रूव किया लैपलेस ने इसी थ्योरी को प्रूव किया तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में कभी ऑप्शन में आएगा कि लैपलेस है या इमैनुअल कांत है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको दिया था कांत ने लेकिन रिवाइज 1796 में लैपलेस ने किया है ठीक है तो इसमें बताया जाता है कि प्लान जो है वो क्लाउड से बने हैं जो भी चीज हमारा सन है प्लान है वो क्लाउड से बने हैं और क्लाउड जो है ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन ठीक है तो क्लाउड के बीचों बीच एक सन है जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा है सन खुद रोटेट कर रहा है ठीक है ये थ्योरी क्या कहता है कि सन जो है यहाँ पे खुद में ही रोटेट कर रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे सन खुद ही रोटेट कर रहा है ये कह रहा है और बीच में यूथफुल सन यानी कि एकदम नया यंग सन है ठीक है यूथफुल यानी कि एकदम जवान जिसको कहते हैं यूथफुल uh, ये सन है और यूथफुल सन के यूथफुल सन के सराउंडिंग सारे प्लैनेट्स आपस में इस तरह से हैं और ये सन जो है ये खुद में ही रोटेट कर रहा है ये अपना नेवर हाइपोथेसिस कहलाता है ठीक है उसके बाद 1900 में क्या हुआ कि चैम्बर ने चैम्बर ने और मॉल्टन ने ठीक है मॉल्टन जो है चैम्बरलेन और मॉल्टन, इन्होंने कहा कि कंसिडर दैट दैट अ वॉन्डरिंग सन अप्रोच वॉन्ड्रिंग स्टार अप्रोच द सन तो मैंने जो सेकंड ऐप को कहा नहीं बताई कि सन के पास एक और स्टार आया था और कहते हैं कि जैसे नहीं एक जगह एक ये, ये फिक्स है और ये दूसरा उससे तो स्पीड में क्या ना खिंचा के उसका सामान लेके चला गया तो ये शिगार का शेप हो गया समझ लो कि यहां पे सन फिक्स था सन फिक्स था और सन जो है वो तो फिक्स था लेकिन इसके पास से एक चीज इतना स्पीड में गया कि ये सन का कुछ पोर्शन अपने पास लेके चला गया स्टार लेकर चला गया तो ये थ्योरी 1900 में चैम्बर लेन ने चैम्बर लेन ने और किसने दी थी तो हॉल्टन ने दी थी है ना हा तो ये मॉल्टन ने और चैंबर लेने मोल्टन होगा हॉल्टन नहीं हुआ है ना इन्होंने ये थ्योरी दी थी ये स्टार अप्रोच द सन के बारे में और फिर क्या हुआ एक सिगार शेप बन गया जो मैंने अभी बताया आपको सिगार शेप बन गया और इसका एक्सटेंशन हुआ मटेरियल का जो कि वो सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस ठीक है तो ये सोलर सरफेस से ये मटेरियल सेपरेट हुआ एज द पासिंग स्टार मूवड अवे द मटेरियल सेपरेटेड वही मैं कह रही हूं कि जैसे जैसे स्टार जो है वो सन से दूर गया उससे सन से उसने कुछ मटेरियल खींच लिया फ्रॉम द सोलर सिस्टम सोलर सरफेस से इसने क्या किया जैसे जैसे गुजरता हुआ तारा दूर चला गया सौर सतह से अ, अलग हुई सामग्री सूर्य के चारों ओर घूमती रही और ये धीरे धीरे ग्रहों से संघित संघित हो गया यानी कि ये क्या किया कि ये धीरे धीरे सोलर सरफेस से दूर गया कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन इट स्लोली इनटू तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि कहानी यही हो सकती है शायद कि इस तरह से सन था और एक स्टार इसके पास से जो गुजरा और इसने जो चीजें खींची तो ये जो शिगार शिगार शेप में इसने जो चीजें खींची वही बाद में जाकर प्लैनेट बन गया ऐसा भी हो सकता है ये यहां पर कहा जा रहा है ऐसा भी हो सकता है ये यहां पर कहा जा रहा है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो पहले हमने हाइपोथेसिस समझा जिसमें इमानुअल कांत है और 1796 में क्या हुआ कि लैपलेस ने इसको फिर से रिवाइज किया बाइनरी थ्योरी हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि गाइज इसमें एक स्टार भी है और सन भी है, है ना तो लेटर द आर्ग्यूमेंट कंसिडर ऑफ द कैंपेन कैंपेनियन ऑफ द सन टू सन टू हैज बीन को एग्जिस्टिंग यानी कि सन और स्टार दो है ना सिगार शेप वाला तो यहां ये थ्योरी किसने दिया है ये थ्योरी जो है चैंबर लेन ने चैम्बर लेन ने और किसने चैंबर लेन के साथ साथ मोल्टन ने दिया है ने दिया ठीक है उसके बाद क्या होता है बाइनरी थ्योरी के बाद रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस आता है यानी कि अब नया नेबुलर हाइपोथेसिस इसको समझेंगे तो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ये ऑटो तो शिमिट ने दिया है ऑटो तो शिमिट जो है ये रशिया के हैं और कार्ल वाइसकार ये जर्मनी के हैं, ये नया थ्योरी है 1950 तक का थ्योरी है और इन्होंने कहा कि नहीं देखिए सन जो है ये हो सकता है कि ये सोलर नेबुला यानी कि एक तरह का क्लाउड से ये घिरा हुआ हो ठीक है जो कि किस चीज से बना है हाइड्रोजन का बना हुआ है और हीलियम का बना हुआ है तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सूरज जो है वो चारों ओर से एक बादल से घिरा हो जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना है है ना एंड एलोंग विल विस्ट तो कह रहे हैं ये देखिए ऐसा हो सकता है कि सन है और सन पूरी तरह से सन जो है वो क्या है वो इस तरह से बादल से ये अपना घिरा हुआ है और ये बादल क्या है यह हाइड्रोजन का बना हुआ है और हीलियम का बना हुआ है ये बादल किस चीज का बना हाइड्रोजन और ही उसी के डस्ट पार्टिकल से और उसके फ्रिक्शन एंड पोलूजन ऑफ द पार्टिकल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ अप क्लाउड एंड प्लैनेट वर्क फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए क्रिएशन अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो नया थ्योरी है ठीक तो है तो जो रिवाइज नेब्युलर है तो नेब्यूला में क्या कहा गया था कि देखो यार बादल है और बादल जो है वो डिस्क के शेप में है और ये इतना घूमा इतना घूमा कि बीच में सन जो है वो कंसोलिडेट कर गया और इसके आसपास पास जो है वो प्लानिट इस तरह से ऐसे अलग अलग हो गए

और ये बादलों से घिरा हुआ है, है क्लाउड दितकी। से घिरा हुआ है क्लाउड क्या है हाइड्रोजन और हीलियम के डस्ट से बना हुआ है ठीक है हाइड्रोजन और हीलियम के डस्ट से बना हुआ है 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 उसके बाद क्या होता है कि ये ना एक डिस्क शेप में है ये एक डिस्क शेप में है मतलब बादल के बाद ये डिस्क शेप आता है और डिस्क शेप में बीच में सन है डिस्क शेप में बीच में सन है अंडरस्टूड और फिर ये डिस्क जो है ये फिर से घूमने लगा है लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें घूमने लगा तो इसने कहा कि बीच बीच में प्लैनेट्स हैं लेकिन ये कह रहा है कि वो जो डिस्क होगा ना वो थोड़ा सा मोटा होगा और उसके उसके ना एक एक करके लेयर 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 निकलने लगेंगे ले तो डिस्क के ना एक एक करके लेयर लेयर निकलेंगे तो लेयर जो निकलेंगे उसके बीच में कुछ पार्टिकल्स होंगे कंसोलिडेटेड पार्टिकल्स और वही कंसोलिडेटेड पार्टिकल्स जो है वो प्लैनेट्स uh, को फॉर्म करेंगे समझो अब तो मान लीजिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए डिस्क डिस्क है है ना दिस इज अ तो अब ये जो डिस्क है ये घूमना शुरू हुआ ये घूमना शुरू हुआ और ये डिस्क में आपको दिख रहा है थोड़ा सा मोटाई है तो इसका एक एक करके एक क्रिएशन में लेयर्स निकल रहे हैं लेयर्स जब निकल रहे हैं तो उसके लेयर्स में जो कंसोलिडेटेड पार्टिकल होंगे वहां से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन है पर दोनों ऑलमोस्ट मतलब सेम ही बात है कि पहले क्लाउड था और मेरे को ऐसा घुमाने नहीं आता है चक्कर जैसा ठीक है तो पहले क्लाउड था और इस तरह से ये जो डिस्क है ये घूमना शुरू हुआ और घूमते 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 इस तरह से बीच में सन बना और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स बने और ये पार्टिकल देन दे फॉर्म द प्लैनेट्स आर वी क्लियर दे फॉर्म द प्लैनेट्स आर वी क्लियर इन है कमेंट सेक्शन गाइज तुम लोग मेरा बात सुना नहीं सुन रहे हेलो चले तो ये जो रिवाइज नेपुलर नेपुलर हाइपोथेसिस है ये कौन दे रहे गाइस तो ये ऑटो तो शेड ऑटोशे दे रहे हैं और दे रहे हैं और वह दे रहे हैं फाइन अंडरस्टूड है चलो तो अब ये सब ना अर्ली थ्योरीज थे ये पुराने थ्योरीज थे तो पुराने थ्योरीज में हम हम कोशिश बार बार किस चीज का कर रहे हैं कि भाई प्लान कैसे बना है प्लान कैसे बना है क्यों हमको चाहिए अर्थ कैसे बना है अर्थ कैसे बना है तो फिर नया थ्योरी कहते हैं कि भाई तुम सोचो कि अर्थ कैसे बनाए वो तो चलो ठीक है एक बात हुई है ना अर्थ कैसे बनाया वो तो एक बात हुई लेकिन ये भी तो सोचो कि यूनिवर्स कैसे बना होगा राइट यूनिवर्स कैसे बना होगा तो यूनिवर्स कैसे बना होगा इसके लिए हमने क्या सोचना है यूनिवर्स कैसे बना होगा इसके लिए हमने क्या सोचना है कि हमने हमने जैसे ये जो है ठीक है ये जो है ये अपना एक कंसोलिडेटेड वो है कुछ भी मॉलिक्यूल है और ये इस तरह से ऐसे फट गया कंसोलिडेटेड मॉलिक्यूल है और ये इस तरह से ऐसे फट गया ठीक है यहां तक क्लियर हो गया के कंसोलिडेटेड मॉलिक्यूल है और ये ऐसे फट गया है ना तो अब क्या होता है कि ये इतना ज्यादा डेंस है ये इतना ज्यादा डेंस है ये इतना ज्यादा डेंस है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स लेकर आ गया ये पूरा का पूरा यूनिवर्स लेकर आ गया अंडरस्टूड है तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स लेके आ गया अभी मैं आपको सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी डोंट वरी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये इसके फटने से बन गया ये इतना ज्यादा इसका डेंस था समझ में बात ये इतना ज्यादा डेंस था कि ऐसा हो गया तो यही थ्योरी जो है ये किस में बताया गया है ये मोस्ट एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि जो ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये यूनिवर्स एक छोटे से मॉलिक्यूल से एक छोटे से एटम से फटने से बना है अब ये कह रहे हैं कि ये साथ साथ एक्सपैंड भी कर रहा है अब इसका एक बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि अगर हम अगर हम क्या करें कि एक बलून लेते हैं ठीक है एक नॉर्मल सा बलून लेते हैं अभी ये बलून जो है वो पिचका हुआ है ठीक है अब जब तुमने यहाँ पे दो डॉट बनाए बलून में और उस बलून को फुला दिया और जब वो बलून फुल गया तो ये बलून क्या होगा वो दोनों डॉट दूर हो जाएंगे कुछ इस तरह का होगा दोनों डॉट जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये कह रहा है कि एक छोटे से मोलिक्यूल से एक छोटे यूनिवर्स बन गया वो तो चलो ठीक है बात और साथ ही साथ ये, ये एक्सपैंड करते जा रहा है, है। यानी ये कह रहा है कि यूनिवर्स में तो बहुत सारे गैलेक्सी होंगे है ना आकाश में बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारे तारामंडल होंगे वो तो चलो ठीक है तारामंडल तो है गैलेक्सी तो है है ना लेकिन गैलेक्सी जो है वो एक दूसरे से दूर जाते जा रही है एक दूसरे से दूर इसलिए जा रही है क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है ये कौन कह रहा है ये बिग बैंग थ्योरी कह रही है और यही यूनिवर्स हाइपोथेसिस है ठीक है ये बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली एडविन हबल ने यहां पर 1920 में प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग तो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने नहीं दिया है इन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है जैसे कि बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है तो बिल्कुल यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है ठीक है तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये ये थ्योरी आपका कंसिडर होता है कुछ स्टेजेस में जैसे कि शुरुआत में क्या है कि ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल यानी कि शुरुआत में ब्रह्मांड बनाने के लिए सभी पदार्थ एक छोटे से गेंदे मतलब एक छोटे से गेंदे यानी कि एक सिंगुलर एटम में थे जहां पे बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम था और बहुत ज्यादा इनफिनिट टेम्परेचर था और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी ठीक है तो इसका घनत्व जो है वो बहुत अनंत घनत्व था बहुत ज्यादा डेंसिटी थी है ना तो ये आपका एक छोटा सा एक छोटा सा एटम था बेसिकली ठीक है और ये छोटा सा एटम जो है ये फट गया और पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया फाइन छोटा सा एटम फट गया और पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया बिग बैंग टाइनी बॉल जो छोटा सा टाइनी बॉल है वो किया दिस लेड टू द्यूज एक्सपेंशन ठीक है तो ये यही बताया जा रहा है कि ये इतना ज्यादा जोर से फट गया वायलेंटली एक्सपैंड कर गया कि बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया है ना अब जनरली तो अगर हम इस थ्योरी को कंसिडर करेंगे स्टेजेस में तो माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ठीक है बिफोर द प्रेजेंट आज से 13 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग थ्योरी हुआ था और ये बिग बैंग थ्योरी जो है जैसे हुआ आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ और यहां से बहुत सारा इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इन मैटर और इतना ज्यादा ये जोर से फटा कि ये जो जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई देयर आर पार्टिकल रैपिड एक्सपेंशंस ठीक है तो पार्टिकल्स जो है वो बढ़ते चले गए विद फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ठीक है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए आफ्टर द बैंग द एक्सपेंशन वो हैज स्लो डाउन और ये एक्सपेंशन जो है वो धीरे हो गया स्लो डाउन हो गया विद इन द फर्स्ट थ्री मिनट फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी इवेंट एंड द फर्स्ट एटम है? तो बेसिकली बात यही है कि एक छोटा सा एक एटम है और ये एटम में क्या है बहुत ज्यादा वॉल्यूम है बहुत ज्यादा यानी कि इतना वॉल्यूम है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है इसकी ठीक है और ये जो है फट गया ठीक है और एकदम फट गया हैप्पी दिवाली तो उसका जो सारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह से इधर उधर छितरा गए और जो ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर छितरा गए ऐसे करके ठीक है पूरा एकदम एक्सपैंड हो गए एक से पूरा फट गया तो तीन मिनट तक तो ये फटा ठीक है शुरुआत के तीन मिनट जो है कुछ समझ में नहीं आया और तीन मिनट के बाद यानी कि आज से 13.7 बिलियन इयर्स अगो तीन मिनट तक तो ये फटा और उसके बाद तीन मिनट बाद सब कुछ बनना शुरू हुए तो क्या हुआ कि देर वॉज अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड

तो थ्योरी जो है उसका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है फिर क्या कहा जाता है कि ठीक है 13.7 बिलियन इयर्स अगो तो आपका बिग बैंग थ्योरी हुआ ये बात तो चलो ठीक है कि 13.7 इयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी होता है और फिर क्या समझ में आएगा आपको कि तीन लाख साल पहले तीन लाख साल पहले क्या हुआ कि द फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग थ्योरी जब हुआ उसके तीन लाख साल विद इन थ्री लाख साल तो जैसे बिग बैंग थ्योरी होता है आज से 13.7 बिलियन इयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी होता है और इसके तीन लाख ,00 साल बाद क्या होता है थ्री लाख इयर्स अगो मतलब इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप टू 4500 केल्विन तो टेम्परेचर ये क्या हो जाता है 4500 केल्विन हो जाता है चार हजार पांच सौ और फिर गेव राइज तो टू एटॉमिक मैटर द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट तो पहले तो क्या था इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर टेम्परेचर जो है वो कम हुआ चार हजार पांच सौ हम देख सकते हैं आर पार देख सकते हैं वो होना शुरू हुआ समझ में आ रहा है आपको तो बेसिकली यही बात है कि इस तरह से एक एटम था जो इस तरह फट गया और फटने के तीन मिनट बाद इस तरह से चीजें बनी और जब टेम्परेचर जो है चार हजार पांच सौ केल्विन तक हुआ तो आपको आर पार दिखना शुरू हुआ समझ लो तो द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीजिंग इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सी और पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होते चल रहा है और यूनिवर्स में क्या होता है ये एक गैलेक्सी ये दो गैलेक्सी इस तरह से गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सी देखो गैलेक्सी बढ़ नहीं रहा है नॉट सेइंग कि गैलेक्सी तो बढ़ रहा है अर्थ बढ़ रहा है तारामंडल बढ़ रहा है हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स बढ़ रहा है और यूनिवर्स ही अगर बढ़ रहा है तो दो गैलेक्सी पहले इतना था आसपास था अब यूनिवर्स बढ़ेगा तो उनके बीच का स्पेस भी बढ़ रहा है अंडरस्टूड आर वी क्लियर है, अलग -अलग हुना शुरू हुना शुरू है। any, any तो यही चीज होता है कि एक छोटे से चीज से फटके ये सब कुछ बनना शुरू हो गया फिर स्टार्स बने प्लैनेट्स बने अर्थ बना सुपरनोवा रेड प्लैनेट रेड स्टार सन लाइक स्टार जितनी भी चीज तो तुम सुनते हो बिग बैंग थ्योरी अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड फेनोमेना है ठीक है फिर बात आती है द स्टार फॉर्मेशन की स्टार फॉर्मेशन कैसे होगा है ना तो आप जानते हैं कि तारा आकाश होंगे क्या है हमारा जो गैलेक्सी है अभी तक हमने क्या समझा कि यूनिवर्स बना अब यूनिवर्स में हम अपने गैलेक्सी पे आते हैं और गैलेक्सी से हम अपने स्टार पे आते हैं ठीक है तो गैलेक्सी क्या है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं है ना और ये जो है वास्ट डिस्टेंस पे है ठीक है दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड थाउजेंड ऑफ लाइट लाइटर्स तो लाइट इयर्स क्या होता है लाइट इयर्स जो है किस चीज का पैमाना है समय का पैमाना नहीं है लाइट डिस्टेंस का है वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द द जितने भी सेलेस्टियल बॉडी उसको हम किस में मेजर करते हैं लाइट ईयर में मेजर करते हैं है ना डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं लाइट ईयर में मेजर करते हैं तो ये जो है लाइट में हम इसको मेजर करते हैं अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड और इसको हम नेबुला कहते हैं समझ लो कहा तो जा रहा है यही कि जो आपके हाइड्रोजन के गैस हैं वो बादल के फॉर्म में बनना शुरू होते हैं और इसी को हम इसी को हम हाइड्रोजन के फॉर्म जो बादल बनना शुरू होते हैं इसी को हम नेबुला कहते हैं है ना

देखो, पहले जो पहले जो बात क्या हुई थी कि एक तरह का एक एटम है वो फट गया और ये फट के तीन मिनट तक ये फटा उसके बाद क्या हुआ इसको हमने बिग बैंग थ्योरी का नाम दे दिया जो कि आज से कब हुआ आज से ये बिग बैंग थ्योरी पांच से लेके मतलब तो थर्टीन पॉइंट सेवन ईयर्स बिलियन थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स वो हुआ यहां तक समझ में आया तो जब ये चीज हुआ तो बादल जो बने और बादल में बहुत सारे क्लम्स बनने लगे गैसेस के क्लम्स बनने लगे क्लम्स ऑफ गैस बनने लगा ठीक है क्लम्स ऑफ गैस जो बनने लगा क्लम्स ऑफ गैस जो बनने लगा तो ये जो क्लम्स ऑफ गैस है ये क्या हुए क्लम्स ऑफ गैस ही आपके धीरे धीरे यही सारे जो हैं वो स्टार्स बनने है समझो यानी कि एक ये पूरा गैस का ये बादल है और उसी में से जो कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं उसी के जो कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं वो स्टार्स बनने लगे उसी के कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या बनने लगे वो स्टार्स बनने लगे इतने सा, इतना सारा चीज क्लियर हो गया हम लोगों को और फिर जो ये स्टार्स है ये कब बनना शुरू तो आज से पांच से छह बिलियन ईयर सगो कहते हैं कि स्टार्स बनना शुरू हुआ आज से पांच से छह बिलियन ईयर सगो क्या कहते हैं कि स्टार बनना शुरू हुआ यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो ये आप देख सकते हैं यहां पे है ना ये हम आपको यहां पे हम देख सकते हैं चलेगा नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या होता है कि स्टार जो है वो क्या बने वो लोकलाइज लंप ऑफ गैस हुए ठीक है जिसको हमने नेबुला कह दिया लोकलाइज लंप ऑफ गैस जिसको हमने नेबुला कह दिया ठीक है तो ये जो अपना वही बादल वाला सिस्टम है और द ग्रेविटेशन फोर्स विद इन द लम्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैस क्लाउड ठीक है तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हुए कि गैस क्लाउड जिसके कोर मतलब कि जैसे लम्स जैसे मान लो कि एक बादल है उसमें जो मोटा मोटा पदार्थ था वो गैस बन गया और इसके बीच में अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करने लगे जिसके कारण उसका कोर बनना शुरू हो गया ठीक है जिसके कारण क्या हुआ कि लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैस ठीक है एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड गैस कोर समझ लो तो अब क्या बोल रहे है यहाँ पे कि यानी कि यहां पे क्या बात हो रही है कि जो बादल था हवा का ठीक है गैस का बादल था उसमें जो क्लम्स बने वो आपके स्टार्स तो बने लेकिन इस बादल के बीचों बीच यानी कि यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लेड ठीक है तो यहाँ पे जो ये जैसे मोटे मोटे जो है, उसके अंदर अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या कर रहे हैं ये कोर बना रहे हैं समझ लो जैसे अर्थ में भी क्या है जो कोर है वो बहुत ज्यादा डेंस है तो ये कोर बना रहे हैं गैस क्लाउड का और ये ह्यूज रोटेशन हो रहा है डिस्क ऑफ द गैस का और ये फिर धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं गैस कोर में तो द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड ठीक है एंड मैटर अराउंड द कोर डेवलप्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट ये सारे नोट्स में मैंने आपको दे दिया है दी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोहेशन डेवलप इन टू प्लानिस्टी अब देखो बात यही फिर से हो रही है कि ठीक है भाई जैसे आपका बादल था और बादल में आपको जहां जहां क्लम्स दिखते रहे जहां जहां क्लम्स दिखते रहे तो वो क्लम्स धीरे धीरे क्या बन रहे हैं वो क्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं कि जैसे एक क्लम को अगर हम यहाँ पे ले तो ये क्लम अगर ऐसा दिखेगा तो जो भी ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है कि इसमें जो भी भारी चीज है वो बीच में जा रहा है और बीच में जाके यहाँ पे कोर बना रहा है और इसके कारण इसको एक प्रॉपर शेप मिल रहा है जिसके बाद हम इसको प्लानिट कहना शुरू कर सकते हैं जिसके बाद हम इसको प्लानिट कहना शुरू कर सकते हैं यही इस हाइपोथेसिस में कहता है तो ये यह यही बात है कि देखो ऐसे गोल 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 घूम रहा है गोल 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 घूम रहा है और यहाँ पे अगर एक डॉट को लीजिएगा तो ये डॉट क्या है ये इस तरह से ये पहले ये ऐसा 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 था और फिर इसका एक प्रॉपर कोर डेवलप हो गया जिसके कारण ये प्लैनेट बन गया समझ रहे है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट क्या है लार्जर बॉडी जो कोलिशन के कारण <coughs> एक सेकेंड करण... <coughs> गिव मी वन मिनट तो बेसिकली यही है कि बादल में जो भी पार्टिकल्स हैं जो डेंस पार्टिकल हैं वो घूमते 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 क्या हो गए Uh, उसके बाद ये अपने कोर में जाके इकट्ठा होना शुरू हो गए और गैस अट्रैक्शन जिसके कारण मटेरियल जो है एक दूसरे से चिपकना शुरू हो गए प्लैनेट स्टिमल आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज ठीक है तो यानी कि प्लैनेट के जितने भी पदार्थ बनते हैं यानी कि जो सामग्री बनती है वो बनना शुरू हुई और दीज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेट प्लेनेस्टेलियर एक टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्जर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट तो अब जो प्लैनेट्स से बनने के लिए जो चीजें जो अलग-अलग इकट्ठा -अलग होने शुरू हुई मिलनी शुरू हुई तो ये बड़ी संख्या में छोटे ग्रहों मिलकर ग्रहों के रूप में कम बड़े पिंड बनाते चले गए समझ में आ रहा तो ये आपके फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स है यहां तक आपको समझ में आ गया फिर प्लैनेट्स जब तक बनते चले गए यानी कि पहले हमारा स्टार बना स्टार जो है वो बीच में रहा बादल में जो भी क्लम्स बने उससे हम प्लान बनाए प्लान जैसे बने तो सारे प्लैनेट को और हमारे स्टार को लेकर हमने हमने अपना पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना दिया तो सोलर सिस्टम में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा सन है हमारे पास आठ प्लान है मून देखिए मून जो है ना उसके नंबर चेंज होते रहते हैं जैसे अभी फिर से सैटर्न के मून का नंबर चेंज हो गया उसके बाद बहुत सारे उल्का पिंड है क्षुद्र ग्रह है ठीक है धूमकेतु है क्षुद्र ग्रह है उल्का पिंड है ये सब मिलकर और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट है ठीक है डस्ट ग्रेन और गैसेस बहुत सारे हैं तो ये सब मिलकर हमारा सौर्यमंडल बनाते हैं आठ ग्रहों में से बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को हम आंतरिकी यानी कि इंटरनल कहते हैं ठीक है इसको हम इंटरनल कहते हैं क्योंकि वो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में ये स्थित है तो बेसिकली बात ये है कि जैसे कि सन है है ना सन है ये उसके बाद आपका कौन सा प्लानट है तो मर्कड़ी है मरकरी जिसको आप बुध कहते हैं उसके बाद क्या है वीनस है वीन... मरकरी वीनस है जिसको आप शुक्र कहते हैं अर्थ है, ठीक है और फिर मंगल है यानी कि मार्स उसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट है और ये बेल्ट किस चीज का है ये एस्टेरॉयड का है ये एस्टेरॉयड का बेल्ट है यानी कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है और उसके बाद क्या आता है जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून आता है ठीक है तो ये जो चार प्लानिट है ये जो मर्की वीनस अर्थ मार्स है इसको हम इंटरनल प्लान कहते हैं इंटरनल प्लानट्स कहते हैं और इसके बाद वाले जो प्लान प्लानट है इसको हम एक्सटर्नल प्लानट कहते हैं ठीक है तो इंटरनल प्लानट इसको हम टेरेस्टेरियल बॉडी भी कहते हैं टेरेस्टेरियल बॉडी भी कहते हैं और जो बाहर वाले इसको हम जोवियान प्लानट भी कहते हैं वो ठोस है और ये जो है ये गैसेस के बने हुए हैं तो इसीलिए ये बड़े दिखते हैं तो इसको ये बड़े प्लानट है ये लार्जर है और ये जो है वो स्मॉलर है ये जो है वो स्मॉलर है ठीक है तो बेसिकली ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स को भी हमने ऐसे बोला हुआ है कि ये इंटरनल प्लैनेट है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीनस अर्थ मार्स और उसके बाद ना ये एक एस्ट्रॉइड का बेल्ट है जुपिटर यूरेनस और, और नेपच्यून जो है ये सारे बड़े बिग प्लैनेट्स हैं ये स्मॉलर प्लैनेट है ये इंटरनल प्लैनेट है ये टेरिस्टीरियल प्लैनेट है और ये जो है ये इनका सतह जो है ये जोवियन प्लैनेट यानी कि गैसेस से बने हुए हैं समझ में आ रहा है आपको यानी कि ये गैसेस से बने हुए हैं ठीक है तो फर्स्ट फोर प्लान जैसे मैंने बोला उसको कहते हैं क्योंकि वो ठोस की तरह है धरती की तरह है इनका जो सतह है वो रॉक और मेटल से बना हुआ है ठीक है चट्टान से बना है धातु से बना हुआ है और जो बाकी है उनको हम जोवियान याट कहते हैं यानी कि जुपिटर की तरह है और अगर हम टाइम को देखेंगे तो जो प्लान हैं ये किस समय बने ये 4.6 बिलियन सिक्स बिलियन बने तो फिर से अगर हम समझेंगे तो हमारा जो बिग बैंग थ्योरी हुआ वो कब हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ उसके बाद जो हमारे स्टार्स बने वो 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो बने और प्लैनेट जो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनना शुरू हुए ये सब कुछ एक बादल से बना है जिसको नाम हमने क्या दिया हुआ है जिसको हमने नेबुला गया है और जहां जहां थोड़े से लम्ब्स बने हैं क्लम्स बने हैं बादल के उसको हमने उससे हमने स्टार्स और प्लैनेट्स इस तरह से बनाने शुरू किए है। तो हैं ठीक है तो टेरेस्टीरियल प्लान और जोवियन प्लान में डिफरेंसेस आपको पता है कि टेरेस्टीरियल प्लान जो है वो उनका सतह जो है वो कंडेंस होता है सॉलिड का बना होता है और प्लैनेट जो है ये डिस्टेंस लोकेशन में होते हैं यानी कि जैसे मान लो अगर दिखने में इतना बड़ा दिखेगा लेकिन एक्चुअली होगा बस इतना ही बड़ा क्योंकि इसका जो अपर सरफेस है वो वो हवा का मतलब गैस का बना हुआ है ठीक है सोलर विंड जो है वो आपके इंटरनल यानी कि टेरिस्टेरियल प्लान पे ज्यादा रहेंगे क्योंकि वो सन के पास है ठीक है वो सन के पास है और उस कारण से जो उसके ऊपर का जैसे सारे तो आपके बादल जि, जितने भी प्लैनेट है वो सारे तो गैसेस के ही बने हैं लेकिन सन के ज्यादा करीब होने के कारण क्या होता है उसके बहुत सारे गैसेस जो हैं वो ब्लू ऑफ हो जाते हैं ठीक है थीके? और डस्ट जो है डस्ट और गैसेस जो हैं वो हट जाते हैं सरफेस सोलर विंड्स जो है नॉट लेकिन अभी क्या है कि जुपिटर सैटन यूरेप्चुन वो थोड़े दूर पे है बृहस्पति शनि अरुण और वरुण जो है वो थोड़े दूर पे है तो उनके ऊपर जो ये गैस का परत है वो सन के हीट से नहीं हट सकता है क्योंकि सन उनसे दूर है और जो आपके मर्की विनिस अर्थ मार्स है सन के इतने करीब हैं कि उनके जो गैस गैसे सरफेसेस हैं वो हट सकते हैं टेरिस्टीरियल प्लानिट छोटे होते हैं और उनमें ग्रेविटी होता है इसीलिए कुड नॉट होल्ड द स्केपिंग गैसेस उनके ग्रेविटी जो है जो भी छोटा रहेगा उसमें उसकी ग्रेविटी कम होगी फिर आता है मून तो मून के बारे में कहते हैं कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा था कि पहले धरती था और धरती पे कोई चीज आकर टकरा गया ठीक है तो इस तरह का कोई थ्योरी है कि धरती है और धरती पे कोई चीज आके ऐसे टकरा गई और ये दोनों एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद धरती और मून अलग हो गया इस तरह से ये बात कही जाती है तो यही बात यहां पे है कि सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी था और द होल मास बिकेम अ डंबल शेप यानी कि डंबल इस तरह का जो मैंने अभी शेप बनाया है आपको कि ऐसे ठीक है तो यानी कि बोल रहे हैं कि धरती था और धरती पे क्या हुआ कि कोई एक चीज आकर यहाँ टकरा गई और ये दो में ऐसे अलग अलग शेप हो गई और उसके बाद जो मून है मून है ये अपने से अलग हो गया ठीक है ये मून जो है वो अपने से अलग हो गया आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी और ये बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन के पास जो पैसिफिक महासागर के पास जो अवसाद है वहां पे जो गड्ढा है इतना बड़ा वहीं से वो मून जो है वो निकलकर बाहर हुआ है यानी कि जो धरती में ये कहां से निकल के बाहर हुआ है तो ये पैसिफिक ओशन में जो ये अपना गड्ढा है यहीं से माना जाता है कि मून हमारा निकलकर बाहर हुआ है तो बेसिकली बात यही थी कि धरती अपना था अर्थ और अर्थ पे ही अर्थ से ही इस तरह से अर्थ जो है डंबल शेप में टूटा और अर्थ और मून जो है इस तरह से बाहर हो चला गया क्लियर है फिर बात आती है मून पे जब हम देखेंगे तो बॉडी साइज ऑफ वन टू थ्री टाइम्स दैट ऑफ द मार्स के जितना लगभग मंगल ग्रह से एक से तीन गुना आकार का एक पिंड आकर धरती पर टकराया और उसके बाद क्या हुआ इसने धरती में एक बड़े से हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया यानी कि ऐसे अलग हो गया और विस्फोटित सामग्री का एक हिस्सा तब पृथ्वी की परिक्रमा परिक्रमा करते रहा ठीक है और अतः लगभग 4.44 अरब साल पहले चंद्रमा बना यानी कि 4.44 बिलियन ईयर्स अगो चंद्रमा बना तो अभी जो हम लिख रहे थे अपना टाइम स्केल यहां पे चंद्रमा कब बना 4.44 बिलियन ईयर्स अगो जो है मून बना तो इस समय बिग बैंग थ्योरी हुआ है इस समय स्टार बना है इस समय प्लान बना है और ये अपना मून बना है जो कि धरती पे ही टकरा के कोई चीज धरती से अलग हो चली क्लियर हो गया है अब आता है कि धरती धरती तो हमारा जो प्लान है ये पहले बैरन था इसमें कुछ भी नहीं था ठीक है तो ये जो है पूरी तरह से खाली था बैरन था और इस पर कुछ भी नहीं था रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट इस पे थे ठीक है इन अ थिन एटमोस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम तो इसमें क्या थे कि सिर्फ पतले सा पतला सा परत था हाइड्रोजन और हीलियम का और फिर क्या हुआ कि द अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ठीक है तो बहुत सारे धीरे धीरे इसमें स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग लेयर्स बनते रहे ठीक है फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोस्फेयर टू द सेंटर यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें क्या है अलग अलग सतह बनते चले गए हैं अलग अलग सतह बनते चले गए ठीक है द मटेरियल एक्सिस्टेड इन टू इज नॉट यूनिफॉर्म एग्जिस्टेड इज नॉट यूनिफॉर्म यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सारे जो है वो बराबर जैसे होंगे जैसे ये सतह पतला होगा ये सतह थोड़ा मोटा होगा ये सतह और मोटा होगा हो सकता है कि घनत्व को भी देखेंगे तो ऊपर की घनत्व कम होगी नीचे की घनत्व ज्यादा होगी फ्रॉम द सर्फेस टू द डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन ठीक है तो सरफेस से लेकर अंदर तक जो अर्थ का इंटरनल है उसके अलग अलग जोन होंगे है ना तो यानी कि जो हमारी पृथ्वी बनी तो ये पृथ्वी में अलग अलग ऐसे लेयर्स बनते चले गए पृथ्वी में अलग अलग ऐसे लेयर्स बनते चले गए और ये जो लेयर्स हैं पृथ्वी के जो लेयर्स हैं ये हो सकता है कि इनकी अलग डेंसिटी होगी डेंसिटी में ये अलग होंगे या मोटापे में अलग होंगे तो ये कहा जा रहा है और ये इस पर कोई नहीं रहता था ये बैरन था कोई भी इस इसपे जमीन मतलब कोई भी जो जीव जंतु है उस उसपे नहीं थे तो अब क्या हुआ कि इसमें लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर और स्फेयर ओशनोग्राफी शुरू हुआ तो कह रहे हैं कि पहले प्रारंभिक चरण में शुरुआत में क्या हुआ प्रारंभिक चरण में और अर्थ जो है बहुत ही वॉलेटाइल अवस्था में था यानी अस्थिर था कुछ भी हो रहा था बम विस्फोट हाइड्रोजन हीलियम ये सब चीजें इसमें थे धीरे धीरे इसमें डेंसिटी बढ़ती चली गई और टेम्परेचर बढ़ते चला गया ठीक है तो यहाँ पे तापमान भी बढ़ते चला गया और घनत्व भी इसमें बढ़ते चला गया और एज अ रिजल्ट द मेटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी है ना तो मटेरियल जो है वो क्या हुआ कि डेंसिटी के कारण अलग अलग होने शुरू हो गए यानी कि अंदर वाली डेंसिटी ज्यादा हो गई और बाहर वाले जो है उसकी डेंसिटी कम हो गई ठीक है तो दिस अलाउड हेवियर मटेरियल लाइक आयरन

वो बीच में आकर इकट्ठा होने लगा जो बीच में आकर इकट्ठा होने लगा इसकी डेंसिटी ज्यादा थी इसकी डेंसिटी ज्यादा थी इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे धरती का जो कोर है वो निकल और आयरन का बना हुआ है निफे का बना हुआ है निकल और आयरन का बना हुआ है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है ठीक है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है फिर हम देखेंगे लिथॉस्फेयर के बारे में तो आप समझ गए हैं कि आउटर सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट ठीक है तो ऊपर का सरफेस बना और ये क्रस्ट बना बीच को हमने मेंटल बोला और अंदर को हमने कोर बोला तो कहते हैं कि जब मून बन रहा था जब मून बन रहा था तो हमारी धरती पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ठीक है और धरती जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होती चली गई और इस समय इस समय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड यानी कि जब मून हमारे से अलग हुआ तो हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया फाइन और अब क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस टू सेंट्रल पार्ट अगर हम सरफेस से लेके अंत तक देखेंगे तो हमारी धरती तीन पार्टों में डिवाइडेड है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं सबसे ऊपर का सतह अगर इसको हम इस तरह से बना के दिखाएंगे आपको तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं क्रस्ट कहते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं बीच वाले को हम मेंटल कहते हैं और अंदर वाले को हम क्या कहते हैं कोर कहते हैं अंडरस्टूड है क्लियर है गाइज तो इस तरह से हमने धरती को लेयर में डिवाइड किया हुआ है है ना इस तरह से हमने धरती को लेयर में डिवाइड किया हुआ है और धरती फिर क्या हुई कि इस तरह से डिवाइडेड है और क्रस्ट जो है क्रस्ट से कोर तक में डेंसिटी बढ़ती जाती है तो बेसिकली सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है कोर जो है वो सबसे ज्यादा डेंस है डेंसिटी सबसे ज्यादा कोर की है यहां तक तो आपको समझ में आ गया तो यही है हमारा धरती जो कि ऊपर का सतह ये क्रस्ट का बना हुआ है फिर मेंटल का बना हुआ है और अंदर वाला जो है ये कोर का बना हुआ है और कोर सबसे ज्यादा डेंस है हमारी कोर सबसे ज्यादा हमारी डेंस है यहां तक समझ में आ गया आपको अब इसी धरती में धीरे धीरे क्या होगा इसी धरती में पानी और एटमोसफेयर आएगा तो प्रेजेंट एर अर्थ एटमोस्फेयर जो है उसमें अभी क्या है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्यादा है क्यों क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था जब हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा था तो पहले हमने अपना जितने भी वातावरण है उसको लूज किया मौलिक वातावरण को हमने के नुकसान आ, के चिन्हित है ठीक है तो पहला चरण में हमने क्या करा है कि हमने पहले छोड़ा है उसको लूज किया लॉस हुआ है अलग हुआ है सेकंड स्टेज में जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ है यानी कि धरती के अंदर जो सब इतना गर्म है उसके कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर बना ठीक है तो बेसिकली धरती के अंदर जितना गर्मी है उसके कारण सब चीज इवैपोरेट हुआ और इवेपोरेशन के कारण हमारा एटमोस्फेयर बना। फाइनली कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर वॉज मॉडिफाइड बाई द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली यही बात है कि हमारे धरती का ये सब पूरा इतना गर्म था कि फोटोसिंथेसिस के कारण यानी कि जैसे सूर्य पे सूर्य की किरण पड़ी इस पे और फिर सब कुछ ऐसे गर्म होके बादल बना और फिर हमारा एटमोस्फेयर बना तो पहले हमने हाइड्रोजन और हीलियम जो हाइड्रोजन और हीलियम था इसको लूज किया और फिर बाद में हमारे जो धरती है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आकर बन मतलब आकर इकट्ठा होते चला गया ठीक है तो अर्ली एटमोसफेयर में क्या था अर्ली एटमोसफेयर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था हीलियम था है ना हाइड्रोजन और हीलियम था ये हमारी धरती से हटा स्ट्रिप्ड ऑफ हुआ और उसके बाद ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड तो जब धरती पे बहुत सारे सोलर विंड पड़े तो हाइड्रोजन और हीलियम यहां से हटते चला गया उसके बाद जब धरती थोड़ी सी ठंडी होनी शुरू हुई तो ठंडी जब होनी शुरू हुई तो जो हमारे धरती में गैस और वाटर वेपर्स थे ये धरती से रिलीज होना शुरू हुए ठीक है तो जो धरती के इंटर इंटीरियर है जहां पे बहुत ज्यादा गर्म है वहां से गैस और वाटर वेपर बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं अब ये जो गैस और वाटर वेपर बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं यही हमारे धरती का एटमोस्फेयर बनाता है यही हमारे धरती का एटमोस्फेयर बनाता है और लगातार जो भूकंप आया और लगातार जो गैसेस और वॉटर वेपर्स जो है वो बाहर निकलते चले गए ठीक है कंटिन्यूअस भूकंप और बहुत टाइम तक वाटर वेपर और गैस धरती से बाहर निकलते चले गए ठीक है तो फिर क्या होता है एज द अर्थ कूल्ड जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई द वॉटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस ठीक है तो जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई जो वॉटर वेपर्स थे धरती के ऊपर वो धीरे धीरे जो है वो कंडेंस होते चले गए यहां तक हम समझ में आ रहे हैं हम लोगों को और फिर फाइनली क्या होता है फिर फाइनली क्या होता है कि यहां पर फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में है ये हमारे रेन वाटर में डिजोल्व होता है और टेम्परेचर जो है वो फर्दर डिक्रीज ठीक है तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक तो अभी तक क्या होता है अभी तक क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारी धरती से निकला हाइड्रोजन और हीलियम हमारी धरती से हट गया और जो हमारी धरती में इतना ज्यादा गर्मी है जो कोर से इतनी ज्यादा गर्मी आई थी उसके कारण हमारे धरती पे बहुत सारे वाटर वेपर्स निकलने लगे और उसी के कारण हमारे धरती में एटमोसफेयर का फॉर्मेशन हुआ ठीक है इस जो जैसे हमारा धरती कूल डाउन होने शुरू हो गया ना तो उसी के कारण हमारा एटमोसफेयर का फॉर्मेशन होते चला गया क्योंकि धरती क्या हुई कूल डाउन होते चली गई ठीक है कूल डाउन होते चली गई यहां तक आपको क्लियर हो गया धरती जैसे ही कूल cool डाउन होती चली गई तो बेसिकली कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर गैसेस तो जैसे ही धरती जब कूल cool डाउन होती चली जाएगी और यहाँ पे धरती में धरती के ऊपर आपके क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे तो क्लाउड्स के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमोसफेयर गॉट डिजोल्व इन रेन वॉटर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर जो हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थे वो बारिश के पानी में डिजोल्व होते चले गए है ना और फिर जब बारिश के पानी में डिजोल्व होते चले गए तो उसके बाद और बारिश होने लगी और बारिश के कारण क्या होता है फॉलिंग जो जि, जितने भी गैसेस है वो सरफेस पे आना शुरू हो गए तो फिर से मैं आप उसको एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये अर्थ है और अर्थ पे अर्थ में जो भी गैसेस है हाइड्रोजन है हीलियम है वो हटना शुरू हुआ पहले ठीक है फिर धरती पे जैसे बहुत धरती जो है वो कूल होना शुरू होती है धरती जो है वो कूल डाउन होना शुरू होती है यहां तक समझ में आ गया और धरती में बहुत सारा वॉलकैनों वगैरह फटता है जैसे ऐसे पहाड़ है और यहाँ पे वॉलकैनों वगैरह फट रहा है और इससे बहुत सारे तरह तरह के गैसेस निकल रही है और फिर वो गैसेस जो है हमारे सरफेस में इकट्ठा होती है और जब ये जब इतना ज्यादा वाटर वेपर बाहर निकलता है तो धरती के ऊपर फिर बादल बन जाता है और बादल से बारिश होती है और ये सारे जो गैसेस जो बाहर निकल रहे थे बादल के कारण वो कंडेंस होकर धरती पर ही रह जाती है और इस तरह से धरती में हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है तो लिथोस्फेयर यानी कि जो क्षोभ मंडल है या एटमोस्फेयर है ओशनोग्राफी है इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है अब हम थर्ड चैप्टर में इसको और डिटेल में समझेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर होपफुली आपको किसी भी थ्योरी में कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा राइट हेलो एवरीवन तो देखो यार जो धरती है ना काफी बड़ी है ठीक है ये धरती जो है वो काफी बड़ी है और अगर हम धरती को देखें तो करीबन मोटा मोटी यहाँ पे सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी किलोमीटर तक का इसका रेडियस है ठीक है किलोमीटर तक धरती किलो का रेडियस है अगर कोई जानना है कि धरती के बीचों बीच कौन कौन रहता है तो हम यहाँ पे कोई गड्ढा करके एकदम ऐसे छेद करके राम श्याम वसीम किसी को भी ऐसे भेज के वहां पे तो नहीं जान सकते कि धरती के सेंटर में क्या है है ना तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको समझना पड़ेगा और ये समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं समझने के लिए हमको बहुत सारी ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट को समझना होगा यही समस्या है इस चैप्टर का यानी कि हमारे धरती के इंटीरियर में आंतरिक भाग में क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा तो बेसिकली फोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर यानी कि हमको इंफॉर्मेशन के लिए हमको बहुत सारे सोर्सेस जानने होंगे जा, ताकि हम धरती के इंटीरियर को समझ सकें तो रेडियस जो है धरती का वो करीबन कितना है रेडियस जो है धरती का वो है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी किलोमीटर और धरती के अंदर कोई भी नहीं जा सकता धरती के अंदर कोई भी नहीं जा सकता क्यों क्योंकि धरती जो है वो तो बहुत मतलब बीच में बहुत हीट होगा ना कैसे कोई धरती के अंदर बीचों बीच जा सकता है तो अधिकांश जो है वो हम अनुमान और अनुमानों पर आधारित हमारी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं इसीलिए उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग सूत्रों पे यानी कि सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरह का अपना धरती है और हम लोग तो इस सतह पे रह रहे हैं और यहाँ पे बीच में देखो इतना लग रहा है कि खोल जाएगा कुछ भी जाएगा कि हो जाएगा। मतलब एकदम हो तो तो हमको हमको सतह से हमको सेंटर की ओर जाना होगा। तो बात क्या है इसके लिए हम कुछ सोर्सेस पर डिपेंडेंट है जैसे कि डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस डायरेक्ट सोर्सेस क्या है हमारे पास जैसे कि धरती पे बहुत सारे जो सरफेस पे चट्टान है जो रॉक हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की अगर हम देखेंगे तो तीन से चार किलोमीटर तक जो खुदाई हुई हुई है उससे ज्यादा नहीं हो सकती तीन से चार किलोमीटर तक जो हमने खुदाई की हुई है और उससे जो चट्टाने निकल रही है वहां से हमको पता चलता है वहां से आइडिया होता है कि अच्छा धरती में इस तरह की चट्टाने भी हैं इस तरह के जो रॉक्स हैं वो भी हैं साइंटिस्ट जो है उन्होंने काफी बार बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं और कोशिश किया है कि जितना ज्यादा वो गड्ढा खोद सके उतना ज्यादा गड्ढा खोदकर ये क्रस्ट कि सतह से नीचे जा सके जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग जैसे हम समुद्र की सतह से जब ड्रिलिंग करते हैं अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या कैसी कैसी चीजें हो सकती है जैसे कि हमने जो आज तक की सबसे ज्यादा ड्रिलिंग की है वो चौबीस किलोमीटर डेप्थ तक की है ठीक है तो ये कोला एक जगह है कोला आर्टिक ओशन में एक जगह है कोला यहाँ पे हमने ड्रिलिंग की है इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि अच्छा क्या है धरती के अंदर फिर नेक्स्ट है वॉलैनिक एडप्शन यानी कि धरती में जो वो, 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 ये आता है वॉल्केनो आता है ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी आप समझते हैं ना ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें बेसिकली ये जो हमारी पृथ्वी है पृथ्वी पर हमारा पहाड़ है और पहाड़ में इस तरह से छेद हो ऐसी चीजें निकलती हैं बाहर तो ये जो चीजें बाहर निकलती हैं जब ये अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं जब ये बाहर होता है तो इसको लावा कहते हैं जब लावा जो है ठंडा हो जाता है कूल डाउन हो जाता है तो कूल डाउन होने के बाद ये क्या होता है ये अपना रॉक बन जाता है और जब ये रॉक बन जाता है तो वो रॉक जो है इससे हमको आइडिया होता है कि हमारा अर्थ का जो इंटरनल है अर्थ का जो इंटीरियर सिस्टम है ठीक है इंटीरियर है अर्थ का वो किस चीज का बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है है ना तो ये हमने कैसे पता किया हमने जो डायरेक्ट सोर्सेस है उसमें हमने क्या किया है कि हमने जो हमारे खनन खनन के लिए चीजें होती है जैसे साउथ अफ्रीका में तीन से चार किलोमीटर तक हमने यहां पर छेद कर दिया है ठीक है या फिर अगर हम आर्टे ओशन में देखेंगे तो डीप डाउन हमने यहाँ पे 12 किलोमीटर तक हमने यहाँ पे कोला एरिया जो कि आर्टिक में है यहाँ पे हमने गड्ढे खोदे हुए हैं गड्ढे खोदने से हमको समझ में आता है भाई कि क्या हो सकता है अपने धरती के अंदर तो ये देखिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोदे हुए हैं इससे जो भी चट्टाने निकलती है उससे आइडिया होता है कि क्या हो सकता है अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करें इनडायरेक्ट सोर्सेस को अगर हम देखेंगे तो अप्रत्यक्ष सोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो हम लोग को पता है कि जो माइनिंग एक्टिविटी है यानी कि जो खनन है है ना खनन माइनिंग एक्टिविटी है टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सरफेस से नीचे जाने पर समझ में आ रहा है तो इससे क्या होगा कि जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती है इस बात को समझें तो बेसिकली बात क्या है कि जैसे अगर हम सरफेस से जैसे जैसे नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर यानी कि तापमान और दबाव यानी कि प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब किसी भी चीज का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉक्स में गैस के पार्टिकल्स हैं गैशियस पार्टिकल है।, है ना यहाँ पे गैशियस पार्टिकल है ठीक है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा प्रेशर भी प्रेशर भी बढ़ रहा है ना

कोर में बढ़ते जाएगा कोर में जो है प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा और टेम्परेचर भी अपना हाईएस्ट हो जाएगा ठीक है टेम्परेचर और प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा क्लियर है टेम्परेचर और प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा और ये क्यों है क्योंकि जैसे ही और इसके साथ ही साथ क्या होता है डेंसिटी भी हाईएस्ट हो जाती है तो जब हम एकदम डीप डाउन एकदम बीचों बीच चले जाएंगे ना तो इसकी डेंसिटी जो है हाईएस्ट होती है हाइएस्ट डेंसिटी कब होती है तो हाइएस्ट डेंसिटी जो है वो कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सबसे हाइएस्ट होती है इस बात को आपको समझना होगा ठीक है इस बात को आप समझेंगे अब इन डायरेक्ट सोर्सेस की बात मानेंगे तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे कि जैसे जैसे अंदर जाइएगा डेंसिटी और टेम्परेचर हाई होगा ये माना गया है ठीक है अब अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि जो उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से जो चट्टाने गिरती हैं जो भी हम पे डस्ट गिरता है या जो भी पत्थर छोटा मोटा गिरता है उससे हम समझते हैं कि धरती कैसी होगी ऐसा हो सकता है कि जो मटेरियल हम पर गिर रहा है वही मटेरियल से हमारे धरती का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बना होगा यह भी हो सकता है कि जो मटेरियल हम पे गिर रहा है हमारा धरती भी उसी तरह से होगा ठीक है तो जो सॉलिड बॉडी है हमारा प्लानिट भी उसी तरह से बन सकता है ये हमारा इंटरनल सोर्स है ठीक है तो यानी जो हम पे अंतरिक्ष से हम पे जो चीजें गिर रही हैं उसी चीज से अंतरिक्ष हमारा धरती भी बना होगा ये हम मानते हैं फिर हम मानते हैं मैग्नेटिक और सिस्मिक फील्ड्स को ठीक है तो अर्थ को एक हम समझेंगे अर्थवेक में जो 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 वेव्स आती हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्ट वेव्स है इनडिर वेव्स है रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है इसको ऑब्जर्व करेंगे ठीक तो फिर ये भी समझेंगे कि जो ग्रेविटेशनल uh, फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑफ द सर्फेस यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड ऑफ द सर्फेस इट इज ग्रेटर एट द पोल एंड लेसर एट द इक्वेटर अब इस इसपे बात क्या है ये कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि जो आपकी धरती है ठीक है वो कुछ इस प्रकार की है इस ऐसा नहीं बता इस तो है। लो कि ऐसा बनाता तो है वो कम है और इक्वेटर की रेडियस जो है, वो है। पोल की रेडियस ऑफ द तो इक्वेटर इज मोर देन द दे रेडियस ऑफ द पोल ये कहा जा रहा है ठीक तो जब रेडियस इक्वेटर की ज्यादा होगी तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है जी एम एम बाई आर स्कूल जीएमएम एम बाई आर स्क्वेयर जीएमएम एम बाई आर स्क्वेयर है अगर आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा है ना तो अगर यहाँ पे अगर हम फोर्स एट इक्वेटर देखेंगे और फोर्स एट पोल देखेंगे तो फोर्स एट पोल ज्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि आर की वैल्यू जहां पे भी आर की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी जैसे कि इक्वेटर में आर की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स जो है वो इक्वेटर पे कम हो जाएगा समझ में आ रहा है फोर्स जो है वो इक्वेटर पे कम हो जाएगा और पोल पे फोर्स ज्यादा हो जाएगा यानी कोई भी सामान जो जितना ज्यादा सेंटर के करीब होगा सेंटर उसको अपनी और उतनी ही ज्यादा तरीके से उतनी ज्यादा फोर्स से खींचेगी और कोई भी सामान सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा सेंटर उसको उतने फोर्स से नहीं खींचेगी तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड पे बढ़ते हैं यानी कि इक्वेटर पे सबसे कम फोर्स लगता है और पोल पर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है यही चीज यहाँ पे कही जा रही है क्लियर हो गया फिर अगर हम मैग्नेटिक सर्वे को देखेंगे तो इससे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है मैग्नेटिक मटेरियल का और क्रस्टल पोर्शन का ठीक है तो मैग्नेटिक सर्वे को भी हम देखेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल और क्रस्ट के बारे में हमको यहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है क्लियर हो गया फिर सस्मिक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि अर्थ वेक को अभी हमको समझना है भूकंप की गतिविधियों को अगर हम समझेंगे तो हमको और ज्यादा इनडायरेक्ट तरीके से जानकारी मिलेगी अपनी धरती के बारे में तो भूकंप क्या है अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो धरती का कापना, ठीक है ये क्यों होता है क्योंकि एनर्जी का रिलीज होता है एनर्जी जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है तो बेसिकली बात यह है कि जब हम इस तरह से अपने धरती को देखेंगे तो यहां से धरती जो है वो एनर्जी रिलीज कर रही है और धरती कापना शुरू कर रही है और धरती जो है वो अपने एनर्जी को अलग अलग डायरेक्शन में बता रही है अपने जो धरती है उसका आ, एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है समझ में आया ये अर्थक्वेक है तो जैसे ये अर्थक्वेक है धरती कापना शुरू कर देती है क्रैक्स बन जाता है राइट अब बात है कि वाई डज द अर्थ शेक क्योंकि कभी कभी जैसे यहां पे क्या है फॉल्ट हो जाता है ठीक है द रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो बेसिकली बात क्या है कि जैसे मान लो कि ये धरती को हम फ्लैट सर्फिस में दिखा रहे हैं और यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया यानी यहाँ पे कोई दरार आ गई और दरार आने के कारण ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है या फिर ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है या फिर ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है तो किसी भी तरह से जब दरार आती है और दो अलग अलग, अलग, अलग चट्टान मतलब दो अलग अलग, अलग पार्ट्स जो है अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं ठीक है अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं कुछ भी हो सकता है दूर भी जा सकते हैं पास भी जा सकते हैं या इस तरह से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अर्थ को एक आ जाता है अर्थ को एक आ जाता है ठीक है क्लियर है हाँ तो ये बात आप समझ गए हैं तो ये ये बेसिकली क्यों होता है तो अब ये अर्थ को आ रहा है क्यों क्योंकि रॉक्स जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं और एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस ठीक है तो देन द फ्रिक्शन लॉक्स देम टूगेदर तो अब जो रॉक स्ट्रेटा है वो जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी एक दूसरे में रिलीज करने लगते हैं ठीक है एनर्जी का रिलीज होता है और यही एनर्जी के रिलीज के कारण यही एनर्जी के रिलीज के कारण जो सम पॉइंट पे जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मूवमेंट होता है उसी से अर्थक्क आता है ठीक है तो एज अ रिजल्ट जो ब्लॉक जो है वो गेट्स डिफॉर्म और धीरे धीरे क्या होता है कि स्लाइड जो है वो एक दूसरे पे एब्रप्टली इस तरह से पास करने लगते हैं जिसके कारण एनर्जी का रिलीज होता है और यही एनर्जी पृथ्वी में अलग अलग डिरेक्शन में मूव करने लगती है समझ में आया आपको तो बेसिकली बेसिकली बात क्या है कि प्लेट्स में दरार आती है और दरार आने के कारण प्लेट्स में जब दरार आती है दरार आने के कारण जो पार्ट्स हैं जो पार्ट्स हैं वो मूव करने लगती हैं जो पार्ट्स हैं वो मूव करने लगती हैं और उन पार्ट के मूवमेंट के कारण एनर्जी का उत्सर्जन होता है ठीक है नेक्स्ट है है द अर्थ अर्थ शेक शेक तो ये क्यों शेक कर रही है? क्योंकि जहां से जैसे मान लो कि जो दरार आई वो आई और यहां से एनर्जी का रिलीज शुरू हुआ तो इसको हम फोकस कहते हैं ठीक है इसको हम फोकस कहते हैं इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं और इस पृथ्वी का जो सबसे कड़ी भी सतह होता है जहां पे ये सीधे डेविएट होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं ठीक है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं क्लियर हो गया यहां तक यहां तक क्लियर हो गया तो द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ठीक है द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द सेंटर इज नोन एज एपिसेंटर फाइन क्लियर है है ना और यहीं पे जो फोकस के सबसे करीब जो सरफेस होता है इसी को हम एपी सेंटर कहते हैं इसी को हम एपी सेंटर कहते हैं अंडरस्टूड है क्लियर है जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक लेते हैं प्लेस एक लिथोसफेयर में ये कम से कम करीबन कितने होते हैं जो नेचुरली होते हैं ये धरती से 200 किलोमीटर तक नीचे होते हैं टू हंड्रेड किलोमीटर्स तक नीचे होते हैं यानी कि अगर अर्थक्वेक यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है कि ये किलोमीटर नीचे आया होगा इसका फोकस यहाँ पे होगा और उसी का ट्रेमर उसी का आपको कंपन जो है वो सरफेस पे पता चल रहा है और इसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ होता है और सिस्मोग्राफ जो है यही वेव्स अपने सरफेस पे पहुंचते हैं समझ में आ रहा है तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या है आपको ये समझ में आया कि अर्थक्वेक में क्या होता है

जो है एनर्जी रिलीज हुआ और यही एनर्जी का जो ट्रेमर होता है यही एनर्जी के जो कंपन होते हैं वो आपको धरती पे जो सबसे पास वाला सरफेस है वहां पे पता चलते हैं और धीरे धीरे पूरी धरती पे फैलते हैं जिसको हम अर्थ को एक कहते हैं ठीक है तो अर्थ को एक में जो वेव्स जो एनर्जी के कारण वेव्स रिलीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सतह पे हो ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ही अर्थ पे हो ठीक है तो अब इसको इस तरह से समझेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सतह सतह पे हो ठीक है ये सिर्फ सतह पे हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे ही पूरे ही अर्थ के बॉडी पे इस तरह से हो पूरे अर्थ बॉडी पे हो ठीक है दोनों ही केसेस पॉसिबल यहाँ पे हैं दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं तो जो बॉडी है बॉडी जो है वो क्या कर रहा है वेव इंटरैक्ट ठीक है तो बेसिकली पहले बॉडी वेव्स को समझते हैं तो बॉडी वेव जो है ये एनर्जी के कारण बनती है और एनर्जी कहाँ पे है फोकस में है एनर्जी जो है हमारा कहाँ पे है यहाँ पे फोकस से एनर्जी निकला है और यहाँ से ये यह सारे डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर जाता है

तो इसको हम सरफेस वेव कहेंगे नाम से एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है कि जो सतह पे रहेगा उसको हम सतह कहेंगे और जो पूरे ही उसमें जा चला जाएगा पूरे अंदर तक चला जाएगा उसको हम बॉडी वेव कहेंगे ठीक है तो ये जो ये देखिए पूरा पूरा ये अंदर जा रहा है ठीक है तो इसको हम बॉडी वेव कहेंगे और अगर ऐसा होता कि ये सिर्फ सरफेस पे आता सिर्फ सरफेस पर आता तो उसको हम सरफेस वेव कहते हैं अभी आपको यहाँ पे दो तरह के वेव दिख रहे हैं पी और एस वेव अब इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं तो आपको आगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो देखिये पी वेव में आपने समझा कि ये जो है ना थोड़ा अंदर तक जा रहा है ठीक है और एस वेव में आपने समझा कि ये ऊपर ऊपर तक ही है तो अब बात क्या है बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी धरती है ओके और यहाँ पे धरती पे क्या हुआ अर्थवेक आ गया ये अर्थवेक आया और अर्थवेक का जनरेशन शुरू हुआ अगर हम देख रहे हैं पी वेव को ठीक है और पी वेव में आपने देखा कि यहां पे भी जा रहा है यहां पे भी जा रहा है यहां पे भी जा रहा है यहां पे भी है यहां पे भी है यहां पे भी है कुछ कुछ जगह नहीं है इस तरह से वो मोटा मोटी तो, तो पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव प्राइमरी वेव में क्या होता है कि प्राइमरी वेव ये सॉलिड में भी ट्रैवल करता है और ये लिक्विड में भी ट्रैवल करता है यानी कि ये सॉलिड सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल करेगा और ये लिक्विड मीडियम में भी ट्रैवल करेगा कौन सा वेव पी वेव ठीक है समझ में आया आपको यहाँ तक तो इससे हमको पता चला कि अगर हमने माना ये कि धरती के जो ऊपर वाला सतह है वो सॉलिड है मैग आ, फिर मैग्मा लिक्विड है और बीच में फिर से सॉलिड है ये हमको यहाँ से अंदाजा हो रहा है क्यों अंदाजा हो रहा है उसको हम और डिटेल में समझाएंगे तो बेसिकली हमको इतना समझना पहले कि प्राइमरी वेव जो है ये सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर रहा है और लिक्विड मीडियम में भी ट्रैवल कर रहा है और बेसिकली बात क्या है कि धरती में बहुत सारे लेयर्स हैं और लेयर्स में जब ये वेव जनरेट होता है तो ये अलग अलग जैसे छितराना शुरू कर जाता है यहां तक क्लियर हो गया अंडरस्टूड है यहां तक अब क्या है कि जब हम इसके इस तरह के फेनोमेना को देखते हैं तो हमको फिजिक्स का एक फेनोमेना याद आता है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं फिजिक्स का एक फेनोमेना याद आता है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है जैसे ये सतह है ये सतह है और सतह में मान लो ये सॉलिड है ठीक है और ये लिक्विड है ठीक है और यहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया सरफेस के परपेंडिकुलर uh, 90 डिग्री का अगर यहां से कोई वेव आने को था तो इसको इस तरह से चला जाना चाहिए था है ना लेकिन क्योंकि ये लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है और सॉलिड और लिक्विड की अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें तो ओबियसली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है डेंस डेंस ये ज्यादा है है ना सॉलिड जो है वो ज्यादा डेंस है तो ये जो है वो इस तरह से ट्रैवल ना करके ये किस तरह से ट्रैवल करेगा ऐसे नहीं ठीक है ये ऐसे बना दिया मैंने ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल करेगा इधर नहीं जा रहा है ये 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 वाला लाइन नहीं है ये ठीक है इसको मैंने ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रेवल करेगा समझ रहे हो क्यों क्योंकि अभी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई है स्पीड कब बढ़ती है तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो वैक्यूम में होती है उसके बाद स्पीड जो है वो एयर में होती है फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है इसकी स्पीड बढ़ गई है वैक्यूम में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है फिर एयर में और लिक्विड में इसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सॉलिड अगर उल्टा केस होता तो अगर उल्टा केस होता तो क्या होता तो उल्टा केस होता तो कुछ ऐसा होता कि ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके ये ऐसे गया ये कौन सा केस है ये केस ये है कि अगर ये लिक्विड से या फिर एयर टू लिक्विड जाता है या लिक्विड टू सॉलिड जाता है यानी कि अपने से ज्यादा डेंस वाले में जाता तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ना होके टू वर्ड्स नॉर्मल यानी कि सिकुड़ जाता ये क्या केस है ये केस है कि अभी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है अगर ये डेंसर टू रेरर है और रेरर टू डेंसर है ठीक है डेंसर टू रेरर में स्पीड बढ़ जाती है और रेरर टू डेंसर मीडियम में स्पीड घट जाती है कौन ज्यादा डेंस है सबसे ज्यादा डेंस ये है इससे ज्यादा रेर ये है इससे और ज्यादा रेड ये है इससे सबसे ज्यादा रेयर जो है वैक्यूम है वैक्यूम में स्पीड हाइस्ट होती है याद क्लियर है तो अब यही चीज क्या होती है यही चीज यहाँ पे हो रही है तो मान लो कि अगर मैंने ये सॉलिड बनाया और फिर ये लिक्विड बना दिया और फिर इस तरह से सॉलिड बना दिया और यहां से कोई वेव जा रहा है तो ये इसको इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन ये इसका नॉर्मल है ये क्या होगा ये डिफ्लेक्ट करेगा ये इस वेव्स को मान लो इस तरह से जाना चाहिए था ठीक है और ये नॉर्मल बना दिए और ये क्या कर रहा है क्योंकि ये सॉलिड और ये लिक्विड है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा ऐसा होगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा अब क्या है कि इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये सॉलिड में गया तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया अब वापस से ये क्या होगा इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया और फिर अब ये टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया तो इस तरह से जो आपको वेव्स के ये जो डायग्राम बने हैं ये जो डायग्राम आपको मैंने दिखाया ये इस तरह से डेविएशन यहाँ पे देखोगे ये डेविएशन क्यों है यहाँ पे डेविएशन क्यों है क्योंकि ये सॉलिड है ये लिक्विड है ठीक है ये सॉलिड है ये लिक्विड है और फिर से ये सॉलिड है या फिर इसको अगर देखोगे तो ये सॉलिड है ये लिक्विड है ये सॉलिड है फिर लिक्विड है फिर सॉलिड है, है तो क्योंकि बार बार मीडियम चेंज हो रहा है इसीलिए इस तरह का डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है प्राइमरी वेव में प्राइमरी वेव में क्यों क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर रहा है और इस कारण से यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं दिख रहा है क्यों क्योंकि इसमें आपको डिफ्लेक्शन होने के कारण ये पहुंच ही नहीं पाया ना यहाँ पे यहां पे यह आने वाला था लेकिन ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया समझ लो तो ये जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको इसको हम शैडो जोन कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम शैडो जोन कहते हैं समझ में आ रहा है और सेकेंडरी वेव में क्या है ये जो एस वेव है इसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं सेकेंडरी वेव में सीधा सीधा हिसाब किताब क्या है कि सेकेंडरी वेव ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है अंडरस्टूड है सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करता है क्लियर है कहीं कोई डाउट है कुछ भी आपको दिक्कत है नहीं होना चाहिए तो यही सारी चीजें यहां पे देखे यहां पे क्या दिखाया है कि इस तरह से दरार था फॉल्ट था और फॉल्ट होने के कारण यहाँ पे क्या था यहाँ पे अभी ऐसे जनरेट हुआ देख लो चट्टान में दरार है और ये आपस में घूमने का कोशिश कर रहा है और ये फ्रिक्शन है वही एनर्जी रिलीज कर रहा है और यही एपिसेंटर से हर जगह जा रहा है क्लियर है ये देखिएगा अलग अलग शेप में कैसे कैसे मूवमेंट होता है पी वेव कैसे मूव करता है एस वेव कैसे मूव करता है एल वेव कैसे मूव करता है ये बताएंगे अभी ठीक है तो ये बॉडी वेव है बॉडी वेव में देख रहे हैं स्प्रिंग को छोड़ा था पूरा बॉडी है इसका हिल गया है ना और ये प्राइमरी वेव ऐसे ही होता है स्प्रिंग को छोड़े और छोड़े तो पूरा ऐसे करके जो मूवमेंट हुआ वो हो गया पी वेव और अगर हम यहां पे अगर एक स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सेकेंडरी वेव यानी एस वेव इस तरह से मूव करता है सरफेस वेव में तो आप समझ समझिए सिर्फ सरफेस में मूवमेंट होगा ये दोनों अपना बॉडी वेव है और ये सिर्फ सरफेस वेव है यानी कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है ठीक तो आप बेसिकली यही बताया गया कि देखो प्राइमरी वेव और सरफेस वेव दोनों को मैंने बता दिया प्राइमरी वेव सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे पहला वेव आता है वो क्या आता है तो दीज वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट वेव टू अराइव तो सबसे फास्टर कौन है सबसे फास्टर अपना प्राइमरी वेव है और ये फर्स्ट ऐसा वेव है जो सबसे पहले पहुंचता है कहां पे सरफेस पे पहुंचता है ठीक है और इसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं दे आर सिमिलर टू द साउंड वेव साउंड वेव क्यों क्योंकि साउंड वेव जो है गैस लिक्विड और सॉलिड साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है लेकिन प्राइमरी जो है गैस लिक्विड सॉलिड यानी कि इसको मीडियम चाहिए जैसे ही इसको मीडियम मिलेगा मीडियम में ये ट्रैवल करना शुरू कर जाएगा ठीक है प्राइमरी वेव जो है वो पैलट रहता है डायरेक्शन ऑफ वेव में यानी कि वेव इस तरह से चल रहा है तो प्राइमरी वेव भी इस तरह से चल रहा है जैसे मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल बताया ना कि एक स्प्रिंग है उसको ऐसे करके छोड़ दो

इसके मदद से समझ पाते हैं कि कहां कहां धरती में लिक्विड शुरू हो गया है क्योंकि एस वेव वहां वहां ट्रेवल नहीं करता है से, से हम लोग नाप लेते हैं है ना और ये रीबाउंड ये रीबाउंड वेव है, है। यानी कि जैसे स्प्रिंग जो है वो इस तरह से होता है तो ये वेव है और वेयर एज रिफ्रैक्शन में वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन तो ये वेव करता है एस वेव जो है ये ज्यादा डिस्ट्रेक्ट डिस्ट्रक्टिव है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्यादा विनाशकारी कौन सा है ज्यादा विनाश कौन करता है तो ज्यादा विनाश जो है वो एस वेव करता है पहले कौन पहुंचता है तो पहले जो है वो प्राइमरी वेव पहुंचता है ज्यादा तेज कौन है यानी कि स्पीड किसकी ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड जो है वो प्राइमरी वेव की है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो अब देखिएगा डायरेक्शन ऑफ अगर हम वाइब्रेशन देखेंगे एस वेव का तो ये परपेंडिकुलर है जैसे प्राइमरी वेव क्या था कि वो पैलर था किसके पैलर था ये वेव्स के पैलर है और एस वेव क्या है ये परपेंडिकुलर ये एस वेव क्या है ये परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये जो है दे क्रिएट ट्रो एंड क्रेस्ट इस तरह से इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पे ये देखो इसके वेव का डायरेक्शन हम सीधे पैलर जा रहा है और इसमें क्या है इसमें आपका ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर आपको दिखेगा ये मूवमेंट जो है ये सारे मूवमेंट परपेंडिकुलर है तो एस वेव जो है वो परपेंडिकुलरली मूव करता है और पी वेव जो है वो पैलर मूवमेंट करता, करता है ये देखेगा ये पैलर मूवमेंट और इसका इसका जो वेव के डायरेक्शन में मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है क्लियर है शेडो जोन मैंने आपको बता दिया कोई ऐसा जगह जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे वेव अफेक्टेड है यहाँ वेव अफेक्टेड है यहां अफेक्टेड है यहां अफेक्टेड नहीं है तो उसको हम शेडो जोन बोलेंगे को तो एक जो है गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ और ये दूर दूर तक पहुंचते हैं ठीक है सब स्पेसिफिक एरिया जहां पे नहीं पहुंच पाते हैं उसको हम शेडो जोन कहते हैं जैसे कि हम 105 से लेके 145 डिग्री तक अगर हम देखेंगे तो ये शेडो जोन है यानी ये शेडो जोन है कैसे इसको देखेंगे तो अगर आप इसको इस तरह से देखते हो ये वाला ये 105 है ठीक है तो यहां से लेके 145 है ये अपना शेडो जोन है तो ये अपना शार्डो जोन है यानी कि इस जगह में कोई भी नहीं होता है बेसिकली तो द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 जैसे कि अगर हम एस वेव की बात करेंगे तो यहां से 105 निकालते हैं 90 अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ना 90 ये 90 हो जाएगा और यहां से 105 निकालेंगे और इसका 105 डिग्री निकालेंगे तो 105 और 105 अगर हम निकालते हैं तो इस बीच का जो एरिया हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम शार्डो जोन बोलेंगे ठीक है ज़ोन बोलेंगे और ये जो है ये पी यानी कि यहां तक वेव का कुछ भी वेव नहीं जाएगा कोई भी वेव नहीं जाएगा और पी वे है एक सौ पांच यहां तक हो गया फिर यहां तक जो मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया यहां पे भी ये जाएगा तो ये 145 हो गया तो बस 105 तो से 145 तो नहीं जाएगा यहाँ पे भी 105 तो से लेकर 145 तो नहीं जाएगा तो ये बीच का जो 105 सौ पांच है है ये अपना कौन सा जोन है ये अपना शेडो जोन है। ये अपना शेडो जोन ठीक नेक्स्ट हम देखेंगे तो अब बात है टेक्टोनिक और टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में किस टाइप का अर्थ है कि जब फॉल्ट के कारण जैसे मैंने बोला कि दरार पड़ गया और फिर ऐसे ऐसे हिलने लगा तो ये हमने अर्थ में या तो पास जा रहे हैं या तो दूर जा रहे हैं या तो ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ये सारे के कारण जो ट्रेमर्स होते हैं जो वेव्स होते हैं उसको हम टेक्टोनिक अर्थ कहते हैं और वॉलकैनिक इरप्शन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉलकैनोज निकल जाते हैं तो वॉलकैनो निकलने के कारण भी अर्थ को एक आ जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटेंस माइनिंग एरिया है जहां पे हम खनन कर रहे हैं हमने बहुत बड़ा सा विस्फोट कर दिया वहां पे विस्फोट कर दिया वहां पे बम फोड़ दिया बहुत जोर सा तो उसके कारण अंडरग्राउंड जो है वो माइन्स ये कोलैप्स करने लगते हैं और वो कोलैप्स uh, जो है अर्थ को एक आ जाता है ठीक है बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया हमने ही कोई केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्टिंग पोखरण में जब हुआ तो कितना बड़ा झटका हुआ था तो उस कारण से भी होता है है ना रिजर्व यानी कि अंदर जो है पानी बहुत ज्यादा है वहां पे वो फट गया तो उस कारण से भी होता है तो बहुत सारे तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं अर्थक्वेक को हम किस तरह से मेजर करते हैं तो इसके लिए हमने स्केल्स बनाए हुए हैं दो तरह के स्केल है एक है रिक्टर स्केल एक है मर्की स्केल ठीक है तो रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल रिक्टर स्केल में जीरो से लेकर हम दस नंबर तक हम इसका मैग्नीट्यूड नापते हैं और मर्करी स्केल में एक से लेकर बारह तक नापते हैं ठीक है तो रिक्टर स्केल में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि क्या जो है तीव्रता क्या रही है इसकी इंटेंसिटी क्या रही है उसको हम त्रिव्रता के पैमाने को नापते हैं और मर्करी स्केल में हम क्या नापते हैं तो रेंज ऑफ इंटेंसिटी रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्केल को हम यहां पे नापते हैं अर्थक्वेक से क्या क्या होता है अर्थक्वेक से धरती जो है हिलने लगता है अलग अलग ग्राउंड सेटलमेंट्स में दिक्कत होती है मड uh, और लैंडस्लाइड कर जाते हैं सॉइल का लिक्विफिकेशन हो जाता है ग्राउंड uh, लर्चिंग हो जाता है एविलसेज आ जाते हैं ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फ्लड जो है वो आ जाता है डैम पे लीव फेलियर हो जाता है आग लग जाता है स्ट्रक्चर को हो जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट सुनामी बहुत सारी चीज़ें अर्थक्वेक अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक हैं ठीक है थीके? तो ये सारे जो हैं ये ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि कंसिडर मानते हैं हम लोग ये अर्थक्वेक के कारण आ जाते हैं फाइन तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर हमने समझा इसमें हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर समझे क्रस्ट मेंटल और कोर ये तो आपने समझ लिया कि सबसे ऊपर जो सतह है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे इसके अंदर जो है उसको हम मेंटल बोलेंगे और इसके और अंदर जो है उसको हम कोर बोलेंगे ये चीज आपने समझ ली तो ये जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्टिकल है इसको हमने क्या बोला इसको हमने बोल दिया कि ये धरती का क्या है ये अपना आउटर मोस्ट सॉलिड पार्टिकल यानी कि ये धरती का ऊपर का सतह है फिर ये ब्रिटल इन नेचर है यानी कि टूट सकता है टूट सकता है ठीक है ब्रिटल इन नेचर ये टूट जाता है टूटता है है ना फिर हम देखेंगे थिकनेस जो है ये वैडी करता है ओशियानिक में और कॉन्टिनेंटल में अब इसको समझे तो बेसिकली बात क्या होता है कि जैसे ये अपना सतह है और ये जो सतह है ये अपना ओशन है यानी कि या पे लिक्विड तो अगर हम यहां पे बोलेंगे कि क्रस्ट यहां तक है तो जहां पे आपकी धरती है यानी कि जो आपका कॉन्टिनेंटल है जो महाद्वीप का एरिया है उसका क्रस्ट क्या है वो मोटा है उसका क्रस्ट जो है मोटा है और जो अपना समुद्र वाला सतह है समुद्र वाला सतह है उसका क्रस्ट जो है वो पतला है उसका क्रस्ट जो है वो थिन, है ठीक है उसका क्रस्ट जो है थिन, है, और इसका क्रस्ट जो है वो थिक, है. समझ में आ गया? तक क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है आपको ये थिन है और वो थिक है है ना तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको सी लिख देंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसको ओशन क्रस्ट ओ सी लिख देंगे क्लियर है चलेगा तो क्रस्ट जो है ये आपका थिकड़ होता है मेजर माउंटेन सिस्टम्स में जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्रस्ट है और ये माउंटेन है और ये अंदर में बहुत ज्यादा मोटा है अंदर तक जितना ज्यादा उस पर चीजें रहेंगी जैसे कि अगर मान लो ये पहाड़ रहेगा या ये पठार रहेगा या ये पहाड़ रहेगा उतना ही ज्यादा उसका डेप्थ भी रहेगा पहाड़ है फिर पठार है फिर और पहाड़ है ठीक है तो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा नीचे रहेगा अगर ये पतला है तो ये भी पतला रहेगा ये इस तरह का क्रस्ट होता है हमारा ठीक है ये क्रस्ट हमारा इस तरह का है फाइन तो बेसिकली बात वैसे ही अगर इसको इस तरह से ये तो रिलेटिवली बता दिया मैंने अगर इस तरह से देखा जाए तो यानी कि अगर मान लो कि ये अपना ठीक है वो अगर मान लो कि एक सेकंड गाइस तो अगर ये अपना पहाड़ है ये क्रस्ट है और ये पहाड़ है या ये पठार है या ये इस तरह से है तो उसी हिसाब से इसकी क्रस्ट की मोटाई रहेगी यानी सतह की मोटाई रहेगी डेंसिटी आपको याद करना होगा क्रस्ट की डेंसिटी बहुत कम होती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है डेंसिटी को आप कैसे समझते हैं जैसे मान लो एक सेंटीमीटर लंबाई एक सेंटीमीटर चौड़ाई लिए तो अंदर कितना ग्राम है तो टू ग्राम है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं उसी को हम डेंसिटी कहते हैं क्लियर हो गया तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे आपको क्रस्ट मेंटल आउटर कोर और इनर कोर दिख रहा है इस तरह से ये हमारा प्रोफाइल है इस तरह से ये हमारा प्रोफाइल है सेकेंड जो लेयर है वो है मेंटल का लेयर मेंटल का लेयर क्या कहता है कि यहां पे जस्ट क्रस्ट के नीचे मेंटल का लेयर है और बहुत डिसकंटिन्यूटी बहुत डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ कि जैसे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना ये जो डायग्राम दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे लाइन से है ठीक है कहीं बीच बीच में दरारे भी हैं तो कहीं बीच बीच में गैप भी है इस बात को समझोगे कहीं बीच बीच में गैप भी है, है ना तो ये जो गैप्स हैं इसी से चीजें जो है बाहर निकलने लगती हैं या दोनों जो है वो एक दूसरे में बाहर तो नहीं निकलेगा क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है लेकिन ये जो दरारें हैं इसी को हम डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं तो क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटी है और उसके बाद जो दरार है उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है ठीक है क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटी है जो दरार है मेंटल शुरू हो जाता है जिसका डेप्थ टू थाउजेंड है जिसका डेप्थ जो है टू थाउजेंड है ठीक है तो जो पोर्शन है ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जैसे क्रस्ट के नीचे जाओगे तो मेंटल शुरू हो जाएगा और फिर मेंटल के बाद जो है यहाँ पे दरारें यहाँ पे शुरू हो जाएंगी और देखिए क्रस्ट में आपको ये नहीं बताया गया ना कि कितना ये इसका किलोमीटर्स तक होता है तो क्रस्ट बेसिकली हम लोग देखेंगे और उसके बाद यहां इस किलोमीटर तक हमारा मेंटल है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स तक एक एक, एक करके सारी चीजों को क्लियर करता है तो ये अपना ये अपर पोर्शन मेंटल जो है इसको हम स्थेनोस्फेयर कहते हैं और जो यहां से ही हमारा क्या होता है मैग्मा और निकलता है ठीक है तो क्रस्ट जो है ये अपर पोर्शन मेंटल के साथ होता है और क्रस्ट का जो अपर पोर्शन क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पोर्शन है इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं तो इसको आप इस तरह से समझें कि ये हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ऊपर से लेकर जो 2900 किलोमीटर किलोमीटर्स तक है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम मेंटल कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम मेंटल कहते हैं यहां तक क्लियर हो गया क्रस्ट के बाद ओब्वियसली ऊपर में क्रस्ट है और उसके बाद जो सतह से 2900 किलोमीटर किलोमीटर्स तक है वो मेंटल है मेंटल में मेंटल का जो अपर पोर्शन है ठीक है तो मेंटल को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है एक हो गया अपर मेंटल और एक हो गया लोअर मेंटल अपर मेंटल में जिससे मैग्मा निकलता है इसको हम कहते हैं और अगर हम अपर मेंटल को क्रस्ट के साथ जोड़ देंगे अपर मेंटल को क्रस्ट के साथ जोड़ देंगे तो अपर मेंटल और क्रस्ट जो है ये मिला के लिथॉस्फेयर कहलाता है ठीक है यहां तक आपने यही समझा ये इसको एक एक, एक लाइन अगर हम देखेंगे तो एक लाइन ऐसा ही है कि आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस जो है जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का आउटर मोस्ट बाहर का है उसको हम क्या कह रहे हैं उसको हम क्रस्ट कह रहे हैं ये टूटने का नेचर होता है तो ये ब्रिटल इन नेचर है और क्रस्ट जो है वो ओशन में पतला होता है और कॉन्टिनेंट में ये मोटा होता है ओशैनिक क्रस्ट जो है ये थिनर है ओशैनिक क्रस्ट जो है ये थिनर है ठीक है और ये कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कंपैरिजन में ओशैनिक क्रस्ट जो है वो थिनर फाइन तो ओशैनिक क्रस्ट जो है ये थिनर है यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मोटा है यहाँ तक बात आपको समझ गई डेंसिटी आपको समझ में आ गई 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है मेंटल की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर तक डीप है और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो दरारे हैं उसको हम महो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं यहाँ तक समझ में आ गया मेंटल के अपर पोर्शन को हम स्थेनोस्फेर कहते हैं और वहीं से मैग्मा निकलता है जिससे वॉलकैनिक यानी कि ये ज्वालामुखी निकलती है उसके बाद जो मेंटल का अपर पोर्शन है मेंटल का अपर पोर्शन है और क्रस्ट है इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं इसका जो थिकनेस है जो लिथॉस्फेयर का थिकनेस है ये 10 से लेके 200 किलोमीटर तक है क्यों 10 से लेके 200 किलोमीटर तक तो हो सकता है कि कहीं पहाड़ है तो उसका जो चौड़ाई उसका जो मोटापा है वो दो किलोमीटर हो कहीं समुद्र है और बहुत पतला लेर है तो हो सकता है कि वो दस किलोमीटर तक ही हो तो ये हो गया लोअर मेंटल जो है वो एस्थेनोस्फेयर के बाद शुरू होता है और लोअर मेंटल सॉलिड स्टेट का होता है ठीक है तो अपर मेंटल जो है वो लिक्विड है और लोअर मेंटल सॉलिड है अगर कोर की बात करेंगे तो कोर जो है वो पृथ्वी में 2900 किलोमीटर के बाद जितना है वो फिर नीचे कोर है यानी कि अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे तो ये 2900 किलोमीटर हो गया उसके नीचे वाला जितना पोर्शन है फिर ये क्या कहलाएगा कोर कहलाएगा ठीक है ये क्या कहलाएगा कोर कहलाएगा समझ हूं तो ये कोर कहलाएगा अब ये इसका जो आउटर पोर्शन है वो लिक्विड होता है और इनर पोर्शन सॉलिड होता है और इसकी जो डेंसिटी है मेंटल की एट द मेंटल कोर बाउंड्री पांच ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे निकल और आयरन से बना हुआ है जो कि तेरह ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हमारा कोर चला जाएगा ठीक है तो बेसिकली इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको अभी और इंटरनल स्ट्रक्चर में और आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बेसिकली क्रस्ट हो गया ये अपना मेंटल हो गया ठीक है तो ये हो गया क्रस्ट क्रस्ट क्या है सॉलिड है ठीक है क्रस्ट के अंदर क्या है अपर मेंटल है अपर मेंटल और क्रस्ट मिलके लेथोस्फेयर बनाता है ये क्या है ये लिक्विड है उसके बाद क्या है लोअर मेंटल है मेंटल क्या है सॉलिड है ठीक है उसके बाद क्या है आउटर कोड है आउटर कोड क्या है लिक्विड है ठीक है लिक्विड है उसके बाद क्या है इनर कोड है इनर कोड क्या है सॉलिड है है ना ऊपर का जो सरफेस है टू पॉइंट सेवन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक का है और फिर अपर मेंटल जो है ये फाइव ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब मेंटल और कोर के बीच में मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री है कोर यहां से शुरू हो रहा है इनर हो गया आउटर हो गया कोर यहां से शुरू हो रहा है पांच ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक का और अंदर जाते जाते ये तेरह ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का यानी कि जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं हमारी डेंसिटी बढ़ रही है जैसे हम अंदर जा रहे हैं हमारी डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ तक क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं आपको अंडरस्टूड है है ना ठीक है तो क्रस्ट है मेंटल है और आपका आ, ये हो गया कोर ओके अंडर क्लियर है गई? अब क्या बात है कि मेंटल की जो है ये टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर तक है और उसके बाद अपना कोर है जो कि सिक्स फोर जीरो जीरो किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली है ठीक अंडरस्टूड क्रस्ट की जहां तक बात करेंगे तो क्रस्ट जो है वो कहीं कहीं तो आठ किलोमीटर तक ही है और कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है सौ किलोमीटर तक भी हो सकता है तो वो डिपेंड करता है कि क्रस्ट में ऊपर आपने क्या बनाया हुआ है पहाड़ बनाया हुआ है या फिर आपने पठार बनाया हुआ है फिर अभी हम वॉलकैनो की बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वॉलकैनो को पढ़ रहे हैं उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वॉलकैनोज के बाद यहाँ पे कंपोजिट वॉलकैनो है मिडोशनिक वॉलकैनो है वॉल्केनिकैंडफॉर्म लैंडफॉर्म इंट्रूसिव है कैलडेडा है फ्लड बेस्ड है बैथोलित लैपोलित इन सब चीजों को भी हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बेसिकली बात क्या होता है इसको हम एक बार में ऐसे समझा दे कि वॉलकैनो इसको इस तरह से समझो जैसे वॉलकैनो है ठीक है धरती है और धरती में वॉलकैनो फट गया जब धरती में वॉलकैनो फट गया ठीक है और वॉलकैनो से मैग्मा निकलने लगा वॉलकैनो से मैग्मा निकलने लगा तो जब के ना उससे मैगमा निकलने लगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा ही लावा बाहर निकल जाए कभी कभी लावा जो है वो फंस जाता है यहाँ पे ही फंस जाता है यानी आप इस तरह से समझो कि एक ऐसे पहाड़ है और पहाड़ में इस तरह से लावा निकल रहा है और लावा जो है वो बाहर नहीं निकल के अंदर अंदर ही फंसने लगा अंदर अंदर ही लावा फंसने लगा और ये इसने बहुत सारा शेप ले लिया जब ये इस तरह से बॉक्स बन जाता है जब इस तरह से देखोगे ये बॉक्स बन जाएगा तो इसको हम बैथोलित कहेंगे ठीक है इस तरह से नाम है कि बैथोलिथ किसको कह रहे हैं किसको कह रहे हैं लैपोलिथ किसको कह रहे हैं इस तरह से बहुत सारे नामस है। नाम है तो एक एक करके समझते हैं इसको ठीक है एक एक करके इस तरह से समझते हैं शील्ड वॉल शील्ड वॉल कैनो क्या है कि यहाँ पे बस धरती के ऊपर ही फट गया ये मतलब ऐसे धरती है और इसमें से इस तरह से ऐसे छेद हुआ और ऐसे ऐसे करके कैसे कर कैसे करके बार बार वॉल कैनो आ रहा है तो इस तरह से शील्ड बन गया तो बैरिंग द बसाल्ट फ्लोज द शील्ड आर द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द अर्थ और हवाइय वॉलकैनो जो है वो शील्ड वॉलकैनो का एक एग्जाम्पल है हवाइन वॉलकैनो ठीक है तो ये बसाल्ट अप ऑफ ऑफ़ लावा और ये बहुत इज वेरी फ्लूड व्हेन इरप्टेड ठीक है तो वो बहुत ज्यादा फ्लूड निकलता है जब ये निकलता है इफ सम हाउ वॉटर गोज इन टू द वेंट ये जो है ये ज्यादा उतना भी विस्फोटक नहीं है तो अगर इसमें कहीं भी छेद में पानी चला गया वेंट में अगर पानी चला गया वेंट है वो जो पाइप रहता है जो कि धरती के अंदर से बाहर तक निकलता है उसमें अगर पानी चला गया तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है अदरवाइज ये नॉर्मल रहता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे सिंडेरा आपको सिंडरपोन वॉल कैनो दिख रहा है सिंडरपोन में एक ही वेंट है और वेंट से निकल रहा है यहाँ पे आप देखिएगा कंपोजिट वॉल कैनो है पे बहुत सारे ऐसे इधर इधर से भी निकल रहे हैं लावा वेंट क्या है यानी कि धरती के अंदर से जो पाइप जिससे मैग्मा निकलता है उसको वेंट कहते हैं शील्ड शील्ड में में आपने ये समझा कि में देखो ये ना एक्चुअली धरती में ही निकल रहा है शील्ड वॉलकैनो कुछ इस टाइप का है कि अगर हम देखेंगे तो ये धरती है और धरती में ही छेद और यहाँ पे ही इस तरह से वॉल कैनो जो है वो निकलना शुरू हुए हैं ठीक है तो इसको हम शील्ड वॉलकैनो बोलेंगे और इस तरह से ये दिखता है इसमें भी एक सेंटर चांद है ठीक है तो ये अपना ये डोम शेप वॉलकैनो है डोम में आप देखेंगे ये दो तरह का इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह डोम शेप बन गया तो ये बेसिकली डोम शेप है है ठीक अब जैसे मैंने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मैग्मा बाहर ही निकल जाए ऐसा भी हो सकता है कि मैग्मा अंदर फंस जाए तो जब मैग्मा अंदर फंस जाते हैं तो इस टाइप के वोल्केनो को हम इंट्रूसिव इन नेचर कहते हैं ये हो गया इंट्रूसिव कि ये अंदर ही रह गए और जब ये बाहर पूरी तरह से निकल जाते हैं तो उसको हम, तो हम एक्सक्लूसिव कहते हैं जो बाहर निकल गया तो एक्सक्लूसिव बोल दिए समझ लो तो अब अंदर कैसे फंसा है जैसे मान लो कि अगर ये लंबा सा रॉड बन गया अगर ये रॉड बन गया तो इसको हम डाइक कह रहे हैं अगर ये ऐसे इस टाइप के लेटे हुए रॉड बने हुए तो है हैं।, तो हैं तो इसको हम सिल कह है रहे हैं ठीक है तो लेटे हुए हैं तो इसको हम सिल कह रहे हैं फाइन अगर ये इस टाइप के हैं कि ऐसे सी शेप में है तो इसको हम लैकोलिथ कह रहे हैं अगर ये इस तरह के हैं कि इस शेप में है तो इसको हम लैपोलिथ कह रहे हैं समझ लो लैकोलिथ अलग हो गए लैपोलिथ अलग हो गए डाइक हो गए सिल हो गए बैथोलिथ हो गए इस तरह के शेप्स में बने हुए ठीक

बड़ा मिड ओशेनिक रिजस यानी कि समुद्र के बीच में भी जैसे अटलांटिक ओशन को अगर देखोगे अटलांटिक ओशन एस शेप का है समुद्र के बीच में भी कभी-कभी दरारें हो जाती हैं फट जाता है पृथ्वी पृथ्वी का सतह और नीचे से अंदर से क्या होता है वोल्केनो निकलना शुरू हो जाता है ठीक है तो देयर आर सिस्टम्स ऑफ मिड ओशेनिक रेंजस 70000 लॉन्ग स्ट्रेच है यहां पे 70000 किलोमीटर का एक लंबा सा स्ट्रेच है जहां पे आप देखेंगे समुद्र के सतह में कि दरारे हैं और वहां से भी बहुत सारे इरप्शन निकल रहे हैं तो ये मिड ओशियानिक लावा जो है सॉलिडिफाई करेगा लावा जब ठंडा होगा ठीक है सॉलिडिफाई करेगा तो लावा जब भी सॉलिडिफाई करेगा ठंडा होगा तो बेसिकली क्या बात होगी तो ये इग्नियस रॉक बनेगा ये इग्नियस रॉक बनेगा लावा सॉलिडिफाई करके ठीक है तो ये इग्नियस रॉक बन जाएगा और ये अपने सरफेस जब पहुंचता है है तो ये इग्नियस रॉक बनता है। लेकिन अगर ये अंदर ही ठंडा हो गया तो जब लावा जो है है क्या होता है? कि विद इन द क्रस्टल पोर्शन ही ही अंदर ठंडा हो गया तो ये इग्नियस रॉक कैसा इग्नियस रॉक बनता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है तब ये किस तरह का इग्नियस रॉक बनता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है ठीक है फिर बात आता है कैलडेरा कैलडेरा जो है ये होता है बिल्डिंग तो कैलडेरा बेसिकली अभी आपने पिक्चर देखा होगा तो so, यहां पे आप देखेंगे आना? तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी को हम कैलडेरा कहते हैं ये जहां से ये से फट रहा है क्रैटर इसी को हम कैलडेरा कहते हैं ठीक है तो यही चीज यहां पे बताई गई है कि कैलडेरा ये जो है मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो होता है ये जनरली

उसी को हम कैलडेरा कहते हैं जब इसमें पानी भर जाता है तो उसको हम कैलडेरा कहते हैं फ्लड क्या है? तो ये वॉल कैनो जो है यहाँ पे हाईली फ्यूर्ड लावा होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं जैसे मान लो कि अगर पहाड़ से लावा निकला और बहुत दूर तक चला गया बहुत दूर तक चला गया तो बाद में जब सूखता है तो जितने एरिया को ये ट्रैवल कर रहा है ठीक है इस तरह से अगर हम देखें गिला रंग से मान लो कि ये वोल्केनो और ये ज्वालामुखी इतना दूर तक ट्रैवल किया तो जितने एरिया तक ये जो हाई फ्लूइड लावा है ये ट्रैवल करेगा उतने स्क्वायर किलोमीटर तक हम क्या बोलेंगे कि ये एरिया जो है फ्लड बेसाल्ट बैथोलित मैंने बता दिया कि एक बड़ा सा रॉक अगर फंस गया इंट्रूसिव में तो उसको हम बैथोलिथ बोलेंगे ठीक है ये बड़ा सा जो चैम्बर से नहीं निकल पाया वो बैथोलिथ कहला दिया लैपोलिथ जो जो है वो इस तरह का है, है लैकोलिथ है ना ये लैकोलिथ कहलाएगा लैपोलिथ जो है ये इस तरह का है सिल जो है ये सिल है ये डाइक है जो नीचे फंस गया उसका नाम हमने इस तरह से दिया हुआ है इसको बस आप एक बार देख लेंगे ठीक है तो ये है हमारा चैप्टर नंबर थ्री अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर फोर को तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप इसको रीड कर लीजिएगा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जो मैंने आपको समझाया है बस उतनी ही सी बातें हैं अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर फोर की ओर हेलो एवरीवन तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को समझने वाले हैं देखिए ये चैप्टर काफी आसान सा है ठीक है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आप इसको समझ सकते हैं आराम से जैसे पहले सबसे पहले यहाँ पे तो आपको दिखाए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम ओशियन ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को पढ़ेंगे एविडेंस पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या है या फिर पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडीज क्या है ओशियनिक कॉन्फिग्रेशन को पढ़ेंगे वोल्कैनो एंड अर्थक्वेक को पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे माइनर मेजर प्लेट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री और इंडियन प्लेट के मूवमेंट को भी समझेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को आप इस तरह से समझेंगे यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है कि एक धरती है? है ना और धरती में जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं माना जाता था कि वो पहले एक ही जगह है पैनजिया इसका नाम था ठीक है उसके बाद कहते हैं कि पैंजिया दो में टूट गया जिसका नाम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हो गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड लैंड हो गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि ये हमारा टूट गया नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में अभी जो यूरोप है फिर यूरो एशिया था अफ्रीका यहां पे था ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और फिर अभी भी कहते हैं कि इंडिया ऊपर जा रहा है तो ये जो अलग अलग हो गया ना इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं ड्रिफ्ट यानी कि अलग अलग होना ड्रिफ्ट यानी कि बहाव होना उसका है ना अलग अलग हो जाना तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया गया था कि तो कॉन्टिनेंट जो है वो अलग अलग पोजिशन में शिफ्ट किए और यहाँ पे एक डच मैप मेकर थे जिनका नाम था जिनका नाम क्या था यहाँ पे डच मैप मेकर का और टैलियस और टैलियस एब्राहम और टैलियस ने कहा 1596 में कि ये हो सकता है कि पहले सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो एक में ही थे और अब धीरे धीरे वो अलग होते जा रहे हैं तो एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया अमेरिका यूरोप अफ्रीका का और कहा कि ये तीनों कॉन्टिनेंट ना पहले साथ में थे तो यहाँ पे हमने दो नाम सीखे हमने सीखा कि एक मैप बना था 1596 में और ये मैप किसने बनाया था एब्राहम और टैलियस ने बनाया था ठीक है तो और टैलियस ने एक मैप बनाया था और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ये तो ठीक है और पहले ग्रीनी जो है पहले इन्होंने इन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी जो अमेरिका है यूरोप है और अफ्रीका है साथ में यह पहले मतलब अलग अलग है यह पहले क्या था साथ में था तो यही हमारा ड्रिफ्ट थ्योरी है जो कि कहता है कि आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया यानी कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो एक साथ थे उसके बाद ये दो में टूटे ऊपर वाला नॉर्थ का कहलाया लॉरेशिया जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं और नीचे साउथ वाला कहलाया गोंडवाना जो कि डेढ़ सौ मिलियन ईयरस अगो पहले इसमें हो चुका है फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट टूटे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्टिका और आज भारत आज जो दुनिया है वो इस तरह से दिखता है जहां जहां आपको सारे कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ठीक है तो यही जो चीज है यही यहां पे लिखी गई है कि उसके बाद uh, और ये मौसम वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या करा इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको आगे ये लेकर आए इन्होंने कहा कि पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे जिसका नाम था पैनजिया ठीक है पेंजिया इसका नाम था और उसके बाद जो जो ओशन आपको दिख रहा है जैसे ये पेंजिया है ये तो ठीक है लेकिन जो समुद्र है इसका नाम भी रखा गया पैनथालसा है ना तो समुद्र का नाम यहाँ पे क्या रखा गया पैनथालसा रखा गया ठीक है यानी कि जो सारे सारे महाद्वीप है वो एक साथ है उनको पेंजिया कहा गया और जितने भी समुद्र है वो भी एक साथ है उनको पेंथालसा कहा गया और जैसे कि मैंने बोला कि 200 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया नॉर्थ के पार्ट का नाम लॉरेशिया है बहुत जगह इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है नॉर्थ के पार्ट का लैंड जो है वो अंगारा लैंड भी कहा जाता है और साउथ में ये गुंडवाना लैंड कहा जाता है ठीक है तो यहां पे आप देखिएगा कि नॉर्थ पोर्शन में लॉरेशिया है और सर्दर्न पोर्शन में ये गोंडवाना कहा गया है इसको आप समझ गए हैं तो अब हम समझेंगे कि क्या क्या ये एविडेंस है ऐसा अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है तो क्या क्या ये इसके साक्ष हो सकते हैं है ना क्या क्या इसके साक्ष हो सकते हैं तो इसके जो मैचिंग कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे जिक्सो फिट है यानी जैसे मान लो कि ये अफ्रीका है ठीक है ये अफ्रीका है और यहाँ पे फिट कौन सा हो जाएगा ये फिट आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा ठीक है तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों यहाँ पे फिट हो सकता है समझ रहे हैं आप क्लियर है तो ये आप समझ गए इसको फिट हो सकता है तो इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जो शोर लाइन है साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का ये बहुत ज्यादा मैच करता है अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी और बुल बुलार्ड ने कहा था 1964 में ठीक है अभी एल्फर्ड वेग्नर की थ्योरी और इसको बुलाड ने कहा नाइनटीन में कि दोनों हो सकता है कि फिट हो जाए तो ये जिक्सो फिट है ठीक है और हजार फैथम तक यानी फैथम यानी लंबाई होती है जो शोल्ड लाइन है वो फिट होती है एटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका की ये फिट होती है तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो कि ये बेसिकली ऑफ़ फिट मैं आपको इस तरह से दिखा सकती हूँ कि ये आपका साउथ अमेरिका है ठीक है साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है वो दोनों एक दूसरे में फिट हो सकता है यही जिक फिट यही कहता है ऑफ़ इट यही कहता है यहाँ इसके फॉसिल के एविडेंसेस भी मिले हैं सपोर्टिंग एविडेंसेज भी मिले हैं और ग्लेशियर डिपॉजिट या मैचिंग शेप्स ये सब जो है इसके बेसिकली साक्ष्य हैं तो आपको अगर हम डायग्राम में फिर से अगर समझाने की कोशिश करें तो इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि ग्लेशियर डिपॉजिट यानी कि यहाँ पे जो बर्फ के डिपॉजिट्स है वही ग्लेशियर डिपॉजिट्स यहाँ पे मिले हैं बहुत साल पहले जब बर्फ था और उसी के जो जीवाश्म है वो अभी भी दोनों के सेम है जिक्सो फिट भी आप समझ सकते हैं कि दोनों का शेप भी सेम है और यहाँ पे उस तरह के ही सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं जहां पे साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं वहीं पे अफ्रीका में भी मिल रहे हैं तो जो जीवाश्म में है वो भी वैसे ही मिल रहे हैं ठीक है अगर हम रेडियो एक्टिव रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें यानी कि हम कार्बन डेटिंग लेते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग लेते हैं तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे वही सारे पत्थर मिल रहे हैं जो दूसरे छोड़ के यानी कि समुद्र के उस पार दूसरे छोड़ में मिल रहे हैं ठीक है और ये जो पत्थर है ये 2000 साल 2000 मिलियन थाउजेंड अगो ये जो एंशियंट रॉक बेल्ट है जो ब्राजील में है वही वेस्टर्न अफ्रीका पे में मिला है साउथ अमेरिका में जो मिल रहा है वही अफ्रीका में भी मिल रहा है कोस्ट लाइन भी आप देखेंगे साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का ऑलमोस्ट सेम है ठीक है अः यहाँ पे टिलिट्स ति, की बात की गई है टिलिट्स क्या है एक सेडिमेंट्री रॉक है ठीक तो है तो यहाँ पे अफसादी चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक है तलचट्टी तलच चट्टान कहते हैं इसको तो ये गुंडवाना सिस्टम में गुंडवाना सिस्टम में अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में वहीं पे अब क्यों कहा गया कि भाई भारत जो है वो साउथ में था ये क्यों कहा गया क्योंकि हम हमको तो पता है कि आज भारत जो है वो नॉर्थ में है तो हमको तो पता है कि आज भारत जो है वो नॉर्थ में है लेकिन ये क्यों कहा गया कि भारत जो है पहले साउथ में था क्योंकि यहां पे जो गोंडवाना के चट्टान मिल रहे हैं जो टलेक्ट्स मिल रहे हैं वही अपने भारत में भी मिल रहे हैं ठीक है तो यहां पे जो चट्टान मिल रहे हैं वही अपने भारत में भी मिल रहे हैं इसीलिए कहा जाता है कि भारत हो सकता है कि सर्दन हिमिस्फेयर में है ना भारत क्या हो सकता है कि सर्दन हिमिस्फेयर में है यहां पे समझ लो आप इस बात को ठीक है एट द बेस ऑफ द सिस्टम हैज थेट ठीक है तो बेस जो है सिस्टम का उसमें थिक टेलेट्स है और एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन है यहाँ पे यानी कि बहुत साल पहले की बात है कि वो बर्फ से ढका होगा और अब जो है बर्फ उससे हट गया है और अब यहाँ पे एक्सटेंसिव एन प्रोलॉन्ग यहाँ पे ये यह जो चट्टाने हैं उसको ग्लेशिएशन हो गया है अगर हम काउंटर पार्ट की बात करेंगे तो अफ्रीका फॉकलैंड मडगास्का अंटार्टिका ऑस्ट्रेलिया ये भारत के अलावा ये सारी जगह जो है सक्सेशन आर फाउंड यानी कि यहाँ पे भी वही सारी चट्टान और इसी टाइप की चीजें मिलती हैं जो भारत में मिल रही हैं तो हो सकता है कि सारे जो है पहले एक ही साथ ही हों तो सिस्टम यही कहता है कि अफ्रीका की बात हो गया या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वही सारी चट्टान मिल रही है उसी तरह के यहाँ पे सिमिलर हिस्ट्रीज है इसमें ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं जो पहले भी वहां पर मिलती थी है ना फिर आप देखेंगे प्लेसर डिपॉजिट्स तो प्लेसर डिपॉजिट जो है जैसे कि घाना हो गया घाना हो गया ये अफ्रीका का हो गया ठीक है घाना तो में जो गोल्ड मिलता था घाना में जो गोल्ड मिलता था वही गोल्ड, वही सिस्टम कि कि अगर आप बात करो घाना तट में सोने के समृद्ध प्लेसर जमा होते थे और उसी क्षेत्र में जो श्रोत चट्टान का है यहाँ पे आप देखिएगा पूर्व अनु अनुपस्थिति है और यहाँ पे आप देखें मतलब आश्चर्यजनक है कि जहां से ये गोल्ड निकल रहे हैं वो जो वेन्स है वो वेन्स आपको ब्राजील में मिल रहे हैं और डिपॉजिट आपको घाना में मिल रहे हैं समझ तो ये ऑब्वियस है कि जो घाना में जो डिपॉजिट है वो, कहां से हुए है? वो से हुए है। जबकि दोनों महासागर है लेकिन तो भी दोनों में जीवाश्म हो गया या चट्टाने हो गई रॉक सिस्टम हो गए टिलिट्स हो गए या प्लेसर डिपॉजिट हो गए दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है तो इससे पता चलता है कि हाँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है बेडरॉक है ये वेन सिस्टम यानी कि अंदर से जो सोना निकल रहा है वो जगह ब्राजील में है और पूरा अटलांटिक महासागर के बाद वो सोने का डिपॉजिट मिल मिल रहा है, तो मिल रहा है तो है है तो तो घाना में समझ वेन्स जो वो जहां से वो निकला सोना वो जगह ब्राजील में है और ये डिपॉजिट आपका ये आपका घाना में है तो इसी को प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं जबकि दोनों के बीच में पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है अगर आपको वर्ल्ड मैप याद होगा तो है ना नेक्स्ट हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल भी यही कहता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी ले लो चाहे आप मेरीन बैरियर्स ले लो या नदियों की बात कर लो तो दोनों में जो जीवाश्म में है है ना जब समुद्री बाधाओं में दोनों और जमीन पर या ताजे पानी में रहने वाले अनुकूल पौधे जो हैं या जानवर हैं इसकी समान प्रजाति पाई जाती है तो ऐसे ये जो वितरण है उसके लिए में संबंध है कि ये समस्या कैसे ये संबंध जो है मैं एक कैसे पता चला कि ये संबंध है यहाँ पे क्योंकि हो सकता है कि दोनों जो हैं वो पहले एक ही साथ हों ठीक है तो भारत की बात कर लो मेडेगास्कर की बात बात कर लो या अफ्रीका की बात कर लो ये कहते हैं कि जो है इनको हम लेमू लेमूरिया कहते थे तो ऑब्जर्व और मतलब लेमूरिया क्यों कहते थे क्यों लेमूर एक जानवर है जो कि भारत में ठीक है मडेगास्कर में अफ्रीका में यहाँ पे लेट समू कंसिडर जैसे इसको साथ में ये था तीनों इसको लेमूरिया कहते थे समझ लो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हो गए या मेसोसोरस अगर एक स्मॉल रेप्टाइल है जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में यानी कि समुद्र के पानी में नहीं लेकिन हल्के नमक वाले नमकीन पानी में रहता था तो ये ब्रैकिश वाटर है ठीक है तो ये फाउंड हुआ साउथ सदर्न केप में आप देखिएगा जो साउथ अफ्रीका है या इरवाडर फॉर्मेशन फर्म, है ब्राजील का यहाँ पे ये मिला अगर हम लोकेलिटीज की बात करेंगे जो कि चार हजार आठ सौ किलोमीटर दोनों अलग है लेकिन तो भी हम ये देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में जो चीजें हैं वही अफ्रीका में मिल रही है चाहे वो गोल्ड का डिपोजिट हो चाहे वो चट्टान हो चाहे वो जीवाश्म हो इससे पता चलता है और साथ ही साथ इन दोनों को फिट भी करोगे तो देखो हजार फैंथम तक पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे में फिट होते हैं ठीक है इंडिया अब ये जो लेमूर है या मेजोसोरस है यहाँ पे देखिएगा इंडिया अफ्रीका या अफ्रीका और ये वाला जो एरिया है अपना ठीक है लेमूरिया में आप देख रहे हो कि इंडिया हो गया अफ्रीका हो गया और अफ्रीका ही का एक जो आईलैंड है मेडेगास्कर ये मेडेगास्कर यहाँ पे है ना ये सब में एक ही टाइप के जीवाश्म मिल रहे हैं लेमूर जो जानवर है वो भी यहाँ पे मिल रहा है सोड़स यहां पे मिल रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ ये जो वेगनर का ये है, ये ड्रिफ्ट थ्योरी बिल्कुल सही होगा ठीक है तो वेग्नर ने यही कहा कि ऐसा हो सकता है कि पोल फ्लिंग यानी कि ये सब जो है अलग अलग होने लगे पोल फ्लिंग फोर्स के कारण ठीक है तो पोल फ्लिंग फोर्स के कारण ये सारे अलग अलग होने लगे और जैसे जैसे धरती रोटेट करने लगी जैसे जैसे धरती रोटेट करने लगी तो सारे जो टुकड़े हैं वो अलग होते चले गए ये यहाँ पे इस कंसेप्ट को यहाँ पे बताया गया है सारे जो टुकड़े हैं वो अलग होते चले गए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट हो रहा है अलग अलग जगह पे ड्रिफ्ट हो रहा है, है ना तो उसी तरह से यहाँ पे भी ड्रिफ्ट होना शुरू हो चुका था तो ये वेगनर ने कहा कि हो सकता है कि जो सेकेंड फोर्स है एक तो हो गया पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा यानी कि ध्रुव की ओर यानी कि पोल्स की तरफ जैसे अर्थ घूम रहा है रोटेट कर रहा है तो जैसे ये रोटेट कर रहा है ये घूमना शुरू हो गए ठीक है ठीके? तो वेग्नर जो है यहाँ पे ये टाइडल फोर्स यहाँ पे वेगनर जो है वो सजेस्ट किया टाइडल फोर्स और ये अट्रैक्शन ऑफ मून के कारण ठीक है तो टाइडल फोर्स जो है ये मून के अट्रैक्शन के कारण और सन के यहाँ पे दैट डेवलप टाइड्स इन ओशियानिक वाटर तो बेसिकली क्या होता है कि धरती पे धरती पे जो भी पानी है ना जो भी पानी है वाटर लेवल है वो मून के कारण मून के ग्रेविटेशन के कारण और सन के ग्रेविटेशन के कारण ये क्या होता है ये मूव करते रहता है मूव और मूव करते रहता है सन और मून के ग्रेविटेशन के कारण ये मूव करते रहता है तो वेगनर Wagner ने यही कहा कि ये यह यहाँ पे डेवलप हो रहा है और Wagner जो है वो बिलीव करने लगे कि दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं एक तो पोल फ्लिंग फोर्सेस हो सकते हैं और दूसरे फोर्स जो हैं वो अपने टाइडल फोर्सेस हो सकते हैं जिसके जिसके प्रभाव में ये चीज जो है वो काम कर रही है क्लियर है तो पोल ड्रिफ्ट स्टडीज ये कहा जाता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई है जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह सेम फ्लोरल और फॉरन uh, डिपॉजिट जैसे कि टिलेट्स हो गए ठीक है यानी कि एक ही तरह के जीवाश्म होने के कारण भी कैसे ये समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं ठीक है कैसे कैसे ये अलग है तो तो यानी कि वॉर जब खत्म हो गया वॉर पीरियड खत्म हो गया तो जोलॉजिकल लिटरेचर धीरे धीरे विकसित होने लगा और हम लोगों को पता चला कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं मैपिंग के बारे में ओशन और कॉन्टिनेंट्स में वो सारे जो है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही जीवाश्म है बार-बार वही बात आते चली गई है ना अर्थर होम्स 1930 में आए और इन्होंने कहा कि कन्वेक्शन करंट आ सकता है अभी कन्वेक्शन करंट को हमको समझना है कि कन्वेक्शन करंट क्या है तो बेसिकली आपको यह समझना होगा कि जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि धरती में आ, क्रस्ट है मेंटल है कोर है राइट तो यह चीज आपने पढ़ा कि धरती है धरती के बीचों-बीच कोर है और उसके बाद मेंटल है और मेंटल के ऊपर क्रस्ट है तो जो मेंटल ये वाला पोर्शन अगर हम काट के देखेंगे ये पोर्शन अगर हम काट के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है ये क्रस्ट है ठीक है ये क्रस्ट है और यहाँ पे ये अपना मेंटल है ठीक है और मेंटल क्या है मेंटल हमेशा फ्लोटिंग है मेंटल क्या है फ्लोटिंग है और ये क्रस्ट है ठीक तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है ठीक है ये वाले पोजिशन का यानी कि मान लो ये अगर फॉर एग्जाम्पल हजार डिग्री सेल्सियस है तो ये सिर्फ दो फोट डिग्री सेल्सियस है अब आप कन्वेक्शन का मतलब समझते हैं कि जैसे ये गर्म होते जाएगा तो ये वाला जो लिक्विड पोर्शन है ये ऊपर आएगा क्योंकि ये गर्म हो गया तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा और फिर ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे की ओर जाएगा पानी को भी जब गर्म करते तो ऐसे ही होता है ना कि कटोरी में आपने पानी रखा गर्म करने के लिए और जो पानी गर्म होते चला गया वो ऊपर गया और जो पानी अभी गर्म नहीं हुआ वो नीचे आया तो इसी तरह से ये मूवमेंट होता है ये mantle में ये मेंटल में मूवमेंट होता है और इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं और इसी मूवमेंट के कारण इसके ऊपर के जो प्लेट्स हैं ये भी जो है इस तरह से मान लो कि यहाँ पे ऐसा मूवमेंट होने लगा तो प्लेट भी आगे पीछे मूव करने लगेंगे है ना प्लेट भी आगे पीछे मूव करने लगेंगे तो ये जो करंट है ये जेनरेट होता है रेडियो एलिमेंट के कारण जिसमें थर्मल डिफेंस डिफरेंसेस आ जाते हैं मेंटल के पोर्शन में मेंटल के पोर्शन में यहाँ पे थर्मल डिफरेंसेस आ जाते हैं और होम्स ने ये कहा कि ये जो है देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट यहाँ पे एक ऐसे करंट का सिस्टम है जो कि इंटायर मेंटल पोर्शन में है अभी मैं आपको इसका जब डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इसी फोर्स के कारण यहाँ पे प्लेट के मूवमेंट्स है तो इस बात को इस तरह से आप समझेंगे कि जैसे ये वाला पोजिशन ज्यादा गर्म है तो ये गर्म वाला जो है ये ऊपर जाएगा और ये वाला फिर से नीचे जाएगा तो जैसे जैसे इस तरह से मूवमेंट होने लगेंगे ऐसे मूवमेंट होने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लेट्स के भी साथ साथ मूवमेंट होते चले जाएंगे प्लेट्स के भी साथ साथ मूवमेंट होते साँग चले जाएंगे ठीक है तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ये कन्वेक्शन में ये इधर की ओर जा रहा है तो ये प्लेट जो है वो उस साइड जाएगा ठीक है ये कन्वेक्शन में इधर की ओर जा रहा है तो ये प्लेट जो है इस साइड जाएगा और बीच में यहाँ पे अपवेलिंग हो जाएगा यानी कि ये वाला जो सतह है ये ऊपर उप, की ओर आ जाएगा ठीक है तो ये सतह जो है ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर ये जो है यहाँ पे जैसे नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे सबडक्शन होगा तो जब कोई जब कोई चीज बन रहा है जैसे पहाड़ बन रहे हैं जिसको हम ब्रिजेस कहते हैं या फिर खाई बन रही है जिसको हम ट्रेंचेस कहते हैं मेरियाना ट्रेंच क्या है खाई है तो वो खाई क्यों बन रहा है क्योंकि कन्वेक्शन में जब मैग्मा किसी चीज को नीचे की ओर लेकर जा रही है तो वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि लैंडफॉर्म जो है वो खराब होते जा रहा है और जब मैग्मा जो है ये इस तरह से अब वेलिंग में ऊपर की ओर लेकर जा रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि यहाँ पे रिजेस बन रहे हैं क्लियर है तो रिज और यहाँ पे क्या बनेगा जब ये नीचे की ओर खाई बनेगा तो इसको हम ट्रेंच बोलेंगे ठीक तो इसको हम ट्रेंच बोलेंगे फिर अगर ओशियन फ्लोर की मैपिंग की बात करें तो ओशियन फ्लोर को भी हमने डिवाइड किया हुआ है ओशन फ्लोर को हमने कॉन्टिनेंटल अः कॉन्टिनेंटल स्टोप में डिवाइड किया हुआ है फिर कॉन्टिनेंटल राइज हम पढ़ते हैं एबसल प्लेन पढ़ते हैं ठीक है, है तो अगर हम डिटेल में देखेंगे कॉन्टिनेंटल फ्लोर स्प्रेडिंग को तो कॉन्टिनेंटल फ्लोर जो है ये समुद्र का जो फ्लोर है उसको भी हमने समझाया है उसको भी हमने रीड किया हुआ है ठीक है तो इसका डायग्राम मैं आपको इस तरह से दिखा दू पहले ये इस तरह से है ठीक है तो यहां पे आपका कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के बाद आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके बाद ये बेंथिक जोन है जहां पे शुरू होता है जो फ्लोर है फ्लोर का नाम हमने एबसल प्लेन रखा हुआ है इसका नाम क्या हमने रखा है एबसल प्लेन रखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट है यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम डिटेल रिसर्च करेंगे ओशियानिक फ्लोर का तो ओशियानिक फ्लोर में जब हम डिटेल रिसर्च करते हैं वास्ट प्लेन को लेकिन यहाँ बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं ठीक है एक्सपर्डेशन ऑफ मैप्स है ओशियानिक फ्लोर है पोस्ट वॉर के बाद हमने इन सब चीजों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन समझा हुआ है इन सब चीजों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन समझा हुआ है ठीक है तो मिड का मतलब क्या हुआ कि वही जो कॉन्टिनेंटल जब हमने कन्वेक्शन करेंट पढ़े और वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इस तरह से वो पहाड़ बन रहे हैं तो कारण बहुत सारे आए है ना डेटिंग ऑफ रॉक आया ओशियानिक क्रस्ट आया यहाँ पे रिवील किया गया ठीक है और ये मच यंगर यंगर देन कॉन्टिनेंटल एरिया रहा अंडरस्टूड तो रॉक जो है ऑफ ऑफ द इधर साइड ये जो क्रस्ट बनते हैं के और यहाँ पे लोकेशन है तो ये क्रस्ट जो है इसको भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि बेसिकली बात यही है कि कन्वेक्शन करंट के कारण जो ऊपर के क्रस्ट है उसका मूवमेंट हो रहा है ठीक है उसका मूवमेंट हो रहा है फिर जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंटल देखो जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंटल से ओशन की ओर जा रहे हैं जैसे ये कॉन्टिनेंटल है सतह जिस पे हम रहते हैं और फिर यहाँ पे एक ढलान है और ढलान के बाद यहाँ पे ये यह प्रॉपर ओशन शुरू हो जाता है तो ओशन में हमने इसको समझा कि हम इसको स्लोप कह रहे हैं या हम इसको शेल्फ कह रहे हैं ठीक है फिर हम इसको राइज कॉन्टिनेंटल राइज हो गया और एबिसल प्लेन है तो उसी का डिविजन अब हम लोग को यहाँ पे देखना है तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे शेल्फ राइज ट्रेंचेस के बारे में हम लोग समझते हैं है ना और एबसल प्लेन क्या है तो ये बेसिकली सतह है यानी कि जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल है उसको हम एबसल प्लेन पे बोल रहे हैं राइट तो मिड ओशियनिक रिजेज है मिड ओशियनिक रिजेज में भी आपने यही समझा कि अटलांटिक में बेसिकली जो मिड ओशियनिक रिजेज है वहां पे है ना इसको हमने यही यहां पे समझने की कोशिश की है राइट तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि द फॉर्म ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल चेन ऑफ माउंटेन्स ये सिस्टम जो है ये ओशन में है और जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है अर्थ के सरफेस पे ठीक ocean है ये समर्ज अंडर द ओशन वाटर है ओशानिक वाटर है ठीक है तो सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है ये और ये एट द क्रेस्ट क्रेस्ट में हमको सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम यहाँ पे समझ में आ रहा है ठीक है सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है और ये फ्रैक्शनड uh, प्लेटियो है और फ्लैंक जोन है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अपने लेंथ में अराउंड ये यहाँ पे है तो बेसिकली बात यही है कि जब यहाँ पे हमारा ओशन का uh, मतलब हमारा जो करंट है ये ऊपर की ओर इसका मूवमेंट है तो इस करंट का जब ऊपर की ओर मूवमेंट है और ये पूरा जो मूवमेंट ये ऊपर जैसे दो प्लेट है ठीक है दो प्लेट प्लेटर्स को ऐसे ऐसे लेके जाया जा रहा है तो यहाँ पे मिड ओशियानिक रिजेस है यानी कि समुद्र के बीचों बीच इस तरह के बहुत सारे पहाड़ आपको छोटे छोटे मिलेंगे जिसको हम मिड ओशियानिक रिजेस कह रहे हैं फिर तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे अर्थ को एक है और वोल्केनो है तो उसको मैप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि जैसे आप देखिएगा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है यानी कि पैसिफिक के अराउंड यहाँ पे पूरा हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बना के रखा हुआ है पैसिफिक के अराउंड हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब दो प्लेट टकरा रहे हैं दो प्लेट यहाँ पे टकरा रहे हैं तो इसके कारण यहाँ रिंग ऑफ फायर जैसा बन रहा है तो जितने भी अर्थ को एक और वो है वो ज्यादातर जितने भी अर्थ को एक और वोलकैनोज हैं वो ज्यादातर यहीं पर प्रेजेंट है मिड एटलांटिक रिजेस में भी आप देखोगे जितने भी अर्थ को एक और वोल्कैनोज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया मिड ओशियनिक रिजेस हो गए यहाँ पे ये यह सब कुछ प्रेजेंट है अब एक कंसेप्ट कॉन्सेप्ट आता है ओशियानिक फ्लोर स्प्रेडिंग का या मतलब जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का तो बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है इसको आप समझें इस तरह से तो बात ये है तो बात ये है कि जैसे ये आपका धरती है ठीक है और धरती में यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है यहाँ पे आपको यूरो एशिया दिख रहा है है ना यूरो एशिया दिख रहा है ठीक है तो अब ये जो अटलांटिक है ये जो अटलांटिक है कहते हैं कि यहां पे आ, बीच में अटलांटिक के बीच में कुछ ऐसे मतलब दो जो प्लेट्स है ना उसमें ऐसे छेद है। दो प्लेट्स है, उसमें ऐसे छेद छेद है 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 दो दो प्लेट्स प्लेट्स उसमें और ये में बेसिकली बाहर से जैसे ये एक प्लेट है ठीक है और ये अंदर से बहुत सारा लावा टाइप का निकलते जा रहा है क्यों क्योंकि इसमें छेद है जब लावा निकलेगा मान लीजिए यहां पे लावा निकल गया तो लावा जब निकलेगा तो उसको अपना स्पेस चाहिए होगा जब लावा निकलेगा तो उसको यहाँ पे अपना स्पेस चाहिए होगा ठीक है और ये धीरे धीरे क्या होगा ये एक्सपैंड करना शुरू होगा तो बेसिकली ये जो है ये इतना है ये एक्सपैंड किया और ये एक्सपैंड करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे आ गया ठीक है तो ये क्या कर रहा है ये जगह बना रहा है ये एक्सपैंड करके यहाँ पे ये जगह बना रहा है और इसके कारण इसका मूवमेंट इधर होगा इसका मूवमेंट इधर होगा यही ओशानिक फ्लोर है

प्लेट uh, है और ये एक और कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि जो कि सतह का प्लेट है जो उसको सीसी लिख रहे हैं सीसी क्यों लिख रहे हैं तो ये कॉन्टिनेंटल है ठीक है कॉन्टिनेंटल यानी जैसे आपका कोई भी कॉन्टिनेंट हो गया यूरोप हो गया अफ्रीका हो गया जो ठोस जो जमीन है ठीक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये दोनों आपस में टकराया मान लो ये दोनों आपस में टकराया दोनों एक ही चीज से बना हुआ है यानी कि दोनों की डेंसिटी जो है दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है तो जब दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो क्या होगा जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस पेज को और इस पेज को ऐसे लेंगे और यहाँ पे दोनों की डेंसिटी सेम है और दोनों आपस में टकराया तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो जनरली जितने भी माउंटेन बनते हैं और आपस में बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं तो ये क्या है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है ठीक है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है यानी कि ये आपस में बनते जाएंगे तो यहाँ पे और ज्यादा जाएंगे तो ये अर्थ आ जाएगा समझ रहे हैं आप इस बात को और अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्टिनेंटल का प्लेट कोई कॉन्टिनेंट का प्लेट जो है वो ओशन के प्लेट से टकरा रहा है ठीक है यानी ये ओशन के प्लेट है ये ओशन क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो ओशन का क्रस्ट जो है वो भारी होता है और ये अंदर सम्मर्ज कर जाएगा और ये और अंदर जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा वॉलकैनो का वॉलकैनो बन जाएगा ठीक है तो और अंदर जाने के कारण ये क्या होगा यहाँ पे ये वॉलकैनो हो जाएगा ठीक है ये और अंदर चला गया और यहाँ पे यहाँ से क्या निकल जाएगा तो ज्वालामुखी यानी कि वॉल कैनो निकल जाएगा समझ लो आप इस बात को क्लियर हो रहा है ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है क्यों क्योंकि ओशियन की डेंसिटी ज्यादा है अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ ओशियानिक क्रस्ट है और ये दोनों टकरा रहे हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये सम्मर्ज हो जाएगा और एक तरफ जाके ये एस्थेनोसफेर में चला जाएगा जब ये एस्थेनोसफेयर में चला जाएगा तो एस्थेनोसफेयर में जाने के कारण ये पूरा मेल्ट हो जाएगा और बाहर निकल के वोल्केनो बन जाएगा दो कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं तो आपस में टकराते जाएंगे और अर्थ को एक आ जाएगा तो बेसिकली बात यही है एक अगर पूरा सब चीज का समरी देखा जाए तो हमारी धरती जो है बहुत सारे प्लेट से बनी हुई है हमारी धरती जो है वो बहुत सारे प्लेट से बनी हुई है यही बात यहाँ पे कहा गया है ठीक है पहले ये सारे प्लेट्स आपस में जुड़े हुए थे जिनको हमने पैंजिया कहा धीरे धीरे ये प्लेट्स जो है वो दूर जाते चले गए जैसे जैसे ये दूर जाने चले गए तो हमने उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जब ये प्लेट आपस में ही टकराने लगे आपको ये बात इस तरह भी समझना है कि आप ये मत समझना कि सिर्फ कॉन्टिनेंट जो ठोस यानी कि यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका ही सब प्लेट नहीं है पैसिफिक भी प्लेट है मान लीजिए कि पैसिफिक ओशन है तो यहां तक इसका पानी होगा ओशन होगा लेकिन वो होगा तो किसी प्लेट पे होगा तो किसी क्लस्ट पे ही ना उसके नीचे ना मेंटल है तो इस तरह से हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें माइनर और मेजर प्लेट्स हैं और यही माइनर और मेजर प्लेट्स जब टकराते हैं यही सब चीज यहां पे लिखा हुआ है जब टकराते हैं क्यों टकरा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट आ गया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ये एक फैल रहा है जैसे मान लो कि ये फैल रहा है तो ये फैलेगा तो ये इसको भी शिफ्ट करेगा ना इसको जगह चाहिए जैसे यहां से बाहर मैग्मा निकल रहा है मैग्मा निकल के ये अपना अपना जगह यहां पे बना रहा है और इन दोनों को फैला रहा है ठीक है और इन दोनों को फैला रहा है जैसे जैसे ये फैलेंगे तो ये इसको भी धक्का देंगे ये इसको भी धक्का देंगे और जब ये इन दोनों में टक्कर होता है तो अर्थ को एक आ जाता है जब और टक्कर होता है जब ये अंदर कर जाता है तो यहाँ पे आ जाता है तो यही बेसिकली कहा गया है कि यही आपका कंसेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ठीक है तो यही प्लेट टेक्टोनिक है प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था मैकेजी द्वारा मैकेजी द्वारा मैकेजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन जहाँ पे ये कहा गया कि अर्थ के जो प्लेट्स है ना वो आपस में टकराते हैं क्युं? क्यों क्योंकि कन्वेक्शन करंट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और आपस में टकराने के कारण इनके बीच में जैसे ये धरती के प्लेट्स है अलग अलग प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है फिर नास्का प्लेट भी है है ना नास्का प्लेट है पैसिफिक का अपना प्लेट है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपका जमीन है उसका ही प्लेट है जो समुद्र है उसका भी अपना प्लेट है और ये आपस में जब टकराते हैं तो ही अर्थ को एक और वोल्केनो आता है अगर दो तो बराबर डेंसिटी के लोग टकराएंगे तो अर्थ को एक आएगा और जब एक की डेंसिटी ज्यादा होगी और दूसरा सबमर्ज कर जाएगा तो वहां पे वोल आ जाएगा समझ लो तो यही सारे आपके प्लेट्स है अंटार्कटिका है ठीक है नॉर्थ अमेरिका प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है पैसिफिक प्लेट है इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है यूरोशियन प्लेट है तो ये सारे आपके प्लेट्स हैं जो कि आपस में टकराते हैं माइनर प्लेट भी है कोकोज को, को है माइनर प्लेट है नास्का है अरेबियन प्लेट है फिलिपिन प्लेट है ये सारे जो है आपके माइनर प्लेट है यहाँ पे और माइनर प्लेट लिखे हुए हैं ठीक है तो प्लेट की जो टकराने की चीज है वो तीन तरह से होती है ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था दो प्लेट अगर आपस में पास आते हैं ठीक है पास आते हैं तो ये ऊपर जाके क्या करेंगे ऊपर जाके इस तरह से माउंटेन बना सकते हैं अगर सेम डेंसिटी के हैं तो पास आने वाले प्लेट को हम क्या कहते हैं इसको हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं ठीक है कन्वर्जेंट और इस तरह से अगर मान लो कि दो प्लेट जो हैं वो दूर जा रहे हैं दो प्लेट जो हैं वो दूर जा रहे हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं ठीक है और अगर यहां पे आप देखिएगा दो प्लेट हैं वो आपस में ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं यानी पास आना दूर जाना और ऊपर नीचे आना अगर हम पास आने वाले प्लेट्स को देखेंगे तो ये प्लेट्स जो है जैसे अब मान लो कि अगर दो प्लेट पास आ रहे हैं और दोनों प्लेट की डेंसिटी अलग अलग है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेट जो है वो खराब हो जाए नीचे चला जाए और दूसरा प्लेट उस पर आ जाए तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा लेकिन अगर दो प्लेट दूर जा रहे हैं दो प्लेट दूर जा रहे हैं तो बीच में जो नया ओशियनिक प्लेट है जैसे अटलांटिक में क्या हो रहा है कि ऐसे छेद है और नए जो है वो चीजें बाहर निकल रही हैं और इस तरह से ये फैल रही है ठीक है और ये जो दोनों दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि नए क्रस्ट बनते हैं पूछा जाता है नए क्रस्ट कब बनेंगे डाइवर्जेंट में बनेंगे क्योंकि जब ये दोनों दूर जाते रहते हैं जैसे मिड अटलांटिक क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो नए क्रस्ट बनते हैं ठीक है अगर हम कन्वर्जेंट में देखेंगे जहां पे पास आ रहे हैं जहां पे पास आते जा रहे हैं तो हम समझेंगे इसको कि जैसे पास आ रहे हैं तो अर्थक्वेक आएगा ठीक है तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे यहाँ पे अर्थ क्वेक आएगा और जैसे नेपाल में जो अर्थक् आता है ठीक है और यहाँ पे एक सबडक्शन जोन है बेसिकली द लोकेशन यानी सबडक्शन जोन क्या जैसे अगर मान लो कि दो क्रस्ट हैं और दोनों आपस में पास आते जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा क्यों क्योंकि जगह तो वही है ना तो या तो वो प्लेट जो है वो बनेगा नहीं वो टूटेगा वो या तो एक नीचे जाएगा या दूसरा नीचे जाएगा दोनों आपस में टकराएंगे तो एक एक ना सबडक्ट करते जाएगा एक अंदर तरह के चलते जाएगा अब अगर इसमें ओशन ओशन टकरा रहे हैं या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं या कॉन्टिनेंट ओशन टकरा रहे हैं तो तीन तरह का इसमें कन्वर्जेंस हो जाता है जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं तो माउंटेन बन जाएगा ओशन ओशन टकरा रहे हैं तो वहां पर धरती के अंदर क्या होगा धरती के अंदर मतलब धरती

और यही प्लेट के मूवमेंट जो है वो हमारे भारत में भी हुए यही प्लेट के मूवमेंट जो है भारत में भी हुए जो फोर्स है ठीक है वेगनर ने क्या कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चल रहा है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का उसने कंसेप्ट दिया कि अटलांटिक जो है उसमें बीच में ऐसे छेद और नीचे से लावास वगैरह बाहर निकल रहे हैं इसका इन्होंने है कंसेप्ट दिया और धीरे धीरे फिर इन्होंने समझा कि जो फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट जो फोर्स है प्लेट मूवमेंट के कन्वेक्टिव फ्लो है कन्वेक्टिव फ्लो है यानी कि अंदर में इस तरह से फ्लो चल रहा है गर्म और ठंडे मैग्मा का और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कन्वेक्टिव फ्लो है और रेडियो एक्टिव डिकेड और हीट है यहां पे ठीक है ऑथर होम्स जो है ये 1930 में इसको इसको कंसिडर किए और इस मूवमेंट को प्लेट मूवमेंट को और फिर उन्होंने समझा कि अलग अलग जो मूवमेंट है जैसे भारत भी एक अलग प्लेट से बना हुआ है और पहले ये कहां पे था? यहां पे था और फिर इसने भारत ऊपर की ओर फ्ली शुरू किया यानी भारत जो है ये ऊपर की ओर जाना शुरू किया तो वही चीज बताया गया है कि भारत जो है वो गुंडवाना में था यानी कि सर्दर्न पोर्शन में था और फिर भारत जो है वो ऊपर की ओर ये इसने मूवमेंट शुरू किया ठीक है ऊपर की ओर भारत का मूवमेंट इंडियन प्लेट का मूवमेंट शुरू हुआ तो इसी को भी हम समझेंगे इंडियन मूवमेंट का जो प्लेट है इसमें क्या कहा गया है तो एक लाइन हम समझ जाते हैं इसमें तो बेसिकली बात क्या है कि जो नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी एक अपना रोल रहा तो इसमें कहा गया कि इसके कारण मूवमेंट शुरू हो गया इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली किस uh, मतलब स टेंडेंसी से शुरू हुआ उसको याद डेटा याद करने की जरूरत तो नहीं है भारत जो है पहले गोंडवाना पार्ट में था ठीक है और यहाँ पे गोंडवाना पार्ट जो है वो आपस में टूटने लगा हंड्रेड मिलियन ईयरस को और इंडियन टेक्टोनिक जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमस्फेयर में था नॉर्थ अभी तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में है लेकिन जो चार मेजर टेक्टोनिक प्लेट थे इंडियन प्लेट थे यूरोशियन प्लेट थे ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे साउथ वेस्ट अफ्रीकन प्लेट थे ठीक है तो ये सारे जो प्लेट्स थे इसमें ब्रेक हुआ और फिर भारत जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया है ये ये इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न बाउंड्री ये अलग होना शुरू हुआ उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ कि राइन राइ राइकिन योमा माउंटेन जो म्यांमार का है यहां तक ये फैले हुए थे और धीरे धीरे बस बात वही है ठीक है बार बार वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि पैंजिया है और पैंजिया में बीच में एक दरार है ठीक है और ये ऊपर अंगारा लैंड है ये गोंडवाना लैंड है और बीच में यहाँ पे तीथिस सी है ठीक है तीथिस सी है और फिर यही इंडिया जो है ये ऊपर की ओर इसकी मूवमेंट शुरू हुई तो इसी का हम लोग अब फिर से एक एक समरी समझ लेते हैं इस चैप्टर का और उसके बाद हम चैप्टर नंबर को स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ ज्यादा है बात यही है जो हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर फोर में कि अभी जो पैंजिया है वो तो उस जगह है यानी कि दुनिया का हर एक महाद्वीप चाहे वो अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो अंटार्टिका हो यूरोप हो वो सब यहाँ पे सीमित है ना इंडिया का क्या सीन था कि इंडिया नीचे चला गया गोंडवाना ठीक है तो इंडिया बेसिकली क्या हुआ कि जब ये दुनिया है और इस दुनिया में सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है वो एक जगह है अब ये कॉन्टिनेंट दो में डिवाइड हो गए एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया तो इंडिया भी कहां पे है इंडिया भी यहां पे है लेकिन 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 लेकिन, लेकिन बात क्या हुई थी तो ये अंगारा लैंड यहां पे है और गोंडवाना ये यहां से इंडिया जो है वो धीरे धीरे सटक सटक के ऊपर जाते चला गया ये मूवमेंट ऑफ इंडिया है तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये अभी आपको दिख रहा है सिनेरियो जब इंडिया इस तरह से ऊपर जा रहा था तो ये प्लेट आपको यूरो एशियन प्लेट है ठीक है यूरोशियन प्लेट है और ये अपना इंडियन प्लेट है इंडियन प्लेट जब ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स थे और यही सेडिमेंट जो है इस तरह से उठ गए यही सेडिमेंट उठ गए और यही बात में हिमालय बन गया तो आपको अभी तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके अगर आपका अर्थ का एक टुकड़ा आपने उठा के लिया और इस टुकड़े को आपने समझने की कोशिश की तो ये टुकड़े तीन काठों में डिवाइडेड हैं एक हो गया कोर एक हो गया मेंटल और एक हो गया क्रस्ट ठीक है अब मेंटल में क्या होता है कि यहाँ पे गर्म है ये पोर्शन गर्म है और ये पोर्शन उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम गर्म अब यहाँ पे जब कन्वेक्शन करेंट उठ रहे हैं इस तरह से ऐसे क्योंकि ये गर्म वाला ऊपर जाएगा ठंडा होने के लिए फिर ऐसे तो ये जो क्रस्ट है इसका मूवमेंट होना शुरू होगा ये क्रस्ट जो है इस तरह से मूव करेगा है ना इस क्रस्ट का मूवमेंट होगा और यही क्रस्ट जब इस तरह से मान लो कि दो प्लेट है और दोनों का ऐसे जा रहा है तो ये बनाएंगे और इस तरह से अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या बनाएंगे, ये रिज़ेस बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक है तो यही चीज अभी तक हमने समझी चैप्टर नंबर फोर में चैप्टर नंबर फाइव जो है अगर मिनरल्स को इस तरह से समझो मान लो कि इस तरह सा बड़ा सा पत्थर मिल गया Osionfish. ये पत्थर में क्या है ये पत्थर क्या है ये पत्थर मिनरल नहीं ये पत्थर का नाम हम ओड रख देते हैं ठीक है ये ओड़ है ओड यानी कि एक बड़ा सा पत्थर जो कि क्या है ये बड़ा सा पत्थर क्या है तो इस बड़े से पत्थर में आपको कंकर बालू सीमेंट सीमेंटमेंट सब मिल जाएगा सब सब सारा चीज मिल जाएगा ठीक है अब इस पत्थर में थोड़ा सा, -सा चीज है जो काम का चीज है ठीक है ये जो है काम का चीज है अभी जो काम का चीज है बेसिकली ये काम का चीज है यही काम का चीज हमारा मिनरल कहलाता है इसी काम को चीज को हम मिनरल कहते हैं क्या हुआ कि इस कंकर बालू पत्थर में ये जो बड़ा सा चीज है इसमें से जो काम का चीज है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम मिनरल कहते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया अंडरस्टूड है कि इसको हम मिनरल कहते हैं और ये बड़ा सा पत्थर क्या है ओड है तो अब हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि मिनरल क्या होता है कि कोई भी चीज जो प्राकृतिक रूप से है जो मिनरल जो है वो क्या है नेचुरली ऑकरिंग है ठीक है और ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये जैविक हो या इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी कि आयरन जैसे कि कोई भी मेटल हो गया या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लैब में भी बना सकते हैं ठीक है तो उस टाइप की जो चीजें हैं उसको हम मिनरल कहते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है अब जैसे कि मान लो कि हम ए एल टू ओ थ्री लिए ये किसका ओड़ है ये ऑक्साइड ये एल्यूमिनियम का ओड़ है एलुमिनियम हमारे लिए क्या है एक मिनरल है तो यहाँ पे इसका जो कॉम्पोजिशन है ये क्या है ये बॉक्साइड है इसको बॉक्साइड कहते हैं तो यानी कि बॉक्साइड एक ओर है ओर में क्या है आपको दिख रहा है ऑक्सीजन भी है और हमको किस चीज का काम है हमको इस मिनरल का काम है है जिसका आपको जिसका आपको जरूरत पड़े तो ये मिनरल का काम है इसके कॉम्पोजिशन फिक्स है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स है यानी कि एल्यूमिनियम का कलर आपको पता है सिल्वर का कलर होता है मेटल है इसको डकटाइल है यानी डक्टाइल है मेलियेबल है इसको शीट्स में बनाया जा सकता है इसको वायर बनाया जा सकता है तो ये मिनरल के सारे फीचर्स हैं तो मिनरल जो होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट का हो सकता है ठीक है बट समाइम्स ये सिंगल भी हो सकता है कभी कभी ये सिंगल भी हो सकता है जैसे कि जितने भी आपने सल्फर कॉपर गोल्ड ग्रेफाइट ये सब चीज है ये सिंगल एलिमेंट के होते हैं ठीक है अदरवाइज ये कुछ इस टाइप का भी हो सकता है ए टू बी थ्री है ना एग्जाम्पल दे रही हूं मैं इस टाइप का ये हो सकता है तो यही चीज यहां पे आपको बताई गई है ये सारे मिनरल्स मिनरल्स हैं, हैं हैं, रॉक्स है, है, है ना? तो जब हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि मिनरल जो है वो सॉलिड फॉर्म के होते हैं ये जो तत्व हैं, ये ठोस रूप के होते हैं ये आपके आउटर लेयर ऑफ द अर्थ यानी कि क्रस्ट में पाया जाता हैं मेंटल में नहीं क्रस्ट में ये पाए जाते हैं और ये हॉट एंड मेल्टेड फॉर्म में यानी कि अगर ये क्रस्ट के ऊपर तो ये आपके मेल्टेड आप फॉर्म तो में, तो में पाए जाएंगे अगर ये क्रस्ट पे इसके अंदर वाले फॉर्म में है तो ये लिक्विड में यानी कि स्टेज में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं धरती का क्रस्ट है ये आपके आठ अलग अलग मिनरल से बना हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलिकन एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और जो बाकी जो है वो दो परसेंट उसमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन फॉस्फोरस मैगनीज सल्फर कार्बन निकल ये सारी चीजें हैं ठीक है? तो 98 परसेंट तक किस बना हुआ है ये आठ तत्वों से बना हुआ है ऑक्सीजन जो है ये 56.6 है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो धरती पे सबसे ज्यादा मिलता है वो ऑक्सीजन है ठीक है सेकंड में सिलिकन सिलिकन एक मेटेलॉइड है यानी कि मेटल नहीं है ना ही नॉन मेटल है मेटेलॉइड है यानी कि इसमें मेटल के भी प्रॉपर्टीज है इसमें नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी है और फिर कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा मिलता है तो मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है 8.13 परसेंट ये ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा धरती पे मिलता है धरती पे मिलने वाला सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है वो एल्यूमिनियम है है ना और ये फिर आप धरती पे मिलने वाला सबसे बड़ा ज्यादा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम थर्ड नंबर पे है लेकिन मेटल्स की पूछा जाए कि धरती पे अगर मेटल्स की बात करें सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है एल्यूमिनियम है फिर आयरन है फिर कैल्शियम है सोडियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है और बाकी अदर्स हैं ठीक है ठीके? तो ये कॉम्पोजिशन है जो अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो मिनरल कहाँ से मिलता है गाइस देखिये ये आपका क्रस्ट है ठीक है ये क्रस्ट है इसके अंदर मेंटल है फिर कोर है तो ये जो बीच का पोर्शन है ये जो मेंटल जिसको हम कहते हैं मेंटल तो मेंटल जो है ये हॉट और मोर्टेन होता है हॉट मोर्टेन मेंटल मेंटल होता है ठीक है और ये जो मेंटल है इसी यही बाहर निकल जाता है कैसे वॉलकैनो के फॉर्म में के फॉर्म में ये जो मैग्मा की चीजें हैं वो बाहर निकल जाती हैं और मैग्मा की चीजें जो बाहर निकल के क्रस्ट पे आती हैं जो क्रस्ट पे आती है ये क्रस्ट पे आने पे ही हम इसको क्या कहते हैं क्रस्ट पे आ जाती है और फिर हम इसको कहते हैं कि ये मिनरल है तो हमको मैग्मा जब ऊपर आके ठंडा हो जाता है वही उसी जो मोर्टन चीजें निकली बाहर क्योंकि आपको है देखो आयरन और निकल से तो हमारा कोड़ बना हुआ है उसके बाद मेंटल में भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मिनरल्स होंगे जब ये किसी भी कारण से पृथ्वी के सतह पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि गाइस यहाँ पे जो है ना ये क्या है अब ये ठंडा होके मिनरल बन गया है लो आप इस बात को तो ये वहां से मिलता है ठीक है धीरे धीरे क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है धीरे धीरे इसका अपियरेंस कैसा है कि कूल हो जाता है और कहते हैं कि ये मिनरल जैसे कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सब कहा से आए हैं ये सब धरती के अंदर से आए हैं ठीक है ये तीनों फॉर्म में हो सकता है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है जैसे कि कोल क्या है कोल अपना सॉलिड है पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड है नेचुरल गैस जो है वो है इसका नाम ही नेचुरल गैस है है ना फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म यानी किस शेप में हो सकते हैं ये इस तरह से क्यूब के शेप में भी हो सकते हैं है ना यानी कि यहाँ पे ये क्यूब के शेप में भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? इस तरह से ये एक सेकेंड तो सिंपल सा बना दिया जाए तो ऐसा ये क्यूबॉइड भी हो सकता है या ये ऑक्टागनल शेप का भी हो सकता है किसी भी शेप के ये मिनरल्स के कॉम्पोजिशन हो सकते हैं भी नहीं बन रहा है मैं ना तो कि ये किसी भी शेप के ये हो सकते हैं फिर हम देखेंगे हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप के भी हो सकते हैं अब इनका टेंडेंसी क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन ठीक है तो ये बेसिकली अगर मान लो कि इसको हम बीस से काट रहे हैं तो ये सारे ऑक्टेगनल के शेप्स निकल के आ जाएंगे तो इनके पास टेंडेंसी होता है कि ये ब्रेक हो सकते हैं अब जैसे यहाँ पे आपको शेप्स दिख रहे हैं ठीक है तो बेसिकली एक क्वार्ट्स का एक एग्जाम्पल है एक मिनरल है तो ये नॉन मेटालिक है हेक्सागोनल है ये क्लियर और मिल्की आपको दिख रहा है ठीक है इस ये क्योंकि ये नॉन मेटालिक है तो इसलिए ये कॉनिकल शेप में नहीं वैसे क्रिस्टल शेप में नहीं कटेगा

और द कलर कैन डिफर यानी कि मेलाइट जो है वो ग्रीन हो जाता है ठीक है यानी कि ग्रीन स्ट्रीक देता है फ्लोराइड जो पर्पल है ठीक है लेकिन जब इसको जलाया जाएगा तो ये व्हाइट स्ट्रीक यानी कि ग्रीन या व्हाइट दिखेगा देखने में पर्पल है लेकिन जलाने में कलर अलग कलर का इसमें फ्रेम दिखेगा ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जब हम इससे लाइट पास करते हैं ऑब्जेक्ट से तो हम देखेंगे कि ट्रांसलूसेंट लाइट यानी कि आर पार कुछ लाइट क्रॉस uh, कर रहा है पूरा लाइट इसमें आर पार क्रॉस नहीं कर रहा है ठीक है पासिस बट विल गेट डिफ्यूज सो दैट अदर सो दैट ऑब्जेक्ट के नॉट बी सीन तो यानी कि कुछ मिनरल के आर पार देख सकते हैं कुछ मिनरल ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं कुछ मिनरल ओपेक हो सकते हैं स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसमें ठीक है अलग अलग प्रकार के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बताया जा रहा है हार्डनेस ये पाउडर की तरह सॉफ्ट भी हो सकता है या डायमंड भी हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड है तो वन टू टेन कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है टैल्कम जैसे कि टैल्स जो पाउडर होता है बहुत सॉफ्ट है जिप्सम आपको पता है सी ए टू एसओ फोर सेकेंड में सबसे सॉफ्ट है फिर कैल्साइट है फ्लूराइट है एपेटाइट है फ्लैटार है क्वाद्स है टोपालम है, कौर, है और सबसे जो हार्ड होता है वो डायमंड होता है यानी कि टैल्स से लेकर जो कि सबसे ज्यादा सबसे कम हार्ड है सबसे ज्यादा सॉफ्ट बोल सकते हो से लेकर डायमंड जो कि हार्डेस्ट एलिमेंट है यहां तक ये मिनरल जो है ये वैरी करता है कुछ ये महंगे हो सकते हैं है ना है कीमती हो सकते हैं जैसे सोना चांदी प्लेटिनम या ये धातु के हो सकते हैं फेरस हो सकते हैं जैसे आयरन है ठीक है और बाकी चीजें जिसमें आयरन मिली होती है और उससे हम फिर स्टील बनाते हैं फेरस हो सकते हैं नॉन फेरस हो सकते हैं जैसे कॉपर लेड जिंक टीन एल्यूमिनियम नॉन फेरस है ठीक है तो ये सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल हैं तो मिनरल बेसिकली हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं मिनरल यानी जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारे मेटल यानी कि मेटल के भी हो सकते बने हुए और नॉन मेटल के भी बने हो सकते हैं यानी कि मेटल के भी बन सकते हैं और नॉन मेटल के भी बन सकते हैं अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटालिक में आपने देखा कि कुछ महंगे होते हैं कुछ, हैं। कुछ फेरस से और नॉन नॉन फेरस है यही दो दो प्रकार है और नॉन मेटालिक में अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटालिक में वो होते हैं जिसमें मेटल नहीं है जैसे सल्फर हो गया फास्फेट हो गया नाइट्रेट हो गया ये सारे नॉन मेटालिक है जैसे सीमेंट जो है वो नॉन मेटालिक मिक्सचर नॉन मेटालिक मिनरल का मिक्सचर है ठीक है तो अब धरती पे हमको क्या मिल रहा है धरती पे हमको रॉक्स मिल रहे हैं है ना धरती पे हमको रॉक मिल रहे हैं और रॉक जो है ये क्या है एग्रीगेट वन और मोर मिनरल यानी कि रॉक जो है वो एक या एक से अधिक मिनरल के बने हुए हैं रॉक जो है वो हार्ड भी हो सकते हैं रॉक जो है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और इनका अलग अलग कलर भी हो सकता है ठीक है तो हार्ड जो है ग्रेनाइट जो है ये हार्ड है और सॉफ्ट कौन से हो गए सोप स्टोन जो है ये सॉफ्ट हो गए ठीक है ग्रेवो जो है ये ब्लैक कलर का है और क्वारजाइड जो है ये मिल्की वाइट कलर का है ये कलर में अलग अलग अंतर आपको दिख गया ये सारे रॉक्स हैं और रॉक का कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है यानी हो सकता है उसमें बहुत कम मिनरल हो या हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल हो है ना तो फेल्सपार जो है और क्वार्स है ये ज्यादातर आपको द तो मोस्ट कॉमन मिनरल इन द रॉक मिलते हैं ये आपको मिलते हैं रॉक के साइंस को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं रॉक के साइंस को हम क्या कहते हैं पेट्रोलॉजी कहते हैं तो हम जब मिनरल के कॉम्पोजिशन उसके स्ट्रक्चर उसके टेक्सचर उसके ओरिजिन अल्टरेशन इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो हम इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं ठीक है तो हम इसको क्या कहते हैं पेट्रोलॉजी कहते हैं तो रॉक्स और लैंड फॉर्म्स ठीक है के बीच का रिलेशन या रॉक और सॉइल के बीच का रिलेशन जो है इसको ही हम पेट्रोलॉजी कहते हैं है ना नेक्स्ट हम देखेंगे तो बेसिकली अब बात क्या है बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि ये धरती है क्रस्ट है और धरती के अंदर से मैग्मा निकल रहा है अब ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया अब ये मैग्मा सॉलिड बन गया सॉलिडिफाई हो गया ठीक है अब जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया तो सॉलिड बनने के बाद हम इसको इग्नियस कहते हैं सॉलिड बनने के बाद हम इसको इग्नियस रॉक कहते हैं यानी ये प्राइमरी रॉक है मैग्मा के जस्ट सॉलिडिफाई होने के कारण इसको हमने इग्नियस रॉक कहा है फाइन अब जब ये टूटना शुरू हुए यानी कि अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका अलग अलग पार्ट्स में ये टूटते चले गए तो फ्रेगमेंटेशन के बाद हम इसको सेडिमेंट्री कहते हैं सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री यानी कि क्या हुआ है टूट गया है ठीक है और जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक को हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डालते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं हम इसको मेटामोर्फिक कहते हैं तो हम इसको मेटामोर्फिक कहते हैं ठीक है अगर हम मेटामोर्फिक या सेडिमेंटरी दोनों को वापस से या अगर मैग्मा में मिल गया और फिर सॉलिडिफाई हुआ तो ये इग्नियस बन सकता है और इग्नियस रॉक और और मेटामोर्फिक रॉक अगर टूट गया तो वो सेडिमेंट्री बन सकता है यानी कि हमारे पास क्या है हमारे पास तीन तरह के रॉक हैं एक हो गया हमारा इग्नियस रॉक जो कि एक प्राइमरी रॉक है ये सीधे मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के कारण बना है एक हो गया हमारा सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंटरी रॉक जो है ये फ्रेगमेंटेड रॉक है सेडिमेंटरी रॉक जो है सेडिमेंटमेंटरी रॉक जो, जो है ये फ्रेगमेंटेशन से हुआ है और एक हो गया हमारे मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक रॉक हो गया ये किस चीज से बना है ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बना है ठीक है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बना है तो अब इन तीनों रॉक में हम देखेंगे कि सेडिमेंटरी रॉक अगर मैग्मा में चला जाता है वापस तो ये क्या कहलाता है ये इग्नियस रॉक कहलाता है मेटामोर्फिक रॉक वापस से मैग्मा के पास जाता है तो फिर से ये इग्नियस रॉक कहलाता है और सेडिमेंट मेटामोर्फिक रॉक अगर टूट जाता है अलग अलग फ्रेगमेंटेशन में हो जाता है फ्रेगमेंट हो जाता है तो ये सेडामेंट्री रॉक कहलाता है और अगर इग्नियस रॉक वापस से टूटता है छोटे 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 पोर्शन में इसका फ्रेगमेंटेशन होता है फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटना तो ये सेडिमेंट्री रॉक होता है अगर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में चला जाए तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में चला जाए तो वापस से ये मेटामॉर्फिक हो जाता है इसी चीज को हम रॉक साइकिल कहते हैं यानी कि कोई भी रॉक वापस से दूसरा रॉक बन सकता है समझ में आया आपको बात ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रॉक तीन प्रकार के हैं इग्नियस हो गया सेडिमेंट्री हो गया और मेटामोर्फिक हो गया इसको हमने समझ लिया है यही इसका जो है प्रॉपर साइकिल है रॉक साइकिल है और इग्नियस रॉक के बारे में आपको समझ इगनियस में आ गया इग्नियस में इग्निस का मतलब होता है फायर ठीक है तो बेसिकली जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसको प्राइमरी रॉक कहते हैं और इसी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा को हम इग्नियस रॉक कहते हैं ठीक है इसी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा को हम इग्नियस कहते हैं जो प्रोसेस है जिसके कारण कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है अर्थ क्रस्ट पे जो प्रोसेस है जिसके कारण कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है अर्थ क्रस्ट पे तो ये हमारे प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन जो अर्थ क्रस्ट पे होता है इसी के बाद ये इग्नियस बनता है इग्नियस जो है ये क्लासिफाइड होता है किस बेसिस पे तो टेक्सचर के बेसिस पे टेक्सचर में हम देखेंगे कि साइज़ है अरेंजमेंट है ग्रेन्स का फिजिकल कंडीशन का तो ये अपना इग्नियस रॉक हो गया ठीक है मोल्टेन मटेरियल ये ठंडा हो जाता है ठंडा हो जाता है और फिर ये इग्नियस बनता है ये बात हमने आपको अभी ये सारी चीजें समझा दी है एग्जाम्पल में आप देखोगे तो ग्रेनाइट है ठीक है ग्रेनाइट है ग्रैबो है ये एग्जाम्पल याद रखना ग्रेनाइट हो गया ग्रैबो हो गया पिग्मेटाइट हो गया बसार्ट हो गया ये सारे एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के

तो ग्लोमरेट है ठीक है शेल है यानी कि ये किसी मैकेनिकल कारण से टूटे हवा चल गया पानी चल गया हाथी डांस कर गया तो उसपे टूटे हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म ठीक है तो चौक हो गया कोल हो गया यानी कि बहुत ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्मेशन के कारण ये जो बने हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया यानी कि बहुत टाइम हो गया जीवाश्म हो गया उसमें या अंदर हीट एंड प्रेशर हो गया तो ये इस तरह के बन गए ठीक है केमिकली फॉर्म में आप देखेंगे पोटैश जो है ये के केमिकली फॉर्म है तो अलग अलग तरह के फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आ गया है कि कौन से किस प्रकार से बने हैं मेटामॉर्फिक रॉक में आप समझ गए कि हाई प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे जो बनता है उसको हम रॉक uh, मेटाम में और टेम्परेचर आप में जब गुजरेगा रॉक किसी से तो ये बन जाता है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है रीऑर्गेनाइजेशन होता है और डिस्ट्रप्शन होता है ठीक है तो मेटामोफिजम जो है और रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट मेटामोर्फिज्म और रीजनल मेटामोरफिज यहाँ पे होता है जिसके कारण ये बनते हैं है ना तो ये सारा आप समझ चुके हैं यही चीज हम आपको बताए हैं फोलिएशन और फोलिएशन का मतलब क्या होगा मान लो एक्सफोलिएशन का मतलब आप समझ जाओ कि जब लेयर लेयर निकलता है ना तो एक्सफोलिएशन कहते हैं और यहाँ पे ये यह मेटामॉर्फिज्म जो है वो फोलिएशन है यानी कि लीनिएशन हुआ है इसका लेयर लेयर बैठ के बना है तो ये मेटामोफिजम हो गया इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया ये यह चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना कि जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट आर अरेंज थिन यानी कि ऐसे ऐसे लेयर्स में ये रहते हैं और ये लाइट और डार्क शेड में अलग दिखते हैं इनको हम बैंडेड रॉक कहते हैं अलग अलग बैंड्स में ये रॉक बने हुए हैं एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फोलिएटेड रॉक हो गए नॉन फोलिएटेड रॉक हो गए ग्रेनाइट सीनाइट स्लेट सिस्ट मार्बल क्वॉर्डाइड ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के रॉक साइकिल मैंने आपको अभी समझा दिया है इग्नियस हो गया मेटामॉर्फिक हो गया ये और जो आपके सेडिमेंट्री रॉक है ये किस तरह से एक दूसरे में टर्न होते हैं ये भी आप यहाँ पे समझ चुके हैं तो इस चैप्टर में ज्यादा ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ तक ही है कि बेसिकली आपको बस इतना ही समझना होता है कि रॉक साइकिल इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है इस चैप्टर में आपको होमवर्क में ये दे सकती हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे किस चीज के इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्री रॉक के और मेटामॉर्फिक रॉक के आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे साथ ही साथ आपको ये याद करना चाहिए कुछ कुछ मिनरल्स के नाम आप याद कर सकते हैं जैसे कि मतलब मिनरल्स के नाम जो उस जिस ओर से निकलते हैं ओर टू मिनरल आप याद कर सकते हैं जैसे कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकलता है तो इस चैप्टर में आप याद करने का काम कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम आगे चल के और मैपिंग में समझाने वाले हैं कि क्या जो है मैपिंग में बेसिकली क्या बताया गया है कि कौन सा कहाँ पे मिल रहा है हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कैसा चल रहा है तो देखो क्लास 11 की जो, जो जोग्राफी की एनसीआर की बुक है फंडामेंटल्स उसको हम कर रहे हैं और यहाँ पे चैप्टर नंबर सिक्स पे हम आ चुके हैं यहाँ पे आपको अर्थ सरफेस दिख रहा है और अर्थ सरफेस जो है काफी ऊबड़ खाबड़ है है ना ऊबड़ खाबड़ सा अर्थ सर्फेस है इस अर्थ सर्फिस में हमको ये समझना है कि सबसे पहले कि अर्थ सर्फेस अनइवन क्यों है है ना तो अर्थ सर्फेस जो है वो अनइवन क्यों है इसको हमको समझना है हाँ तो इसमें आप देखेंगे कि कारण क्या हो सकता है कि अर्थ सर्फेस अनइवन है कहीं पे पहाड़ है कहीं पे पठार है जैसे ये पहाड़ है ठीक है इस तरह का आपको टेबल टॉप दिखेगा तो ये पठ पत्था, ये पठार आपको दिख रहा है है ना तो अर्थ सरफेस जो है वो डायनेमिक है डायनेमिक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरा प्लेन ही रहेगा कभी ऊबर खाबर इस तरह से ये डायनेमिक रहेगा ये मूव करते रहता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी यानी कि ऊपर नीचे मान लो पहाड़ बन रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है या खाई बन रहा है तो ये नीचे की ओर जा रहा है वर्टिकल जा रहा है और हॉरिजोंटली कैसे है तो मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था है ना एक सेकेंड ठीक है मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था और वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है और वर्टिकल मूवमेंट कैसे है ये पहाड़ों का ऊपर नीचे मूवमेंट फाइन तो जो डिफरेंस है इंटरनल फोर्सेस में अंदरूनी फोर्सेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ये आपका कहां पे धरती के विदीन ही है ठीक है तो ये इससे क्या बनते हैं इसे क्रस्ट बनते हैं और ये क्रस्ट क्रस्ट जो है ये किस कारण ये क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये आउटर सरफेस जो धरती का क्रस्ट है इसको चेंज करने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा धरती है और धरती में आपको बहुत सारे डायनेमिक चीजें यानी कि बहुत सारी फोर्सेज हैं जो एक साथ लगती जाती है इस तरह से डायनेमिक फोर्सेस लगती जाती है तो ऑल सर्फेस जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस और बहुत सारे एनर्जी जो हैं वो अर्थ सरफेस पे कंटिन्यूसली लगते रहते हैं इस कारण से हमारा जो पूरा धरती है पूरा जो सरफेस है ये काफी डायनामिक है है ना तो धरती के विदिन जो एटमोसफेयर है इसका इंटरनल फोर्सेज है धरती के विदिन ये काफी डायनेमिक फोर्सेज इसमें काम कर रहे हैं तो जो एंडोजेनिक फोर्सेज है जो एक्सोजेनिक फोर्सेज है ये अपने फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन अपने धरती पे ऑन द अर्थ मटेरियल ये लगाती है ठीक है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसमें बहुत सारे जियोमोफिक प्रोसेस होते हैं ज्योमोफ्रिक जियोमार्फिक प्रोसेस यानी कि अर्थक्वेक आता है ठीक है है वोलकैनो है ये सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ पे इस तरह से काम करते रहते हैं तो डाया डायास्ट्रोपिज्म और ये सारे प्रोसेस यहाँ पे काम करते हैं वेदरिंग होता है मास वेस्टिंग है ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा पत्थर जो है वो छोटे छोटे पत्थर में टूटेगा ये छोटे छोटे पत्थर जो है वो बिल्कुल ही फाइन आ, फाइन मटेरियल में टूटेंगे जिससे सॉयल और मतलब सॉयल या फिर बालू पत्थर इस तरह के एकदम फाइन मटेरियल में टूटेंगे ठीक है तो ये जो है डीकॉम्पोजिशन ये एक्सोजेनिक जियोमोर्फिक प्रोसेसेस हैं वेदरिंग और मास वेस्टिंग इरोजन ये और डिकॉम्पोजिशन ये एक्सोजेनिक जियोमार्फिक प्रोसेसेस है एक्सोजेनिक का मतलब क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जो ऐसे पत्थर और कंकर बालू हैं इसपे बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे लगते हैं और इसके कारण ये और फाइन ग्रेडियंट के होते जाते हैं ये और फाइन ग्रेडियंट के होते जाते हैं तो बेसिकली बात क्या है कि धरती पर कुछ स्लो चेंजेस होते हैं कुछ स्लो एंड सर्डन चेंजेस होते हैं और कुछ बहुत

एक्सोजेनिक तो एक्सोजेनिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है इसको समझें कि धरती के ऊपर जो भी चीज है जैसे हवा चल रही है या नदी चल रहा है या फिर आप देखेंगे एयर हो गया ठीक है वॉटर हो गया एयर है वॉटर है उसके बाद आपके ग्लेशियल यानी कि बर्फ का मूवमेंट है आइस का मूवमेंट है या फिर ओशन के कोस्टल मूवमेंट्स हैं कोस्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिसको सी वाटर मूवमेंट कहते हैं ठीक है तो सी वाटर मूवमेंट है ये वाला जो वाटर है ये रिवर हो गया ठीक है तो ये जितने भी धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं जो भी चीजें हैं उसके मूवमेंट जो है धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं उसके मूवमेंट जो है, है ना ये आपकी ये आपकी जो है, है मूवमेंट के कारण ये धरती में बहुत सारे चेंजेस होते हैं धरती में बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस बात को आप समझेंगे ठीक है तो बेसिकली एयर वाटर आइस विंड ये सारे मूवमेंट के कारण अर्थ मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं जिनको हम जियोमोर्फिक एजेंट कहते हैं जब ये मटेरियल जब ये नेचर जो है ये मोबाइल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेडियंट ठीक है तो बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं मोबाइल का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ग्रेडियंट का मतलब जैसे ये ऊंचाई है ये नीचे है तो यहां पे जो लेवल के डिफरेंसेस हैं इसके कारण मूवमेंट होते हैं तो ये मूव करते हैं मटेरियल जो है मूव करते हैं और स्लोप एंड डिपॉजिट ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं लोअर लेवल ठीक है level, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ट्रांसपोर्ट देम एट लोअर लेवल तो ज्योम जो है ज्योमोर्फिक एजेंट जो है ज्योमोर्फिक प्रोसेस ज्योमार्फिक एजेंट जो है ये एक्सोजेनिक है नेचर में यानी कि धरती के ऊपर है पहाड़ है पठार है धरती के ऊपर है और ये सेपरेटली आर वन एंड द सेम जब तक हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे तो ये आपको एक जैसे ही लगेंगे फाइन तो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि कभी कभी मान लो कि कोई पत्थर है ठीक है डायरेक्शनल तो या तो तो फोर्स यानी कि, कि नीचे की ओर मूवमेंट होती है एक्टिवेटिंग डाउन स्लोप मूवमेंट यानी कि नीचे की ओर यहां पे मूवमेंट होता है मैटर कॉज स्ट्रेस ऑन द अर्थ मटेरियल ठीक है तो उसके कारण धरती पे स्ट्रेस होता है और इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है ठीक तो यहां पे एक्टिवेट वेव एंड टाइड इंड्यूस करेंट होते हैं तो करंट का मतलब क्या हुआ देखिएगा हमेशा लो प्रेशर और हाई प्रेशर को ध्यान दीजिएगा हवा जो है या पानी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है तो यहां पे भी वैसे ही मूवमेंट है ठीक है तो जब ग्रेविटी नहीं रहा या ग्रेडियंट नहीं रहा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो इसमें मेन फोर्स जो है वो ग्रेविटी का है ठीक है तो कोई इरोजन नहीं होगा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा यहाँ पे मेन फोर्स जो है ग्रेविटी का है कोई डिकोम्पोजिशन नहीं होगा तो इसमें आपको यही बात को समझना है कि कोई परिवहन या निक्ष, निक्षेपण या जो आपका ये कोई भी तरह का यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा अगर ग्रेविटी नहीं है ठीक है तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है ये बहुत जरूरी है और ये जियोमोर्फिक प्रोसेस में बहुत जरूरी है ठीक है तो ग्रेविटी जो है ये फोर्स है इज द फोर्स दैट इज कीपिंग अस इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस तो सरफेस से कांटेक्ट में रहने के लिए जो फोर्स यूज होती है सरफेस से कांटेक्ट में रहने के लिए जो फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं इसको आपको समझना है धरती पे जितने भी मूवमेंट है धरती पे जितने भी मूवमेंट है है ना धरती के सर्फेस पे ये क्यों है ये हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की ओर है या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर है जो एनर्जी इमानेटिंग है विदिन द अर्थ ठीक है जो एनर्जी लग रहा है धरती के ऊपर जो मेन फोर्सेस लग रहे हैं यहां पे आप देखेंगे बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमोफिक प्रोसेसेस तो ये सारी फोर्सेस ये सारी फोर्सेस बेसिकली ये एंडोजेनिक फोर्सेस अब इसको क्या समझ सकते हैं तो एक्सोजेनिक में हमने ये समझा कि ये धरती के ऊपर पानी बह रहा है या हवा बह रहा है या बर्फ बह रहा है हा तो ये सारे फोर्सेस को हमने क्या बोला धरती के ऊपर लग रहे हैं ना तो एक्सोजेनिक बोला इन सारे फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोले रहे हैं। लेकिन अगर धरती के अंदर कोई फोर्स है यानी कि धरती के अंदर फोर्स लगे यहां पे आ रहा है। के अंदर से फोर्स लग रहा है तो रहा है तो है तो तो अर्थ अर्थ को एक आ कोई जो फ्रॉम द इंटीरियर है ठीक है फ्रॉम द अर्थ धरती के अंदर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं क्लियर है इसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो सकता है रोटेशनल टाइडल फ्रिक्शन सारे जो भी धरती के अंदर विद इन द अर्थ सर्फेस लग रहे हैं वो सारे एंडोजेनिक फोर्स है अब ये क्यों लग सकते हैं तो धरती के अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज हो गया या धरती जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे तो इसके कारण अंदर से कोई फोर्स आ गया या जो टाइडल फ्रिक्शन है यानी कि मून जो है वो खींच रहा है तो ये सारे जो है इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं इसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारी गतिविधियां हो रही है है ना बहुत सारी गतिविधियां हो रही है मैग्मा निकल रहा है सबडक्शन हो रहा है ये सारी गतिविधियां हो रही है ठीक है क्लियर है अंडरस्टूड यस yes. अब हम देखेंगे कि जियोमोर्फिक ग्रेडियंट ज्योम ग्रेडियंट क्या है ये हीट का फ्लो है ये हीट का फ्लो किस चीज से है तो हीट का फ्लो बेसिकली ऐसे ही होता है कि धरती पे जो हवा है ठीक है हवा क्या होगा ये आपका गर्म हो जाएगा हवा जो है ये आपका गर्म हो जाएगा और हवा गर्म होकर लो प्रेशर बना देगा लो प्रेशर जो है उसके बाद ये लो प्रेशर यहाँ पे बनेगा तो हाई प्रेशर का हवा जो है वो यहाँ पे आएगा तो बेसिकली जो मेन चीज है वो हीट का फ्लो ही है पानी में भी ऐसा ही हो रहा है करंट्स में भी ऐसा हो रहा है हवा में भी ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे जो है, जो हैं है, है। है है हो, हो है। मतलब बता दू कि देखो, ये है, अब में क्या हुआ कि पहाड़ से नदी बह रही है ठीक तो है तो पहाड़ से नदी बह रही है तो पहाड़ धीरे धीरे पहाड़ पे लेवलिंग कर देगी है ना कि पहाड़ को धीरे धीरे चपटा कर सकती है ये हो सकता है या फिर कहीं पे क्या हुआ कि कहीं पे दो प्लेट्स जो है आपस में टकराए और ऐसे पहाड़ बन गए तो धरती ऐसा तो नहीं है कि पूरा एकदम इवन है हर जगह सेम है कहीं पे उबर खाबड़ है ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उबर खाबड़ है कहीं ऐसा ये तो मैंने बहुत ज्यादा वैसा बना दिया तो ये अनईवेंट टाइप का है धरती अगर हम इसके माइन्यूटली इसको देखें तो ओवरऑल ये अनइवेंट जैसा दिखेगा यही चीज कहा जा रहा है कि दो तरह के फोर्सेज है अब पहला फोर्स जो है वो है हमारा डायस्ट्रोफिज्म दाया, डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है कि या तो ये मूवमेंट जो है एलिवेट और बिल्डअप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी कि ओरियोजेनिक प्रोसेस ओरियो का मतलब पहाड़ ठीक है तो पहाड़ बनाने का जो प्रोसेस है यहां पर बहुत सारे फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग होते हैं यहां पर फोल्डिंग होते हैं फॉल्टिंग uh, होते हैं यह पहाड़ बनाने का प्रोसेस है है ना राइट right. ओके okay? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेस फोर्सेस तो में क्या होता है कि यहां पे crust, यहां पे लार्ज पार्ट ऑफ़ द क्रस्ट बहुत सारे मूवमेंट्स हैं फिर आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक में uh, हॉरिजोंटल मूवमेंट है ठीक uh, Earth है, Plate Tectonic, Plate Tectonic है। तो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक क्या हो गया दो प्लेटों का टकराना अर्थ को में क्या हुआ किस तरह से पहाड़ बन जाएंगे अगर मान लीजिए कि पहाड़ जो है वो दो प्लेट आपस में अपना टकराते रहेंगे तो ये पहाड़ बन जाएंगे फाइन फिर ये ओरियोजेनिक प्रोसेस एपेरोजेनिक प्रोसेस तो एपेरोजेनिक प्रोसेस तो से आप हमेशा याद रखेंगे इससे ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग है कॉन्टिनेंट बनते हैं और ये ओरियोजेनिक प्रोसेस जो है ये माउंटेन बिल्डिंग है है ना ठीक है तो बेसिकली आपको ये चीज यहां समझ में आ रही है कि अगर कोई प्लेट आपस में टकरा रहा है कोई प्लेट आपस में टकरा रहा है दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है तो इस तरह से वो पहाड़ बन जाएगा ठीक है अगर कोई प्लेट जो है वो आपस में टकरा रहा है लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है तो एक प्लेट का डिस्ट्रक्शन होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा एक प्लेट का डिस्ट्रक्शन होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा यहां पे आपको समझ में आ रहा है उसके बाद अगर मान लीजिए दोनों प्लेट आपस से दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं जैसे कि अटलांटिक ओशन में होता है तो अंदर से कुछ चीजें जो है वो बाहर निकलेंगी और लैंड फॉर्मेशन बनेगा तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं जिसमें हमको समझ में आया कि ओरियोजेनिक है है और प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं है ना तो इस तरह के मूवमेंट हमारे धरती पे होते रहते हैं और इसी के कारण हमारी धरती जो है वो अनइवन हो रहा है तो डाय दाया, डायस्ट्रोफिज्म में भी आपको यही समझ में आ रहा है कि ओरियोजेनिक जो है वो एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है ठीक है और एपेरोजेनिक जो है ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है इस प्रोसेस में ओडियोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग ये tectonic, ये प्लेट फोल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग ये फोल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग होता है अर्थ क्रस्ट का और इसमें प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लगता है ठीक है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लगता है वोल्केनिज्म वोल्केनिज्म जो है ये अपना इंक्लूड करता है मूवमेंट ठीक है ये मैग्मा ऑन टू एंड टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंट्रूसिव इंट्रूसिव एंड तो वो मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर धरती के सर्फेस में मैग्मा बाहर निकल, निकल रहा है ठीक है मैग्मा बाहर निकल रहा है बाहर निकल गया तो बाहर निकलने के बाद उसको सॉलिडिफाई करने के बाद हम उसको लावा कहते हैं लेकिन अगर ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो सॉलिड solid, अंदर सॉलिडिफिकेशन के बाद हम उसको इंट्रूसिव कहते हैं एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव दो तरह के यहाँ पे मैग्मा होते हैं ठीक है ठीके? एक्सोजेनिक प्रोसेस uh, में आप देख लीजिए तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में हम इसको देखेंगे कि अर्थ सर्फेस जो है वो ओरिजिनेट एक्सटर्नल ठीक है तो जियोलॉजिकल फेनोमना एंड प्रोसेस ओरिजिनेट एक्सटर्नली टू द अर्थ एक्सोजेनिक यानी कि ऊपर की ओर तो ऊपर में क्या हो सकता है या तो बड़ा सा पत्थर जो है वो मिट्टी में मिट्टी बन जाएगा टूट टूट के या फिर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन हो उसका है ना या डीकोपोजिशन हो जाएगा या डिपोजिशन हो जाएगा डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं से उड़ के कहीं और आके बैठ गया है ना कहीं से उड़ के कहीं और आके बैठ गया समझ में आ रहा है जी तो ये सारी चीजें आप समझेंगे उसके बाद आप देखेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है ये इसको एनर्जी कहां से मिलता है तो इसको एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है यानी कि अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि मिट्टी का ये टुकड़ा उड़ के यहां पे आ रहा है तो मिट्टी का ये टुकड़ा उड़ के हवा से क्यों आ रहा है क्योंकि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी जब हवा लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी और हवा बह रही है उसका स्पीड बढ़ गया क्यों क्योंकि दोनों प्रेशर के बीच में ज्यादा डिफ्रेंसेस हो गए इसी को कहते हैं कि ज्यादा ग्रेडियंट है ना तो जब हवा एक जगह से दूसरी जगह उड़के जा रही है जब हवा एक जगह से दूसरी जगह उड़के जा रही है तो ये अपने साथ मिट्टी भी लेके जा सकती है राइट तो ये अपने साथ मिट्टी भी लेके जा सकती है तो जो भी प्रोसेस होते हैं जो अल्टीमेट सोर्स है वो कहां से आता है सन से आता है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहां से आता है सन से आता है ठीक तो है तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो हैं ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस धरती के ऊपर काम करते हैं स्लोपिंग काम करते हैं है ना तो ये स्लोपिंग पे काम करते हैं जो force applied होता है यूनिट एरिया में उसको हम स्ट्रेस कहते हैं जो force applied होता है unit area में उसको हम स्ट्रेस अपना ये प्रोड्यूस होता है इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग ठीक है जो बाय पुशिंग एंड पुलिंग इसके कारण स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दीज डिफॉर्मेशन ठीक है ये डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होता, होता है इंड्यूस होता है फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ ठीक है फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ इसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं इसको हम सेपरेटिंग फोर्स कहते हैं तो बेसिकली बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है पहाड़ के ऊपर एक रॉक है और ये रॉक का मूवमेंट नीचे की ओर है है ना तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा एक तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम सेपरेटिंग फोर्स कहते हैं एक तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो शेयर स्ट्रेस है ये क्या करता है ये एक तरह का एनुलर डिस्प्लेसमेंट या स्लिपेज करता है ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या स्लिपेज करता है ये क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग होता है मोस्ट ये बहुत कॉमन चीज है क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग तो यहां पे मास मूवमेंट है इरोजन है वेदरिंग है डीकम्पोजिशन है इस तरह के ये एक्सोजेनिक फोर्सेज यहां पे लगते जाते हैं तो एक्सोजेनिक फोर्सेज जो है है ना एक्सोजेनिक फोर्सेज जो है ये क्या करते हैं ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये लूज इन करते हैं बॉन्ड का किस चीज में ग्रेन्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं जो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं जो सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं इसके बीच में वेदरिंग मास मूवमेंट इरोजन इसके बीच में यहाँ पे होते हैं ठीक है तो ये जो डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स है ये स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वैरी करते हैं थीके? तो यहां पे वेदरिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है वेदरिंग बेसिकली क्या छोटे सब सब टुकड़ों का पे भी बहुत सारा रिएक्शन हुआ और उसके बाद फाइनली वो मिट्टी बन गया तो बेसिकली इसी को हम वेदरिंग कहते हैं वेदरिंग जो है दो तरह के होते हैं अगर वहीं पे रॉक जो है वहीं पे टूट टूट के मिट्टी बन गया उसी जगह तो इसको इन कहते हैं अगर वो रॉक जो है वो एक जगह से मूव करते करते दूसरे जगह पे आ गया तो उसको हम हाँ कहते हैं तो इन हो हो गए गए दो तरह के यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वेदरिंग वेधर, केमिकल तरीके से भी हो सकता है फिजिकल भी हो जाता है बायोलॉजिकल भी, भी हो जाता है अगर हम वेदरिंग में देखेंगे केमिकल तो कार्बोनेशन ठीक है कार्बन का रिएक्शन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारे रिएक्शन इस पर काम करते हैं ये सारे रिएक्शन इस पर काम करते हैं और बाकी सारे ये एसिड्स भी इस पे काम करते हैं तो एयर वॉटर एंड एयर ठीक है वॉटर एंड एयर दोनों इस पे सारे यहां पे काम कर रहे हैं ठीक है तो इसको हम वेदरिंग केमिकल वेदरिंग कहते हैं क्लियर है तो इसको आप देख लीजिएगा ठीक है इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं यहाँ पे एयर और वाटर ये सारे जो हैं यहाँ पे ये इसको डिजोल्व करने का काम करते हैं यानी कि हम इसको सोलूशन क्या कहते हैं कि जब किसी भी चीज पे वाटर और एयर इस पे रिएक्ट करेंगे ठीक है तो दो तो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करता है सॉलिड्स इन द सोलूशन फाइन तो बेसिकली अगर मान लो कोई एसिड किसी चीज पे गिर गया तो वो क्या हुआ वहां पे जो मटेरियल्स हैं वो घुलते जाएंगे मटेरियल्स जो, हैं, वो जाएंगे। जो है, बना देते हैं। कि पानी में अगर मान लो कोई मटेरियल है और उस पर पानी गिर रहा है या एसिड गिर रहा है और उस पर वो डिजोल्व होते जाते हैं तो डिजोल्व ऐसा तो नहीं कि घुल जाता है घुलता तो नहीं है बेसिकली क्या होगा कि जैसे तुमने एक ग्लास पानी में बालू डाल दिया सस्पेंशन तो रहेगा पानी भी है बालू भी है बालू घुल नहीं रहा है ऐसा नहीं है कि पानी में नमक डाल दिया तो नमक तो पूरा घुल गया दिखेगा नहीं लेकिन जब तुमने बालू डाला तो वहां पे सस्पेंशन का फॉर्मेट हो जाता है एक तरह का सस्पेंशन बन जाता है निलंबन के रूप में ये मिल जाता है ठीक है और अगर कोई सल्यूबल है सल्यूबल मिनरल्स हैं जैसे कि सल्फेट हो गया नाइट्रेट हो गया पोटेशियम हो गया ये सब जो है इस प्रोसेस से यहाँ पे ये पूरी तरह से उसमें बेसिकली सोल डिजोल्व हो जाते हैं ठीक है ठीके? और ये जो डिजोल्व है तो यहां पे कोई रेसिड्यू यहां पे ये यह नहीं छोड़ते हैं यही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है, है ना तो ये रेसिड्यू यहां पर नहीं छोड़ते हैं फिजिकल वेदरिंग में क्या है कि अगर उस पर बहुत सारा प्रेशर लग गया जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया या फिर आपके एक्सपेंशन फोर्स लग गया वाटर प्रेशर लग गया तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग बोल लेंगे ठीक है फिजिकल वेदरिंग उसको बहुत सारे ऐसे हैं जो अप्लाइड होते हैं फिजिकली जो अप्लाइड हो रहे हैं जैसे ग्रेविटेशन वगैरह अप्लाइड हो रहे हैं तो उसको हम हाँ, फिजिकल करेंगे बायोलॉजिकल हो गया उस पर पे पेड़ पौधा हो गया उस पर हाथी डांस कर लिया उस पर चूहा जो है रॉड टर्माइट ये सब इस पर घुस गया ठीक है तो इसको हम Uh, क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल बोलेंगे ठीक है uh, हाथी डांस वाला जो ना वो फिजिकल का एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि जैसे मान लो हाथी अगर उस पर डांस कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है तो उस तरह के जो फोर्स लगते हैं उसको हम फिजिकल वेदरिंग में बोल देंगे फाइन अगर ह्यूमन बीइंग किसी वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रहा है यानी कि अगर उस पर बहुत ह्यूमन बीइंग जो है वो पेड़ पौधा काट के या पहाड़ को हटा के उस पर कल्टिवेशन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं ठीक है या आप देख सकते हैं कि डिकेंग एंड एन एनिमल मैटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक तो उस जगह वो जगह अगर फर्टाइल होते जाता है तो उसको भी हम यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डालेंगे ठीक है फिर होता है एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन क्या है कि एक एक परत का उड़ना यानी अगर रॉक है तो एक एक परत जब उस पर उड़ता है तो उसी को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं है ना इसको नेक्स्ट चैप्टर में आप और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम एक एक चीज को उठा के आपको बताएंगे तो वेदरिंग यही कहता है कि वेदरिंग में एक बड़ा सा पत्थर छोटे से छोटे छोटे कनों में टूटते जाता है ठीक है और ये इरोजन के नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक इज नॉट वेदर्ड यानी कि इरोजन तभी हो पाएगा जब रॉक जो है पूरी तरह से मिट्टी बन जाए और एक जगह से दूसरी जगह ये रॉक जो है इसका मूवमेंट शुरू हो जाए ठीक है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग तो सिग्निफिकेंस वेदरिंग का बहुत सारा हो सकता है वेदरिंग बहुत सारे चीजों के कारण ये इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं केमिकल हो गया फिजिकल लीचिंग हो गया है ना ग्राउंड वाटर तो बेसिकली कहा जा रहा है कि वेदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है जब रॉक वेदरिंग के प्रोसेस से जाता है तो मिनरल्स इसमें रिमूव हो जाते हैं अगर केमिकल बात करोगे या फिजिकल कंपोनेंट uh, से बात करोगे तो बहुत सारे मिनरल्स इसमें रिमूव हो जाते हैं और विदाउट सच वेदरिंग टेक्स प्लेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम वैल्यूएबल मटेरियल ठीक है सेम वैल्यू वैल्यूबल मटीरियल में नॉट बी सफिशियंट एंड इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सप्लोय द प्रोसेस एंड रिफाइन इट ठीक है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे आप देखेगा बहुत सारे ये बड़ा सा पत्थर उसमें बहुत सारी चीजों का रिएक्शन होता है और यहाँ पे पानी जल वगैरह वगैरह उस पर मूवमेंट करते हैं मास मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि एक बड़ा से बड़ा सा पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा इसको हम मास मूवमेंट कहते हैं इसको हम मास मूवमेंट कहते हैं ये ग्रेविटी के कारण एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट होता है ठीक है फिर नेक्स्ट हम ने देखेंगे तो यही जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है इसी को हम मास मूवमेंट कहते हैं कि पूरा प्रॉपर ही लैंडस्लाइड जैसा हो गया है ना तो इसको हम मास मूवमेंट कहते हैं ये अनवेदर्ड मटेरियल का हो गया रादर देन मतलब मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर स्लोप यानी कि अगर स्लोप जो है वो जेंटल रहेगा तो ज्यादा जल्दी मास मूवमेंट होता है अदरवाइज अनवेदर मटेरियल में धीरे धीरे ये मास मूवमेंट जो है आपका कैरी होता है इसका एक पिक्चर भी था मैंने डाला था एक सेकेंड हाँ तो ये बेसिकली वहां पे ये वैडी करेगा ठीक है फिर हम देखेंगे तो मास मूवमेंट जो है ये क्या होता है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स ठीक है इंक्रीज इन ग्रेडियंट स्लोप बहुत सारे ग्रेडियंट स्लोप में यहाँ पे इंक्रीज होता है नेचुरली एंड आर्टिफिशियली फिलिंग होता है रेनफॉल यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे मास मूवमेंट जो है यहाँ पे रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल सर्फिस ठीक है अपने सर्फेस पे या फिर आप देखेंगे ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्लोजन ऑफ मशीनरीज ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं

तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये और तरह और थ्री मतलब बेसिकली ये जो है थ्री फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं ठीक है तो ये जो मूवमेंट है काफी रैपिडली होता है लैंडस्लाइड का अगर आप एग्जांपल ले लें ले, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कि बहुत जल्दी जल्दी ये मूवमेंट्स होते हैं लैंडस्लाइड के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोलिंग तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है ठीक है तो रोलिंग तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है स्टीप स्लोप्स है यहाँ पे Fine. तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ये मास मूवमेंट है और ये लैंडस्लाइड में ये रोलिंग तरीके से इस चैप्टर में तो कुछ है नहीं बस ये ये एक ब्रीफ चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इरोजन में आप देखेंगे यहाँ कि वही मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी कारण से चाहे वो अंडरग्राउंड हो रेनिंग हो ग्लेशियर हो एक एक करके हम इसको समझेंगे कि इसमें इरोजनल कैसे हो सकते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं तो ये सब ये सब जो चीजें बनी है ये कुदरत ने बनाई है है ना और कुदरत जो है वो किसी फोर्स पे काम कर रहा है हम एब्रेशन को समझेंगे कि एब्रेशन जो है बाई रॉक डेब्रेस कैरिड बाई जियोमोफिक एजेंट ऑल्सो एड ग्रेविटी या ग्रेटली इन इरोजन ठीक है तो यहाँ पे रिलीफ ग्रेडर्स लैंड स्लाइड जो है ये उसी से आपका इरोजन एंड एंडम्पोजिशन से सॉइल का फॉर्मेशन होता है ठीक है सॉइल बनते हैं और ये बेसिक फॉर्म फॉर्मेशन जो है सॉइल का वो वेदरिंग के कारण बनता है सॉइल जो है वो वेदरिंग के कारण बनते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे रॉक था उसके बाद छोटे छोटे पत्थर बने फिर और छोटे पत्थर बने और फिर फाइनली मिट्टी बन गया फिर फाइनली यहाँ पे मिट्टी बन गया तो ये सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है यानी कि वो किस रॉक का है टोपोग्राफी कहाँ पे है पहाड़ पे है या नदी के पास है तट पे है क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पेरेंट मटेरियल तो पेरेंट मटेरियल से ही पता चलेगा कि मिट्टी किस प्रकार की बनेगी पेरेंट मटेरियल जो है ये पैसिव कंट्रोल सॉल फॉर्मेशन है यानी कि इसमें क्या होगा कि ये कोई भी इन सीटू यानी कि उसी जगह पे ये हो सकता है यानी कि डेब्रिस का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है यानी एक्स है फाइन अपॉन द टेक्सचर साइज ऑफ द डेब्रिस और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपॉन द स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये यह डिकॉम्पोजिशन का ये इंडिविजुअल ग्रेन्स पे भी डिपेंड करता है मिनरल्स एंड केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है ये नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिसपे ये डिपेंड करता है

है ना मान लो कि अगर कोई ऐसा जगह जहां पे कोई फोर्सेज रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन क्लाइमेटिक एलिमेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट में आप देख सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है मॉइस्चर बहुत ज्यादा है एक्सेस वाटर है तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा ठीक है डिपोजिशन ऑफ दिज मेटर यानी कि अगर मेटीरियल आरोपिट हो रहे हैं, उसको कहते हैं। उससे सिलिका हटाए तो उसको डी सिलिकेशन कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये नहीं है उतनी बस उसको एक ये चैप्टर वैसा है कि एक बार आप रीड कर जाए है ना ये चैप्टर वैसा है कि आप एक बार रीड कर जाए तो हॉट डिजर्ट में भी आप देखेंगे हॉट हार्ड पैंस बन जाते हैं डेजर्ट में आप देखें हार्ट पैन्स बन जाते हैं या फिर रेनफॉल कंडीशन कैल्शियम कार्बोनेट नॉड्यूल्स ये सारी चीजें बन जाती हैं फाइन तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और इस पर बहुत सारे जैविक गतिविधियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर मान लो कि वही अगर रोडेंस हैं टर्माइट्स हैं बड़े से पत्थर पे उसमें चूहा ऐसे छेद करके चला गया तो पत्थर बहुत जल्दी जैसे मान लो ये पत्थर है और इसके बीच में चूहा ऐसे छेद करके चला गया तो पत्थर जो है दो टुकड़े में बहुत ईजिली टूट जाएगा बाकी और इसमें अगर ऐसे मूवमेंट होते गए तो ये और करते करते मिट्टी में टूट जाएगा ठीक है तो ये जो हॉट यहाँ पे आप देखिएगा बैक्टीरियल फिक्सेशन भी हो रहे हैं ठीक है नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में बनते जा रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया है इस तरह से सॉइल में ये बनते जा रहा है टाइम की बात है तो स्पेसिफिक कोई टाइम तो है नहीं एब्सोल्यूट टर्म्स में लेकिन एक बहुत लंबा समय लगता है अगर हम सॉइल की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये बताया गया कि देखो धरती है धरती पे दो तरह के बेसिक बेसिक बात ये है धरती पे दो तरह के फोर्सेस है एक अंदर से लग रहे हैं तो उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं तो उसमें उसके कारण अर्थ को एक आता है वॉलकैनो आता है और एक बाहर से फोर्स लग रहे हैं जिसको हम एक्सोजेनिक कहते हैं इसी के कारण धरती का जो सर्फेस है वो काफी ज्यादा उबर खाबड़ है धरती का जो सर्फेस है वो काफी ज्यादा उबर खाबड़ सर्फेस है है ना तो धरती के सर्फेस उबर खाबर है यानी कि अनइवन है कहीं पत्थर है कहीं पहाड़ है कहीं खाई है तो ये सब चीजें कैसे बन रही हैं ये सब चीजें बन कैसे रही हैं तो कुछ फोर्सेस हैं जो उठा रहे हैं चीजों को यानी जैसे कॉन्टिनेंट बना रहे हैं या फिर वो ये माउंटेन्स बना रहे हैं यानी कि वो अप अपलिफ्टिंग वाले

जेनिक है या ऑडियोजेनिक है तो वो सारे टर्म्स मैंने उसमें डाल दिए हैं बेसिक बेसिक इसमें यही समझने का है अब हम समझेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 इसमें हम समझेंगे कि एक-एक फोर्सेस के कारण क्या-क्या उसमें फॉर्मेशंस होते जा रहे हैं एक-एक फोर्सेस के कारण क्या-क्या इसमें, इसमें फॉर्मेशन होते जा रहे हैं तो इसको हम समझते हैं हेलो एवरीवन तो जैसे कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं क्लास इलेवन के एनसीआर प्रस्तुत हो चुकी है आज चैप्टर चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। नंबर पढ़ेंगे यार बहुत कुछ है है पढ़ने के लिए ठीक तो लैंड फॉर्म्स अब जैसे तुम जिस भी जगह हो यहाँ पे क्या होगा पहाड़ होगा पठार होगा नदी होगा घाई होगा कुछ भी होगा राइट तो ये क्या है ये हार्ट बीट नहीं है ये लैंड फॉर्म्स है ना तो ये लैंडफॉर्म्स है तो अगर हम आसान भाषा में कहेंगे तो जो पार्सल ऑफ लैंड सर्फिस है उसमें जो ट्रैक्स हैं जो हैं उनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं इनका अपना एक फिजिकल शेप होता है साइज होता है और किसी ना किसी uh, मतलब प्रोसेस के कारण ये जो है इस तरह के बने हैं चाहे तुम ओशन ले लो ग्लेशियर ले लो प्लेट्यू ले लो वैली ले लो या हिल्स ले लो आइलैंड ले लो कोई ना कोई कारण से ये सब जो है इस तरह के बने हैं तो अगर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो बहुत सारे अलग अलग लैंडस्केप साथ में आते हैं और किसी ना किसी जो मगर, जो

और ओल्ड एज ये तीन में ये चेंज होते हैं ये तीन में ये चेंज होते हैं समझ में आ रहा है तो बेसिकली हर लैंडफॉर्म में जैसे कि अगर मान लो कि एक नदी की एग्जाम्पल ली जाए तो जैसे ये पहाड़ है ठीक है पहाड़ को रेड कलर से कर लेते हैं ये पहाड़ है और यहाँ पे एक बलखाती हुई नदी जो है इस तरह से बह रही है ठीक है ये नदी बह रही है अब नदी ने शुरू में ना बहुत सारे तोड़फोड़ किए तो उसको युद्ध स्टेज बोलेंगे उसके बाद क्या हुआ कि नदी जो है वो मेच्योर स्टेज में आई फिर क्या हुआ नदी जो है वो ओल्ड स्टेज में आई तो इस तरह के अलग अलग स्टेजेस हैं तो ज्योम जियोमार्फोलॉजी क्या है ये जो है ये अलग अलग ज्योमफिक प्रोसेसेस के कारण ठीक है चाहे हवा बह रही है घटा बह रही है हंसी है नजारा है बहुत सारे विंड के कारण बहुत सारे अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर के कारण या बहुत इरोजन और डिपोजिशन के कारण ये जियोमार्फिक प्रोसेस जो है ये इस तरह के बन चुके हैं ये ज्योमफिक प्रोसेस जो है वो इस तरह के बन चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे इरोजन भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये नदी चल रही है है ना तो ये फिर जाके समुद्र में मिल जा रही है तो ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं पे ड्यून्स हो गए छोटे छोटे पहाड़ जैसे हो गए ये गल्फ हो गए यानी कि ये पानी का वो हिस्सा जो तीनों तरह से पानी से ढका हुआ है और तीनों तरह से लैंड से ढका हुआ है और एक तरफ से पानी से ढका हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा पहाड़ है जो कि क्लिफ हो गया ये तट का क्षेत्र है ये कोस्ट हो गया ये नदी का चैनल है एक पतला सा नदी का चैनल जो दो बड़े को सेपरेट करती है स्ट्रेट हो गया तो ये सारे फॉर्म्स यहां पे बने हुए हैं है ना रॉक स्ट्रक्चर जहां पे फोल्ड फॉल्ट जॉइंट फ्रैक्चर्स होते हैं हॉट होता hardness होता है सॉफ्टनेस होता है होता होता है impermeability होता है तो जैसे एक रॉक है ठीक है तो इसमें पानी अगर जा पा रहा है अंदर तो ये परमिएबल है है ना या फिर कोई ऐसा रॉक है जिसके अंदर पानी नहीं जा पा रहा है ठीक है तो वो इमपॉमिएबल है तो वो क्या है वो इम्पोर्मिएबल है इसके अंदर पर्मिएबिलिटी नहीं है कोमलता नहीं है ठीक है कोमलता और जो ये आप देख सकते हैं कि वो आ, अंदर पानी को नहीं सोख पा रहा है ठीक है तो इस कारण से भी बड़, बड़े बड़े चट्टान जो है उसमें चेंजेस आते हैं अगर सोख पा रहा है तो अलग चेंज हो जाएगा नहीं सोख पा रहा है अलग प्रकार का चेंज हो जाएगा फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल यानी कि जो समुद्र का उसमें अः लेवल है वो किस टाइप का है ठीक है। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंड अगर एक लैंड फॉर्म है दूसरे लैंड फॉर्म से टकरा गया तो उनका टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक्टोनिक स्टेबिलिटी कितना है ठीक है तो उसको टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे समझ रो? और मौसम कैसा है क्लाइमेट कैसा है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे हम रनिंग वाटर की रनिंग वाटर में क्या होता है कि रनिंग वाटर में पानी जब बह रहा होता है तो ये बहुत सारे जियोमोफ्रिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक एजेंट या बहुत स्ट्रांग भू आकृतिक एजेंट है और ये लैंड सर्फेसेस जो है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सर्फेसेस इसमें लाता है ठीक है अगर आप देखेंगे वन इज ओवर लैंड फ्लो ठीक है एंड और द जनरल लैंड सर्फिस एज अ शीट तो पहले क्या होता है कि एक जैसे पानी का सतह है उसने एक परत को उखाड़ दिया या एक परत को वो लेके चला गया तो वो सरफेस जो है उसको शीट की तरह ये हटा देता है ठीक है अनदर अनदर इज इज लीनियर लीनियर फ्लो फ्लो ठीक है है तो इसमें है, इसमें स्ट्रीम वा, रिवर वैली है यानी कि ऐसे ऐसे लाइन में ये निकाल रहा है लाइन से ऐसे नदी बह रही है एक लाइन से वो फ, फ्लो कर रहा है फाइन मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ज्यादातर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं ये आपके पानी के दौड़ने रनिंग वाटर के दौड़ने से एसोसिएटेड है यहां पे स्टीप ग्रेडियंट बनते हैं यानी कि जैसे पहाड़ है तो ये जेंटल स्लोप ऐसे जेंटल स्लोप है और ऐसे खड़े खड़े पहाड़ है तो वो स्टीप स्लोप है तो खाई हो गया ठीक है या फिर घाटी हो गया ये सब नदी के आकार नदी के बहने के तरीके से ये बह रहे बन रहे हैं ठीक है तो जैसे नदी मान लो यहाँ चट्टान है और नदी बहुत जोर से यहाँ बह रही है तो ये चट्टान क्या हो जाएगा ये ये या तो चपटा हो जाएगा या फिर नदी इसको बहा के कहीं और ले जाएगी तो इसका इरोजन हो जाएगा समझ रहे हैं तो इस तरह से नदी के बहने से बहुत सारी चीजें बनती हैं तो अगर हम देखेंगे समय के साथ साथ तो विध टाइम स्ट्रीम जो है वो जेंड वो स्टीप ग्रेडियंट स्टीप ग्रेडियंट में यहाँ पे अगर नदी बह रही है लगातार ये इरोजन कर रही है ठीक है कंटिन्यूड इरोजन कर रही है और उसके कारण लूज वेलोसिटी फेलिसिटेटिंग एक्टिविटी और डिपोजिशन ठीक है तो यहाँ पे इसमें नदी का बहाव कम हो जा रहा है इसके एक्टिविटी जो है वो अलग प्रकार के हो जा रहे हैं डिपोजिशन हो जा रहे हैं इसमें ठीक है तो ये चीज है द जेंटर रिवर चैनल द जेंटर रिवर चैनल जितना भी जेंटल uh, होगा रिवर का चैनल यहाँ पे ग्रेडियंट और स्लोप जो है ये होंगे ठीक है तो द ग्रेटर इज द डिपोजिशन जितना ज्यादा उसमें डिपोजिशन होगा वेन द स्टीन वेन द स्टीन वेट्स टर्न जेंटलर ठीक है तो जैसे जैसे डिपोजिशन होते जाता है जैसे नदी जो है वो अपने साथ मलवा लाएगी और उस मलवा को वहां पे वो जाके डिपॉजिट करती है तो साफ साफ इसमें लिखा है कि द जेंटलर द रिवर चैनल यानी कि रिवर का चैनल जो है वो जितना जेंटल तरीके से बह रहा है जितने वो आराम स्लोप से बह रहा है वेन द स्टीम वेन द स्टीम स्ट्रीम बेट्स टर्न जेंटलर ठीक है तो बेड जो है वो जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूडो इरोजन तो यानी कि जो पहाड़ जो है पहाड़ इस तरह का भी हो सकता है स्टीप स्लोप का खड़ा खड़ा और डिपोजिशन होते होते वो इस तरह का भी हो सकता है तो उसी पर डिपेंड करता है कि, कि किस तरह का इरोजन यहाँ पे घटित होने वाला है, है ना इसी पे ये डिपेंड करता है ठीक है तो बेसिकली शीट इरोजन भी हो सकता है यानी कि एक कूड़ा परत हट जाए Fine. तो एक शीट एरोजन भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि लैंड जो है वो कितना इरेगुलर है कितना खुड़खुड़ा है कितना मतलब ऐसा ऐसे है या प्लेन है इस चीज पे ये डिपेंड करता है ओवर लैंड फ्लो मे मे कॉन्सेंट्रेट इन टू नैरो बहुत पतला पाथ भी हो सकता है और बहुत वाइड पाथ वाइड पाथ यानी कि जैसे नदी बह रही है तो उसमें डिपोजिशन जिसने जिस प्रकार के होंगे उस पे ये डिपेंड करेगा उस पाथ पे डिपेंड करेगा तो अगर हम शेयर फ्रिक्शन की बात करेंगे यानी कि जब नदी बह रही है तो उसमें शेयर फ्रिक्शन यानी कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर आएगा मेजर और माइनर क्वांटिटीज आएंगे और ठीक है सरफेस जो है ये रिमूव होते जाएगा स्मॉलर uh, uh, या फिर रिल के कारण इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं बात बस इतनी सी है कि जब नदी बह रहा है तो वो आसपास कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स को ये गठित घटित करती है ठीक है तो इसमें लॉन्ग और गलीज बनेंगे गली जो है वो और ज्यादा चौड़े होते जाएंगे इस तरह से ये होते जाएंगे फाइन इस तरह से ये होते जाएंगे तो ये नदियां हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि एक खाई जैसा है और ये सारे जो हैं ये सब कुछ नदी के कारण बनी हुई है एक एक चीज जो है यहाँ पे नदी के कारण बनी है ओवर लैंड फ्लो यानी कि यहाँ पे क्या होगा तो द डिवाइड बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन एंड लाइकवाइज ये तो इस बात को इस तरह से समझो कि जब नदी अपने युद्ध स्टेज में रहती है तो ये बहुत ज्यादा इरोजन करती है तोड़फोड़ करती है और फिर ये डिपोजिशन करना शुरू कर जाती है और वही डिपोजिशन प्लेन्स का यहाँ पे नाम लिखा है तो युद्ध स्टेज में अगर हम समझेंगे तो नदी जो है वो क्या बनाएगी नदी जो है घाटी बनाएगी किस टाइप का घाटी बनाएगी वी शेप घाटी बनाएगी ठीक है उसके बाद आप देखिएगा तो ये ब्रॉड एंड फ्लैट मार्शे एंड स्वैम्पी लेक्स यानी कि दलदली मैदान भी बनाएगी नदी जो है वो इस तरह से ऐसे मियांडर भी करेगी ठीक है ये मियांडरिंग करेगी नदी जो है झरना बनाएगी क्यों क्योंकि अब ये तोड़फोड़ वाले स्टेज में यूथ स्टेज में जब नदी जो है थोड़ा डिकम्पोजिशन डिपोजिशन स्टेज में आएगी थोड़ा सा मिच्योर स्टेज में आएगी ठीक है तो ये जो है ये डीप ठीक डीप ट्रंक स्ट्रीम ब्रॉड इनफ ठीक है और फ्लड प्लेन टाइप का ये बनाएगी ना ये फ्लड प्लेन टाइप का बनाएगी यूथ डिसअपेयर्स यूथ यानी कि जब इसमें बहुत ज्यादा तेज तरार था जैसे मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम को कंजर्व करना है पहले पहले वेलोसिटी ज्यादा था मास बहुत कम था वेलोसिटी और मास फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है मेच्योर स्टेज में और मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओल्ड स्टेज में वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है जहां पर डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है तो मास और वेलॉसिटी ऑलमोस्ट सेम होगा मेच्योर स्टेज में ओल्ड स्टेज में क्या होगा कि बहुत जेंटल ग्रेडियंट हो जाएगा और यहाँ पे फ्लड प्लेन हो गया नेचुरल लीव हो गया ऑक्सबो लेक हो गया ये सारे सारी चीजें यहाँ पे बनेंगी मार्शी स्वैम्पी पे ये टाइप के दलदली क्षेत्र भी बनेंगे और यहाँ पे ये प्रोसेस होगा आपका युद्ध मिच्योर और ओल्ड स्टेज में नेक्स्ट हम देखेंगे वैली तो वैली क्या होता है बेसिकली जैसे मान लो ये पहाड़ है वैली इरोजनल लैंडफॉर्म है यानी देखो इरोजन को इस तरह से समझो कि अगर नदी बह रही है और नदी ने कोई तोड़ फोड़ कर दिया कोई तोड़ फोड़ कर दिया तो वो इरोजन हो जाएगा और नदी अगर कुछ लाके कोई चीज जमा जम मा रही है ठीक है डिपोजिशन कर रही है तो वो आपका डिपोजिशन हो जाएगा नदी अगर ऐसा करिए तो वो डिपोजिशन हो जाएगा और अगर तोड़ फोड़ करिए तो वो इरोजन हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो यहां पे आप समझेंगे इस बात को अब देखेंगे कि वैली वैली स्टार्ट स्मॉल एंड नैरो रिल्स ठीक है तो वैली जो है वो स्मॉल और नैरो रिल्स बनाती है यानी कि पहाड़ अगर है और नदी उसमें बह रही है तो पहाड़ को ये इस तरह से काट के नीचे बीच में वैली बना सकती है तो वैली बेसिकली नदी बनाती है जब ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या कोई जॉर्जिया या ऐसे ऐसे खाई बोलते हैं ना घाट घाटी बोलते हैं और जॉर्ज हो गया घाटी हो गया तो इस तरह के ये जॉर्ज बना रही है ठीक है या फिर इस तरह का ये सीढ़ी वाला सीढ़ी वाला घाट गा, घाटी बना रही है तो इसको हम कैनियन बोलेंगे Fine. इसको हम कैनियन बोलेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये नदी अपने युद्ध स्टेज में बना रही है ठीक है? इस तरह से या फिर रही कैनियन बना रही है ये पहाड़ यहाँ पे हार्ड रॉक से बना है बीच में सॉफ्ट रॉक से बना फिर हार्ड रॉक से बना इसे अगर कोई नदी बह रही है तो धीरे धीरे करके ये पहाड़ ऐसा हो जाएगा और बहुत टाइम बाद ये पहाड़ ऐसा हो जाएगा हार्ड सॉफ्ट रॉक हट जाएगा और फिर ये हार्ड रॉक बचेगा समझ रहे हैं फिर आता है पॉट होल्स और प्लंज पूल प्लंज पूल क्या होगा जैसे ऋषिकेश वगैरह में आप देखते होंगे किस तरह से पहाड़ पहाड़ पे नदी झरना की तरह बह रही है और यहाँ पे इसने गड्ढा बना दिया तो ये जो एरिया इसको हम प्लंज पूल कहते हैं ये जो डिप्रेशन है इसको हम प्लंज पूल कहते हैं पॉट होल्स कहते हैं फाइन तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरह बस इसमें स्ट्रक्चर तो के नाम है और कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप देखो ये पॉट होल्स यानी कि ऊपर से झरना बह बहरा हुआ पानी यहां पे आके जम गया इसको प्लंज पुल और पॉट होल्स कहते हैं तो इस तरह के जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन है ये आपके यही पूल्स हैं, यही पूल्स हैं, यही है, प्लंज पूल है और पॉट होल्स है नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिडेंट और इंटेंट और इंटेंज मस तो बेसिकली नदी जो है इस तरह से बलखा रही है नदी जो है इस तरह से बलखा रही है इसको हम इसको हम कि नदी का बलखाना क्या कहलाता है? है अब देखोगे जैसे यहाँ पे बलखा रही है. तो है अब मिया्रिंग ऑफ रिवर में साथ साथ क्या होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऐसे नदी बहती है ठीक है मान लो ऐसे नदी बह रही है बहते बहते क्या होगा कि एक जगह आके ये सट गई ठीक है तो यहाँ पे ये सट गई अब सटने के बाद क्या हुआ कि ये इस तरह से बहेगी जैसे पहले बह रही थी और ये वाला जो पोर्शन है ये कट के बाहर आ जाएगा और जो ये कट के बाहर आ जाएगा इसमें जब पानी भरेगा ठीक है तो इसको हम ऑक्सबोलेक कहेंगे यानी कि नदी मियांडर करते करते एक जगह आके सट जाती है और जब कोई पोर्शन कट के बाहर आ जाता है तो उसको ही हम ऑक्सबो कहते हैं मियांडरिंग में आपको यही बताया गया है कि इसको हम ऑक्सबोले कहेंगे फिर रिवर टेरेसेस तो रिवर टेरेसेस का आप एक पिक्चर देख सकते हैं तो ये देखिएगा रिवर टेरेसेस यानी कि नदी बेसिकली रिवर टेरेसेस ये कहता है कि सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन फ्लड प्लेन क्या हुआ कि पहले जहां नदी बहती थी लेकिन अब नदी जो है सिकड़ी होने के कारण वहां नहीं बहती तो जहां पहले बहती थी जैसे पहले मान लो कि पहले इतना बहता था अब बस इतना बह रहा है अगर नदी में बहुत उफान आ गया तो ये फिर इतना स्पेस तक जा सकता है तो ये फ्लड प्लेन हो गया ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बेडरॉक्स होता है वो विदाउट एलुवियल कवर होता है यहाँ पे एलुवियल कवर नहीं है फ्लड प्लेन में यानी कि मिट्टी का परत नहीं है है ना और ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है इरोजन एज रिजल्ट टू वर्टिकल इरोजनस ठीक है तो इसका ये परत होता है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर टेरेसेज तो यही रिवर टेरेज मैंने आपको अभी पिक्चर्स में दिखाया इस चैप्टर में बस आपको पिक्चर को देख के समझना है कि क्या चीजें हैं ठीक है तो अब रिवर टेरेसेस के कारण क्या क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे इतना एरिया इसका फ्लड प्लेन है तो जब बहाव आएगा तो बहाव आएगा तो ये बाढ़ में आ जाएगा तो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे मत रहिए बाढ़ पीड़ित एरिया है यानी कि जब बहाव आएगा तो इसमें बाढ़ आ जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है फ्लड प्लेन फ्लड प्लेन का भी आप पिक्चर देखिए अब जैसे फ्लड प्लेन जो है ये इतना एरिया इसका फ्लड प्लेन हो गया एलुवियल फ्लैन एलुवियल फैन हो गया ठीक है तो एलुवियल फैन जो है ये स्टीम फ्लो फ्रॉम हायर लेवल अगर बहुत ऊपर से ये स्ट्रीम फ्लो होता है और यहाँ नीचे चपाट तक आता है तो इसी को हम यहाँ पे फ्लड प्लेन कहते हैं फाइन फ्लड प्लेन कहते हैं एलुवियल फैंस एलुवियल फैंस जो हैं यहाँ पे ओरिजिनल चैनल है और ये लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशन करते हैं ये अलग अलग पोजीशन तक आते हैं और इनको हम यहाँ पे फ्लड प्लेन कहते हैं और फॉर्मिंग मेन चैनल कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक नदी बह रही है और नदी में बहुत सारी सहायक नदी आकर यहाँ पे मिल जा रही है बहुत सारी सहायक नदी आकर मिल जा रही है और फिर नदी इस तरह से छितराती है तो नदी इस तरह से छितराती है तो जब नदी छितराती है और फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है जब नदी जो है वो छितराती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है तो जो नदी का छितराने वाली नदियाँ होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं यानी कि गंगा है और गंगा छितराई अलग अलग खंडित हो गई अलग अलग नदियों में और इसको हम हुगली एक एग्जाम्पल है जो कि नदी के डिस्ट्रीब्यूटरी है ठीक है तो यहाँ पे सहायक नदी नहीं, नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरी है तो ये फ्लड प्लेन्स हो गया डेल्टा क्या हुआ तो डेल्टा हुआ कि जब नदी बह रही है और समुद्र में मिलने वाली है तो नदी जो छितई तो इस पूरे चीज को हम डेल्टा कहते हैं जो बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में नदी छित उसी को हम यहां पे डेल्टा कह रहे हैं ठीक है ठेके? तो ये चीज यहां पे डेल्टा लिखा हुआ है फिर फ्लड प्लेन और पॉइंट बार इसको आप समझेंगे तो यहां पे आप देखोगे तो ये पहले फ्लड आने के पहले था ठीक है ड्यूरिंग फ्लड ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन आके यहां पे जमा हो जाता है तो बहुत सारे फाइन सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं ठीक है और धीरे धीरे क्या होता है ये उठने लगते हैं तो इसी को हम नेचुरल लीव्स कहते हैं ठीक है इसी को हम नेचुरल लीव कहते हैं तो बेसिकली वही है कि जो एक तरफ जैसे कि अगर नदी मान लो इस तरह से बह रही है तो इस तरफ क्या होगा फ्लड प्लेन बनेगा और इधर कुछ नहीं है तो इस तरह उठते जाएगा और हम इसको नेचुरल लीव कहेंगे नेचुरल लीव कहेंगे फाइन समझ में आ रहा है यही सारी चीजें हैं ठीक है तो फ्लड प्लेन हो गया या कहीं कहीं जाके सेडिमेंट जमा होते जा रहे ठीक है तो उसको हम बार कहेंगे, ये सारी चीजें हाँ यहां बार रीड कर लेंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगा फाइन मियांडर्स हम लोग समझ चुके हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर समझ चुके हैं ब्रेडेड चैनल ब्रेडेड चैनल बेसिकली यही है कि आ, रिवर कैरी कोर्सेस तो बेसिकली इसका एक पिक्चर हम आपको दिखा देता हैं आपको ज्यादा ईजी हो जाएगा समझने में तो ब्रेडेड चैनल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नदी मोटी सामग्री लेके जाती, ले जाती है जब बहुत सारा मलबा लेके जाती है तो मोटे पदार्थों का चुनिंदा जमा होता है ठीक है तो मोटे पदार्थ एक जगह जाके जमा हो जाते हैं और जिससे केंद्रित पट्टी पट्टी जो है इसका निर्माण होता है और वो प्रभाव जो है वो बैंकों की ओर मोड़ देता है तो बेसिकली यानी कि मान लो कि मलवा लेके जा रहे हैं और एक जगह डिपॉजिट होते जा रहे हैं फिर नदी जो है उसका बहाव एक तरफ से मोड़ते चला जाएगा ठीक है जैसे जैसे घाटी चौड़ी होती जाएगी पानी जो है उसका स्तंभ मतलब जो है वो कम होते जाएगा यानी कि घाटी अगर चौड़ी है जब बहुत सारा मलबा जमा हो रहा है तो पानी जो है वो कम फ्लो करने लगता है तो ये ब्रेडेड चैनल कहलाते हैं अब क्या होगा तो ग्राउंड वाटर में क्या है कि मान लो एक पत्थर है और इस पत्थर में किसी भी कारण से ऐसे पानी जो है वो अंदर चला गया पत्थर में किसी भी कारण से पानी अंदर चला गया तो यहाँ पे अब जब पानी सूखेगा

इसमें बहुत सारे शेप्स बनेंगे और इन शेप्स का नाम है यही ग्राउंड वाटर का हम यहाँ पे चेक करते हैं ठीक है तो यही ग्राउंड वाटर का चेकिंग यहाँ पे होता है अब बेसिकली आप देखेंगे इसको हम कार्ड्स चोपोग्राफी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं कार्ट चोपोग्राफी कहते हैं इसका हम आपको पिक्चर दिखाएं तो इस तरह का है जैसे तो कि मान लीजिए इसमें पानी बारिश के कारण इसमें पानी आया और पानी आके ये पूरे एरिया में चला गया अब पानी जब जा रहा है तो इसने ऊपर इस तरह की चीजें बनाई इसको हम क्या हैं कह रहे हैं इसने नीचे ऐसे शिवलिंग टाइप का बनाया यही जो है इड कहलाता है ठीक है जो इसने इस तरह से गुफाएं बनाई इसको हम केव कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं केव कहते हैं और नीचे सबसे नीचे देखेंगे वॉटर वा, वा, टेबल बनाया हुआ है ठीक है ऊपर में आप देखिएगा तो इस तरह के छेद बनाए हुए हैं जिनको हम डोलाइन या होल कहते हैं

ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं और यहाँ पे सिंक है कोलैप्सिंग सिंकस हैं इस तरह के ये बने तो अब डिपोजिशनल और इरोजनल तो ये एक चीज आपने समझा डिपोजिशनल एक चीज आपने समझा इरोजनल ठीक है तो इसमें एक-एक करके वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है जो मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया वही चीज इन वर्ड्स लिखा हुआ है कि स्टैलेग्माइट है तो जो आपको ये छेद दिख रहे हैं ना ये बेसिकली इरोजन के कारण आए जब नदी में वेलोसिटी ज्यादा या पानी में वेलोसिटी ज्यादा है और वो फोर्स के कारण जब उसे तोड़ फोड़ करेगी तो वो इरोजनल है और ये जब सूखते हुए जब ये जमा करते जाएंगे तो ये डिपोजिशनल है तो डोलाइन सिंक होल पेवमेंट ये सारे क्या है ये सारे आपके इरोजनल हो गए ठीक है ये लैपीज ये बेसिकली इरोजनल हो गए और फिर यही चीज यहां पे बताया गया केव जो है रोजनल हो गया डिपोजिशनल फीचर्स में आपने देखा कि ऊपर है तो स्टैल साइट रहेगा इस तरह से तो स्टैलग माइट रहेगा दोनों सट गया तो पिलर बन जाएगा दोनों सट गया तो यहां पे ये यह पिलर बन जाएगा राइट right? फाइन तो अब हम ग्लेशियर मूवमेंट की ओर बढ़ेंगे ठीक है तो अब हम इसमें ग्लेशियर मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं ठीक है तो ग्लेशियर मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली बर्फ का मूवमेंट ठीक है बर्फ अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो ये कैस टाइप का एक्टिविटीज करेगी ये किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्फ है और जब बर्फ मूव करती है तो सबसे ऊपर हम देखेंगे सर्क अब देखो ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है हम तो एक फोटो से दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए ये हो गया इसको हम कहते हैं सर्क है ना तो बेसिकली जितना पहाड़ है पहाड़ की जो चोटी इस तरह से लाइन में लगी हुई है इसी को हम यहाँ पे आप देखेंगे छोटी लाइन में लगे हुई यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है यानी कि एक गड्ढा जिसके चारों ओर पहाड़ है तो ये सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है ये क्वाइट ऑफन आपको दिखेगा और ये क्या होता है कि जब पहाड़ से बर्फ का मूवमेंट होता है तो एक खाई जैसा बन जाता है और वो खाई यानी कि ये वॉल है यानी कि हर तरफ से वॉल है पहाड़ है और बीच में एक खाई बनी हुई है इसी को हम सर्क कहेंगे फाइन तो सड़क है जहां पे अ लेक ऑफ वाटर यानी कि अगर पानी आके यहाँ जम गया तो इसको हम लेक कह देंगे पहाड़ों के बीच में एक लेक हो गया फिर हॉर्न है रिजेस है रिजेस तो आपको पता है कि लगातार जब पहाड़ होते हैं ना तो इनकी चोटियों को हम रिजेस कहते हैं इस तरह से जब पहाड़ है जैसे ऐसे ऐसे, ऐसे पहाड़ है तो इनकी चोटियों को हम रिजिस कहेंगे ठीक है तो हॉर्न और रिजस यहाँ पे हो गए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर तो खाई हो गया ये एक हॉर्न हो गया और ये इस तरह से लाइन में रिजेस हो गए है ना

तो अब हम देखेंगे डिपोजिशनल फीचर्स तो बहुत सारे डिपोजिशन भी होते हैं जब बर्फ जो है वो मलवा को डिपॉजिट करता है तो किस तरह के फीचर्स बनते हैं जैसे मोरेन्स अब यहां पे आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये मलवा को डिपोजिट करते जाता है तो उसको मोरेन्स कहेंगे एस्कर्स एस्कर्स जो है ये पे एस्कर्स क्या है तो ये एक लाइन में डिपोजिशन हो रहा है एक लाइन में डिपोजिशन हो रहा है इसको हम एस्कर इसको हम एस्कर कहेंगे है ना इसको हम एस्कर कहेंगे ठीक है माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द शीट आर कवर्ड विशियो फ्लूजिट है आउटवॉश में हम देखेंगे तो ग्लेशियल माउंटेन जो है ये कॉन्टिनेंटल शीट आर कवर्ड तो बेसिकली इसका भी हम आपको पिक्चर ही दिखाते तो आउटवॉश में आप देख रहे हैं जैसे कि उसमें क्या था कि ऊपर से अगर पहाड़ से पानी आ रहा है तो ये एलुवियल प्लेन बन जाएगा एलुवियल प्लेन बन जाएगा और यहां पर क्या बन रहा है यह आउटवॉश बन रहा है ड्रमलिन ड्रमलिन है उसके बाद हम वेव्स एंड करंट्स को देखेंगे तो ड्रमललिन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्रमललिन जो है ये ओवल शेप के रिजेस होते हैं ओवल शेप का जो पहाड़ होता है उसी को हम यहाँ पे ड्रमललिन कह रहे हैं यही सारी चीजें यहाँ पे इन लाइन लिखी हुई है अब वेव्स एंड करंट्स में जैसा मूव करेंगे तो देखो सारा पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा जब ये हम ऐसे ओशन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं ओशन का मूवमेंट हो रहा है तो जब ओशन जो है इस तरह से टकरा रहा है और यहाँ पे सैंड का डिपोजिशन हो रहा है तो इसको हम बीचेस कह रहे हैं ठीक है इसको हम बीचेस कह रहे हैं जब ओशन का पानी यहां आकर जम जा रहा है जैसे कि चिल्का लेक में क्या है ओशन का पानी यहां आकर जम गया है तो ये ओशन का पानी जो यहां आकर जम गया इसको हम क्या कह रहे हैं lagoons कह रहे हैं ठीक है जब सैंड का जो डिपोजिशन है जैसे पानी जैसे बहाव मार रहा है बहाव मार रहा है और यहां पे सैंड डिपोजिट होते जा रहा है तो इसको हम स्पिट कह रहे हैं ठीक है अगर हम यही चीज कहीं कहीं बीच में डिपॉजिट है तो उसको हम बार कह रहे हैं अगर यहाँ पे कुछ डिपोजिशन और दोनों एक दूसरे में कनेक्ट हो गया इस तरह से लाइन हो गया तो इसको हम तुम बोलो कह रहे हैं ठीक है तो इसको हम क्या कह रहे हैं तुम बोलो कह रहे हैं इसको हम तुम बोलो कह रहे हैं बीच बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इसको हम सैंडूंस कह रहे हैं फाइन तो ये वेव एंड करंट है जो कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं यही सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है मैंशन की हुई है इन वर्ड्स मैंशन की हुई है फिर अगर देखोगे कि आ, समुद्र में ही इस तरह से अगर ऐसे है एक पहाड़ है बेसिकली तो एक पहाड़ है और पहाड़ में बार बार समुद्र के जो पानी है उस तरह से ऐसे फवाड़े मार रहे हैं और ये कुछ ऐसा हो गया तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये क्लिफ कहलाता है ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये क्लिफ कहलाता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो पहाड़ में आ, ऐसे बीच बीच में गया तो ये केव कहलाया है ना तो ये कहलाया। के अगर ऐसे एक पहाड़ का ला, लाइन ये तोड़ के अलग कर दिया तो इसको स्टैक कहेंगे। और अगर ये पहाड़ है और यहां पे बार बार समुद्र का ऐसे मार रहा है तूफान और ये इस तरह का हो गया तो इस पोर्शन को हम क्लिफ कहेंगे इस पोर्शन को हम क्लिफ कहेंगे समझ में आ रहा है इस पोर्शन को हम क्लिफ कहेंगे तो ये रोजनल फॉर्म्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीचेस एंड ड्यून्स ड्यून्स बेसिकली कुछ नहीं चोटे -चोटे है ड्यून्स ऐसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं हम ड्यून कहते हैं बीचेस आपको समझ में आ गया बार बैरियर एंड स्पिट आपको समझ में आ गया फिर से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जैसे कोस्टल प्लेन है पानी अगर अंदर आ गया इस तरह से पानी जम गया उसको लगून कहेंगे उसके बाद अगर तीनों तरफ से लैंड से कवर है एक तरफ से पानी से कवर है तो ये पानी का टुकड़ा बे कहलाएगा उसके बाद आप देखेंगे सैंड का यहाँ पे डिपोजिशन है तो ये सैंड स्पॉट कहलाएंगे बीच बीच में ऐसे लंबे लंबे डिपोजिशन लंब है तो इनको हम आईलैंड कहेंगे ठीक है ऑस्ट्रेलिया में आप ग्रेट बैरियर रीफ सुने होंगे तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो इसी तरह से बैरियर से ये पूरा सराउंडेड है ठीक है फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तुम्बोलो कहलाएगा यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं बार बैरियर्स में अब विंड विंड के डिपोजिशन को हम समझेंगे अगर तो विंड में आप देखेंगे कि विंड में पेडमेंट्स एंड यहाँ पे देखो तो हवा जब बहती है तो हवा जो है इस तरह से छेद भी कर सकती है या हवा इस तरह से पहाड़ भी बना सकती है है ना तो ये विंड के डिपोजिशन को बस इसमें पिक्चर्स है और कुछ नहीं है इसको आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम विंड के डिपोजिशन को समझ रहे हैं अब विंड के डिपोजिशन में देखोगे तो इस तरह का जो ये लैंड बन रहा है इसमें प्ले प्लेयर्स कहला रहा है है ठीक है बेजाडा है वॉश कहला रहा है तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि द हाई रिलीफ इन डेजर्ट हाई रिलीफ फीचर्स इन डेजर्ट यानी कि थोड़ा सा अगर रिड्यूस टू लो फीचर्स पहले पहाड़ था बर्फ और हवा बहने के कारण ये इस तरह का हो गया ठीक है तो इसको हम पलायास कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम पलायास कहते हैं तो ये बेसिकली इरोजनल फीचर्स है यानी कि हवा बही तो ये चीज हुआ है ना हवा बही तो ये चीज हुआ कि ऐसे हवा बही तो इसको हम पलायास कहने लगे फिर मशरूम में क्या होता है कि मान लो कि ये पहाड़ है पहाड़ का ये एरिया सॉफ्ट है ये एरिया सॉफ्ट है यह हार्ड है तो ये मशरूम में इस तरह का हो गया ये हार्ड है तो इसको हम मशरूम रॉक कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे मशरूम रॉक कहेंगे ठीक है तो जैसे ये देखिएगा पहले पहाड़ ऐसा था और फिर हवा बहते बहते ये ऐसा हो गया तो ये मशरूम रॉक कहला रहा है तो ये डिपोजिशनल फीचर्स और इरोजनल फीचर्स में यही है बेसिकली कि जैसे इरोजनल फीचर्स में जो मोटा मोटी बात है कि अगर ये पहाड़ है और हवा हर तरफ से बह रहा है तो ये इस तरह से बन गया है ना या फिर अगर मान लो ये पूरा पोर्शन ही इस तरह का बन गया तो इसको पलायास कहेंगे इसको हम कहेंगे और अगर डिपोजिशनल फीचर्स की बात करेंगे छोटे छोटे पहाड़ में इस तरह से ये बन रहा है तो इसको हम ड्यून्स कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम ड्यून्स कहेंगे ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं इसमें सैंडून्स यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़ इसको हम सैंडूंस कह रहे हैं और यहाँ पे हम समझ रहे हैं इसको यही सैंड्यून्स यहाँ पे लिखे हुए तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने ये समझा कि हवा पानी बहती हुई नदी या फिर समुद्री समुद्री पानी और ग्लेशियर ये चारों चीज दो चीज करते हैं जब ये स्पीड से कोई चीज तोड़फोड़ कर रहे हैं तो उसको इरोजनल फीचर्स कह रहे हैं जिसके डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए और आपको ये सारी चीजें लिटरेरी फॉर्म में भी लिखी हुई है और अगर ये कहीं जाकर मलवा को जमा करते जा रहे हैं तो उसको हम डिपोजिशनल फीचर्स कह रहे हैं जिसके डायग्राम्स को आप देख के समझ रहे हैं अब हम एक चार्ट समझ जाते हैं कि किसमें क्या है है ना तो आइए इसको समझते हैं पहले ओके गईस सो एनसीआर सीरीज क्लास इलेवन चैप्टर नंबर एट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी तक हम लोगों ने जियोमोर्फोलॉजी प्रोसेस देखे अब हम क्लाइमेटोलॉजी के ओर जाने वाले हैं तो क्लाइमेटोलॉजी की ओर बढ़ते हुए पहले हम एटमोसफेयर को समझेंगे गैसेस को समझेंगे गैसेस में सबसे पहले आपको ये समझ रहे हैं यहां पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली ठीक है ज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस तो अभी तक हम लोगों को लगता है सोलर रेडिएशन में यहाँ पे आप समझेंगे बट ओपेक आउट गोइंग टेरिस्टोरियल रेडिएशन यानी बेसिकली बात यह है कि पहले तो आपको यही पता है कि अगर वी विल ओनली सरवाइव इफ

ठीक है सोलर रेडिएशन जब आता है तो सीओ टू उसको कैप्चर कर लेता है यानी कि जब सोलर रेडिएशन आ रहा है जो कि कैप्चर तो कर लेता है लेकिन सीओ टू तो उसको नहीं जाने देता है और सीओ टू उसको कैप्चर कर लेता है समझ लो तो यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए सीओ टू यहां पर ट्रांसपेरेंट है यानी कि सीओ टू के परत से ये आ जाता है लेकिन यहां पे ये ओपेक जैसा काम करेगा ओपेक जैसा क्योंकि सीओ टू जब इसको ऑब्जर्व कर लेगा तो लॉन्ग रेडिएशन लॉन्ग रेंज रेडिएशन के फॉर्म में या आप बोलोगे कि शॉर्ट वेव नहीं लॉन्ग वेव के फॉर्म में ये सोलर रेडिएशन वापस नहीं जा पाते हैं और टेरेस्टेरियल रेडिएशन यानी कि जो सतह है जो लैंड है सीओ टू बेसिकली सीओ टू इस रेडिएशन को कैप्चर करता है और सतह जो है बहुत ही ज्यादा गर्म होते जाता है इस कारण से ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट आता है नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस बेसिकली बात यही है कि यहां पे आप अर्थ है ठीक है यहां पे अर्थ का एक परत है जो कि इसका एटमोस्फेयर है एटमोस्फेयर में कौन सा गैस है में कोई समस्या नहीं है लेकिन पंगा कहां बैठता है कि जब ये लॉन्ग रेंज के फॉर्म में वापस जा रहे हैं तो इनको जाने नहीं दिया जाता है और ये रेडिएशन बेसिकली ये रेडिएशन बेसिकली सीओ टू इसको कैप्चर करता है और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब कॉज हो जाता है यहां तक आपको समझ में आ गया तो गैसेस में सबसे पहले आपने ये समझा तो बात ये है चाहे हमारे, हमारे है, है। आप सीओ के वॉल्यूम को देखोगे लेकिन पास्ट, पास्ट फ्यू में, कि अगर हम 10-20 साल में देखें तो बहुत ज्यादा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हमने कोयला जलाया पेट्रोल जलाया लकड़ी जलाई और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और एटमॉस्फेयर में बढ़ते चला गया जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ते चला गया ये हीट को बहुत ज्यादा ट्रैप करते चला गया जैसे जैसे हीट को ट्रैप करते चला गया तो बेसिकली बात क्या हुआ कि यहां पर गर्म हो गया पूरा मतलब पूरा ही एटमोस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना नेक्स्ट गैस हम देखेंगे ओजोन है जो की ओर है ओजोन ओजोन यानी में में है ये में है ये जो कि एक एटमोस्फेयर का कॉम्पोनेंट है इसकी अगर हम देखें तो अर्थ के सरफेस पे ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है ठीक है तो फाउंड बिटवीन 10 टू 50 किलोमीटर अभी मोटा मोटा अंदाजा लेते हैं तो बेसिकली बात क्या है कि अर्थ से बहुत सारे यूवी रेडिएशन आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं और ये यूवी रेडिएशन जो है आज से निकलते हैं और ये सतह पे जब पहुंच जाएंगे अगर धरती पे तो हो जाएगा दिक्कत क्योंकि हमारे स्किन में या फिर एनिमल्स के स्किन में और बहुत सारे तरह के लाइक स्किन कैंसर भी ये कॉज कर सकते हैं तो हमारे पास धरती बहुत सारी अच्छी चीज हमको देती है है ना तो धरती का एटमॉस्फेयर हमारे पास एक लेयर है जो कि ओ यानी कि ओजोन का लेयर है ये ओजोन का लेयर हमको अल्ट्रा रेडिएशन से बचाता है ओजोन का लेयर हमको क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, कि यहां पे बहुत है. में क्या होगा वेपर बहुत ज्यादा होगा है ना और अगर कोई बहुत ज्यादा सूखा जगह है तो वहां पर वेपर कम होंगे डिक्रीजेस विद हाल्टीट्यूड यानी कि अगर हम सी लेवल पे देखेंगे तो वॉटर वेपर ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वॉटर लेवल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ते नहीं जाएगी घटते जाएगी ये एल्टीट्यूड यानी कि ये ऊंचाई के साथ क्या होती है घटती जाती है अगर हम और और वेट एरिया में देखेंगे जैसे ये ट्रॉपिक एरिया है ठीक है ये ट्रॉपिक एरिया है इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो चार परसेंट ऑफ द एयर बाई व एयर ड्राई और कोल्ड एरिया में देखेंगे और कोल्ड एरिया में देखेंगे तो, और एरिया में देखेंगे, तो यहां पे, यहां पे सिर्फ एक परसेंट है और यहाँ पे चार परसेंट है तो बेसिकली बात यही है कि वॉटर वेपर बहुत ज्यादा वेरिएबल फॉर्म में है कहीं ज्यादा है कहीं कम है इक्वेटर पे ये ज्यादा होता है और पोल पे ये कम होता है ऊंचाई में ये कम होता है और सी लेवल पे ज्यादा होता है तो एल्टीट्यूड के साथ एल्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड है ना यानी कि ऊंचाई के साथ ये क्या होता है ये डिक्रीज करता है और अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर देखेंगे तो पोल की ओर तक भी ये डिक्रीज करेगा दिस इज अबाउट वाटर वेपर राइट तो यहां पे आप इसको समझ सकते हैं और एटमोस्फेयर जो है ये एक्ट एज अ ब्लैंकेट कोल्ड और टू हॉट तो बात यही है कि ज्यादा हीट ये एब्जॉर्व कर लेता है हमारा जो वायुमंडल है ताकि हम ज्यादा गर्म ना हो जाए और कुछ हीट को नहीं जाने देता है ताकि हम ज्यादा ठंडा ना हो जाए जैसे मरकरी जैसा अगर हम देखेंगे तो मरकरी में जब दिन होगा तो बहुत मतलब कोई सरवाइव नहीं कर सकता है और जल जाएंगे हम लोग है ना क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है और जब रात होगा तो इतना ठंडा होगा कि कोई सरवाइव नहीं कर सकता फ्रीज हो जाएंगे तो यही बात है कि एयर और वाटर वेपर जो है वो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर को भी कंट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट हम तो देखें तो डस्ट पार्टिकल्स अब डस्ट पार्टिकल पे बात क्या है ठीक है ठीक है तो डस्ट पार्टिकल में बात किया है कि एटमोस्फेयर ये कैपेसिटी देता है टू स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी बालू कंकर पत्थर पत्थर नहीं है तो थोड़ा बहुत कण है और ये कण जो है बहुत अलग जगह जैसे सी सॉल्ट हो गया या कहीं पे धुआं धुआं हो गया या फिर एश हो गया पोलिन हो गया डस्ट हो गया इस तरह के या फिर पिंड ही आके गिर गया इस तरह की जो चीजें हैं हैं वो वायुमंडल में आती और ये हमारे एटमॉस्फेयर में आके बस जाती है और एटमोस्फेयर का जो लोअर लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर का यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं कन्वेक्शनल करेंट्स आते हैं और ग्रेटर हाइट जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं है ना तो डस्ट पार्टिकल जो है वो कम होते जाते हैं तो यही लिखा है कि डस्ट पार्टिकल जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेवल यानी कि नीचे की ओर और येट ये करेंट जो है बहती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाती है कभी कभी थोड़ी ऊंचाई पे भी लेके चली जाती है ठीक है और डस्ट पार्टिकल आप देखेंगे तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं और टेम्परेट रीजन में मिलते हैं क्यों ड्राई विंड के कारण ठीक है तो इक्विटोरियल और पोलर रीजन में आप इस डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है ये सब ट्रॉपिकल एरिया में है टेम्परेट में है ठीक है और ड्यू टू तो ड्राइवेंट यहाँ पे आप देखेगा, तो बेसिकली बात यही है कि यहां पे भी नहीं है, है यहां पे पार्टिकल्स आपको तो बात आपको समझ में आ गया तो यहां भी नहीं है ज्यादा और यहां पे भी नहीं है लेकिन बहुत सारे कन्वेक्शनल करंट के कारण यहां पे आपको सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल दिखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं ज्यादा चीज जो आप देख रहे हो ह्यूमिडिटी वगैरह तो वो इक्वेटर से पोल की ओर घटती जा रही है यहां पे साफ साफ लिखा है कि इसका जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है ये है सब ट्रॉपिकल एरिया में है क्योंकि यहां पे ड्राइव इंट बहती है ठीक है राइट तो हम इसको क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम वाटर वेपर कंडेंस होता है देखो वाटर वेपर ऐसे हवा में नहीं जाके कंडेंस हो जाएगा उसको कोई डस्ट या कोई कंट चाहिए होगा ये ये जो है इसी पे ये जाकर कंडेंस होगा और इसी से बादल का फॉर्मेशन होगा तो डस्ट पार्टिकल का भी इंपॉर्टेंस है हमारे एटमोसफेयर में इस बात को आपको समझना है ठीक है तो बहुत बातें हो गई एटमोसफेयर के आप समझते हैं कि एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है ये धरती है धरती के ऊपर एक लेयर है फिर एक लेयर है फिर एक लेयर है फिर है अच्छा ये क्या है तो बेसिकली ये ट्रोपोस्फेयर है है ना ये ट्रोपोस्फेयर है ये स्ट्र्टोस्फेयर है उसके बाद ये मीजोसफेयर है और ये थर्मोस्फेयर है ठीक है तो बेसिकली बात यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पहलेट्रोपोस्फेर है फिर स्ट्राटोस्फेयर है स्ट्राटोस्फेयर में ही ओजोन है फिर मीजोस्फेयर है मीजोस्फेयर में उल्का पिंड जो है यही उल्का पिंड यहां पर आकर जल जाते हैं फिर थर्मोस्फेयर और फिर स्पेस ही स्पेस है एग्जोस्फेयर है है ना तो एटमोस्फेयर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट लेयर से बनता है यहाँ पे अलग डेंसिटी अलग टेम्परेचर के ये बनते हैं ठीक है अलग डेंसिटी और अलग टेम्परेचर के बनते हैं और ये जो बेसिकली डेंसिटी है हवा का ये सरफेस के पास ज्यादा है यानी कि अगर हम यहां पे इसको लेयर मतलब बेसिकली सरफेस के पास देखेंगे तो डेंसिटी ज्यादा है ग्रेविटी के कारण इवेंचुअली और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी है ना तो यही कॉलम आपको यहां पे समझाया गया है कि ट्रोपोस्फेयर है फिर मीजोस्फेर है, है फिर मीजोस्फेर है फिर थर्मोस्फेयर है अब बेसिकली बात क्या है कि हमारी धरती में एक कंसेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं अभी देखो बात यह है कि अगर ज्यादा हीट है मान लो कि हम बोल रहे हैं कि इक्वेटर में हीट ज्यादा है है ना इक्वेटर में क्या ज्यादा है हीट ज्यादा है अगर हीट ज्यादा है तो ज्यादा गर्म होगा तो उसमें क्या आएगा गाइस काइनेटिक एनर्जी आएगा है ना काइनेटिक एनर्जी के कारण हवा बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा कितना ज्यादा

तो ये ट्रोपो पॉज हो जाता है क्लियर है तो ये अठारह किलोमीटर है ये आठ किलोमीटर है क्यों डिफरेंशियल हीटिंग यानी कि ये ज्यादा गर्म है ये ज्यादा गर्म है और ये कम गर्म है ये ठंडा है बेसिकली बोल तो, है ना तो यहाँ पे हवा जो है वो अलग अलग तरह से ऊपर जा रहा है यही चीज हम आपको कहना चाह रहे हैं और जहां हवा चल रही है घटा चल रही है हसी ये नजारा है वही जगह सिर्फ ट्रोपोस्फेयर है तो बेसिकली बेसिकलीपोस्फेयर में ही सिर्फ हवा चलती है तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि छो मंडल में ही सिर्फ हवा चलती है बाकी कहीं और हवा नहीं चलेगी स्ट्राटोस्फेरफेयर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेर कहीं हवा नहीं चलेगी हवा का अगर मूवमेंट है यानी वो जगह क्या है ट्रोपोस्फेयर है तो थर्टीन किलोमीटर एट किलोमीटर और ऑन एन एवरेज एटीन किलोमीटर है ना तो थनेस ऑफ प्रोपोज जो है वो ग्रेटेस्ट कहां पे है इक्वेटर में है और यहां पे कन्वेक्शनल करंट्स के कारण और पोल की और ये पतला होते जाता है ये बात मैंने आपको यहां पर क्लियर कट समझा दी है है ना फिर आप देखोगे कि अगर हम एक एक मीटर की हाइट पर ऊंचा जाएंगे तो हर एक मीटर पे एक डिग्री सेल्सियस हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ठीक है तो वन मीटर एक डिग्री सेल्सियस यानी कि मान लो यहाँ पे पच्चीस डिग्री सेल्सियस है तो अब चौबीस डिग्री सेल्सियस फिर से वन मीटर फिर तेईस डिग्री सेल्सियस इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे हवा जो है वो ठंडा होते जाता है ठीक है तो इसको जहां पे हवा चलना रुक जाएगा उसको हम ट्रोपोपॉज बोल देंगे तो ट्रोपोपॉज में हम जाएंगे, जाएंगे 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 और इस तरह से ट्रोपोपॉज के ऊपर जब हम मीजोसफेर वगैरह क्रॉस करेंगे तो माइनस एट्टी डिग्री सेल्सियस है ठीक है ये एट्टी डिग्री सेल्सियस है एट हंड्रेड नहीं है ये फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है ना यहां तक जो है टेम्परेचर ठंडा हो सकता है स्ट्राटो में क्या है स्ट्राटो जो है देखो तो बेसिकली बात यही है कि ऑन एन एवरेज तेरह किलोमीटर तक ट्रोपोपॉज है मतलब ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद हम जाएंगे यहां से गिन रहे हैं ठीक है नीचे से तो ये 50 किलोमीटर तक हमको क्या मिलेगा तो हमको मिलेगा स्ट्राटोसफेयर ठीक है समताप मंडल कहते हैं इसको ये 50 किलोमीटर तक मिलेगा इसमें ओजोन लेयर है वही ओजोन लेयर जो हमको सन के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है वरना हमको स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है तो ये मंडल में यानी कि स्ट्राटोसफेयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगा इसका फॉर्मूला आपको पता है ओ है अगर सन का अल्ट्रा

फेयर में यहां पे बेसिकली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना शुरू होता है तो इसको मैं अभी समझाऊंगी देखो बात ये है कि ये अर्थ है और ट्रोपोस्फेयर है फिर स्ट्रटोस्फेयर है फिर मीजोस्फेयर है फिर थर्मोस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पे डिक्रीज करता है स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर कारण ऑन एन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता है मीजोस्फेय में इस लेयर में मीजोपोज में सबसे कम टेम्परेचर होता है यानी कि टेम्परेचर दे डिक्रीज करता है और थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर ते इंक्रीज करता है तो डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड और माइनस डिग्री सेल्सियस तक देखो माइनस डिग्री सेल्सियस तक पर चला जाता है टेम्परेचर कहां पर तो मीजोपोज में कि 80 किलोमीटर माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो मीजोपोज कहते हैं इसको फिर हम देखेंगे आएनो स्फेर, आएनो स्फेर में बहुत सारे आय होते हैं ये आय जो है बेसिकली आ, आपको रेडिएशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं यानी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहे हो, हेलो और वो जो है वो आयनोस्फेयर में रेडिएशन गया और वापस से ट्रांसमिट होके वापस आ गया तो बेसिकली आयनोस्फेयर जो है वो अस्सी से लेके जान मीजोपॉज ऑलमोस्ट खत्म होता है अस्सी से लेके चार सौ किलोमीटर तक यहां पे अबव द मीजो आपको क्या मिलेगा आयनोस्फेयर मिलेगा यहां पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे रेडियो वेव ट्रांसमीटर मिलेंगे जो कि धरती से वापस उससे टकरा के वापस आते हैं और यहां पे आपको ये मिलेगा फिर आपको एक्सोस्फेयर मिल रहा है एक्सोस्फेयर ऑलमोस्ट सबसे आउटर लेयर है है ना तो फिर आपको एक्सोस्फेयर मिल रहा है और ये एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो मेन एलिमेंट है एटमोस्फेयर का विच आर सब्जेक्ट टू चेंज विच इंफ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन देशर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड ठीक है तो अर्थ है

रेडियो ट्रांसमिशन टाइप की चीजें होती हैं राइट क्लियर है अब इसी में आपको क्या है टेम्परेचर चेंज होता है प्रेशर चेंज होता है विंड चेंज होता है ह्यूमिडिटी चेंज होती है प्रेसिपिटेशन चेंज होता है क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ये सब हमको यानी कि मानव जीवन को प्रभावित करता है तो बहुत बेसिक सा ये चैप्टर है और यहां पे आपको समझ में आ ही गया है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है स्टार्टोस्फेयर में इंक्रीज होता है मीजोस्फेर में फिर से डिक्रीज होता है थर्मोस्फेयर में फिर से इंक्रीज होता है और फिर हमारा स्पेस

उस लाइन को हम थर्मोपॉल्स कहते हैं अब हम चैप्टर नंबर नाइन की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि क्लाइमेटोलॉजी का ही चैप्टर है चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हेलो एवरीवन। तो गई देखो अब हम चैप्टर नंबर नाइन की ओर आ चुके हैं ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर नाइन को समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी ये सब आपको ये चैप्टर नंबर नाइन समझा देगा बात क्या है कि धरती का आपको एक बात समझना क्या है पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप समझेंगे वो ये है कि ये है अपनी धरती ठीक है सन से सन से जो रेडिएशन आते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ पे आते हैं समझ रहे हैं आप इस बात को यानी कि एस से हो गया सन और एस से हो गया शॉर्ट ठीक है तो शॉर्ट वेव का शॉर्ट वेव का ये लेंथ होता है शॉर्ट वेव वाले जो है वो रेडिएशन आता है शॉर्ट वेव समझते हैं आप जैसे तो ये जो है ये शॉर्ट वेव है तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि एक सेकेंड में ये ज्यादा से ज्यादा वेव होगा और ये जो है ये लॉन्ग वेव है ठीक है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी यानी कि एक सेकेंड में कम वेव निकलेंगे तो ये शॉर्ट वेवलेंथ सन से आते हैं जो भी चीज ज्यादा गर्म होती है जो भी चीज ज्यादा गर्म होती है जितनी ज्यादा वो गर्म होगी उसका वेवलेंथ जो है वो उतना ही छोटा होगा ये एक मतलब माना हुआ कंसेप्ट है कि वेवलेंथ जो है मान लीजिए कि अगर ये बॉटल वन है या बॉटल टू है तो ये बॉटल वन अगर ज्यादा गर्म है तो इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और बॉटल टू अगर कंपेरेटिवली कम गर्म है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होगी ठीक है अगर जो ज्यादा जो कम गर्म है वो ज्यादा उसकी वेलेंस लंबी होगी यहां तक आपको बात समझ में आ गया कहानी पूरी ये है कि सन सन से हीट निकलता है ठीक है सन से क्या निकलता है सन से हीट निकलता है और ये जो सन का हीट है ये क्या करता है सन का हीट सन का हीट अपने धरती पर पड़ता है ठीक है सन का हीट जो है वो अपने धरती पे पड़ता है ओके धरती पे ये सन का हीट पड़ता है और धरती क्या होता है धरती जो है वो गर्म हो जाता है धरती जो है वो हीट अप हो जाता है जब धरती हीट अप हो जाएगा तो क्या होगा कोई भी चीज जो गर्म होगी कोई भी चीज जो गर्म होगी वो अपने से रेडिएशन निकालेगी तो धरती जो है फिर ठंडाने के लिए क्या करेगी अपने आप में से रेडिएशन निकलेगा तो इसका जो रेडिएशन है ये लंबे रेडिएशन होंगे ठीक है इसके वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन होंगे लॉन्ग वेवलेंथ वाले इसके रेडिएशन होंगे यहां तक आपको समझ में आ गया तो जब धरती जो है वो ठंडाने की कोशिश करेगी हीट है तो धरती क्या होगी कूल डाउन करेगी कूल डाउन होने के प्रोसेस में अपने आप से हीट निकालेगी और अपने आप से जो ये हीट निकालती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में अपने आप से ये हीट निकालती है ठीक है लॉन्ग वेव लेंथ अपने आप से हीट निकालती है जब इसकी हीट निकलती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में निकलती है यहां यहां तक तक आपको आपको समझ में आ गया यहां तक आपको गया क्लियर गया। हो अब बात ये है कि धरती के ऊपर एक एटमोस्फेयर होता है जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो एटमोस्फेयर है एटमोस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स हैं है ना बहुत सारे एयर हैं बहुत सारे गैसेस हैं तो ये गैसेज अलग अलग, अलग अलग गैसेज हैं ठीक है अलग अलग यहाँ पे ये गैसेस हैं उनमें से एक गैस कौन सा है तो वो उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो मान लीजिए सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड है अब सीओ टू ने क्या करा सीओ टू ने हीट को ट्रैप कर लिया सीओ टू ने हीट को ट्रैप कर लिया ठीक है सीओ टू के सारे पार्टिकल्स ने क्या किया इसने हीट को इस तरह से ट्रैप कर लिया इसने हीट को ट्रैप कर लिया ठीक है ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं ऐसा सिर्फ सीओ टू नहीं करता है और भी अन्य गैस ऐसा काम करते हैं कि वो हीट को पकड़ लेते हैं ठीक है वो हीट को पकड़ लेते हैं वो कभी भी, भी शॉर्ट वेवलेंथ वाले हीट को नहीं पकड़ते हैं ठीक है यानी कि आने वाले हीट को वो नहीं पकड़ते हैं जब हीट जाते रहता है धरती से जब ये धरती से बाहर जाते रहता है तो इसको ये कैच कर लेते हैं जब ये बाहर जाते रहता है तो इसको ही वो कैच कर लेते हैं ऐसे एयर, ऐसे गैसेस जो जाते हुए हीट को कैच कर ले उनको हम क्या कहते हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्यों इनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ऐसा क्या नाम है कि ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तो जहां पे ठंडा प्रदेश होता है ठंडे प्रदेश में बेसिकली हम क्या करते हैं एक घर बनाते हैं ठीक है ठंडे प्रदेश में हम एक घर बनाते हैं और ये घर जो है ये घर हमने बना दिया प्रदेश में हमने घर बनाया किस चीज का घर बनाया हमने ग्लास का घर बनाया ठीक है तो ऐसा हमने एक घर बना दिया बहुत सुंदर लगता है देखने में और हमने ये घर जो है वो ग्लास का बनाया क्यों ग्लास का घर बनाया ये ग्लास हाउस है ठीक है ग्लास का ये घर है इसको हम इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर बहुत सारे हम प्लांट्स रखते हैं ठीक है इसके अंदर हम प्लांट्स रखते हैं ठीक है ये सारे पेड़ पौधे जो हैं वो इसके अंदर छोटे छोटे पौधे जो बाहर अगर निकलेंगे ठंडे प्रदेश में तो जी नहीं पाएंगे तो इसीलिए उनको हम इसके अंदर रखते हैं तो जो पेड़ पौधे हम रखते हैं तो ये ग्रीन कलर के ही ज्यादा होते हैं तो हम इसको ग्रीन हाउस कहते हैं ठीक है अब ये जो ग्लास है ये क्या करती है ये ग्लास भी ऐसे ही काम करती है यहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है ये पूरा ग्लास से बना हुआ है तो जब ये सन का रेडिएशन आता है सन का रेडिएशन जो शॉर्ट वेव का रेडिएशन आता है वो अपने अंदर ये आने देती है है, अपने अंदर आने देती है, लेकिन ये जो जो डबल ग्लास लगा हुआ है, है जब जब सन जो है वो चला जाए और जब रात हो जाए तो ये रेडिएशन को बाहर निकलने नहीं देती है ये रेडिएशन को बाहर निकलने नहीं देती है जिसके कारण सन के नहीं होने पर भी यानी कि रात के समय भी जो हाउस है उसका टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मल रहता है जो हाउस है इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल cool नहीं होगा ये टेम्परेचर जो है अब बहुत ज्यादा कूल cool नहीं होगा ठीक है तो ये बात आपको समझना है कि यहां पे अब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कूल cool नहीं होगा और ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहने के कारण क्या है कि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो है प्लांट की ग्रोथ जो है ये प्रॉपर तरीके से हो पाएगी यानी कि इस ग्लास ने कैसा काम किया इस ग्लास ने इस ग्लास ने कैसा काम किया हीट को ट्रैप करने की कोशिश की क्या कर करने की कोशिश की हीट को ट्रैप करने की कोशिश की है है ना और यही चीज हमारे धरती पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इसी के कारण हम इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं ठीक है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब सूरज है तो तो हमको टेंशन नहीं है टेम्परेचर सही है लेकिन जब सूरज नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम ठंडा जाएंगे और ठंडे से एकदम सब लोग जो है वो फ्रीज हो जाएंगे जम जाएंगे क्योंकि हमारे एयर के पार्टिकल्स ने क्या करा है हमारे एयर के पार्टिकल्स ने हीट को ट्रैप कर लिया है लेकिन अगर मान लीजिए ये पार्टिकल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे ये पार्टिकल अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे यानी कि अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू या इस तरह के जो ग्रीन हाउस गैस गैसेज हैं उनका अफेक्ट बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया उनका अफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जरूरत से ज्यादा हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाएगी जरूरत से ज्यादा धरती जो है वो गर्म हो जाएगी और ये जरूरत से ज्यादा जब धरती गर्म हो जाती है तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ठीक है तो जब जरूरत से ज्यादा धरती गर्म हो जाएगी तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे क्या आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या आप ये सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है या आपको कोई डाउट है कोई डाउट नहीं है चलिए तो अब हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो बात यह है कि सोलर रेडिएशन यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर जो सन की एनर्जी है वो कैसे आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की आती है ये आपको समझ में आ गया कि धरती में हीट जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ से आती है उसके बाद आप देखिएगा जो अर्थ है ये क्या करता है अर्थ पे जो भी धरती सोलर रेडिएशन आता है उसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं और जब सोलर रेडिएशन आता है तो इनको हम इंसोलेशन कहते हैं ठीक है तो धरती पे जो सूरज की रोशनी सूरज का हीट आता है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं है ना तो उसके बाद आप देखेंगे कि अर्थ इज अ गुड रिजेंबलिंग स्पेयर तो ये बॉल के आकार का होता है और सन जो है ये ऑब्लिक एट द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर एंड एंड अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ एनर्जी ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर तो बात यह है कि इस तरह का ये बात है ठीक है तो बात ऐसा है कि सन की जो हीट है वो धरती पे पड़ती है और क्योंकि धरती जो है वो फ्लैट तो है नहीं अगर मान लीजिए इस तरह से ये 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 फ्लैट होती तो सारा रेडिएशन एक तरफ से आता लेकिन ये जो है ये है यानी कि बॉल के आकार का है तो ये ऑब्लिक नेचर में जाता है और ज्यादा नहीं अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे तो वन कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर तक धरती पर रेडिएशन आता है कितना तो हीट जो आता है 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक का हीट आता है ठीक है किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर यहां तक आपको समझ में आ गई बात अब बात नेक्स्ट आगे क्या बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं सोलर रेडिएशन पे ठीक है तो जब रिवॉल्यूशन होता है रिवॉल्यूशन को आप इस तरह से समझेंगे जैसे ये बोतल है और इसको हम एक्सिस पे घुमा रहे हैं एक्सेस पे घुमा रहे हैं तो ये रोटेशन है ठीक है लेकिन अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं इस तरह से घुमा रहे हैं तो वो रिवॉल्यूशन हो जाएगा है ना तो ये रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा कि रिवॉल्यूशन के समय ठीक है जब सन जो है उसके अराउंड धरती रिवॉल्व करती है तो एक समय आता है कि जब धरती बहुत दूर पहुंच जाती है है ना तो जो सब जब सन से धरती सबसे दूर रहेगी 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगी तो ये कब होती है ये फोर्थ ऑफ जुलाई को होती है है ना चार जुलाई को धरती से सबसे दूर होता है हमारा सन यानी कि सन से सबसे दूर दूर होती है हमारी धरती इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अब अपर कहते हैं यानी कि एपिहीलियन कहते हैं एपीहीलियन है ना तीन जनवरी को सबसे करीब होती है सबसे करीब होती है धरती सन के 147 मिलियन किलोमीटर होती है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम पेरीहीलियन कहते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर ये सन है अगर ये सन है और धरती इसके अराउंड घूम रही है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये इस तरह से घूम रही है ऐसा नहीं होता है कि ये बिल्कुल गोल घूम रही है सन बीचो बीच नहीं है सन जो है वो थोड़ा सा इस साइड है ठीक है तो जब ये यहां पे है यानी कि ये कब है यहाँ पे तीन जनवरी को यहाँ पे है है ना और यहाँ पे कब है तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑफ जुलाई को यहाँ पे है तो ये जो है जब सबसे दूर होती है तो इसको हम एपीहिलियन कहते हैं और जब ये सबसे पास होती है तो इसको हम पेरीहीलियन कहते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया तो इसको हम एपीहीलियन और पेरीहीलियन इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ठीक है तो ये आपने समझ लिया अब आपसे बात यही पूछी जा रही है कि यहाँ पे जब धरती जो है वो तीन जनवरी को ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करती है चार जुलाई के कंपैरिजन में ये आप समझ चुके हैं ठीक है थीके? लेकिन अगर हम डेली वेदर पे देखेंगे तो जो अर्थ जो सन का आउटपुट है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है डेली वेदर पे अर्थ के सर्फेस पे तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सन है यहाँ पे सन है और सन से जब बहुत दूर रहता है धरती तो इसको हम एपीहीलियन कहते हैं तो इसको हम यहाँ दूर रहेगा तो दूर कब है तो दूर है आपका थर्ड ऑफ जनवरी को इसको हम एपीहीलियन कहते हैं और बहुत पास कब है तो बहुत पास है यहाँ पे और इसको हम पेरीलियन कहते हैं और बहुत पास कब होता है फोर्थ ऑफ जुलाई को ये बहुत पास होता है अंडरस्टूड है कोई दिक्कत नहीं है अगर हम धरती के और धरती जो है वो मून के परस्पेक्टिव में देखेंगे यानी कि यहाँ पे ये अपना अर्थ है और ये है मून ठीक है तो मून को अगर हम समझेंगे यहाँ पे अगर मून बहुत पास है धरती के तो इसको पेरिगी कहेंगे ठीक है पी से ही है पेरिहीलियन यहाँ पे है और पी से ही पेरिगी यहाँ पे है और जब ये बहुत दूर है तो इसको हम एपोजी कहेंगे ठीक है तो पेरिगी और एपोजी यानी कि अगर धरती से मून बहुत दूर है तो इसको हम एपोजी कहेंगे ठीक है और अगर धरती से मून काफी पास है तो इसको हम पेरिगी कहेंगे पेरिगी कहेंगे ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया उसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे सन से अगर धरती बहुत दूर है तो इसको हम एपिहीलियन कहेंगे एपिहीलियन कहेंगे और सन से अगर धरती बहुत करीब है तो इसको हम पेरिहीलियन कहेंगे तो इसको हम Penihelion, कहेंगे अंडरस्टूड क्लियर है आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें चलिएगा तो आगे बढ़ेंगे अगर हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ सोर ऑफ इंसोलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि कहां पे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है कहाँ पे कम सूरज की रोशनी पड़ रही है है ना तो यहाँ पे आप इस तरह से समझेंगे इसको द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन ठीक है यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो पूरे दिन में बहुत ज्यादा वैरी करती है ऑब्वियस बात है सुबह सुबह बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है दिन के बारह बजे बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि एकदम तो मुंडे पर आता है आपका सन है ना और शाम के टाइम फिर सूरज की रोशनी कम हो जाती है और रात में तो खत्म ही हो जाती है फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीजन में और इन अ ईयर हर समय ये बदलती रहती है ठीक है अगर हम फैक्टर्स को समझेंगे तो ये किस चीज पर डिपेंड करती है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस Obvious बात है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है और सन यहाँ पे है तो इस जगह को पहले रोशनी मिल रही थी अब ये नहीं मिल रही है है ना तो इस तरह से इसका बात है यानी कि रोटेशन पे डिपेंड करती है फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि अगर हम धरती को देखें तो ये ऐसी नहीं है धरती हमारी धरती कैसे है धरती जो है वो इस तरह से नहीं है वो एक्सिस पे टिल्टेड है ठीक है तो धरती जो है वो कैसी है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है अगर मान लीजिए सन यहां पे है तो इस पे पड़ेगा ज्यादा हीट यहाँ पे कम पड़ रहा है है ना इस एरिया पे ज्यादा हीट पड़ रहा है और अगर उल्टा हो गया कि धरती जो है घूम घूम के इधर आ गई और सन यहां पे है तो इस पोजीशन पे ज्यादा हीट पड़ रहा है ठीक है तो यानी कि क्योंकि ये जो रोटेशन के साथ साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस पर भी ये डिपेंड करता है अगर दिन बहुत लंबा है जैसे कि समर सीजन में दिन लग, दिन लंबा होता है तो सन का रेडिएशन ज्यादा अर्थ पे पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर यानी कि अभी आप लोग हीट बजट में इसको समझेंगे कि जब अर्थ है जब अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्या है अर्थ के ऊपर एक तरह का परत है एटमोस्फेयर का अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर का पड़त है ठीक है अर्थ के ऊपर एटमोस्फेयर का पड़त है और इस पर सन का रेडिएशन पड़ रहा है इस पर सन का रेडिएशन पड़ रहा है ठीक है सन का रेडिएशन पड़ रहा है इस पर अब जब सन का रेडिएशन अर्थ पे पड़ रहा है तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर अगर ट्रांसपेरेंट है तो ये रेडिएशन को आने देगा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और बहुत ज्यादा अलग अलग घटक हैं यानी कि डस्ट पार्टिकल वगैरह है तो बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो जाती है ठीक है तो ये नहीं आने देगा तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमोसफेयर कितना ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमोसफेयर ठीक है तो ये इस पर डिपेंड करता है ऑन ऑफ ऑफ लैंड इन टर्म्स इट्स एस्पेक्ट यानी कि धरती जो है वो उस पहाड़ है पठार है इस पे भी डिपेंड करता है ये दोनों का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन बाकी चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करेंगे अगर हम वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो ये फैक्ट को हमको समझना होगा कि जो प्लेन है उसके साथ जो धरती है वो 66 डिग्री का एंगल बना रही है अब इसको आप कैसे समझेंगे तो इसको आप इस तरह से समझेंगे कि ये धरती है और ये एक्सिस है और ये एक्सिस जो है वो टिल्टेड है तो यहाँ पे 23 थ्री एंड हाफ डिग्री का और इक्वेटर के साथ जो प्लेन है वो 66 सिक्स एंड डिग्री का एंगल बनाएगी ठीक है 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री का और यहाँ पे 23 थ्री एंड हाफ डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी धरती अपने एक्सिस पे क्लियर है तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंसोलेशन जो अपने धरती पर रिसीव होती है इस पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव लाता है फिर आप देखिएगा जो सेकेंड फैक्टर है यानी कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज ठीक है तो यानी कि जो रेज है उस पे यानी रेज जो धरती पे पड़ते हैं उस पे भी ये डिपेंड कर रहा है क्या डिपेंड कर रहा है कि पहला तो है कि धरती टिल्टेड है तो टिल्टिंग के कारण इंसुलेशन पे प्रभाव पड़ रहा है और सेकेंड फैक्टर जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन का है रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज ठीक है तो रेज के भी इंक्लिनेशन जो है वहां पे हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से अगर मैं समझा समझाऊं कि बेसिकली ये धरती है ठीक है और ये सन है और सन जो है वो अपना डायरेक्ट रेडिएशन इस पर ला रहा है लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वहां पे तो इनडायरेक्ट रेडिएशन आएगा ना जैसे ये अगर इस तरह से रेडिएशन आ रहा है तो यहां पे ये रेडिएशन ऐसे फैल के आएगा यहां पे ये रेडिएशन ऐसे फैल के आएगा क्यों 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 क्योंकि ये जो है ये वर्टिकल है ये वर्टिकल है और ये जो है ये हॉरिजोनटल है हॉरीजोंटल है समझ तो लो ये हॉरिजोंटल है क्लियर है यहां तक समझ में आई बात तो इस तरह से भी होता है यानी कि डायरेक्ट रेडिएशन हो गया और इनडायरेक्ट रेडिएशन हो गया है डायरेक्ट रेडिएशन हो गया और इनडायरेक्ट रेडिएशन हो गया तो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर की ओर जाते हैं जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर की ओर जाते हैं जो एंगल है द एंगल द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस तो एंगल जो है वो छोटी होती रहती है और अर्थ जो है सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लैंडिंग रेज ठीक है तो स्लैंड सन रेज पे ये इस तरह से सरफेस जो है वो रिजल्ट करती है समझ में आया आपको यहां तक बात क्लियर है कंसेप्ट तो यही बात है कि यह अनईक्विटेबल अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि आपके इक्वेटर के पोर्शन में ज्यादा अर्थ का ज्यादा सन का प्रभाव पड़ता है और पोल में जैसे जैसे लैटीट्यूड हायर लैटीट्यूड का मतलब आपको समझ में आया इतने इतने समय में हायर लैटीट्यूड का मतलब यही होता है कि बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना ये यहां पे आप समझ गए हैं कि जीरो डिग्री है दस डिग्री है बीस डिग्री है तीस डिग्री है तो इसको हम लो लैटीट्यूड कहते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री 80 डिग्री 70 डिग्री तो इसको हम हाई लैटिट्यूड कहते हैं ठीक है तो हाई लैटिट्यूड में सी बात है कि सन का रेडिएशन कम पड़ेगा सन का रेडिएशन क्या है कि कम पड़ेगा ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट हम देखेंगे द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमोस्फेयर पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमोसफेयर यानी कि एटमोसफेयर जो है इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेवल तो आपको समझ में आ गया पहले ही मैंने आपको समझा दिया कि छोटे वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है वो अपने एटमोस्फेयर में आ जाते हैं ठीक है और वो आ जाते हैं अपने सरफेस पे आ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर हो गया ओजोन हो गया बाकी गैस जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस तरह से ये अपने जो रेडिएशन आता है उसको स्कैटर भी कर देते हैं ठीक है जिसके कारण हम कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा अगर इसको इस तरह से समझोगे कि सबसे ज्यादा जो आपका है विबग्योर है ना विबग्योर ठीक है व्हाइट लाइट आती है व्हाइट लाइट ये सारे लाइट में बट जाती है ठीक है अगर बट जाएगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो इसका होता है सबसे छोटा वेवलेंथ जो है वो इसका होता है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग भी इसका होगा इसी के कारण कलर जो है स्काई का वो ऐसा दिखता है अगर मैं आपको फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाया गया था उसको दिखाऊं यहाँ पे तो ये इस तरह से है कि आप देखेंगे देखे विजिबल लाइट यहाँ पे वेबग्योर में है यानी कि ये ब्लू उसके बाद रेड की ओर जाता है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इस तरह की लाइट का होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इस तरह के लाइट का होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है ठीक है तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इसी के कारण जैसे जैसे स्कैटरिंग जिसकी ज्यादा होगी तो रेड की स्कैटरिंग कम होती है उसका वेवलेंथ जो है वो रेड की जो स्कैटरिंग है वो सॉरी वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये कर दी मैं इसको फिर से एक बार बोल दू तो बेसिकली बात क्या है कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है स्कैटरिंग यानी कि छितराना सबसे ज्यादा कौन सा करेगा तो वायलेट इंडिगो ब्लू सबसे ज्यादा वायलेट है ना और वेवलेंथ सबसे लंबा किसका वेवलेंथ होता है तो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है रेड की ठीक है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसी कलर का स्काई दिखेगा है ना द रेड कलर ऑफ द ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन ठीक है तो जब सूरज उगड़ा है और जब डूब रहा है तो लाल रंग दिखेगा और जब ऐसे रहेगा नॉर्मल तो ब्लू कलर दिखेगा आपके स्काई का यही चीज यहाँ पे बताई गई है फाइन तो चीज पे बताई गई है अब हम हीट बजट को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं ठीक है अब हम हीट बजट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो हीट बजट क्या है बेसिकली इसको अगर हम इस तरह से समझेंगे अगर मैं आपको इसमें हीट बजट है ना अगर मैं जैसे ये एटमोस्फेयर कूलिंग और ये है इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी हीट बजट है थोड़ा सा तो इसको पहले मैं हीट बजट आपको समझा दू तो हीट बजट ये कहता है कि मान लो मान लीजिए कि ये आपकी धरती है धरती धरती इस कलर की बना दी मैंने ग्रीन कलर के बनाई जाए या ब्लू प्लानट है ना हमारा ब्लू प्लान बनाया जाए ठीक है तो ये आप अपनी धरती हो गई अब धरती में क्या है धरती के चारों ओर हमारे पास एटमोसफेयर है एटमोसफेयर को हम लाइट ब्लू कलर का बना देते हैं तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है ठीक है यहां तक आपको समझ में आया उसके बाद आप देखिएगा कि ये हमारा क्या हो गया सन हो गया ये हमारा सन हो गया ठीक है ये आपको समझ में आ गया अब एटमॉस्फेयर में और भी चीजें हैं जैसे कि बादल है ना बादल है ठीक है मैं अच्छा बादल बनाती हूं पर अभी यहाँ पे स्पेस कम है ओके तो, तो ये सारे बादल हो गए ठीक उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे पहाड़ भी है ना पहाड़ भी धरती पे इस तरह के पहाड़ है जो कि आइस से कवर्ड है यहां तक आपको समझ में आ गया तो अब बात यहां पे आती है बात ये आती है कि अगर इन केस आपको ये समझना होगा कि इन केस हमारे धरती पे सूरज की रोशनी अगर मान लो सौ यूनिट पड़ रही है Yeah, कि धरती पे सूरज की रोशनी कितनी पड़ रही है सौ यूनिट पड़ रही है ठीक है तो सौ यूनिट की रोशनी पड़ी सौ यूनिट का इंसोलेशन पड़ा ठीक है एनर्जी आई और उसमें से उसमें से 35 ठीक है तो धरती पे कितने यूनिट पड़ रहे हैं सौ यूनिट पड़ रहे हैं हंड्रेड यूनिट ठीक इसमें से एल्बीडो हो रहा है एलबीडो का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन किस चीज से हो रहा है रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है तो क्लाउड हो गया या आइस कैप हो गया है ना ये सारी चीजों से क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि जो सूरज की रोशनी है वो लेफ्ट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है पैंतीस यूनिट्स जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है थर्टी फाइव जो है इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां तक समझ में आया तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा क्या होता है कि स्कैटरिंग होता है स्कैटरिंग यानी कि रोशनी का छितराना जो एनर्जी है रोशनी जब मैं बोल रही हूं यानी कि एनर्जी और एब्जॉर्बन भी होता है यानी कि एब्जॉर्ब भी होता है ठीक है ठीक है एब्जॉर्ब लिख रही हूं बस स्कैटरिंग और एब्जॉर्ब तो बेसिकली बात है कि 100 यूनिट अपनी धरती पे पहुंचना है और 100 यूनिट पहुंचने के पहले ही 35 यूनिट जो है वो पहुंच ही नहीं पाया उसको वो रिफ्लेक्ट हो गया अब बाकी क्या हुआ स्कैटर हुआ और ऑब्जर्व हुआ 65 यूनिट्स जो है वो स्कैटर हुए और ऑब्जर्व हुए 65 यूनिट जो स्कैटर हुए और ऑब्जर्व हुए उसमें से आपको यह समझना है कि सिक्सटी यूनिट में 65 यूनिट्स में क्या हुआ जो स्कैटर्ड हुए और ऑब्जर्व हुए उसमें से 14 जो यूनिट है ठीक है इसको मैं 14 और 51 में डिवाइड कर देती हूँ 14 यूनिट्स और 51 यूनिट में डिवाइड कर देती हूँ तो ये जो 14 यूनिट है ये किसने एब्जॉर्ब किया तो ये एब्जॉर्ब किया है किसने तो ये बेसिकली सरफेस नहीं वाटर वेपर्स ने जो वाटर वेपर्स है उसने एब्जॉर्ब किया सॉरी वाटर वेपर जो है इसने इसनेब्जॉर्ब किया यानी कि जो आपके जैसे ये इसमें से पैंतीस यूनिट तो चला गया अब जो जो बाकी आ गए हैं वो एब्जॉर्ब हुए जा रहे हैं किसके द्वारा एबजॉर्ब हुए जा रहे हैं यानी कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं जैसे वाटर वेपर हो गया गैसेस हो गया ग्रीन हाउस गैस हो गया जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल दिया था उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और 51 परसेंट जो है फिफ्टी वन यूनिट जो है वो धरती जो है इसको एब्सॉर्ब कर रही है यानी कि सर्फेस को एब्सॉर्ब कर रही है याद तक आपको बात समझ में आ गई कौन एब्सॉर्ब कर रहा है सर्फेस कर रहा है अब सर्फेस जो एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो इसमें जो फिफ्टी वन यूनिट जो सर्फेस एब्जॉर्ब कर रहा है इसमें से आपको ये समझना है इसमें से आपको ये समझना है कि ये जो 51 यूनिट जिसको सरफेस एब्सॉर्ब कर रहा है उसमें क्या होता है इसमें फिर से हम तोड़ेंगे इसको 34 में ठीक थर्टी फोर में और सत्रह हो गया है ना थर्टी फोर और सत्रह थर्टी फोर और सत्रह में आपको यह समझना है कि ये सरफेस जो एब्जॉर्ब कर लिया इसको समझ लो यानी कि ये जो एब्जॉर्बशन है यूनिट तो चलो एटमोस्फेयर वातावरण ने एब्जॉर्ब किया लेकिन जो फिफ्टी वन यूनिट जो इसका सरफेस ने एब्जॉर्ब किया है अब ये इन, ये जो अभी तक रेडिएशन था वो सोलर रेडिएशन था अब जो सर्फेस एब्जॉर्ब कर रहा है उसको भी ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा है ना रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा इसको हम टेरेस्टेरियल टेरेस्टेरियल रेडिएशन बोलते हैं टेरेस्टेरियल रेडिएशन बोलते हैं जिसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा समझ में आ रहा है आपको टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं जिसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा अब उसमें से क्या बात है इसमें से बात है कि 34 परसेंट जो इसका रेडिएशन बैक होगा ये 17 परसेंट तो ये सीधे स्पेस में भेज देगा और 34 फोर परसेंट यह एटमोसफेयर में भेजेगा 34 फोर परसेंट यह कहां पर भेजेगा एटमोसफेयर में भेजेगा यहां तक आपको बात समझ में आ गई 34 फोर परसेंट यह एटमोस्फेयर में भेज रहा है तो बेसिकली अगर हम एटमोसफेयर की बात करेंगे अगर हम एटमोसफेयर की बात करेंगे तो आपको समझ में आया कि एटमोस्फेयर यहां पर फोर्टीन और यहा थर्टी फोर परसेंट तो एटमॉस्फेयर के पास कितनी हीट आ गई यहां पे थर्टीन थर्टी फोर परसेंट और फोर्टीन परसेंट यानी कि फोर्टी एट यूनिट हमारे एटमोसफेयर में आ गई यानी फोर्टी एट यूनिट एटमोसफेयर में आ गई जिसमें से 14 यूनिट्स जो है वो सोलर इंसुलेशन से आई और और 34 यूनिट जो है वो कहां से आई तो 34 यूनिट जो है ये अपने टेरेस्टेरियल रेडिएशन से आई और फिर अगर हम स्पेस में जो रेडिएशन गया है 17 यूनिट इसको यहां पे जोड़ दें तो क्या ये 65 यूनिट्स नहीं हो जाएगा यानी वापस से सारा हीट चला गया यूनिट तो यहां पे ही चला गया था बाकी जो पैसठ यूनिट बचा था उसका कैलकुलेशन ऐसे है कि फिर से आप समझिए कि पैसठ यूनिट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया चौदह और फिफ्टी वन तो पहले आपको यह समझना है कि हंड्रेड यूनिट कहां से आया सन से आया उसमें से 35 यूनिट क्या हुआ आया ही नहीं धरती पे चला गया ऐसे ही मतलब कि क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हो गया या आइस कैप से रिफ्लेक्ट बैक हो गया एटमोस्टर से रिफ्लेक्ट बैक हो गया रिफ्लेक्ट बैक हो गया अब बचा पैंसठ यूनिट अब पैंसठ यूनिट में क्या हुआ गाइस पैंसठ यूनिट में क्या हुआ पैंसठ यूनिट में ऐसा हुआ क्या हुआ कि बेसिकली पैंसठ यूनिट में कैटरिंग एब्जॉर्ब ये सारी चीजें पे बात आ गई तो जो धरती है हमारी उसमें पहुंचने के पहले एटमोस्फेयर ने चौदह यूनिट को एब्जॉर्ब कर लिया जब एटमोस्फेयर ने चौदह यूनिट को एब्जॉर्ब किया तो बचा जो फिफ्टी वन यूनिट उसको धरती के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया तो अब जब धरती का सरफेस भाई गर्म हो गया है कोई भी चीज गर्म होगा रेडिएशन देगा फिर वापस अपने हीट को लूज करेगा तो अब इस रेडिएशन को हम टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहेंगे क्योंकि ये अपने लैंड से वापस जा रहा है ठीक है तो ये 51 यूनिट जो है ये सरफेस से वापस जा रहा है 51 यूनिट सरफेस से वापस जा रहा है उसको हमने 34 और सत्रह में डिवाइड कर दिया सत्रह जो है वो सीधे सीधे इसने स्पेस में भेज दिया reflect back कर दिया भाई रिफ्लेक्ट बैक कर जाओ तुम और जो थर्टी है जो एटमोस्फेयर में अभी भी ट्रैप है यही बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलाना क्योंकि एटमोसफेयर में ट्रैप हो जाएगा ठीक है तो ये जो ट्रैप है चौतीस यूनिट अब ये एटमोस्फेयर में है अब यानी कि धरती अपने पास कुछ नहीं रखी है बजट धरती का है Atmosphere के पास क्या आ गया? 34, 34 उधर आ गया गया यूनिट यूनिट उधर पहले से सोलर से सोलर रेडिएशन था ने अपने दे दिया है समझो पैंसठ यूनिट का हिसाब भी धरती ने दे दिया है यहां तक आपको क्लियर हो गई बात तो यही बात यहां पे कही जा रही है गाइस ठीक है तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है यही आपका हीट बजट है जो आपको समझ में आ जाएगा तो यही सारी चीजें यहाँ पे है कि इंसुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में मिलेगा या डेजर्ट में तो मिलेगा ही ना ज्यादा क्योंकि जैसे जितना ज्यादा ये डेजर्ट टाइप का रहेगा उसके कण जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सब ट्रॉपिकल बोले तो यानी कि देखो इक्वेटर पे तो नहीं है क्योंकि इक्वेटर पे बहुत बारिश होती है ये जो एरिया है ऊपर और नीचे ये सब ट्रॉपिकल एरिया है यहां पे बहुत ज्यादा डेजर्ट है ठीक है तो यहां पे बहुत ज्यादा डेजर्ट है और यहां पे जो इंसुलेशन है ये ये मैक्सिमम मैक्सिमम है यहां है है तो है पे इंसुलेशन जो जो तो इक्वेटर लेस इंसुलेशन रिसीव करती है ट्रॉपिक से तो ट्रॉपिक का जो एरिया है ट्रॉपिक का जो एरिया है इस पे कंपेरिटिवली अगर हम इक्वेटर से इसको कंपेयर करेंगे तो ट्रॉपिक के एरिया जो है वो ज्यादा हीट इसलिए रिसीव करते हैं क्यों 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 क्योंकि उसमें डिजर्ट वगैरह भी है जो मैं कोल्ड करेंट में आपको पढ़ाऊंगी कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन में कोल्ड करेंट है तो उसमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कम होती है या बोलो कि प्रेशर हाई होता है इस कारण से वहां बारिश नहीं होती है ठीक तो बादल फॉर्मेशन नहीं होते तो उसी समय लिखा है कि एट द सेम एट द सेम लैटिट्यूड इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट ठीक है देखो लैंड जल्दी गर्म होता है पानी से ये नॉर्मल सा बात है तुम वही वाला बात हो गया जिसको हम स्पेसिफिक हीट यूनिट कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं कि अगर तुम एक लोहे का कुर्सी लोगे और एक लकड़ी का कुर्सी लोगे तो लोहा कुर्सी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लकड़ी की कुर्सी का ज्यादा है यानी कि उसको एक भी यूनिट और हीट होने में ज्यादा से ज्यादा हीट लगेगा ठीक है तो उसी तरह से पानी में क्या है स्पेसिफिक हीट यूनिट कैपेसिटी ज्यादा है यानी कि पानी को गर्म होने में और ज्यादा हीट लगेगा तो बेसिकली लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है विंटर में मिडिल और हायर लैटिट्यूड है वो रिसीव लेस रेडिएशन यानी कि और कम होता है समर में तो फिर भी ज्यादा रेडिएशन रिसीव किया जा सकता है है ना तो यही बात है यहाँ पे अब बात है देखो कन्वेक्शन रेडिएशन एडवेक्शन और कंडक्शन की अब इसका एग्जाम्पल हम तुमको तो इस तरह से दे सकते हैं जैसे मेरे हाथ में पेन है पेन को गर्म करते हैं ठीक है पेन को गर्म करेंगे तो अब ये पेन एक साइड से मान लीजिए लाइटर है मेरे पास नहीं है आई डोंट यू नो तो इसीलिए लाइटर नहीं है मेरे पास हाँ तो <laughs> तो अगर इसको गर्म गर्म किया जाए तो होते होते एक समय में हम पेन पकड़े पेन पकड़े हुए हैं मान लीजिए मेटल का है है ये मत बोलना कि मैम प्लास्टिक पिघल जाएगा ऐसा नहीं होता है तो मेटल का है तो धीरे धीरे जो हीट है वो इस साइड आएगा और हमको गर्म लग जाएगा है ना तो यानी कि मॉलिक्यूल जब हीट को ट्रांसफर करता है यानी कि मॉलिक्यूल जब हीट को एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया तो ये कंडक्शन है यानी कि जैसे आप लोग अगर बेंच पे ऐसे लाइन में बैठे हैं और मैंने आपको फर्स्ट बेंच वाले को चॉकलेट दे दिया दस, तो वो एक चॉकलेट लेके बाकी नौ पीछे पास करेगा सेकंड वाला एक चॉकलेट लेके बाकी आठ पीछे पास करेगा इस तरह से होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो हीट को चॉकलेट हीट है तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल है उसने हीट को ट्रांसफर कर दिया ठीक है तो ये कंडक्शन है कन्वेक्शन में क्या होता है जनरली लिक्विड में आप देखेंगे कि आपने एक बर्तन को गर्म करने के लिए हीट में रख दिया ठीक है ये हीट है इसको गर्म करने के लिए रख दिया अब ये जो है ये लेयर ये गर्म होगा और ऊपर चला जाएगा ये गर्म होगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा फिर नीचे वाला ऊपर नीच, वाला नीचे आएगा और गर्म होकर ऊपर जाएगा तो इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मैंने चॉकलेट जो है वो अपने डेस्क पे रखा और कहा कि एक स्टूडेंट आए और लेके फिर पीछे चला जाए फिर दूसरा स्टूडेंट आए फिर लेके पीछे चला जाए यानी कि जो नीचे वाला लेयर है वो गर्म हो जाएगा फिर वो ऊपर चला जाएगा फिर सेकेंड वाला लेयर नीचे आएगा फिर गर्म होकर ऊपर चला जाएगा तो ये कन्वेक्शन हुआ रेडिएशन में क्या हुआ कि मैंने चॉकलेट लिया और बहुत छाड़ कर दिया ऐसे ऐसे फेंक दिया तो ये रेडिएशन हुआ एडवेक्शन को अब हम समझेंगे है ना तो एयर का तो जो कांटेक्ट है लैंड में यही बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि धरती गर्म है और यहाँ धरती के पास जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी फिर ये गर्म होके एक्सपैंड करेगी ऊपर की ओर जाएगी ठीक है तो ऐसे ही होता है तो यही कहा जा रहा है कि ये जो है धरती जब गर्म होती है और फिर जो उसके पास वाला लेयर है वो गर्म होता है फिर ऊपर वाला लेयर गर्म होता है ऐसे हीट जो ट्रांसफर होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये दो बॉडी में होता है जब मान लीजिए कि दोनों का टेम्परेचर अनइक्वल है तो टेम्परेचर का जब ट्रांसफर होता है ठीक है कंडक्शन आप समझ चुके हैं तो कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेयर ऑफ एटमोसफेयर है इस तरह से होता है मान लीजिए धरती गर्म है फिर इसने हीट इसको दिया फिर इसने हीट इसको दिया फिर इसने हीट इसको दिया इस तरह से ये प्रोसेस होता है है ना तो एयर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्ट विद द अर्थ ये जो एयर धरती के पास है ये गर्म होती है और ये ऊपर की ओर राइस करती है तो द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग जो वर्टिकल हीटिंग होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं वर्टिकल हीटिंग मैंने आपको पहले समझा दिया कि वर्टिकल हीटिंग आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है हॉरिजोनटली मूवमेंट जो होता है यानी ऐसे ऐसे जो मूवमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मूवमेंट है ये यह यहां पर कहा जा रहा है ठीक है तो अब बात है कि ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो समर सीजन में एक लोकल विंड चलती है जिसको हम लू कहते हैं है ना तो ये क्यों है ये एडवेक्शन के कारण है ये एडवेक्शन के कारण है ठीक है तो इसको हम लू कहते हैं ये एडवेक्शन के कारण है और लैटिट्यूड में दिन के समय में वेदर जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है ये भी एडवेक्शन के कारण है ठीक है तो बाकी मैंने आपको टेरेस्टेरियल रेडिएशन समझा दिया है कि जब धरती गर्म हो जाएगी और उससे जो हीट वेव्स निकलेंगे उसको टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहेंगे उसके बाद धरती जो है वो गर्म होकर रेडिएट करने लगती है बॉडी को ठीक है और ये रेडिएट करती है एनर्जी को टू एटमोस्फेयर इन लॉन्ग वेव लेंथ लॉन्ग वेव फॉर्म ठीक है फाइनली जो अमाउंट है वो पूरी तरह से वापस चला जाता है स्पेस में यही हीट बजट है जो मैंने आपको समझा दिया है जहां पे आपको 17 यूनिट 48 यूनिट का हिसाब दे दिया गया है फिर आपको ये 100 यूनिट पैंतीस और पैंतीस और पैंसठ यूनिट का हिसाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है फाइन तो यही चीज है यहाँ आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे यही सारे यूनिट्स है जहां पे बताया गया आपको ये तो आपका अर्थ ही हो जाता है ठीक है ये द अर्थ ही हो जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सारे यूनिट्स जो हैं, यहां पे आपको समझ में आ जाएंगे तो ये हीट बजट है हीट बजट वही चीज आपको लैंग्वेज में यहां पे लिखी हुई है ठीक है तो हीट बजट जो है यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिखी गई है इसको आप समझ गएंगे जो सरप्लस हीट है वापस से ये क्या होती है ये ट्रॉपिक्स में चली जाती है ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर भी आपको यहां पे समझ में आ गया है कि कूल्ड cool और हॉट टेम्परेचर पे है अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है तो लैटिट्यूड पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी यहाँ पे लैटिट्यूड में कम मिलेगा तो द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन इट रिसीव ठीक है जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी क्योंकि देखिए टेरिस्टीरियल रेडिएशन है यानी कि धरती नीचे से गर्म हो रही है ऊपर से गर्म नहीं हो रही है है ना तो जैसे जैसे आप सी लेवल के पास जाएंगे हायर टेम्परेचर होगा जैसे जैसे आप ऊपर एलिवेशन में जाएंगे लोअर टेम्परेचर होगा ठीक है तो टेम्परेचर जनरली जो है वो डिक्रीज कर देता है हाइट के साथ तो जैसे यहां पे जो हाइट है यहां पे टेम्परेचर कम होगा और यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यही बात है कि हजार यानी कि एक किलोमीटर पे सिक्स पॉइंट फोर परसेंट सिक्स पॉइंट डिग्री सॉरी यानी जैसे आप एक किलोमीटर जाएंगे तो आपका 6.5 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाएगा एक किलोमीटर पे अगर हम उसको इस तरह से देखेंगे तो एक मीटर पे एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है ठीक है तो यही चीज है यहाँ पे एल्टीट्यूड आल, की बात की गई है अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप डिस्टेंस फ्रॉम सी जाएंगे तो सी से जितना आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा मॉडरेशन कम होगा यानी कि सी से जो इसको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहता है कि आप सी से जितना दूर जाएंगे तो उतना ही ज्यादा गर्म और उतना ही ज्यादा ठंडा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मुंबई है तो मुंबई में कभी बहुत गर्मी बहुत ठंडा नहीं होगा दिल्ली में क्या होगा बहुत गर्मी बहुत ठंडा होगा तो क्योंकि सी जो है वो गेट्स हीट स्लोली इसको कम धीरे वो गर्म होती है तो इस कारण से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या होता है बेसिकली आप इसको ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए कि ये लैंड है और ये सी है ठीक है लैंड का क्या है कि ये जल्दी गर्म हो जाएगी लैंड जो है अगर मान लीजिए दिन का समय है डे टाइम है तो लैंड गर्म हो जाएगी लैंड के हवा जो है वो गर्म होने के कारण ऊपर चले जाएंगे जब भी कोई चीज गर्म होता है उसमें कैरेटिक एनर्जी होता है और ये ऊपर की ओर मूवमेंट करती है ठीक है ये ऊपर की ओर मूवमेंट करती है ये भी कह सकते हो कि एक्सपैंड कर जाती है और मूवमेंट करती है ठीक है एक्सपैंड करके मूवमेंट करती है मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस है फॉर एक्जाम्पल और इसका टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है ये सारे हवा जो है वो गर्म होने के कारण ऊपर की ओर चले गए हैं तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा यानी कि यहाँ पे प्रेशर लो है क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हवा जो है ये ऊपर की ओर चला गया है और यहाँ एक तरह का लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है जब हवा ऊपर की ओर चला जाएगा और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा तो हवा यहां क्यों ऊपर जा रहा है क्योंकि ये एक्सपैंड करते जा रहा है समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक गाइस तो अब ये हवा यहाँ पे एक्सपैंड करते जा रहा है अब सी की तरफ से हवा इधर आएगा सी की तरफ से हवा इधर आएगा क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट को हमेशा हाई प्रेशर क्योंकि ये हाई प्रेशर क्यों है पहले भी आपको समझाया हुआ है कि जहां पे भी टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा तो उसका प्रेशर हाई रहेगा क्योंकि हवा ऊपर नहीं गया एक्सपैंड नहीं किया है और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हमेशा ही ज्यादा क्या होगा प्रेशर जो है वो लो रहेगा प्रेशर जो है वो लो रहेगा क्योंकि हवा जो है वो एक्सपैंड कर गया समझ में आ रहा है तो हाई टू लो जो है वो हवा जाएगा और यहाँ पे हवा अगर हाई टू लो है अब मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस वाले को 20 डिग्री सेल्सियस का हवा मिल रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम सी ब्रीज बोलते हैं यानी कि ये आपका सी ब्रीज है वही चीज यहां पे भी होता है कि अगर मान लो रात के समय है तो रात के समय जल्दी ठंडा कौन सा हो जाता है तो रात के समय जल्दी ठंडा क्या होता है लैंड ठंडा होने लगता है फिर हवा जो है लैंड ठंडा हो गया फिर आपका जब हवा इधर से जाने लगेगा ठीक है तो यही चीज यानी कि सी को बेसिकली गर्म होने में और ठंडे होने में समय लगता है बेसिकली आपको यही समझना है तो इस कारण से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है ये आप समझ गए एयर मास एंड ओशन करंट तो ओशियन करंट को अभी हम और क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे मतलब ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे तो यहां पे आपको एयर मास समझना है देखो एयर मास को आप इस पिक्चर से समझ जाइए जहां पे धरती के ऊपर जितने जितने एयर मास बेसिकली क्या है कि मान लो जहां ठंडा है तो उसके ऊपर जो एयर है वो ठंडा टाइप का रहेगा जहाँ गर्म है उसके ऊपर जो आ, हवा है वो गर्म जैसा रहेगा यही एयर मास है ठीक है अब जैसे कि मान लीजिए कि अः पोलर एरिया में तो पोलर एरिया में जो हवा का मास होगा वो ठंडा जैसा रहेगा अगर एक विटोरियल एरिया में आप देखिएगा तो हवा का जो हवा है इक्वेटर के ऊपर वो गर्म जैसा रहेगा तो जो अदर फैक्टर है जो डिपेंड करता है वो ये है कि सी गेट्स हीट स्लोली और सी इसलिए स्लोली भी हीट होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है एयर मास है वो उस तरफ, उस तरह का है फाइन चलेंगे तो यहां पे आप देख लिए लैंड ब्रिज सी ब्रिज आपको समझा दिया गया है तो जो कोस्टल एरिया में है वहां पे वार्म करंट है ये भी आपको समझा दिया गया है

और साउथ में लैंड कम है इसलिए जो लैंड मास है और ओशन करंट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं है ना जनवरी में आप देखेंगे आइसोथर्म जो है जितने भी आइसोथर्म है वो नॉर्थ की ओर जाएंगे आइसोथर्म क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि हमें इनको एक लाइन बनाना है कि बीस डिग्री कहाँ कहाँ है तो आप देखेंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा यानी कि मतलब ज्यादा टेम्परेचर जो है वो नॉर्थ की ओर रहेगा नॉर्थ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि लैंड एरिया जो है वो नॉर्थ में ज्यादा है ठीक है तो ओशन में भी आप देखेंगे कि ये हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं हैं ये बने हुए में आप समझ रहे हैं कि तीन डिग्री सेल्सियस जहां उसके लिए एक लाइन खींच दिया गया है ठीक है तीन डिग्री सेल्सियस जहां जाए तो ये लाइन आप देखोगे ज्यादातर ये नॉर्थ की ओर लाइन है क्यों क्योंकि ये लैंड का लाइन लाएं। है लैंड में देख रहे हैं ना तो लैंड ही नॉर्थ में ज्यादा है और लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है तो इसीलिए आइसोथम्स जो है वो नॉर्थ की ओर मूव करता है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं लिखा है कि कि आइसोथर्म्स आर लाइन जॉइनिंग प्लेस हैविंग इक्वल यानी बराबर हैचर के जो जगह होते हैं उसके लिए हम एक लाइन बना देंगे आइसो का मतलब ही सेम होता है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मच लार्जर होता है सदर्न हेमोस्फेयर से ठीक है सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए जो अफेक्ट है लैंडमार्क का एंड द ओशन करंट ये आपको यहाँ पे देखा जाएगा जनवरी में जो आइसोथर्म्स है वो किधर डेविएट हो रहे हैं नॉर्थ की ओर डेवियेट हो रहे हैं ओशन में एंड साउथ की ओर डेविएट हो रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में ठीक है साउथ की ओर डेविएट हो रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनवरी में अगर हम आइसोथम बनाया मान लो यहां ओशन ओशन है तो ये ओशन को अगर कनेक्ट कर तो ये नॉर्थ की ओर रहेगा अगर लैंड लैंड है तो इसको कनेक्ट करें तो ये, कर तो ये साउथ की ओर आएगा क्यों क्योंकि जनवरी में ये हीट जो है वो यहाँ पे यानी कि सन जो है वो यहाँ पे यानी कि टेम्परेचर जो है वो नीचे साउथ की ओर इनको ज्यादा बराबर दिखेगा ठीक है तो ये बेसिकली वॉर्म ओशन करंट है जहां पे गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये सब नॉर्थ अटलांटिक में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और ये वार्मर होता है और इसीलिए ये बेंड कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ और लैंड की ओर अगर हम देखेंगे तो ये टुवर्ड्स साउथ है जनवरी का बात है ठीक है यही चीज यहां पे आपको एग्जाम्पल में बताई गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको यहां समझाया गया है अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे एटमोस्फेयर में आप देखोगे कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में जा रहे हैं इनवर्स रिलेशन है ट्रोपोस्फेयर में जब हम जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो जनरली अभी तक हमने ये समझा कि जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा लेकिन फिर हम मीजोस में अगर ऊपर की ओर जाएंगे मतलब सेकेंड स्ट्राटोस में अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे स्ट्राटोस में तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा मीजोस्फेर में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा और थर्मोस्फेर में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो फिर से इंक्रीज करेगा ये हम आपको पिछले चैप्टर में समझा चुके हैं इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या कहते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं कि जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है लेकिन 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 क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग विंटर नाइट देखेंगे विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज एन आइडल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन तो शॉर्ट ड्यूरेशन के समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी द हीट ऑफ द डे ये जब वापस जाने लगता है ठीक है और ड्यूरिंग द नाइट बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव तो बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन में कि जब रात का समय है और धरती अपने से हीट जो है वो वापस भेज रही है यानी कि टेस्टीरियल रेडिएशन हो रहा है तो ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा ठंडा होगा और ये एरिया ज्यादा कंपेरेटिवली गर्म होगा यानी कि अगर हम टी वन ले रहे हैं और टी टू ले रहे हैं ठीक है तो टी जो है वो ठंडा होगा T2 से लेकिन क्या होता है जनरली जनरली ये होता है कि जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा तो टेम्परेचर घटना चाहिए लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि क्लियर स्काई है और अर्ली मॉर्निंग आप देख रहे हैं तो धरती का सरफेस ज्यादा ठंडा होगा उसके ऊपर के एटमोसफेयर से इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कह रहे हैं ठीक है पोलर एरिया में भी टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो नॉर्मल है क्योंकि हीट अपना हीट uh, जो धरती है अपना हीट रेडिएट बैक कर रही है तो धरती जब अपना हीट रेडिएट बैक करती है तो उस कंडीशन उस में क्या होता है कि धरती का सरफेस जो है वो कूल cool होता है और धरती का जो आपस साफ मतलब पास का जो सर पास का जो लेयर है या एटमोसफेयर है वो हॉट होता है इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं कूल्ड एयर एट द हिल्स एंड द माउंटेन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ठीक है mountain, night, तो पोलर एरिया में भी यही होता है कि सर टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द इन्वर्जन टेक प्लेस इन द हिल एंड द माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज तो बेसिकली धरती जो है अपना रेडिएट बैक करती है हीट इसी को हम हैं। तो चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर टेन, तो टेन, टेन को हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम को समझने वाले हैं तो गई देखो वेदर सिस्टम या एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन को समझने के लिए जो सबसे छोटी चीज होती है ना वो क्या होती है मैं समझाऊं कि यहाँ पे जैसे एक लैंड का टुकड़ा है लैंड नंबर वन और ये दूसरा लैंड का टुकड़ा है लैंड नंबर टू दोनों कनेक्टेड है है ना दोनों कनेक्टेड है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एयर पार्टिकल्स यहाँ पे एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स हवा है बेसिकली ठीक है ये हवा है हवा चल रही है घटा चल रही है कोई दूसरा गाना गाएंगे अब हम हवा पे है ना हवा हवा हवाई हाँ हवा ठीक है तो ये क्या हो गया अंग्रेजी में इसको हम एयर कहते हैं अब ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं इस पे सन जो है सूरज चाचू ये टिमटिमा रहे हैं अब सन जब इस पे टिमटिमा रहे हैं तो सन का क्या काम है सन का काम है टेंशन देना नहीं जरूरी भी है सन ऐसे ठीक है तो सन क्या करेगा सन हीट कर देगा सन इस प्रोसेस इस पूरे सिस्टम को हीट कर देगा ठीक है इस सिस्टम को जब हीट कर देता है सन तो अब जब भी सन किसी चीज को हीट करता है तो इस इस चीज को समझेंगे जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है और मॉलिक्यूल जो है ये कॉम्पैक्ट है जब इसको हीट किया जाएगा तो हीट करने पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी आएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनमें टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा तो हिलने के लिए इसको स्पेस चाहिए जब इसको स्पेस चाहिए तो ये दूर होने लगेंगे ठीक है ये दूर होने लगेंगे और जब इसको और स्पेस चाहिए तो ये और दूर होने लगेंगे तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े एरिया में कवर हो पाएंगे है ना क्योंकि देखो इसमें अगर हम बनाएंगे बारह मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे बनाए यहाँ पे सिर्फ छः ही अटे यहाँ पे सिर्फ दो ही अटे और हीट के कारण यानी कि अगर मेरे को ये बारह मॉलिक्यूल चाहिए तो मेरे को बहुत बड़ा स्पेस कवर करना होगा तो ये किसके कारण हो रहा है हीट एनर्जी कैनेटिक एनर्जी के कारण हो रहा है हीट के कारण हो रहा है हीट के कारण हो रहा है है ना यहाँ तक समझ में आ गया तो बेसिकली मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड करेंगे मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे जब ये एक्सपैंड करते हैं तो जब ये एक्सपैंड करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ कम है तो ये किस में चेंज होते हैं ये हाई प्रेशर से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चेंज होता है किस में चेंज होता है हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर में ये चेंज हो जाता है ठीक है ये जो मॉलिक्यूल है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये चेंज हो जाते हैं समझ में आया आपको बात यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है तो अगर मान लीजिए यानी कि अगर आपको यह समझ में आया कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा ठीक है टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा अभी जो पार्टिकल्स हैं इनमें अभी क्या है प्रेशर हाई है जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो इनमें मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे यानी कि प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर कैसा है हाई पी एचपी लिखे यहाँ पे लो पी लिखें यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्लियर है अब क्या होता है कि मूवमेंट अगर हम बात करेंगे मूवमेंट की मूवमेंट की बात करेंगे तो हवा कैसे मूव करता है हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है हवा जो है या इवन अगर आप ओशन में भी पढ़ेंगे तो आप हवा या ओशन पानी कोई भी चीज जो फ्लूइड है ठीक है जो मूव कर सकती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है इसी से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा इसी चीज से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा तो जब यही चीज लिखा है कि जब हवा जो है गर्म होती है फैलती है ठंडी होने पर संचुप्त हो जाती है यानी कि ये कूल्ड होने पर कंप्रेस हो जाती है और इससे वायुमंडल दबाव में बदलाव होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर में इसमें डिफरेंस आता है ठीक है तो ये इसके कारण क्या होता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर हवा जो है वो बहती है और ये हॉरिजोंटल मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात क्लियर है अब बात आता है ग्लोबल सर्कुलेशन तो यहाँ पे ग्लोबल सर्कुलेशन भी यही चीज कहता है कि बेसिकली बात यहाँ पे इसको इस फोटो को भी हम आपको समझाएंगे इस डायग्राम को ढंग से समझाएंगे अभी आपने बस इतना समझना है कि अगर जब भी ऐसा होगा कि हवा का मूवमेंट आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि कहीं हाई प्रेशर था और हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो प्रेशर की ओर मूव की है कहीं हाई प्रेशर था और हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो प्रेशर की ओर मूव की है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई राइट right? एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन ठीक है एटमोसफेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन ये सिर्फ ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है ये वर्टिकल मूवमेंट भी है यानी कि हवा जो है अगर हम इसको गर्म करते हैं एक्सपैंड करती है तो ऊपर की ओर भी जाती है यानी कि अगर ये एक्सपैंड करेगा हवा तो ये ऊपर की ओर भी जाएगा समझो यानी कि यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और इसको हमने गर्म किया तो ये एक्सपैंड करके ऊपर की ओर जाने लगा एक्सपैंड करके ऊपर की ओर जाने लगा राइट एटमोस्फेयरिक प्रेशर जो है ये ऑल्सो डिटरमाइंस वेन द एयर विल राइज और सिंक यानी कि अगर हवा जो है वो गर्म है ठीक है अगर हवा जो है वो हीटेड है हीटेड है तो इसका प्रेशर जो है वो लो है और ये क्या करेगी ऊपर की ओर जाएगी ठीक है और हवा जो है अगर कूल्ड है इसका प्रेशर हाई है तो ये क्या करेगी ये सिंक करेगी ये सिंक करेगी और ये क्या करेगी ये एक्सपैंड करेगी ये एक्सपैंड करेगी क्लियर है अंडरस्टूड है राइट तो विंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है उसका हीट है उसका मॉइस्चर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है प्लानट के अक्रॉस ठीक है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है प्लैनेट के अक्रॉस और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है ठीक है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है तो एज अ होल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ जैसे कि आपने ये वाटर में भी समझा होगा कि अगर इस जगह में टेम्परेचर ज़्यादा है और इस जगह में टेम्परेचर कम है तो हवा का मूवमेंट होगा सर्कुलेशन होगा और इसके कारण क्या होगा कि हर जगह का टेम्परेचर जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बन के सामने आएगा ठीक है और ये बहुत सारे ऐसे तरह के सेल्स बनाते हैं इस सारे सेल्स को भी हम समझने वाले हैं सब सेल्स को हम समझने वाले हैं ठीक है तो पहले हम इसको इस तरह से देखें कि जो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन यूनिट एरिया ठीक है फ्रॉम मेन सी लेवल तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं फ्रॉम मेन सी लेवल टू टॉप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एटमोस्फेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कॉल प्रेशर यानी कि अगर हम इस धरती के इस लैंड के इस हिस्से को लेते हैं इस लैंड के इस हिस्से को लेते हैं और इस लैंड में हम देखें तो ये वाला जो एयर ये जो कॉलम है इस कॉलम में जो एयर है और एयर के कारण लैंड के हिस्से पे जो दबाव पड़ रहा है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं ठीक है क्लियर है गाइज अब एयर प्रेशर इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मिली बार ठीक है तो बार में होता है मिली बार में होता है और जो एवरेज एटमोसफेरिक प्रेशर है वो कितना है तो ये करीबन वन थाउजेंड मिली बार है मिली का मतलब होता है टेन टू दावर माइनस थ्री थाउजेंड हो गया टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेडेंगे बार जो है वो एयर प्रेशर है ठीक है ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सर्फेस इज डेंसड एंड हेंस द प्रेशर जो है वो हाई है तो अब बात ये भी है कि ऐसा है कि जैसे धरती का अगर ये टुकड़ा है और इसके ऊपर एयर कॉलम है तो ग्रेविटी के कारण यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा ठीक है तो प्रेशर जो है वो इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मर्क्री बैरोमीटर ठीक है तो एक बैरोमीटर एक मर्की बैरोमीटर और एक एनीरोयड बैरोमीटर द्वारा इसको नापा जाता है मर्कड़ी बैरोमीटर या एनरॉयड बैरोमीटर तो ये एक एरिया है और इस एरिया का ये कॉलम है और इस एरिया का जो ये कॉलम है इसमें जो एयर है इसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं ठीक है एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये एयर के पार्टिकल्स इस पर एक प्रेशर बना रहे हैं ये एयर के पार्टिकल्स इस एक प्रेशर बना रहे हैं और ये जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है स्ट्राटोस्फेयर है नीजोस्फेयर है थर्मोस्फेयर है इस तरह से ये स्वेयर में डिवाइडेड है, है ना ये लेयर जो है ये इस तरह से स्वेयर्स में डिवाइडेड है ठीक है तो प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है हाइट के साथ यानी कि जितना हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा जैसे जैसे हम ऊपर की हो जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करते जाएगा अगर हम एलिवेशन पे बात करेंगे अलग अलग जगह में तो वेरिएशन जो है वो एयर के मोशन के कारण भी होता है हो रहा है? तो अगर कहीं हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर जाता है और यहाँ पे तो है ही मूवमेंट कि लो ये हाई प्रेशर से बेसिकली बात आप, आप ऐसा समझेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है यहाँ पे हाई प्रेशर है हवा ऊपर जाएगा लो प्रेशर है फिर यहां पे ये लो प्रेशर है तो हवा जो है वो यहाँ हाई प्रेशर पे आएगा फाइन ठीक है तो इस तरह से ये सर्कुलेशन यानी कि जहां पे भी लो प्रेशर है हवा जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है अगर इसको हम एक डायग्राम के अनुसार आपको समझाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे मान लीजिए ये धरती है और यहां पर धरती में ये इक्वेटर है और ये जो इक्वेटर है यहां पे सन है ठीक है यहां पे सन है, फाइन यहां पे सन है अब सन जो है सन इस पोर्शन को बहुत हीट कर देता है सन जो है वो इस पोर्शन को काफी ज्यादा हीट कर देता है ठीक है तो सन जब इस पोर्शन को बहुत ज्यादा हीट कर देता है तो क्या होगा कि इसका प्रेशर लो हो जाएगा तो ये लो प्रेशर बेल्ट है लो प्रेशर बेल्ट ठीक है यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है ये हाई प्रेशर बेल्ट है यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है हाई प्रेशर बेल्ट है समझ में आया आपको क्लियर कंसेप्ट अंडरस्टूड है तो हाई प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट अब क्या बात है कि अगर हम कंपेरिटिवली इस जगह को देखेंगे इसके कंपेरिजन में तो ये हाई प्रेशर है है ना? क्योंकि low pressure के आजू बाजू दोनों जो जगह होगा वो प्रेशर क्या है कंपेरिजन वर्ड है ना तो जहां पे लो प्रेशर लो प्रेशर होगा तो उसके आसपास जो है वो हाई प्रेशर होंगे ये दोनों हाई प्रेशर इनके बीच में एक लो प्रेशर एरिया है इनके बीच में एक लो प्रेशर एरिया है उसको अभी हम समझेंगे कि कैसे है ये ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट तो बात क्या है बात क्या है कि ये हाई प्रेशर है ये हाई प्रेशर है ये हाई प्रेशर है ये हाई प्रेशर है ये चीज आपको क्लियर हो गया और अगर हम लो प्रेशर की बात करेंगे तो ये लो प्रेशर है ब्लू से मैंने इसलिए बनाया कि ठंडा है इसलिए हाई प्रेशर है और ये जो है ये भी लो प्रेशर है ये भी लो प्रेशर है है ना अब आपको लग रहा होगा कि मैम इससे ज़्यादा ठंडा तो ये वाला एरिया होगा लेकिन फिर आपने इसको हाई बताया इसको लो बताया ऐसा क्यों वो भी आप समझेंगे तो अब बात ये है कि मूवमेंट हवा का कैसे होगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो मूवमेंट को हम येलो कलर से दिखा देते हैं तो मूवमेंट कैसा होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर 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 हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से हवा का हमेशा से मूवमेंट रहेगा इस तरह से हवा का हमेशा मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट होगा ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है अब हम इसी चीज को क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जैसे आपको अभी धरती ऐसे दिख रही है अब हम धरती को इस तरफ से देखने की कोशिश करेंगे कि लैंड में क्या हो रहा है तो जब हम लैंड में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मान लीजिए मान लीजिए कि ये लैंड है ठीक ये लैंड है अब लैंड में क्या होगा मान लें हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जैसे यह है लैंड ठीक है और इसमें यहां पे ये इक्वेटर है जीरो डिग्री है ये नाइन्टी डिग्री है ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया ज्यादा नाइन्टी डिग्री चौड़ा हो गया छोटा हो गया ठीक है कोई नहीं हमको बस एक ही तरफ का चाहिए बेसिकली हमको एक ही तरफ का चाहिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अगर मान लीजिए कि ये इसको हम थर्टी से फोर्टी डिग्री मान लें और इसको हम सिक्सटी डिग्री मान लें ठीक है इसको भी हम थर्टी डिग्री मान लेंगे इसको और सिक्सटी डिग्री मान लेंगे ठीक है अब बात यह है कि सन जो है वो यहाँ पे है है ना मोस्ट ऑफ द टाइम सन जो है वो इक्वेटर पे है तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा लैंड सरफेस होगा तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा गर्म जो है ये लो होगा है ना सबसे ज्यादा गर्म जो है वो इक्वेटर का लैंड होगा जिसके कारण टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा ठीक है जिसके कारण टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा फाइन उसके बाद जब ये चीज गर्म हो जाएगी जब यहाँ का हवा का पार्टिकल्स गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के कारण क्या यह होगा ऊपर की ओर जाएगा है ना मैंने बोला था कि एक्सपैंड करेगा यानी कि देखिएगा हीट होता है तो एक्सपैंड करता है एक्सपैंड करता है तो राइज करता है है ना तो ये सब क्या हो रहे हैं ये सब राइज करेंगे ऊपर की ओर राइज करेंगे क्लियर हो गया यहां तक तो हवा यहाँ राइज कर रहा है और यहाँ हवा के जम जाएगा जिस कारण से यह हाई हो जाएगा क्यों जमेगा बच्चों क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रोपोपॉज आ जाता है यहाँ पे ट्रोपोपॉज के ऊपर हवा नहीं जाती या जहां तक हवा जाती है उसी को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं अब जब यहाँ पे यह हाई हो जाएगा तो इसका इसके पास ये चारा है कि यहाँ चला जाए और दूसरा चारा है कि यहाँ चला जाए है ना दोनों धरती के ये इस तरह से होगा जैसे कि आप समझ लो कि मूवमेंट इस तरह से ऊपर वाला मूवमेंट या तो ऐसे है या तो ऐसे है दो ही इसके पास कंडीशन है लैंड का मूवमेंट नहीं कह रही हूं मैं ऊपर यानी कि ट्रोपोपॉज का मूवमेंट कह रही हूँ तो दो ही कंडीशन है इसके पास या तो ये इधर इधर चला जाए, इधर चला जाए जाए अब जब इधर ये आके जम जाएगा तो इस कारण से ये नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा इस कारण से ये नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा है ना तो जब नीचे की ओर मूव करने लगेगा क्योंकि यहाँ पे आ, आ गया ये अब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो यहां पे भी हाई हो जाएगा और यहां पे भी हाई हो जाएगा यहां पे भी हाई हो जाएगा यहां पे भी हाई हो जाएगा क्लियर है अंडरस्टूड है अब जब यहां पे हाई हो गया तो ये जो है वो इस साइड आएगा क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं जा रहा है जाने के लिए और एक इस साइड आएगा ठीक है तो यहां पे ये हाई से लो जाता है और फिर ये इस साइड जाएगा क्लियर है यहां तक आपको समझ में आ रही है बात क्योंकि इसके पास दो ही डायरेक्शन है ना इधर जाने का या इधर जाने का और हमेशा क्या होता है कि हाई से फिर से मैं इसको ब्लू में बना दू जहां हाई है हाई से हाई से लो की ओर हाई से लो की ओर तो बेसिकली लो जिधर है उसको मैं रेड बना रही हूं हाई से लो की ओर हाई से लो की ओर हाई से लो की ओर यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियर है अंडरस्टूड चलेगा अब क्या करना है अब यहां पे अगर हम पोल की तरफ देखेंगे तो पोल की तरफ क्या है कूल है बहुत ठंडा है कूल होने के कारण क्या होता है कि एयर जो है वो सिंक करता है एयर जो है वो सिंक करता है नीचे की ओर आता है एयर के जितने भी पार्टिकल्स है वो सिंक करते हैं वो नीचे की ओर आते हैं यहां तक समझ में आ रहा है आपको नीचे की ओर आते हैं अब जब ये नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे ये हाई हो जाते हैं ठीक है थेके? ये हाई वाले बेल्ट में बन जाते हैं ये हाई वाले बेल्ट में बन जाते हैं जब ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं तो हाई प्रेशर के पास क्या चारा है कि इधर जाएगा इधर जाएगा है ना तो हवा दोनों साइड से इधर आ रही है जब हवा दोनों साइड से इधर आएगी तो इसके पास और कोई डायरेक्शन नहीं है हवा के पास लेकिन ऊपर जाने का ऊपर जाने का तो ये प्रेशर लो क्यों होता है वो इसीलिए है क्योंकि ये कंपेरेटिवली इसकी टेम्परेचर ज्यादा कम है इसकी कंपेरेटिवली इससे कंपेरिजन में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो इस तरह से ये लो वाले जो हैं अब इनके पास कोई जगह नहीं ऐसे क्लैश करके ऊपर जाने लगेंगे जब ये ऊपर जाएंगे तो फिर से ये यहां आएंगे और फिर से नीचे जाएंगे और जब ये ऊपर जाएंगे तो फिर से यहां आएंगे और फिर से ये नीचे जाएंगे है ना तो ये ऊपर आएंगे ये नीचे जाएंगे और फिर इस तरह से तो अभी बात है कि डायरेक्शन कैसा है ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है ठीक है फिर डायरेक्शन इधर है है ना उसके बाद आप देखिएगा जैसे कि लो से इधर मतलब ये लो है और ये ऊपर जा रहा है और फिर डायरेक्शन जो है वो इधर है और फिर इधर है और फिर इधर है डायरेक्शन ठीक है क्लियर हो रहा है कंसेप्ट यानी कि हाई वाले जो हैं दोनों इधर करके इसको ऊपर भेज रहे हैं और फिर से ऐसा मूवमेंट हो रहा है उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए डायरेक्शन जो है वो इधर है इधर है इधर है और इधर है है ना तो इस तरह से यहाँ पे बेल्ट है इसका नाम है हेडलेसन इसका नाम है फेरलसन और इसका नाम है पोलर सेल फाइन चीज पे भी है हेडलेस सेल फेरल सेल और पोलर सेल तो यही चीज इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कोशिश गई है है ठीक तो यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बात हुई है और यहां पे आप देखिएगा तो वर्टिकल रेडिएशन के बारे में बात हुई है कि जो अमाउंट है वो अबाउट वन मिली बार है फॉर ईच टेन मीटर इंक्रीजे इन एलिवेशन यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे ठीक है ऊपर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाता है यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाँच मिली बार का प्रेशर है और आप जो है वो टेन मीटर ऊपर चले गए हैं तो चार मिली बार हो जाएगा फिर टेन मीटर तो तीन मिली बार हो जाएगा इस तरह से टेन मीटर पे कुछ मिली mm बार के प्रेशर जो हैं वो कम होते रहते हैं एक मिली बार का प्रेशर जो है वो कम होते रहता है होते तो वर्टिकल प्रेशर फोर्स इज मच लार्जर देन द हॉरिजोंटल प्रेशर यानी कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है इसमें जो चेंजेस हैं वो ज्यादा है क्योंकि हर दस मीटर पे चेंज हो रहा है लेकिन हॉरिज़ॉन्टली उतना भी ज्यादा तो मतलब डिस्टेंस पे उतना भी ज्यादा नहीं है लेकिन जनरली जो बैलेंस होता है ठीक है नियरली इक्वल बट ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है बट इट जनरली बैलेंसेज तो जो भी बैलेंस है टेम्परेचर का सर्कुलेशन है वो आपके हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करता है

हवा जो है इस तरह से ये सिंक करने लगती है फाइन तो ये एयर प्रेशर आपको यहाँ पे समझ पाया यही हॉरिजॉन्टल चीज जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है यहां पे। ठीक है यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है एक्सप्लेनेशन तो से हटके अगर हम इसको फिर से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे है ना तो देखिएगा यहाँ पे आप ये इस तरह से समझेंगे कि जो स्मॉल डिफरेंस है

ताकि हम एल्टीट्यूड और प्रेशर ठीक है यानी कि अगर हमको कहीं ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है कहीं ऊंचाई कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हम एक तरह से मेजर कर सकें लो प्रेशर सिस्टम जो है ये ज़्यादा क्लोज है आइसोबार के और लोएस्ट प्रेशर जो है वो सेंटर में है हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो इंक्लोज है एक से अधिक आइसोबार पे और हाईएस्ट प्रेशर जो है वो सेंटर पे यानी कि जैसे ये हमारी ये हाई प्रेशर है और ये लाइन है कि जिसके प्रेशर बराबर हैं ये लाइन है जिसके प्रेशर बराबर हैं ये लाइन है जिसके प्रेशर सारे बराबर हैं यहां तक आपको समझ में आ गया अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल तो इक्वेटर और सी लेवल पे प्रेशर जो है वो कम होता है इसको हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं डिग्री नॉर्थ तीस डिग्री साउथ पे प्रेशर हाई होता है सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है सिक्सटी डिग्री नॉर्थ सिक्सटी डिग्री साउथ पे प्रेशर लो होता है इसको हम सब पोलर लो कहते हैं और पोलर हाईस पे प्रेशर जो है पोल पे ज्यादा होता है तो वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से यहाँ पे फ्लो चल रहा है ठीक है तो बेसिकली एयर इज जो है वो मोशन में मूव करता है और एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है मोशन में उस पर मूव करता है जब हवा मूव करता है उसको हम विंड कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करता है और इस मूवमेंट को हम विंड कहते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि हवा जो है वो हमेशा डायरेक्शनल मूव करता है यानी कि जब ये इधर जा रहा है तो अपने राइट right वर्ड जाएगा जब ये इधर जाएगा तो अपने जब ये इधर जाएगा नीचे जाएगा तो ये अपने राइट right वर्ड जाएगा जब ये इधर जाएगा ऊपर तो ये अपने लेफ्ट वर्ड जाएगा तो फिर ये अपने लेफ्ट वर्ड जाएगा इस मूवमेंट को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं इस मूवमेंट को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो आपका इक्वेटर सरफेस के पास है जो कि तीन फोर्सेस के कारण है यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फोर्स दिख रहा है ग्रेडियंट यानी कि जब प्रेशर का डिफरेंस होगा यानी कि दो में डिफरेंस होगा हाई से लो होगा तभी तो मूवमेंट होगा और फ्रिक्शनल फोर्स है हवा में बीच में फ्रिक्शन आएगा ही और साथ ही साथ कोरियोलिस्ट फोर्स है उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे की ओर खींचता है तो वही आपको प्रेशर ग्रेडियंट बताया गया है कि कहीं पे हाई प्रेशर है कहीं पे लो प्रेशर है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि विंड के स्पीड को डिस्टर्ब करेगा uh, करेगा फोर्स मैंने बताया बताया है कि कि थे जिन्होंने 19, में बताया था कि में था नॉर्दर्न मूवमेंट जो है मूवमेंट जो है विंड का वो हमेशा यहाँ पे नॉर्दर्न uh, हेमेस्फेयर में वो राइट वर्ड होता है राइट right डायरेक्शन में होता है और लेफ्ट वर्ड होता है सदर्न हेमेस्फेयर में ये चीज मैंने आपको समझा दी है राइट right, नॉर्थ लेफ्ट साउथ है ना तो करियोलिस्ट फोर्स जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि जितने हम ऊपर जाएंगे करियोलिस फोर्स और ज्यादा होगा इक्वेटर के पास करियोलिस्ट फोर्स नहीं होता है 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ के पास मैक्सिमम करियोलिस फोर्स होता है ठीक है पोल्स के पास मैक्सिमम है तो यही आपको बताया गया है कि हाई प्रेशर ग्रेडियंट है ठीक है वेलोसिटी जो है हवा की ज्यादा होती है इसको आप समझ गए हैं और प्रेशर जो है लो प्रेशर गेट्स फिल इन ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड ठीक है हाँ तो यही कारण है कि जब हम साइक्लोन्स को समझते हैं साइक्लोन क्या है हवा का ऐसा गोल गोल घूमना ये क्यों घूमता है ये कॉडियोलिस फोर्स के कारण घूमता है यही कारण है कि इक्वेटर पे कोई भी कोई भी कॉडियोलिस फोर्स नहीं है इसलिए इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं बनेगा इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं बनेगा ठीक है तो जो विंड है और वेलोसिटी 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 है uh, velocity, direction velocity है डायरेक्शन हवा की वो क्या होती है टू टू थ्री किलोमीटर अव विंड जनरेटिंग द अपर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो उसके कारण अपर एटमोस्फेरिक प्रेशर यही जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे लो तो है ही लेकिन यहां पे भी तो प्रेशर बन रहा है है ना फ्रिक्शनल so, जो है वो ऑफ द सर्फेस एंड प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कोरियोलिज फोर्स यहां पे होता है फाइन क्लियर है अंडरस्टूड है आइसोबार क्या है यानी कि बराबर में जो प्रेशर्स हैं उसको हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम आइसोबार कहते हैं अगर विंड जो है वो गोल मूव करता है तो उसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं उसके बाद आप देखिएगा कि ये चेंजेस जो है वो अलग अलग है, है में अलग अलग है तो हेमस्फेयर में अलग 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 डिरेक्शन में है ना तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे आप इस चीज को समझेंगे कि जो जनरल साइकुलेशन सर्कुलेशन है एटमोस्फेयर का जो जनरल सर्कुलेशन है एटमोस्फेयर का लैटिट्यूड वेरिएशन ऑफ हीटिंग है ना यानी कि कहीं पे यहाँ पे ज्यादा गर्म है कहीं यहाँ ज्यादा ठंडा है यहाँ गर्म है यहाँ ज्यादा ठंडा है और इसके बाद देखिएगा अलग अलग बेल्ट हैं प्रेशर बेल्ट है हाई प्रेशर बेल्ट है लो प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट जो मैंने आपको समझा दिया है और कॉन्टिनेंट और ओशन में इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है साथ ही साथ ये अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है है ना तो ये सारे जनरल सर्कुलेशन है जिसके बारे में आपको बताया गया है अब बात क्या आता है कि जब आपने प्रेशर बेल्ट को समझा तो आपने इसको इस तरह से समझा कि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे हाई है ठीक तो है, है तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है सब पोलर है तो बेसिकली ये लो है ये हाई है ये लो है ये हाई है ये, है ये लो है ये हाई है ये लो है ये हाई है है ना तो हवा जो है वो हमेशा हाई टू लो होगी 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 तो फोर्स के कारण इसमें मूवमेंट है जैसे ये अपने लेफ्ट वर्ट जाएगा या अपने राइट right वर्ट जाएगा तो यहाँ पे दोनों हवा आकर मिल रही है क्योंकि ये दो ट्रॉपिक के बीच में मिल रही है जैसे ये 30 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है ये 30 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के, के आसपास है तो ये क्या कर रही है दो ट्रॉपिक के बीच में आकर मिल रही है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि दोनों आकर मिल रही है कन्वर्ज कर रही है कन्वर्जेंस जोन बना रही है आई टी सी जेड इसको ये बना रही क्लियर हो गया तो यही आई टी सी जेड है जहां पे मैंने आपको हेडलेस सेल फेरल सेल और पोलर सेल समझा दिया है है ना ये ये पूरा डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है जिस डायरेक्शन से हवा जाती है जैसे अगर ऐसे हवा आएगी तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट है तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे यहां से जाएगी तो इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे ठीक है जिस डायरेक्शन से हवा जाती है उसके ओरिजिन पे ही उसका नाम लिखा जाता है राइट right? उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर आगे जाके आप एलिनो पढ़ेंगे तो एलिनो के बारे में क्या है कि जब पैसिफिक ओशन से साउथ अमेरिकन कोस्ट पैसिफिक ओशन बहुत ज्यादा गर्म होता है तो गर्म जो है इसीलिए गर्म होना जरूरी है क्योंकि जो वार्म वाटर है वही तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी और जब वार्म वाटर लो प्रेशर क्रिएट करेगी तभी तो हाई प्रेशर जो है वहां से विंड लो प्रेशर के पास आएगा और वही हवा अगर समुद्र को क्रॉस करके आ रहा है तो अपने साथ बादल लेके आएगा और बादल के कारण बारिश होगी और यहां पे बताया जा रहा है कि जो वार्म वाटर है सेंट्रल पैसिफिक का वो धीरे धीरे किधर जाता है तो वो साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ जाता है और ये पेरूवियन करंट को रिप्लेस कर देता है ठीक है पेरूवियन करंट को रिप्लेस कर देता है और जो अपियरेंस है वार्म वाटर का जो अपियरेंस है वार्म वाटर का पेरू के पास उसी को हम एलिनो कहते हैं तो यानी बात यही है कि जैसे ये भारत है और भारत के पास लो प्रेशर था लेकिन अचानक से अगर पेरू के पास लो प्रेशर आ जाएगा तो यहाँ जो हाई प्रेशर है वो पेरू के पास चला जाता है जिस कारण से भारत में जिस कारण से भारत में बारिश कम होती है और अगर ये सदन ऑसिलेशन यानी कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जिस कारण से ये होता है तो इसको हम एल नीनो सदन ऑसिलेशन कहते हैं हम एलिनो सदन ऑसिलेशन कहते हैं तो इसके कारण द एरेड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जहां पे बारिश नहीं होती थी साउथ अमेरिका के पास वहां पे बारिश होती है और हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया में चाइना में बारिश कम होती है क्योंकि हाई प्रेशर से जब विंड जो है लो प्रेशर की ओर जाएगा तो उसके पास अगर एक से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे लो प्रेशर के या जो ज्यादा लो प्रेशर रहेगा जैसे मान लीजिए कि अगर हंड्रेड एम है मिली बार है और कहीं पे दस मिली बार है और कहीं पे जो है वो पचास मिली बार है तो ये इसमें पचास का डिफरेंस है इसमें नब्बे का डिफरेंस है तो हवा इधर की ओर जाएगा है ना और ये हवा जो अपने साथ बादल लेके जाता है जिसके कारण हमारे देश में बार, बारिश कम होती है तो ये तो पूरा प्लानिटरी विंड सिस्टम आपने समझा लोकल विंड सिस्टम भी होता है आपके देश में जैसे बह रहा है तो उसके वो अलग अलग लोकल विंड सिस्टम है सी और लैंड ब्रिज आपको हमने समझा दिया है पिछले ही क्लास में ठीक है तो सी और लैंड ब्रिज यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन ब्रिज और इसको आप समझेंगे तो माउंटेन रिजन में क्या होता है कि दिन के समय जो स्लोप है इनके ये बहुत गर्म हो जाते हैं ये स्लोप गर्म हो जाते हैं और है एयर जो है वो हीट होता है और एयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है जिसके कारण क्या होगा अपवर्ड मूवमेंट करेगा ठीक है तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो जो गैप है इसको फिल करने के लिए वैली से यानी कि घाटी से जैसे मान लो कि अगर पहाड़ ज्यादा गर्म है और यहाँ पे हवा जो है गर्म होने के कारण ऊपर जा रहा है तो घाटी से ठंडी हवा आएगी इसको हम वैली ब्रीज कहते हैं और रात के समय क्या होता है रात के समय यह होता है कि जो आपका एयर है वो ठंडा होने के कारण ये स्लोप नीचे आएगा और फिर ये वैली के पास जाएगा इसलिए पहाड़ों में रात में बहुत ठंडी लगती है इस तरह के विंड के मूवमेंट को हम कैटाबैटिक मूवमेंट कहते हैं इस तरह के विंड के मूवमेंट को हम कैटाबैटिक मूवमेंट कहते हैं ठीक है तो बात वही है कि हवा जब भी ठंडी होगी ऊपर जाएगी उसके आसपास की हवा जो है उसको भरने के लिए आएगी और हवा जब भी गर्म होगी तो वो नीचे की ओर जाएगी और वो अपने आसपास ऐसे छतराने लगेगी हवा जब भी गर्म होगी वह ऊपर की ओर जाएगी हवा गर्म होगी तो ऊपर की ओर जाएगी और आसपास की ठंडी हवा उसको भरने के लिए आएगी और हवा जब भी ठंडी होगी तो वो नीचे की ओर जाएगी और वो अपने आसपास जाएगी हवा को मतलब बाकी एरिया के तक हवा पहुंचाने के लिए

टली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट इन आर्टिक एंडिकी जो है सी टी है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है एम पी है कॉन्टिनेंटल पोलर है और फिर कॉन्टिनेंटल आर्टिक है यहाँ तक आपको समझ में आ गई है ना फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जब दो तरह का हवा आकर मिल रहा है आपस में कोई वार्म एयर आके मिल रहा है कोल्ड एयर से देखिए वार्म एयर इधर से कोल्ड एयर इधर से तो उसको वार्म फ्रंट बोलेंगे वार्म एयर और कोल्ड एयर यानी कि कोल्ड एयर मूव कर रहा है जैसे जो मूव करेगा मान लीजिए कोल्ड एयर यहाँ पे स्टैटिक है और वार्म एयर इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये वार्म फ्रंट बनेगा वार्म एयर स्टैटिक है कोल्ड एयर मूव कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट बनेगा और फिर आपको समझ आएगा कि दोनों अगर नॉर्मल है तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट जब मिल जाता है तो इसको हम एक्यूलेटेड एक्यूलेटेड फ्रंट बोलते हैं तो हवा जो है वो चार प्रकार की है कोल्ड फ्रंट जो है वो चार प्रकार का है कोल्ड वार्म स्टेशनरी और एक्टेड तो स्टेशनरी uh, में क्या होता है कि दोनों ही रुके हुए हैं जैसे वार्म अगर रुका हुआ है कोल्ड इधर जा रहा है कोल्ड फ्रंट बना कोल्ड रुका हुआ है वार्म इधर जा रहा है वार्म फ्रंट बना कोल्ड और वार्म दोनों रुके हुए हैं स्टेशनरी बना कोल्ड और वार्म दोनों इधर इधर जा रहे हैं तो ये ऑक्यूलेटेड फ्रंट बना ठीक है ये ऑक्यूलेटेड फ्रंट बना

कि बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है यानी कि अगर घड़ी की तरह घूम रहा है तो इस तरह से है और उल्टा घूम रहा है तो इस तरह से है तो इस दो तरह के यहाँ पे सर्कुलेशन आपको बताए गए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखो बात बात बहुत सिंपल सा है बात यही है कि अगर यहाँ पे गर्मी जैसे ये इंडिया है यहाँ पे लो प्रेशर है और हवा इसको भरने के लिए जा रहा है कुरियोलिज तो के कारण ये इस तरह का मूवमेंट करने लगेगा कुरियोलिज तो के कारण इस तरह का मूवमेंट करने लगेगा तो जो वायलेंट ब्रिड स्ट्रोम हैं ये ओशन में आते हैं ट्रॉपिकल एरिया में और मूव करते हैं कोस्टल एरिया में और बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन लाते हैं बहुत ज्यादा बारिश लाते हैं आंधी तूफान लाते हैं इसको हम साइक्लोन कहते हैं इंडियन ओशन में हुन कहते हैं अटलांटिक में टाइफून कहते हैं पैसिफिक में और यहाँ पे हम क्या कहते हैं विली विली कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हम्म ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल ओशन में इंटेंसिफाई हो जाते हैं क्या क्या हमको फेवरेबल कंडीशन चाहिए साइक्लोन के लिए तो लार्ज सी सरफेस चाहिए ठीक है टेम्परेचर जो है इसका सत्ताईस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ कॉडलिस फोर्स चाहिए स्मॉल वेरिएशन चाहिए यानी कि ऊपर में वर्टिकल विंड हो स्मॉल वेरिएशन हो वे। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया चाहिए लो लेवल ऑफ साइक्लोनिक लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन चाहिए अपर डाइवर्जेंस चाहिए हम अगर में देखेंगे जनरली हम, तो uh, तो uh, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में साइक्लोन आते हैं ये साइक्लोन के बारे में आपको बताया गया है कि जो बीच वाला पोर्शन है ना ये साइक्लोन के बीच वाला इसको हम आई कहते हैं ठीक है तो साइक्लोन के बीच वाला आई कहते हैं जो कि द डायमीटर ऑफ द सर्क जो पूरा साइक्लोन है साइक्लोन सिस्टम ये डेढ़ सौ से ढाई सौ हो सकता है और आई जो है वो शांत एरिया है क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है और इसके लो प्रेशर में आसपास में इस तरह से लो uh, मतलब हवा जो है वो घूमता है और उस कारण से यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है टोर्नाडो देखो टोर्नाडो जो है थंडर स्टोन है टोर्नाडो है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है ये बहुत ज्यादा वायलेंट होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो ये एक टोर्नाडो है तो बेसिकली हवा के लो प्रेशर हाई प्रेशर जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसके कारण वेरियस फेनोमेना हो रहा है जो कि हमने चैप्टर नंबर टेन में समझा अब हम बढ़ेंगे चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर की ओर हेलो एवरीवन तो आ, देखो 11 जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अब हम ओशनोग्राफी में जाने वाले हैं इसलिए अब हम वॉटर की बात करेंगे ठीक है तो वॉटर जो है वो अपने एटमोसफेयर में तीनों फॉर्म में है गैसेज में भी है सॉलिड है और लिक्विड है ठीक है तो जो मॉइस्चर अपने एटमोसफेयर uh, में है जो नमी आपको लगता है वो कहाँ से आता है पानी से आता है ठीक है तो वो पानी से कैसे आता है इवेपोरेशन के थ्रू आता है या प्लांट से प्लांट से ट्रांसपरेशन uh, होता है या प्लांट जो पानी uh, का लॉस करता है लॉस ऑफ वाटर करता है वो पानी भी अपने एटमोसफेयर में आ जाता है यानी कि ये जो कंडीशन है ये पानी का एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर में पानी का एक्सचेंज है बारिश के कारण पानी प्लांट्स में जाती है और प्लांट्स जो है वो वापस से ट्रांसपरेशन करके एटमोसफेयर को पानी देता है है ना तो एटमॉस्फेयर, ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो पानी का एक्सचेंज है इवेपोडेशन ट्रांसपरेशन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन से इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो अगर इसको इस तरह से समझा जाए यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा तो बात यही है कि जितने भी ओशन है यानी जितने भी जल निकाय हैं उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज की रोशनी पड़ने से ये गर्म हो जाते हैं ऊपर की ओर जाते हैं और वेपर बन ये क्या होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं है ना वेपर बन के ये इेट हो जाते हैं तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि बेसिकली पानी जो है वो गर्म होने के कारण वेपराइज हो जाता है ये वेपर जो है वो आकर जमा हो जाते हैं ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं और जब ये कंडेंसेशन हो जाता है क्लाउड बन जाते हैं तो वापस से बरसात हो जाता है और जब नीचे गिरता है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं जब ये नीचे गिरते हैं ठीक है उसी बीच में जब प्लांट जो है वो ट्रांसपेरेशन यानी कि ऐसे पत्ते पत्तों से पानी निकलता है तो वो भी आपके इवेपोरेशन के साथ साथ हवा में नमी बन जाते हैं और वापस से कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन होते हैं तो ये तीन चार प्रोसेस हैं जो कि वाटर साइकिल बनाते हैं तो वाटर वेपर जो है ये हवा में मिलती है वाटर वेपर यानी कि हवा भाप के फॉर्म में है ना भाप के फॉर्म में ये मिलती है और जैसे जैसे वाटर वेपर बढ़ता है हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे वाटर वेपर बढ़ता है हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है ये क्वान्टिटेटिवली डिफरेंट फॉर्म की है ठीक है ये पॉइंट क्वॉंटिटिटी की बात की जाए तो ये अलग अलग फॉर्म की है और जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का ये एटमोस्फेयर में जो प्रेजेंट है तो अगर जो एक्चुअल अमाउंट को हम देखेंगे जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम एप्सल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं एब्सिल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं तो जो इट इज द वेट वेट ऑफ ऑफ इट इज वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर ले मान लो जो यहां से काट के यहां तक ऐसा हम ले लें ठीक है एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर या एक मीटर एक मीटर एक मीटर उसमें जो हवा में जितनी भी नमी है उस नमी को हम यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर कहते हैं इसी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं ये एक्सप्रेस होता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर में ठीक है तो यानी कि वन क्यूबिक मीटर में वन क्यूबिक मीटर में जितने भी ग्राम वाटर वेपर के हैं इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह रहे हैं तो एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर तो हवा के पास जो एबिलिटी होता है पानी के भाप को रोकने के लिए वाटर वेपर को रोकने के लिए ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्लियर है राइट तो बेसिकली वाटर इन एटमोस्फेयर जो परसेंटेज है मॉइस्चर का प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एज कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर ठीक है एक गिवन टेम्परेचर पे हवा का जो कैपेसिटी है कि हवा कितना मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकता है कितना मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है कितने मॉइस्चर को मतलब अपने में मतलब बसा सकता है उसको ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं है ना तो एयर कंटेनिंग मॉइस्चर विथ इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेट टू बी सैचुरेटेड मान लीजिए कि अगर एक गिवन टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हवा का एक क्यूबिक क्यूबिक मीटर जो है वो 25 ग्राम वाटर के वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम यानी आप उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता है है ना तो ये क्या हो गया ये सैचुरेटेड हो गया जब ये फुल कैपेसिटी पे इसको होल्ड कर लेता है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू द फुल कैपेसिटी इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब इसको समझेंगे इस तरह से तो जैसे मान लीजिए कि ये हवा है ये जो व्हाइट मॉलिक्यूल्स है ना ये हवा के हैं ठीक है ठीके? अब बीच में स्पेस है तो बीच में जब स्पेस रहेगा तो क्या होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स भी इसमें बस सकेंगे ठीक है तो पानी के भी मॉलिक्यूल्स इसमें बस सकेंगे अब जितना बस पा रहे हैं मान लीजिए ये मैक्सिमम है इससे ज्यादा आप नहीं बस सकते हैं, तो इसको सैचुरेटेड कहेंगे यानी कि सैचुरेट हो चुका है अब इससे ज्यादा बस ही नहीं सकता है लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना मैक्सिमम हो सकता था लेकिन एक्चुअली है कितना अगर ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली है, है कितना तो एक्चुअली बस इतना है ठीक है तो इसको हम रिलेटिव इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे अगर बस इतना ही है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि जितना हो सकता था उसका फुल कैपेसिटी फुल कैपेसिटी इतना था लेकिन फुल कैपेसिटी जितना नहीं फुल कैपेसिटी जितना है नहीं एक कंपैरेटिवली जो ये होल्ड किया हुआ है जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो प्रेजेंट सिनेरियो इतना है इतना तक ये होल्ड कर सकता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो एयर का जो कंडीशन कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी सैचुरेटेड हो जाएगा और इसका मतलब है कि हवा जो है वो गिवन टेंपरेचर पे अब इससे ज्यादा और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकता है ठीक है तो टेम्परेचर एट विच दैचुरेशन ऑकर्स इसको हम क्या कहते हैं इसको ड्यू पॉइंट कहते हैं यानी कि अब अगर और हवा को होल्ड किया हवा जो है वो और वेपर को होल्ड किया तो वो ड्यू में यानी कि पानी के पानी के कंड में बन, चेंज हो जाएगा तो वो टेम्परेचर जहां पे सैचुरेशन आ जाता है यानी कि मान लीजिए कि ये जो सैचुरेशन वाला पॉइंट है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ गया होगा तो वो टेम्परेचर को ही हम ड्यू पॉइंट कहते हैं ड्यू पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाए तो वो उस एयर का क्या हो जाएगा ड्यू पॉइंट हो जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सैचुरेशन का जो एक्सटेंट है वो बढ़ते जाएगा यानी वो और हवा के मॉलिक्यूल्स को एब्सार्व कर पाएगा लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर ड्यू पॉइंट आ जाए जहां पे सैचुरेशन आ जाए उसको हम ड्यू पॉइंट कहेंगे ठीक है तो ये इवेपोरेशन है जो कि ऐसे एटमोसफेयर में जाएगा बादल बनेगा और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इवेपोरेशन है जो जाएगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है लिक्विड से गैस में चेंज होना हीट जो है वो मेन कारण है इवेपोरेशन का टेम्परेचर जहां पे पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है इसको हम क्या कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वैपोराइजेशन कहते हैं जहां पे पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है क्यों लैटेंट कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर पानी है ठीक है पानी का ये वाटर बॉडी है लैटेंट का मतलब छुपा हुआ ठीक है तो वाटर बॉडी है अगर मान लीजिए कि ये किसी टेम्परेचर पे पचास डिग्री सेल्सियस पे इसको हम गर्म किए गर्म किए गर्म करते करते सौ डिग्री सेल्सियस पे गया ठीक है तो यहां पे आपको टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है जैसे जैसे आप हीट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, है लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे हीट जो है वो लैटेंट हो जाएगा यानी हीट जो है वो छुपा हुआ हीट हो जाएगा यानी अब अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये एयर एयर में चेंज होना शुरू होगा ठीक है यानी कि ये वेपर में चेंज होना शुरू होगा तो अभी भी टेम्परेचर आप हीट तो देते जा रहे हैं लेकिन वो हीट छुपते जा रहा है क्यों क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है आपके थर्मोमीटर में क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है अभी भी ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे ही है यानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे तब तक रहेगा जब तक सारा पानी जो है वो इवेपोरेट ना कर जाए तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराजेशन कहते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वाटर का एब्जॉर्बशन वैसे वैसे इंक्रीज करता है ठीक है और रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पानी होल्ड करने का मॉइस्चर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो भी क्या होता है वो भी बढ़ते जाता है ठीक है तो मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस यानी कि जैसे मूवमेंट होता है तो ये सैचुरेटेड लेयर और अनसैचुरेटेड लेयर को रिप्लेस करता है यानी कि जैसे मूवमेंट हवा जैसे बढ़ते जाएगा तो जो सैचुरेशन पॉइंट आएगा उसको हटा के फिर अन पॉइंट आता जाएगा जैसे कि हवा और इवेपोरेशन को कैरी कर सकता है और फिर इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो आप हमेशा सुनते होंगे कि मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए यानी कि जैसे मान लीजिएगा अगर तो इसका बहुत आराम से एग्जांपल क्या है कि टेबल पे पानी गिरा दो ठीक है टेबल पे ऐसे पानी छितरा दो तो पानी पहले था बहुत देर बाद आओगे तो पानी उड़ चुका रहेगा क्यों अगर टेम्परेचर है और हवा बह रहा है तो एक हवा आया तो वो सैचुरेटेड हवा जो है वो पानी ले गया फिर दूसरा लेयर आया फिर तीसरा लेयर आया तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होता है तो सिर्फ हीट और टेम्परेचर के कारण ही इवेपोरेशन नहीं होता है मूवमेंट ऑफ एयर हवा अच्छी चलेगी तो अगर सूखी हवा चल रही है तो उसमें भी ऐसे इवेपोरेशन होगा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो है वो वापस से वाटर में फॉर्म हो जाए ठीक है वाटर वेपर जो है वाटर में फॉर्म हो जाए जैसे कि बादल बनना कहते हैं तो कंडेंसेशन जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि वाटर है वाटर वेपर है और वो जैसे ऊपर जाते रहा जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहा इस तरह से वाटर फ्लो करेगा ऊपर एयर जो है वेपर फ्लो करेगा ऊपर की ओर तो वेपर जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा वेपर ऊपर जाते जाएगा यहाँ पे आके ये क्या होगा यहाँ पे आके ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगा ठीक है क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगा क्लाउड में क्या है पानी बहुत ज्यादा है क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों होगा क्योंकि आपके पास आपको पता है कि भाई मेरे पास ना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर है जैसे जैसे ऊपर जाता है आपने जाना है कि वन मीटर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस गिर जाता है या फिर अगर आप जानोगे तो सिक्स डिग्री सेल्सियस गिर जाता है पर किलोमीटर जाने पर है ना तो बेसिकली जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर घटते जाएगा घटते जाएगा अब एक जैसे टेम्परेचर घटेगा तो मान लो कि वापस से जीरो डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो अब क्या होगा अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा किस फॉर्म में वाटर के फॉर्म में तो जब ये कंडेंस हो जाएगा यानी कि वाटर वेपर जो है वो वॉटर के फॉर्म में जब कंडेंस हो जाएगा तो इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं है ना तो फ्री एयर जो है कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो अभी कंडेंसेशन के लिए यानी कि जो कंडेंसेशन होता है जो पूरा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही कहीं पर भी नहीं होगा वो किसी ना किसी पार्टिकल के अराउंड होगा

का, मतलब मतलबरेचर uh, इतना आ चुका है कि अब इससे होल्ड नहीं कर सकता है ठीक है तो उस हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया हो सकता है, है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया का मतलब कोई कंड ठीक है तो को, कोई भी कंड के आसपास वो जाके सराउंड हो गया ठीक है या फिर किसी बहुत ठंडे जगह पे आके वो सराउंड हो गया जहां पे वो अपना हीट रिलीज कर दे तो हीट जैसे रिलीज होगा ना

द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूज जब वॉल्यूम भी कम हो जाए और टेम्परेचर भी कम हो जाए तो कंड होता है ठीक है वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि एयर के एयर के इतना बड़ा इसका वॉल्यूम है और वो पानी में बदलेगा तो इतना ही बचेगा है ना तो तब उसको कंडेंसेशन कहते हैं यहां तक आपको समझ में आ गई बात ठीक है तो ये आपका रिड्यूज हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा तो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है ये ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, है ना विथ इट्स वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो उसी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जब ये ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा और जब मॉइस्चर जो है वो एड हो जाएगा इसमें इवेपोरेशन के थ्रू तो ये बहुत अच्छा कंडीशन है ठीक है मॉइस्चर एड हो रहा है थ्रू इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन हाउ एवर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन ये जो है एयर के टेम्परेचर घटते जाएगा तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है

वो लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट से यानी फ्रीजिंग पॉइंट अगर मान लीजिए जीरो डिग्री सेल्सियस है और ड्यू पॉइंट जो है वो लोअर uh, है यानी कि ये माइनस वन डिग्री सेल्सियस है कंडेंसेशन टेक्स कंडस वन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वन डिग्री सेल्सियस पे बन सकता है तो ये अब इस चीज पर डिपेंड करता है तो पहले हम देखेंगे ड्यू ड्यू का मतलब क्या होता है ये आपको ड्यू दिख रहा है है ना ड्यू यानी कि ओस उसका पड़ेगा जब भी मॉइस्चर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं कोल्डर कोल्डर सरफेस सरफेस पे yes, पे ये सॉलिड वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं रादर देन न्यूक्लियाई इन द एयर अवॉफ द सर्फेस ठीक है तो बेसिकली क्या होगा कि धरती पे ही कोई ठंडा जगह होगा जैसे मान लो पत्ता है पत्ता पे वाटर वेपर जाके जमा हो जाए और फिर ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाए या फिर वो स्टोन पे रह सकता है घास में तुम लोग देखते हो कि सुबह सुबह उठे और ओस पड़ा हुआ है यानी कि हर चीज भींगा, भींगा सा है तो वो बेसिकली क्या है कि हवा ने बहुत ज्यादा मॉइस्चर वो पूरे टाइम में लिया हुआ था जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर लिया हुआ था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको एक ऐसा जगह मिला जहां पे वो बुरा मॉइस्चर लिया हुआ था मॉइस्चर ले रहा है मॉइस्चर ले रहा है एक जगह वो सैचुरेशन में पहुंच गया यानी कि अब इससे ज्यादा ये मॉइस्चर नहीं ले सकता है और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे वो कोल्ड जगह में जाके सेट हो गया कोई कोल्ड सर्फेस पे सेट हो गया कोई पत्थर हो गया कोई कुर्सी टेबल कहीं पर भी और वहां हवा जो है वो ड्यू पॉइंट पहुंच गया यानी कि अब वो ड्यू बन गया तो आइडियल कंडीशन क्या है कि जब स्काई क्लियर होता है हवा शांत होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा जितना उसका कैपेसिटी है तो उस हिसाब से उसने ज्यादा ह्यूमिडिटी कैरी किया हुआ है है ना और रातें लंबीया है ठीक है रातें लंबीया है यहां पे

जब भी जो इस तरह के जो वाटर के वेपर होते हैं वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए जीरो पॉइंट जीरो डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट है और वन डिग्री माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे ठीक है तो वहां पे फ्रोस्ट फॉर्मेशन होता है फ्रोस्ट फॉर्मेशन जो है वो कोल्ड सर्फेस पे होता है जब कंडेंसेशन होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फिलो फ्रीजिंग uh, पॉइंट के भी कम टेम्परेचर पे जब कंडेंसेशन होता है तो उसको हम फ्रोस्ट का फॉर्मेशन कहते हैं तो बेसिकली फ्रोस्ट जो है वो यहां पे दैट इज ड्यू पॉइंट इज एट एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ड्यू पॉइंट जो है उसका क्या है तो जब देखो ड्यू पॉइंट को आप इस तरह से समझो ड्यू पॉइंट क्या है ड्यू पॉइंट सब में रहेगा यानी कि जब हवा जो है वो सैचुरेटेड हो गया है ठीक है जहां पे हवा सेचुरेट हो गया है अब इससे ज्यादा ये पानी को कैरी नहीं कर सकता है उसमें जो टेम्परेचर है उसी को हम ड्यू पॉइंट बोलेंगे ठीक है अगर ड्यू पॉइंट इसका टेम्परेचर जो है मान लीजिए कि माइनस वन डिग्री सेल्सियस है या फिर भी ये वन डिग्री सेल्सियस पे भी ड्यू पॉइंट हो सकता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस से अगर ये ज्यादा होगा तो ड्यू बनेगा है ना और जीरो डिग्री सेल्सियस अगर ये कम होगा तो ये फ्रॉस्ट बन जाएगा ठीक है तो एक्सेस मॉइस्चर जो है वो माइन्यूट आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम इसका ड्यू पॉइंट है तो वहां पे पहुंचने पहुंचने तक इसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे जो कि आइस क्रिस्टल के होंगे है ना और जिसको एक कंडीशन यहाँ पे क्या चाहिए तो कंडीशन यही चाहिए कि जो फॉर्मेशन है व्हाइट फ्रॉस्ट का ये सेम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू प्रोस्ट और फॉर ड्यू का फॉर्मेशन सेम है एक्सेप्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो और एट द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो हवा का टेम्परेचर है या तो वो कम हो माइनस है ना या तो वो कम हो या फिर उतना ही हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ड्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं हम ड्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं और अगर ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या बनता है इस कंडीशन में ड्यू बनता है और अगर ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है फ्रीजिंग पॉइंट से कम है ठीक है तो इस कंडीशन में फ्रॉस्ट बनता है बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया आपको तो ये फ्रोस्ट है यानी कि आइस के माइन्यूट क्रिस्टल्स बन रहे हैं

है ना? और आसपास क्या है डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वहीं पे धुआं धुआं कुहाड़ा जैसा देखने लगता है तो फॉग जो है वो क्या है इज अ क्लाउड है और ये विथ इट्स बेस और एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के बहुत पास इसका बेस है बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट इसका विजिबिलिटी जो है आप गाड़ी वाड़ी में देखेंगे बहुत कम हो जाता है यानी दूर दराज पे हम नहीं देख पाते हैं ठीक है जनरली हॉरर मूवी में आपको बहुत ज्यादा पुहाड़ा दिखेगा पुहारा दिखेगा है ना तो अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में या सेंटर्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियाई ज्यादा है न्यूक्लियाई बोले तो यहाँ पे डस्ट ज्यादा है है ना डस्ट ज्यादा यानी कि कोई भी कण ज्यादा है तो इसके कारण ये यहाँ पे ज्यादा होता है और ये जो है ये स्मोक के साथ जब मिल जाता है तो उसको हम स्मोक कहते हैं जब फो फॉग और आ, स्मोक मिल जाता है तो इसको हम स्मोक कहते हैं यहाँ पे आपको इस तरह के जो नजारे देखते हैं वही हो गया फॉग या मिस्ट ठीक है तो ये चीज फॉग या मिस्ट हो गया दो ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट ये है कि मिस्ट जो है इसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है फॉग से ठीक है तो मिस्ट में यानी कि धुंध में ज्यादा मॉइस्चर होता है और मिस्ट जो है ईच न्यूक्लियाई लेर ईच न्यूक्लियाई अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर ठीक है तो न्यूक्लियाई लेयर जो है वो ज्यादा मोटा परत ऑफ मॉइस्चर इसको होल्ड करती है Mist जो है ये बहुत फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स तो पहाड़ों पे ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है एज द राइजिंग वार्म वाटर ठीक है तो मिस्ट जो है ये पहाड़ों पे बहुत फ्रीक्वेंट होता है और जैसे जैसे गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर जाता है यहाँ पे ये कोल्ड सरफेस पे मीट कर जाता है ठीक है फॉग जो है वो ड्रायर होता है मिस्ट जो है यहाँ पे वार्म वेयर वार्म करेंट ऑफ एयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड करंट ठीक है तो वार्म करंट जब है कोल्ड करंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो हम जनरली वहां पे देखते हैं कि वहां पे भी आपका मिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है मिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और फॉग जो है यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स बन सकते हैं और कंडेंसेशन हो जाता है जहां पे डस्ट स्मोक और सॉल्ट के पार्टिकल्स है अब क्लाउड में भी टाइप्स ऑफ क्लाउड है यानी कि क्लाउड के भी विभिन्न प्रकार है क्लाउड क्या होता है जब हवा ऊपर की ओर गया और हवा में ऊपर में कंडेंसेशन हो गया ठीक है ऊपर में कंडेंसेशन हो गया छोटे तो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ठंडे हो जाते हैं कंडेंस 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 कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं है ना और ये कंसिडरेबल एलिवेशन पे यानी कि एक धरती से एक प्रॉपर ऊंचाई पे ये चीज होता है एज द क्लाउड आर फॉर्म एट द सेम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है क्लाउड जो है वो सेम हाइट पे फॉर्म होता है सर्फेस ऑफ द अर्थ टेक वेरियस यहाँ पे अलग अलग शेप्स बनते जाते हैं अगर हम उसकी हाइट के और डेंसिटी और एक्सपेंशन ट्रांसपेरेंसी और शेप पे बात करेंगे तो हमको सीरस कोलम्बस ठीक है क्यूमुलस और स्ट्राटस और निम्बस जैसे चार क्लाउड दिखते हैं ठीक है तो ये हो गया सीरस ठीक है उसके बाद आपको स्ट्राटस दिख रहे हैं क्यूमुलस दिख रहे हैं

होते हैं और ऐसे फैले हुए होते हैं के फॉर्म में। जो है, ये वूल जैसा है ना कॉटन है, है वूल जैसा है ठीक है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चार हजार से सात हजार मीटर ऊपर होते हैं धरती से यानी बहुत ऊंचर नहीं होते थोड़े से, से नीचे होते हैं और ये पैचेज में यानी कि ये भी ऐसे फैले फैले जैसे देखेंगे अलग अलग जगह पैचेस में फैले फैले देखेंगे स्ट्राटस जो है जैसा इनका नाम है कि ये अलग अलग स्ट्राटा मतलब क्या होता है अलग अलग लेयर में ठीक है तो लेयर में ये कवर करते हैं और ये क्लाउड जो है ये आपका हीट के लॉस के कारण या फिर दो अलग अलग एक गर्म और एक ठंडे एयर मास जब मिक्स हो जाते हैं तो ये स्ट्राटस बनते हैं निम्बस जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं और ग्रे कलर के होते हैं ठीक है और ये मिडिल या नियर द अर्थ सर्फिस के पास होते हैं ये बहुत ज्यादा डेंस और ओपेक होते हैं और सन रेज पे नहीं पहुंच पाते हैं तो क्लाउड्स जो है इसमें आप देखिएगा निम्बस जो है जनरली शेपलेस भी होते हैं ठीक है और बहुत थिक होते हैं तो बेसिकली आपने अब हम क्लाउड जो है ना उसको मिक्स करके भी बनाते हैं यानी कि मिक्स कैसे चारों टाइप आपने समझ लिया अब इसके कॉम्बिनेशन भी बनते हैं जैसे कि सिरस का बन गया सिरोस्ट्राटस सिरोम्बस मिडिल क्लाउड में हो गया एल्टो स्ट्राटस या एल्टो तो क्यूमुलस फिर लो क्लाउड यानी कि जो धरती के ज़्यादा पास होगा और निम्बो स्ट्राटस ठीक है तो इस तरह से ये क्लाउड जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे धरती से ऊंचाई बढ़ती जाती है उस तरह से बनते हैं और यहाँ पे क्यूमुलस और क्यूम्लोनिम्बस क्यूम्लोनिम्बस सबसे ज्यादा करीब होता है धरती के फाइन तो यहाँ तक आपको समझ आ गया अब प्रेसिपिटेशन जो है वो बेसिकली यही होता है कि बादल का फॉर्मेशन हुआ अब उससे आ, या तो बारिश हो रहा है या फिर और भी प्रकार के ओस मिस्ट फॉग ये सब चीजें आपने यहाँ पे समझी तो अब जो है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कंडेंसेशन यानी कि पानी जैसे जैसे कंडेंस condens, होते जाएगा हवा कंडेंस होते जाएगा और विद विध द रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एयर फेल्स टू होल्ड दम यानी कि हवा का रेजिस्टेंस उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना यानी हवा जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जा रहा है तो दे फॉल ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि ऊपर की ओर गया और उसके बाद फिर भारी हो गया और फिर धरती पे ये अलग अलग कोहरे के फॉर्म में धूं के फॉर्म में इस तरह से गिरा

मॉइस्चर ये हेक्सागोनल क्रिस्टल शेप में होता है हेक्सागोनल शेप यानी कि इस तरह का जो छह कोने वाला शेप होता है ठीक है तो हेक्सा हेक्सागोनल क्रिस्टल शेप में होता है और ये क्रिस्टल जो है ये फ्लेक ऑफ स्नो भी हो सकते हैं तो रेन और स्नो के अलावा जो बाकी जो प्रेसिपिटेशन होते हैं आर सिल्ट स्लेट एंड हेल होते हैं ठीक है ठीके? तो अभी सबको समझेंगे पहले आप पिक्चर एक देख लीजिए यहां पे हां आप समझ रहे हैं कि जैसे ये रेन हो गया अगर ये बर्फ के ऐसे टुकड़े गिरे ये स्नो हो गया स्लीट हो गया और हेल भी यहाँ पे जो ओले पड़ने होते हैं उसको हेल कहते हैं ठीक है तो ओले जो पड़ते हैं उसको हम हेल कहते हैं अब स्लीट क्या है ये है ये फ्रोजन रेन ड्रॉप यानी कि बारिश जैसा ही है लेकिन फ्रोजन होता है और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वॉटर है ठीक है तो स्नो वाटर को हम री रीफ्रोजन रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वॉटर है ठीक है जब एक लेयर ऑफ एयर विथ द टेम्परेचर अव फ्रीजिंग पॉइंटिंग पॉइंट से इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा है जब ऐसा हो जाता है, freezing point से temperature है तो उसमें क्या होता है ओवर लाइज अब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड ठीक है टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट तो यहां पर यह हो गया स्लीट रेनड्रॉप क्या है रेनड्रॉप्स जब वार्मर एयर इनकाउंटर्स कोल्डर एयर ठीक है वार्मर एयर जब ठंडे हवा जो है गर्म हवा के साथ मिलती है तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है जैसे ऊपर की ओर जाएगी टेम्परेचर घटेगा और वहां पे बादल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं और ग्राउंड रीच द ग्राउंड एस स्मॉल पिलेट्स ऑफ आइस ठीक है नॉट बिगर देन ड्रॉप फाइन तो बेसिकली रेनड्रॉप जो है वो पिलेट्स ऑफ आइस भी बन सकता है या फिर रेन रेनड्रॉप्स भी बन सकते हैं समटाइम्स रेन आफ्टर बींग रिलीज बाई क्लाउड बिकम सॉलिडिफाइड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स तो जैसे क्लाउड से बाद, बादल निकलते हैं मतलब पानी निकलता है बहुत ठंड होने के कारण ये आइस क्रिस्टल बन जाता है इसी को हम ओले बोलते हैं हेल स्ट्रोम बोलते हैं उसी को हम हेल स्ट्रोम कहते हैं फाइन तो इस तरह के ओले हो गए स्लीट हो गया रेन हो गया स्नो हो गया अब बात है बारिश कितने प्रकार की होती है मान लीजिए कि बादल से यहाँ पे टकरा गया और बारिश यहीं पे हो गई तो बादल से टकराया इसलिए इसको ऑडियोग्राफिक कहते हैं ऑडियोग्राफिक कहते हैं ठीक है अगर मान लीजिए कि यहां पे पानी है पानी से इवेपोरेशन हुआ इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन हुआ तो ये नॉर्मल है ये कन्वेंशनल हो गया ठीक है और लास्ट है कि अगर एक गर्म हवा का झोंका और एक ठंडे हवा का झोंका दोनों मिल जाता है और फिर दोनों गोल गोल घूमने लगता है और गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर जाती है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपैंड करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर है है ना तो यहाँ पे ये यह एक्सपैंड करके यहाँ पे फिर बादल बनाती है और उसके बाद नीचे जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं ये कन्वेंशनल हो गया है ना तो कन्वेंशनल में बस कुछ भी नहीं है वही जो प्रोसेस ऐसे रिपीट होता है इसी को हम कन्वेंशनल कह देंगे ओरोग्राफिक में जैसे मैंने बोला कि ये बादल में एक साइड बारिश हो रही है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं विंडवर्ड और जिस साइड बारिश नहीं हो रही है उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोनिक में जैसा मैंने बोला कि एक गर्म हवा और एक ठंडा हवा दोनों एक दूसरे में फ्रंट फॉर्मेशन करता है और इसी में हम साइक्लोनिक रेनफॉल इस तरह का देख लो फ्रंट बन रहा है और ऊपर जो गर्म हवा ये वार्म एयर है ये एक्सपैंड ऊपर जा रही है बादल का फॉर्मेशन कर रही है और फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है दुनिया में अगर हम रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का है ये कुछ इस प्रकार का है तो अगर हम दुनिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें लिखा है कि डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगह में अलग अलग रेनफॉल होते हैं सालों भर में अलग अलग सीजन होते हैं और जनरली इक्वेटर पे रेन ज्यादा होता है और पोल पे रेन कम होता है है ना पोल पे रेन कम होता है ठीक है अगर माउंटेन्स है कोस्ट के आसपास तो जैसे कि हमारा भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे बादल जो है फंस जाते हैं और यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है ठीक है तो कोस्टल के पास ज्यादा बारिश होती है और ये लीवर्ड के साइड बारिश कम होती है यानी कि अगर मान लीजिए कि ऐसे तट का क्षेत्र है और पानी यहां से आ रहा है तो बादल इधर है तो इधर ज्यादा बारिश होगी इधर बारिश कम होगी इधर बारिश ज्यादा होगी इधर कम होगी रेनफॉल ये जो है इज मोर ओवर द ओशन देन ऑन द लैंडफॉर्म्स यानी कि ओशन में ज्यादा बारिश होती है लैंडफॉर्म्स में जो सतह है वहां पे बारिश कम होती है क्योंकि ओब्वियसली ओशन में ज्यादा वाटर है है ना कोस्टल एरिया ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड रिसीव जहां पर तटीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बारिश होगी और इंटीरियर जैसे मुंबई है वहाँ पर ज्यादा बारिश होगी दिल्ली जो एकदम बीचों बीच है वहां पर कम बारिश होगी है ना रेन इज हेवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द वेस्ट ठीक है तो जनरली ऐसा होता है कि इधर ज्यादा बारिश हो रही है और इधर जाते जाते बारिश कम होती जाती है अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में अगर हम देखेंगे अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो ये जीरो डिग्री है पैंतीस डिग्री है चालीस डिग्री है ठीक है तो पैंतीस डिग्री और चालीस डिग्री के बीच में साउथ में ठीक है साउथ में पैंतीस डिग्री और चालीस डिग्री के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि द लैटिट्यूड थर्टी फाइव टू फोर्टी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बट बिटवीन फोर्टी फाइव डिग्री टू सिक्सटी फाइव डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू वेस्टर्लीज तो, तो बेसिकली अगर हम देखें तो रेन वाटर जो है वो इस समय यहाँ पे ज्यादा होती है रेन ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है ठीक है तो अगर हम और टोटल अमाउंट को देखेंगे एनुअल प्रेसिपिटेशन के हिसाब से देखेंगे तो इक्विटोरियल जगह में विंडवर्ड जगह में माउंटेन जो वेस्टर्न इसके कोस्ट है है ना जहाँ टेम्परेचर कम है वहां पे ज्यादा बारिश होती है करीबन 200 डिग्री 200 सेंटीमीटर पर साल यहाँ पे बारिश होती है और रेन शेडो एरिया क्या हो गया जहां पे बारिश होने की संभावना है ठीक है तो एरिया लाइंग अंडर द रेन शेडो ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ पे हाई लैटीट्यूड जो है वहां पे कम बारिश होती है ठीक है तो रेन शेडो एरिया जहां बारिश नहीं हो पा रही है वो जहां पे बारिश नहीं होती है तो वो अगर धरती मतलब कॉन्टिनेंट के बहुत इंटीरियर पोर्शन में है तो वहां पे बारिश कम हो रही है ठीक है तो इंटीरियर पोर्शन में जहां पे रेन शेडो है वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है चीज इसको सेंटीमीटर में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देखिए भारत में यहां बारिश ज्यादा है यहां बारिश ज्यादा है फिर इधर कम है और यहाँ पे बहुत कम बारिश है ठीक है में तो वही चीज को सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है आप एक काम कर सकते हैं आप इंडिया में इंडिया का मैप लेके बता सकते हैं कि कहा बारिश ज्यादा है कहां बारिश कम है उसका एक मैप उसको अलग अलग वहां पे पेंसिल कलर से आप इसको बना सकते हैं अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व की ओर तो चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज ठीक है तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगा यहाँ पे एक कोपियन बाबा है जिन्होंने कहा क्या कि दुनिया भर के क्लाइमेट को हम कैसे समझेंगे तो उन्होंने अल्फाबेट लगा दिया ए बी सी डी ई करके और बोले कि भाई देखो ए बी सी डी लिखेंगे तुम समझ जाओगे कि क्लाइमेट है कैसा तो वही ए बी सी डी का क्लास है ये ठीक है तो तीन ब्रॉड यहाँ पे अप्रोचेज है ब्रॉड अप्रोचेज है कि दे आर एम्फेरिकल जेनेटिक एंड एंडलाइड ठीक है तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं क्लाइमेट और उसके चेंज को समझने वाले हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है इन सब चीजों पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो क्लाइमेट है उसका कारण क्या है जो चेंजेस है उसका कारण क्या है तो देखिए दुनिया भर में कहीं गर्मी है कहीं बरसात है कहीं रेगिस्तान है कहीं टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक सा है तो कॉपियन क्लासिफिकेशन को अगर हम देखेंगे तो क्रोपियन क्लासिफिकेशन काफी वाइड क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे ये वेजिटेशन और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है तो ये अलग अलग वेजिटेशन और क्लाइमेट इसी के अकॉर्डिंग है यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा किसी जगह का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वहां पे रेनफॉल जो है वो कम है तो समझ लो रेनफॉल कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जगह क्या बनेगा भाई वो डेजर्ट ही बनेगा नॉर्मल सा बात है मान लीजिए रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो वो क्या बनेगा फॉरेस्ट बनेगा सही बात है तो इसी तरह से हमने वेजिटेशन जो है वहां का वनस्पति है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा गाइस तो वो क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा तो जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का वो क्या है तो वो कॉपियन ने आइडेंटिफाई किया है ये डिस्ट्रीब्यूशन वेजिटेशन और क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन है है ना तो ये इन्होंने सेलेक्ट किया कुछ वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का ठीक है वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन को ये अपना समझता है तो कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है ये बेस करता है एनुअल और मीन मंथली टेंपरेचर पे ठीक है तो पे इन चीजों पे डिपेंड करता है और प्रेसिपिटेशन पे भी डिपेंड करता है यानी कि टेंपरेचर ज्यादा है टेंपरेचर कम है बारिश ज्यादा है बारिश कम है इन चीजों पे तो इसमें हमने कुछ कैपिटल लेटर्स और कुछ स्मॉल लेटर्स को समझ के 1918 में 1918 में हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे कोपियन स्कीम को बहुत पॉपुलर हो गया कोपियन स्कीम और यहाँ पे पांच मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप में बांटा है तो अब इसको समझते हैं देखो इसको कैसे समझेंगे तो कैपिटल ए का मतलब क्या है ट्रॉपिकल उष कटिबंधनी ठीक है कैपिटल बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेट ठीक कैपिटल सी का मतलब है वार्म टेम्परेट कैपिटल डी का मतलब है आ, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कैपिटल ई का मतलब है कोल्ड क्लाइमेट और कैपिटल एच का मतलब है हाईलैंड ठीक है तो अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये इक्वेटर है ठीक है अर्थ है इक्वेटर है अब यहाँ पे ये ट्रॉपिकल है ये एरिया और ये ट्रॉपिकल है ये एरिया ठीक है तो इक्वेटर के ये ट्रॉपिक एरिया है ट्वेंटी थ्री एंड डिग्री नॉर्थ और ट्वेंटी थ्री एंड डिग्री साउथ तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहां पे हमने ए रखा हुआ है ट्रॉपिकल एरिया समझ रहे हैं दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में तो यहां पे हमने इसका मतलब क्या रखा है ए इसमें से जहां जहां, जहां इसमें जहां जहां बहुत ज्यादा ड्राई होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बी बोल देंगे ठीक है कि वहां पे बी है उसी में देखिए जहां थोड़ा सा वार्म वार्मेम्परेट है यानी कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म तो उसको हम क्या बोल देंगे जहां वार्म वार्मरेट है उसको हम बोल देंगे सी डी कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा जहां पे डी कौन सा हो जाएगा तो डी हो जाएगा जहां पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है यानी कि जहां पे स्नो वाला यानी ऐसे जंगल है जहां पे स्नो गिर रहे हैं ठीक है ठीके? और बहुत कोल्ड क्लाइमेट है तो उसको ई e बोल देंगे और एच बोल देंगे तो हमने जो कैपिटल लेटर्स है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि हमने बोला कि जो ट्रॉपिकल एरिया है उसका हो गया बी फिर सी हो गया जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है ठीक है ड्राई है या ड्राई लिख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम बोलेंगे सी जहाँ पे वॉर्म टेम्परेट है टेंपरेचर है यानी कि बहुत गर्म बहुत ठंडा नहीं है फिर हमने डी बोल दिया जहाँ पे कोल्ड है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है ठीक है ई बोल दिया जहाँ पे बहुत ठंडा है कोल्ड है और कोल्ड कॉन्टिनेंटल है और एच बोल दिया जहां पे एच e से मतलब समझ कि ऊंचा जगह है हाई लैंड है और ए हमको पता है कि ट्रॉपिकल है समझ में आ रहा है आपको तो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का ऐसे सहारा लिया है कैपिटल लेटर्स का हमने कैसा सहारा लिया है ए ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ये इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता है वो 18 डिग्री के आसपास ही होगा एटीन डिग्री सेल्सियस और हाई होगा और बी यानी कि ड्राई क्लाइमेट कैसा होगा तो वहां पे इवेपोरेशन जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है पानी का ऊपर जाना इवेपोरेशन और नीचे जाना प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन ज्यादा हो जाए और प्रेसिपिटेशन कम हो जाए ठीक है वार्म टेम्परेट का मतलब होता है जो एवरेज टेम्परेचर है सबसे ठंडे महीने का सबसे ठंडे महीने का वो क्या होगा माइनस तीन डिग्री सेल्सियस से लेकर अठारह डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा वार्म का मतलब होता है यानी कि ट्रॉपिकल में क्या हुआ ट्रॉपिकल में अठारह डिग्री या उससे अधिक भी हो सकता है यानी कि जो सबसे ठंडा महीना है यानी टेम्परेचर कितना ज्यादा नीचे जा सकता है बहुत नीचे नहीं जाएगा अठारह डिग्री या उसके आसपास रहेगा और ड्राई में क्या होगा ड्राई में हमेशा प्रेसिपिटेशन बढ़ते जाएगा इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन कम होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा इसलिए वो जगह ड्राई हो जाएगी और वार्म टेम्परेट में क्या होता है वार्म में ये होता है कि जो उसका सबसे ठंडा महीना है उसमें माइनस तीस डिग्री माइनस तीन डिग्री जो कि सबसे कम टेम्परेचर जा सकता है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना जा सकता है तो अट्ठारह डिग्री जा सकता है फिर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में जो कोल्ड uh, cold, सबसे कोल्डेस्ट मंथ है उसमें टेम्परेचर माइनस में जाता है फिर आप देखिएगा जो कोल्ड क्लाइमेट है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर है हर महीने का वो दस डिग्री से भी नीचे चला जाता है यानी हर महीने बहुत ठंडा जगह और जहां पे बहुत उठा हुआ जगह है ऊंचाई के कारण ठंडक है उसको हम एच से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे तो अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं है ना? तो एबीसीडी आपने कोपियन के अकॉर्डिंग समझ लिया है कि आप समझ चुके हैं ठीक है यस अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इसने फिर एफ एम डब्ल्यू और एस का सहारा लिया है अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं एस का मतलब जहां पे हमेशा ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम एफ बोलेंगे जहां पे मॉनसून सीजन में बारिश होती है उसको हम एम बोलेंगे जहां पे अर, समर जो है समर सीजन यहाँ पे बारिश होती है और विंटर ड्राई होता है तो उसको हम स्मॉल डब्लू बोलेंगे और जहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है और समर ड्राई होता है तो उसको हम स्मॉल बोलेंगे यहाँ तक आपको समझ में आ गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया ठीक है तो ये कोपियन क्लासिफिकेशन में इस तरह से डिविजन है उसके बाद यहाँ पे और भी ए बी सी डी लिखा हुआ है एबीसीडी का मतलब क्या है तो ए बी सी डी का मतलब आप समझेंगे यहाँ पे तो तो है, है है। ठीक इसको अब हम ऐसे देखें अगर तो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि ए का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया है ट्रॉपिकल एरिया यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में यहां तक समझ गया है फिर आप कैपिटल ए में देखिएगा कैपिटल ए में तीन क्लासिफिकेशन है। एक एफ है, मतलब no no मतलब है, 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 है और जहां पे विंटर ड्राई है ठीक है तो वहां पे ए डब्ल्यू लिखा हुआ है ये चीज मैंने अभी आपको समझाई उसके बाद आप समझेंगे इसको बी एस एच और बी डब्लू एस और बी एस के को तो अब इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ठीके? इसको हम कैसे समझेंगे इसको हम ऐसे समझेंगे रुकिए लो लैटिट्यूड आपको दिख रहा है लो लैटिट्यूड दिख रहा है मिड लैटिट्यूड दिख रहा है ठीक है तो अब इसमें हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है और ये इधर का जो लैटिट्यूड होता है उसको हम लो लैटिट्यूड कहते हैं और इसके ऊपर का जो लैटिट्यूड होता है उसको हाई लैटिट्यूड कहते हैं अब इसमें से जहां पे भी ड्राई जगह है जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है जो ड्राई जगह है उसको हम कैपिटल बी कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है आपको अब कैपिटल बी को हम चार बार लिख रहे हैं क्योंकि हमको चार क्लासिफिकेशन दिखाना है अब कैपिटल बी होने के कारण जहां पे घास का मैदान बन गया है उसको हम कैपिटल एस लिख रहे हैं और जहां पर डेजर्ट बन गया उसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिख रहे हैं जहां पे घास का मैदान बन गया उसको हम कैपिटल एस लिख रहे हैं और जहां पे डेजर्ट बन गया है जहां पे मरुस्थली बन गया है उसको हम डब्लू लिख रहे हैं तो यहां पे घास का मैदान है और यहां पे क्या है डेजर्ट है यहां पे डेजर्ट है समझ में आया अब यही चीज अगर इस एरिया में पाई जाएगी तो उसको हम एच लिख देंगे ठीक है तो अगर इस एरिया में घास का मैदान है तो बी एस एच हो जाएगा और इस एरिया में अगर मरु मरुस्थली है तो बी एस डब्ल्यू हो जाएगा ठीक है मतलब बी एस बी डब्लू एच हो जाएगा और यही चीज अगर यहां हाई लैटीट्यूड में आप देखेंगे घास का मैदान है जहां पे ठीक है तो उसको हम के लिख देंगे और मरुस्थली है तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे तो घास का मैदान है तो उसको ऐसे लिखेंगे और जहां पे मरुस्थली है उसको ऐसे लिखेंगे यहां तक आपको समझ में आई बात ये चीज आपको समझ में आ गई हाँ ठीक है हाँ यहां तक आपको समझ में आ गई ठीक है अब हम देखेंगे इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है कि स्टीपी, घास का मैदान और यहां कि घास का मैदान यहां कि अगर थोड़ा सा भीगा भी साइड नो ड्राई सीजन कहीं पे भी ड्राई सीजन नहीं है तो हमेशा एफ का इस्तेमाल कीजिएगा और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेडिटेरियन में हम सी एस मेडिटेरियन में क्या होता है कि हमारे देश में बारिश हमेशा समर सीजन के बाद होती है मेडिटेरियन में बारिश समर सीजन के बाद नहीं होती मेडिटेरियन एरिया में बारिश जो है वो विंटर सीजन के आसपास होती है जैसे हमारे देश में ना चेन्नई वगैरह में बारिश जो है विंटर सीजन में होती है लेकिन चेन्नई जो ट्रॉपिकल एरिया में है इसलिए चेन्नई के लिए हम ए एस लिखते हैं क्योंकि उसका विंटर उसका समर ड्राई है तो मेडिटेरियन को हम सी लिख रहे हैं और मेरीन वेस्ट कोस्ट को हम सी एफ ए सी एफ बी लिख रहे हैं और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को हम सी एफ ए लिख रहे हैं तो नो ड्राई सीजन और वार्म समर जो है वो सी एफ ए का है नो ड्राई सीजन और वार्म समर जो है सीएफए का है ठीक है उसके बाद आप समझेंगे कि मेडिटेरियन में आप समझेंगे कि सीएस है ड्राई हॉट समर है और उसके बाद नो ड्राई सीजन वार्म एंड कूल समर जो है वो सी एफ यानी कि नो ड्राई यानी एफ लिख रहे हैं और वो वार्म एंड कूल समर जो है वहां पे बी लिख रहे हैं यहां तक आपको समझ में आ गया यहां तक आपने क्या समझा आपने ये समझा कि अगर धरती में कोई भी ऐसा एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में है और तो उसको हम हमेशा कैपिटल ए से दिखाते हैं अगर वहां पे हमेशा बारिश होती है तो उसको हम ए एफ से दिखाते हैं अगर उसको सिर्फ मॉनसून सीजन में बारिश होती है तो ए एम दिखाते हैं अगर विंटर सीजन में बारिश होती है यानी कि समर जो है उसका ड्राई है तो ए एस दिखाएंगे और अगर समर सीजन में बारिश होती है विंटर ड्राई है तो ए डब्ल्यू दिखाएंगे ये चीज आपको यहां समझ

जहां पे भी ड्राई है जहां पे भी ड्राई है जहां पे भी ड्राई है तो उसको हम कैपिटल बी लिख रहे हैं जहां पे ड्राई होने के कारण जहां पे भी ड्राई होने के कारण घास का मैदान बन गया है उसको हम एस लिख रहे हैं एस का है। मतलब है यूरो एशिया में एस का मतलब होता है घास का मैदान फिर जहां पे भी घास का मैदान है तो उसको हम इस लिख दिए और जहां पे भी डेजर्ट है उसको हम डब्ल्यू लिख दिए अगर ये हाई लैटीट्यूड में है तो उसको हम के लिख देंगे अगर लो लैटिट्यूड में है तो उसको हम एच लिख देंगे यहां तक आपको समझ में आ गई यहां तक आपको बात समझ में आ गई फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो अब है सी एफ ए सी एस और सी एफ बी तो ह्यूमिड यानी कि अगर बारिश होती रहती है सब ट्रॉपिकल में कभी भी बारिश नहीं रुकती है ठीक है और वार्म समर है तो उसको हम सी एफ ए लिख रहे हैं अगर हम मेडिटेरियन की बात करेंगे तो सी एस लिख रहे हैं अगर हम मेरीन कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो सी एफ बी लिख रहे हैं तो इसमें भी सी एफ ए सी एस और सी एफ बी है तो यानी कि सी एफ ए सी एस और सी एफ बी है ये क्या हो गया ये वाला एरिया हो गया आपका मेडिटेरियन ठीक है ये वाला हो गया जब नो no ड्राई कहीं कभी भी ड्राई नहीं होता है और ये वाला एरिया जो है ये कोस्टल एरिया हो गया यहां तक आपको समझ में आ गया यहां तक आपको समझ में आ गया ठीक है फिर हम देखेंगे कोल्ड ड्राई कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में आपने समझा डीएफ और डी डब्ल्यू डी एफ और डी डब्ल्यू में यहां पे डी एफ में आप देखेंगे कि कभी भी बारिश नहीं रुकेगा नो सीजन इज ड्राई कभी भी ड्राई सीजन नहीं होगा और डी डब्ल्यू में आप देखेंगे कि विंटर जो है इसका ड्राई होता है विंटर जो है इसका ड्राई होता है ठीक है विंटर सीजन जो है इसका ड्राई होता है याद तक आपको समझ में आ गया ये क्या है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है है ना फिर ई कोल्ड क्लाइमेट में आपने क्या समझा कि तुंद्रा तुंद्रा जहां पे बर्फ से ढका रहे तो उसको हम ईटी लिखते हैं यानी कि नो ट्रू और पेडिनियल साइड से ये ट्रू रहता है तो यही चीज अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में भी आप देखोगे ना तो ऐसे ही है, है ना वर्ल्ड मैप में भी ऐसा ही है कि जहां गर्म है वहां से आपको रेड दिख रहा है तो बेसिकली जहां डेजर्ट होगा वो डेजर्ट में आपको क्या लिखा दिखेगा तो डेजर्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेजर्ट में हम लिख रहे हैं कैपिटल बी ठीक है डब्ल्यू एच फाइन अगर ये लो लाटीट्यूड uh, में है और अगर ये हाई लाटीट्यूड में डेजर्ट है तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया हाइलैंड्स के भी समझ में आ गया हाइलैंड्स क्या है तो हाइलैंड बेसिकली जो ऊंचा हुआ उठा हुआ एरिया है वो है तो अब इन्हीं चीज को आपको एक-एक करके समझाया जा रहा है ठीक है तो जो हम कैपिटल ए लिख रहे हैं कैपिटल ए यानी कि ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट

तो मिनिमम कितना जाता है तो मिनिमम जो है वो तीस डिग्री सेल्सियस जाता है यानी कि दस डिग्री सेल्सियस का यहां पे रेंज है फॉर एग्जाम्पल तो यानी कि रेंज बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडा वाली बात नहीं है ऑलमोस्ट एक ही तरह का रेंज है ठीक है और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे तो ये हो गया उसके बाद आप देखिएगा तो ए एफ में आप समझें कि जहां पे हर टाइम बारिश हो एम में आप समझे जहां पे मानसून में बारिश हो ए डब्ल्यू में आप समझे कि जहाँ पे विंटर जो है ड्राई है एक और इसका आप देख सकते हैं जैसे हमारे देश में चेन्नई है तो ए एस में जहां पे समर ड्राई है यानी कि विंटर में बारिश हो रही है तो इसको हम ए एस लिखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉपिकल वेट तो वही ए एफ के बारे में बताया गया है कि एग्जाम्पल है अमेजोन बेसिन हो गया साउथ अफ्रीका हो गया इक्विटोरियल अफ्रीका हो गया जहाँ हर टाइम बारिश हो रही है ईस्ट इंडीज के आइलैंड्स हो गए यहाँ पे हर महीने बारिश हो रही है इसको हम ए एफ कहते हैं

और ये बहुत पास पास है यानी कि ऊपर से पूरा डेंस दिखेगा नीचे भी क्या रहेगा पेड़ के नीचे बहुत सारे और पत्ते 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 रहेंगे तो यानी पूरा भरा भरा रहेगा इसको हम कैनोपी कहते हैं नेक्स्ट हम देखें तो ए एम एम का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी ए एम कौन सा एरिया कहलाएगा वेस्टर्न घाट का जहां पे मानसून में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, है ना या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन में बारिश क्या होती है ए यानी कि जनरली बारिश जो है वो मॉनसून सीजन में हमारी बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हैवी रेनफॉल है और इन समर एंड विंटर इज ड्राई ठीक है ए डब्ल्यू का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है ए डब्ल्यू का मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पे ड्राई वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है ठीक है ये आपका कहां पे हो रहा है तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट और सी एफ एंड सी डब्ल्यू भी हो रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ए डब्ल्यू वहां होता है जैसे कि एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के साउथ में ठीक है और ब्राजील में ये साउथ में हो गया बोलीविया पैराग्वे ये सब जो जगह है वहां पे साउथ में तो बेसिकली ए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पे लेकिन ए एफ और ए एम से कम बारिश होती है यहाँ पे और ये जो वेट सीजन है बहुत छोटा होता है ड्राई सीजन बहुत इसका लंबा होता है तो ए डब्ल्यू में बारिश हमेशा का आपका होती है समर में क्योंकि इसका विंटर जो है वो ड्राई होता है विंटर ड्राई होता है है ना और यहाँ पे आप समझेंगे कि टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर ज्यादातर टेम्परेचर ज्यादा होता है डाई यू यूरिनल रेंज ऑफ डाईनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन ड्राई सीजन यानी कि ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत वैरी कर रहा है कहीं माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है और कहीं चालीस डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है टेम्परेचर में डेसीडियस यानी कि जो एक बार अपने पत्ते झाड़ देते हैं वैसे यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट हम आएंगे बी में तो बी में का इवेपोरेशन ज्यादा मतलब है, है यानी कि पानी का भाप बनने का प्रोसेस ज्यादा है और बारिश होने की प्रोसेस कम है कंपेरेटिवली प्रेसिपिटेशन कम है तो ड्राई क्लाइमेट जो है यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है इसको आप समझेंगे इसीलिए प्लांट का ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है पंद्रह डिग्री से साठ डिग्री के लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ इक्वेटर में यहां पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि है जो की ड्राई है ठीक है तो पंद्रह से तीस डिग्री के लो को हम लो लैटिट्यूड कहते हैं इस जगह अगर हम बी लिखेंगे तो बी जो है वो एच के साथ आएगा और उसको हम सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेंजेस में कहेंगे ठीक है और टेम्परेचर इन्वर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोसीजर रेनफॉल तो यानी कि जैसे जैसे हवा ऊपर जाता है तो उसके कारण बारिश नहीं होती है क्योंकि जनरली यहाँ पे जो हवा है वो ड्राई है यानी कि हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है तो इस तरह के जो जैसे कोल्ड करंट के पास अगर आप इस तरह से वर्ल्ड मैप को देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको ये समझ में आएगा वर्ल्ड मैप में आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट ये क्या हो रहा है एक सेकेंड तो जितने भी कॉन्टिनेंट है इसके वेस्टर्न पोर्शन में जनरली डेजर्ट है

और इस कारण से बारिश होती है लेकिन वो हवा जो है वो हवा कैसे होनी चाहिए वेट होनी चाहिए यानी कि हवा के पास मॉइस्चर होना चाहिए ह्यूमिडिटी होना चाहिए है ना तो ये आप देखिएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ठीक है और ये मोर इक्वेटर वर्ड्स है एंड ऑकर इन द कोस्टल लैंड मिड एटी जो है जैसे कि ये आपका हो गया पैंतीस से साठ तो ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर ये जो है आपका इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि अगर आप मिड में देखोगे तो ये जो ड्राई एरिया है वो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच आपको यहां पे दिखने को मिलेंगी फिर आपको बी एस का मतलब बी एच का मतलब बी के का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, है ना बी एस एच यानी स्टीपी बी डब्ल्यू एच का मतलब भी आपको समझ में आ चुका है यानी कि जहां पे भी आपको एस दिखेगा एस मतलब स्टीपी स्टेप का स्टेपे का मतलब क्या होता है घास का मैदान ठीक है तो घास का मैदान यानी कि इतनी कम बारिश हो रही है कि घास का मैदान बन गया जंगल तो है ही नहीं बहुत ज्यादा जंगल हुआ तो बारिश हुई उसके बाद कम बारिश हुई तो घास का मैदान हो गया बहुत कम बारिश हुई तो डेजर्ट हो गया ठीक है इस तरह से यहाँ पे डिवीज़न है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है तो ये पूरा पोर्शन आपका बी वाला क्लियर हो चुका है फॉग बहुत कॉमन है कोस्टल डिजर्ट में यानी कि बहुत ज्यादा धूंध जो है वो यहाँ पे फॉग कोहरा जो है वो बन जाता है फाइन रेन जो है वो बहुत कम शॉर्ट इंटेंस रेन होता है आ, अगर आप मरुस्थली की बात करें डिजर्ट में बहुत कम रेन होता है ये तो आपको पता ही है ठीक है तो यहाँ पे ये यह आपको समझ में आ रहा है और समर में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर इसका एक एग्जाम्पल दे तो हाइएस्ट शेड टेम्परेचर जो फिफ्टी एट परसेंट हो चुका है अभी तक अल अजीजिया जो कि लीबिया में है तेरह सेप्टेम्बर उन्नीस की ये बात है नेक्स्ट हम देखेंगे वार्म वार्मेम्परेचर मिड लैटिट्यूड जिसको हम सी की तरह कह रहे हैं सी सेक्शन तो सी सेक्शन अभी इंडिया में भी है इंडिया में जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है जैसे अगर हम गंगा बेल्ट की बात करेंगे तो उसको हम सी डब्ल्यू जी कहते हैं यानी सी डब्ल्यू जी ये गंगा को कहते हैं हम गंगा का जो बेल्ट है उसमें ये क्लासिफिकेशन। तो वार्म मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट एक्सटेंड क्लाइमेट एक्सटेंड जो है वो आपका तीस से तीस से लेके 35 तीस से लेके पचास के बीच में ठीक है ठीके? और लैटिट्यूड जो है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन में है कॉन्टिनेंट के ठीक है तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल यहां पे ड्राई इन विंटर जैसे विंटर ड्राई रहेगा तो हम डब्ल्यू लिखेंगे एंड हॉट इन समर है ये तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है ठीक है मेडिटेरियन आप समझ चुके हैं कि उसको हम सी एस लिखते हैं जहां पे बारिश जो है वो कब होती है तो बारिश हमारी तरह समर में नहीं होती और बारिश कब होती है तो बारिश जो है वो विंटर्स में होती है ठीक तो है उसके बाद आप देखिएगा मिड सब ट्रॉपिकल तो नो ड्राई सीजन यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है कोई भी सीजन ऐसा सूखा सीजन नहीं है और यहाँ पे माइल्ड विंटर है विंटर भी बहुत ज्यादा बहुत ठंडा नहीं है तो ये कहाँ होता है ये तटीय क्षेत्र में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में सीएफए होता है मतलब की बेसिकली आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया में ये सीएफए है और अगर वही उसी का वेस्टर्न कोस्ट होगा तो सीएफ होगा ठीक है तो मगर, मतलब आपको इस तरह से समझ रहे हैं कि अगर ये हम अर्थ बनाए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ केपरिकॉन है इसके ऊपर और इसके नीचे की बात की जा रही है तो यहाँ पे वो जगह जहाँ विंटर ड्राई है और समर में बारिश हो रही है जैसे अपने देश में होता है तो उसको हम सी डब्ल्यू ए लिख रहे हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे वो जगह जहां पे तट का क्षेत्र है उसको हम सी एफ बी लिख रहे हैं वो जगह जहां पे वो जगह जहां पे नो ड्राई सीजन है और माइल्ड विंटर है यानी कि बहुत कम ठंडा है और ड्राई सीजन नहीं ऑलमोस्ट हर टाइम बारिश होती है उसको CFA लिख रहे हैं एफ का मतलब ही हो गया हर टाइम बारिश ठीक है और उसके बाद वो जगह जहां पे मेडिटेरियन जगह है तो उसको हम सी एस लिख रहे हैं मेडिटेरियन सी के आसपास की जगह को हम मेडिटेरियन जगह कहते हैं ठीक है ठेके? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के ऊपर और नीचे होता है ये सी वाला जो है ये बीच में तो ए है ना और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गई चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इसमें नाम से पता चल रहा है कि मेडिटेरियन सी के आसपास है लैटिट्यूड जो है 30 से लेके 40 डिग्री यहाँ पे 30 से 40 डिग्री वाला लैटिट्यूड है जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया हो गया सेंट्रल चिले हो गया साउथ अमेरिका में उसके बाद आप देखिएगा कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट है साउथ वेस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का और साथ ही साथ मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया जो है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको यह समझना है कि यहाँ पे वेस्टर्ली विंडस होता है इसीलिए क्लाइमेट जो है वो हॉट ड्राई समर होता है और बारिश कब होती है तो ये ठंड के समय में होती है ठीक है मंथली टेम्परेचर जो है समर में वो पच्चीस डिग्री सेल्सियस होता है आसपास और विंटर का जो टेम्परेचर है वो दस डिग्री सेल्सियस होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात की जाए बारिश की बात की जाए तो पच्चीस से नब्बे डिग्री नब्बे सेंटीमीटर तक होता है CFA के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होता है ये ईस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट के ठीक है सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है और ये रीजन में जो एयर मास है वो अनस्टेबल है और इससे बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर अगर हम यूनाइटेड अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें चाइना की बात करें जापान की बात करें साउथ अफ्रीका की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे सी एफ ए है यानी कि जनरली इस सब जगह जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ये कहाँ पे है तो ये आपके सब ट्रॉपिकल एरिया में है तो उसको हम सी एफ ए कह रहे हैं यहाँ पे एनुअल एवरेज जो टेम्परेचर है प्रेसिपिटेशन है वो पचहत्तर से डेढ़ सौ सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है ठंडर स्टोम जो है समर में वो बहुत ज्यादा आता है या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा है ठीक है विंटर में मीन मंथली टेम्परेचर जो है वो सत्ताईस डिग्री सेल्सियस के आसपास है और टेम्परेचर पांच डिग्री से लेकर बारह डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर रहा है यानी कि ज्यादा इसमें डिफ्रेंसेज नहीं है अब वो जगह जो तटीय क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र है जो कोस्ट वाला एरिया है तो वहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश होगी तो एफ लिख देंगे कोस्टल है तो सी लिखेंगे तटीय है तो बी लिखेंगे तो जितने भी कोस्ट है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उसको हम सी एफ बी लिखते हैं उसको हम सी एफ बी लिखते हैं और ये मेरीन इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है और विंटर्स में Uh, यहाँ पे विंटर्स जो है वो वार्म होता है इस लैटिट्यूड में मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी मॉडरेट टेम्परेचर है समुद्र में होने के कारण एंड टेम्परेचर रेंज जो है पंद्रह से बीस डिग्री है विंटर में चार से लेकर दस डिग्री है तो टेम्परेचर रेंज है प्रेसिपिटेशन आप देखिएगा पचास से दो, दो सौ पचास डिग्री दो सौ पचास सेंटीमीटर है

ठीक है चलेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे तो अभी डीएफ का मतलब अब हम समझ गए हैं कि यहाँ पे फ्रोस्ट फ्री सीजन होता है वो बहुत कम होता है यानी ज्यादातर बर्फ पड़ते रहते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत लार्ज होता है बहुत ठंडा एनुअल रेंज जो है वो टेम्परेचर का बहुत लार्ज है है ना उसके बाद आप समझेंगे कि वेदर जो है वो बहुत छोटा एब्रप्ट होता है यानी कि वेदर चेंज नहीं होता ज्यादातर ठंडा ही रहता है और पोल की तरफ हम जैसे जाएंगे वैसे ही बहुत ठंड बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी तो कोल्ड क्लाइमेट जो है वो विंटर वो ह्यूमिड विंटर्स के साथ साथ यहां पे पोल वर्ड पोल ऑफ मेरीन वेस्ट कोस्ट ये बढ़ते जाता है ठीक है अगर आप स्टीपी की तरफ जाएंगे तो ये और बढ़ते जाएगा यानी कि तट को छोड़कर अगर आप घास के मैदान की तरफ जाते जाएंगे जो कि इंटीरियर में है किसी भी कॉन्टिनेंट का इंटीरियर क्या होता है या किसी भी कंट्री का इंटीरियर कैसा होता है जो बीच में है वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा भी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम भी हो जाएगा और जो तट के क्षेत्र पे है वहां पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो एक ही जैसा रहता है ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो अपना बीस से तीस के आसपास ही ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा होता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया फिर आप देखेंगे कि ड्राई विंटर ड्राई विंटर में आप समझ गए की बात कर जा रही है यहाँ पे विंटर जो है वहां एंटीसाइक्लोन्स होता है और इस कारण से एंड इट्स वीकनिंग समर ठीक है तो यहाँ पे समर सीजन बहुत ज्यादा नहीं होता है पोल वर्ड आप देखेंगे तो टेम्परेचर और कम होते जाएगा और विंटर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो होता है बहुत ठंडा होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम चला जाता है यानी कि माइनस में ये सब चला जाता है प्रेसिपिटेशन भी कम ही है यहाँ पे क्योंकि हवा अगर ठंडा रहेगा तो ये ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा और बादल नहीं बन पाएगा अब कोई ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा ही बर्फ जमा है तो उसको हम ईटी e. तुंदरा कहेंगे और आइस कैप कहेंगे ई e. कहेंगे ठीक है तो तुंदरा एरिया में आप समझेंगे कि वेजिटेशन जो है वहां पे मोसेज होते हैं लाइकेंस होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है इस तरह के वेजिटेशन है और सॉइल जो है वहां पे हमेशा ही बर्फ जमा होता है ठीक है यहाँ पे ग्रोथ प्लांट्स का बहुत कम होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लैंड लाइट होता है यानी तो मतलब ड्यूरिंग समर तुंदरा रीजन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट तो आप सुनते हो छ महीना अंधेरा है छह महीना उजाला है ठीक है तो जैसे ग्रीन लैंड हो गया अंटार्टिक हो गया ये सब में हमेशा जहां बर्फ जमा रहेगा उसको हम ई एफ से यहाँ पे डिनोट करेंगे ठीक है से डिनोट करेंगे एच क्या हो गया जो ऊंचा मैदान है जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गए हाई माउंटेन्स हो गए यहाँ पे लार्ज चेंज होगा मीन टेम्परेचर में और ये ऑकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ठीक है यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंस आल्सो वेरी अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेशन हो सकता है अगर मान लो इक्वेटर पे है तो बारिश होगी पोल्स पे है तो वहां पे बर्फ गिरेगा तो ये जितने भी ऊंचे जगह पे जो भी चीजें हैं हाई पे तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं भारत की बात करेंगे तो भारत में आप आराम से समझ सकते हैं कि देखो ये एरिया में मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसको हम ए डब्ल्यू से ए एम से मैंशन कर रहे हैं ठीक है ए एम से मैंशन कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ विंटर में बारिश कम होती है तो इसमें हमने डब्ल्यू कर दिया अगर यहाँ पे विंटर में बारिश ज्यादा होती है तो इसको हम ए एस कह रहे हैं फिर आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है जहां पे हम इसको ए डब्ल्यू क्यों कह रहे हैं क्योंकि विंटर में यहाँ क् पे बारिश नहीं होती विंटर ड्राई होता है ठीक है फिर हम देखेंगे घास का मैदान ये घास का मैदान हो गया फिर ये घास का मैदान हो गया तो इसको हम बी एस कह रहे हैं और क्योंकि भारत का ये पोर्शन जो है लो लैटिट्यूड में है तो इसमें हम एच लगा रहे हैं एच लगा रहे हैं और विंटर इसका भी ड्राई है विंटर इसका भी ड्राई है तो यहाँ पे विंटर में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है तो इसको हम इस तरह से कह रहे हैं गंगा बेल्ट को हम सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू जी कह रहे हैं ये तो डेजर्ट ही बन चुका है तो बी डब्ल्यू और एच कह रहे हैं और साथ ही विंटर ड्राई है तो डब्ल्यू कह रहे हैं फिर आप देखेंगे कि हमेशा जो बर्फ जमा है तो डी एफ सी कह रहे हैं इसको ना डी एफ सी इसको हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा है उसके बाद ई टी ये हो गया और यहाँ पे हमने इसको ई कह दिया तो ये हमने कोपेन क्लासिफिकेशन भारत का देखा है क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे जैसे हमारे धरती में ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट जो ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत हीट ट्रैप कर लेता है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो अगर हम एक पीरियड देखेंगे जब हम तेरह से लेकर यहाँ पे सत्रह सौ की बात कर रहे हैं तीन से सत्रह सौ की बात कर रहे हैं तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता था ठीक है रेनफॉल बहुत ज्यादा होता था 2000 से लेकर सत्रह सो बीसी की बात कर रहे हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कंडीशन थी वो कंडीशन धीरे धीरे ड्राई होते होती गई प्लेसिन में अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे यौन है यौन है पीरियड है इपॉक है 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 ना पीरियड है इपॉक है, है इस तरह से टाइमलाइन ज्योग्राफी के डिवाइडेड है तो अगर हम प्लेस्ट्रोसीन इपॉक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बर्फ जो आइस कैप है आइस से भरा हुआ था ठीक है उसके बाद धीरे धीरे आइस जो है वो पिघलना शुरू कर दिया फिर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज रिसेंटली बहुत ज्यादा हो गया है जिसको आप ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज पढ़ चुके हैं सहारा डेजर्ट ठीक है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो गया बहुत गर्म हो गया 1967 से सेवन के बीच में देखेंगे यूरोप में बहुत ज्यादा देखा है कि वार्म हो चुका है कोल्ड, ड्राई पीरियड इसका इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं बहुत वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज में नाइनटीन नाइनटीन नाइनटीज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वार्मेस्ट टेम्परेचर चलता है ठीक है सेंचुरी में अराउंड द वर्ल्ड और नाइनटीन में भी आप देखेंगे तो बहुत सीवियर ड्रॉट्स हैं जो कि साउथ वेस्टर्न ग्रेटर प्लेन में है अमेरिका के जिसको हम डस्टबॉल भी कहते हैं

तो एस्ट्रोनॉमिकल थियोरी है जहां पे साइकिल का वेरिएशन है अर्थ में ऑर्बिटल कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टरस्टिक्स फ्रॉम द सन इसमें वेरिएबल है वोबिंग ऑफ द अर्थ एंड चेंजेस इन द अर्थ एक्चुअल स्टिल्ट में वेरिएबिलिटी है ठीक है डिक्रीज इन सन स्पॉट ये एसोसिएटेड है वार्मर और ड्राइर कंडीशन में और फाइंडिंग जो है वो स्टैटिस्टिकल है भी सिग्निफिकेंट नहीं है फिर आप देखेंगे वॉलकैनो एक्टिविटी भी हमारे देश में हमारे दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है है ना वॉलकैनिज्म बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग आप समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है मैंने आपको पहले भी समझा दिया था ग्रीन हाउस गैसेज जो है जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं तो वैसे वो ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं लॉन्ग वेव को नहीं जाने देते हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट बढ़ चुका है और पृथ्वी जो है ऑलमोस्ट जल रही है है ना क्योंकि इसका टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग इसमें बढ़ चुका है हीट को अब जमा करके रखा जा रहा है ठीक है ग्रीन हाउस गैस और ग्लासेस कैसे ट्रैप करते हैं हीट पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में समझा दिया है ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मिथेन हो गया है ना, ना? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया पर फ्लोरोबन हो गया हाइड्रोफ्लोरोबन हो गया फिर आपका ये एस एफ सिक्स सल्फर फ्लोराइड uh, हो गया ये सारे जो हैं गैसेस वो इसको बनाते हैं गैसेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन भी है अगर वो ट्रोपोस्फेयर में है तो है ना तो ये सारे गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सी एफ सी नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन ठीक है और बाकी और भी कुछ गैसेज है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर का बढ़ाते जाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस से यही होता है कि जो वेवलेंथ के कारण जो चेंजेस आते हैं रेडिएशन में जैसे सन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ देता है अर्थ लॉन्ग वेवलेंथ देता है तो वेवलेंथ के कारण जो रेडिएशन आते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो ओपेक हो जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन में और उसको वो ट्रैप कर लेते हैं ठीक है तो ओजोन जो है वो ट्रोपोज में है तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो टेरेस्टेरियल रेडिएशन अगर वो uh, मतलब में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो ट्रोपोज में है तो फिर वो अच्छा नहीं है फिर वो ऑब्जर्व करने लगेगा हीट को क्योंकि उसका तो काम ही है हीट को ऑब्जर्व करना और ड्रोकोस फिर हम लोग रहते हैं तो फिर हमको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ते जाएगा ग्रीन हाउस गैस में प्रॉब्लम आएगा इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमको नहीं एमिशन उसका बंद करना है फॉरेस्ट को हमको ज्यादा से ज्यादा ये रिफॉरेस्टेशन करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले। लेकिन हम फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं धरती के पास उतना कैपेसिटी है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले लेकिन नेचुरल फॉर्म में अगर हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो सी वगैरह ये सब बढ़ते जाएंगे अफ्रीका के पास अंटार्क्टिक के पास इतना बड़ा होल हो चुका है तो ये सारी चीजें बढ़ते जाएंगे और हमारा धरती जो है वो दिन प्रतिदिन गलम होते जाएगा जो क्योटो प्रोटोकॉल हमने साइन किया है एनवायरनमेंट को लेकर 1997 में और ये कहा गया कि 2005 में इफेक्ट में आ जाएगा 141 नेशन उस टाइम उसको रेक्टिफाई किए थे क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हमने कॉप थ्री में इसको साइन किया था जहां हमने बोला कि 35 इंडस्ट्रियल कंट्री जो है वो अपना एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी है ना तो ये पुराना डाटा यहां लिखा है कि बाय 2012 पांच परसेंट तक इसके लेवल को कम करेंगे अब तो इस बार 2023 की अगर हम बात करेंगे तो जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत खुद कर रहा है और उसने भी इस बात को आगे रखा है तो ये है आपका चैप्टर नंबर ट्वेल्व जहां पे ओ, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था तो इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया जहां पे आपको ये सारी बातें समझ में आई कि इंटरनेशनली भी हम एफर्ट ले रहे हैं अब हम चैप्टर नंबर थर्टीन की ओर बढ़ते हैं जी तो चैप्टर नंबर थर्टीन देखो यार दुनिया ये दुनिया पितल डॉलम सोने थे ठीक है नहीं ऐसा नहीं है दुनिया जो है वो ब्लू प्लान कहलाती है ना दुनिया ब्लू प्लान कहलाती है क्यों दुनिया ब्लू प्लान कहलाती है बहुत पानी है दुनिया के पास दुनिया में बहुत पानी है और ये पानी क्या है साइक्लिक है साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि पानी जो है वो इवेपोरेशन के कारण ऊपर जाता है उसके बाद कंडेंसेशन के कारण बादल बनता है और प्रेसिपिटेशन के कारण पानी जो है वो नीचे गिर जाता है ये प्रोसेस है ये प्रोसेस पानी के साथ होता है पानी को पानी को हम हाइड्रो बो, बोलते हैं हाइड्रो है ना हाइड्रा हाइड्रो ये सब पानी के टर्म्स हैं और इसके बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम लॉजी बोलते हैं तो सिंपल सिंपल आज की कथा जो है वो यहाँ से शुरू होगी कि वाटर जो है वो साइक्लिक रिसोर्स है साइक्लिक रिसोर्स बोले तो कि पानी जो है अपना घूमते रहता है कभी कहाँ किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में लेकिन रहता इसी धरती पर और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है पानी का ये पानी का सर्कुलेशन है है ना अर्थ के हाइड्रोस्फेयर में और ये डिफरेंट फॉर्म का है लिक्विड सॉलिड गैस के फेज में रहता है ठीक है ये इट ऑल्सो रेफर्स टू द कंटिन्यूस चेंज एक्सचेंज ऑफ वाटर ठीक है कंटिन्यूअस एक्सचेंज यानी कि ओशन है वहाँ से एटमोसफेयर है फिर लैंड है फिर वहाँ से सब सरफेस है फिर कोई ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम है कोई आदमी उसको पी लिया कोई जानवर उसको पी लिया तो इस तरह से पानी का सर्कुलेशन अपने एटमोसफेयर में अर्थ सर्फेस में चलते रहता है हमारे धरती में सेवेंटी वन परसेंट जो है ये वाटर है फाइन तो जो रिमेनिंग है वो इज़ हेल्ड एज सेवेंटी वन परसेंट वाटर है हमारे पूरे धरती पे और रिमेनिंग इज़ हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन द ग्लेशियर आइस कैप ग्राउंड सोर्सेज लेक सॉयल मॉइस्चर वाटर एटमोसफेयर स्ट्रीम्स एंड विद इन लाइफ तो जो बहुत कम ही ऐसा परसेंट है पानी का जिसको हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं जिसको हम पी सकते हैं जैसे कि हमारे झील में मीठे पानी का झील हो गया या भूजल हो गया ग्राउंड वाटर हो गया आइस कैप हो गया बर्फ में पिघला हुआ है ये बहुत कम परसेंट है नियरली फिफ्टी नाइन परसेंट जो पानी है ये लैंड में वापस आ जाता है और एट टू द एटमोसफेयर ठीक है दैट फॉल्स ऑन लैंड रिटर्न टू द एटमोसफेयर ठीक है तो अभी कहा जा रहा है कि भाई धरती पे बारिश होती है और धरती पे जो आ, जो पानी फॉल होता है उसमें से काफी ज्यादा परसेंटेज जो है वो वापस से वातावरण में एटमोसफेयर में फॉल हो जाता है है ना तो इवेपोरेशन फ्रॉम ओवर तो द ओशन एज वेल एज फ्रॉम अदर प्लेसेस तो अभी क्या हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है जैसे कि मान लीजिए पानी आपने अगर ऐसे अभी जमीन पे छिड़ दिया पानी तो वो पानी क्या होगा कि वो इवैपोरेट बन जाएगा भाप बनके फिर से एटमॉस्फेयर में हो जाएगा है ना तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है रन ऑफ ऑन द सरफेस ठीक है ग्राउंड वाटर हो या जो है वो ग्लेशियर का पार्ट हो ये सब अपने एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहता है यही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अगर आपको नोट करना है तो बात नोट करने की ये है रिनिएबल वाटर Renewable water. Renewable का मतलब क्या होता है जो वापस से आ जाए ये नहीं कि खत्म हो गया ये नहीं कि एग्जॉस्ट हो गया ठीक है तो यानी किसी भी प्रकार से वापस आ जाए धरती पे इसको हम रिन्यूएबल वाटर कहते हैं तो द अर्थ इज कॉन्स्टेंट और डिमांड जो है बढ़ते जा रहा है अब पानी तो फिक्स है उस पर धरती में पानी तो फिक्स है लेकिन डिमांड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है जिसके कारण बहुत जगह पानी का दुनिया में पानी का क्राइसिस हो जाता है, है। पानी का क्राइसिस हो जाता है जल का संकट हो जाता है और इसके कारण हम ये इसका एक और बहुत बड़ा क्राइसिस का, का कारण क्या है क्राइसिस का कारण एक और है कि हम बहुत ज़्यादा वाटर को क्या करते हैं पल्यूट कर देते हैं तो ये सारा कारण है जिसके कारण हमको जितना पानी चाहिए धरती के पास है ठीक है लेकिन हमने उस पानी का गलत उपयोग किया उसको हमने पल्यूट कर दिया या उस पानी को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस कारण से ये पानी जो है वो खराब होते जा रहा है ये आपको यहाँ बताया जा रहा है फिर आप देखिएगा कि वाटर रिसोर्सेज इन द ओशन वाटर रिसोर्सेज जो है इवेपोरेशन है इवेपो ट्रांसपोरेशन है सब्लिमेशन है ये सारे प्रोसेस हैं एटमोसफेयर में ओशन में ये प्रोसेस है एटमोसफेयर में क्या है कंडेंसेशन है प्रसिपटेशन है ना वाटर स्टोरेज इन आइस एंड ओशन तो स्नो मेल्ट स्नो मेल्ट रन ऑफ है टू द स्ट्रीम ठीक है तो so, ये सारा प्रोसेस है रन ऑफ सरफेस सरफेस रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर स्टोरेज फिल्टरेशन ग्राउंड स्टोरेज जो है इसमें ग्राउंड ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग्स है तो ये कंपोनेंट और प्रोसेसेस है यानी कि जो पानी जो पानी स्टोर हुआ था ओशन में तो ओशन में क्या होता है भाप बन जाता है इवेपोरेशन हो जाता है ओशन में क्या होता है भाप बन जाता है इवेपोरेशन हो जाता है साथ ही साथ प्लांट से भी पानी जो है वो एटमोसफेयर में चला जाता है सप्लीमेशन भी होता है यानी कि भाप बनने का प्रोसेस ही सब्लिमेशन कहलाता है फिर एटमॉस्फेयर में बादल का बनना या बारिश का बरसना ये सब प्रोसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं फिर हम देखेंगे स्टोरेज इन आइस एंड स्नो स्टोरेज वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो तो स्नो वाटर जो है वो मेल्ट कर जाता है रन ऑफ टू द स्ट्रीम है ना सरफेस वाटर आप देखिएगा तो स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर तो स्टोरेज फिल्ट्रेशन हो जाता है स्टोरेज स्टोरेज इनफिल्ट्रेशन हो जाता है ग्राउंड वाटर आप देखिए तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग हो जाता है तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं अब बात है ओशन रिलीफ की ओशन रिलीफ का मतलब है कि ऐसे सरफेस जो है ओशन का उसके नाम की बात है जहाँ पे हमने ऑलरेडी बात किया है है ना तो ओशन क्या है धरती पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है उसको यह ओशन कह रहे हैं है ना उसको ओशन कह रहे हैं जो फर ने कहा है कि देखिए पैसिफिक सबसे बड़ा है फिर अटलांटिक फिर इंडियन ओशन है फिर आर्टिक ओशन है है ना और इस तरह से एक सर्दर्न ओशन यानी अंटार्कटिक ओशन भी है इस तरह से पांच ओशन में डिवाइड किया हुआ है बाकी ओशन के पार्ट भी जैसे बे हो गया गल्फ हो गया छोटे छोटे पानी के इनलेट्स हो गए तो ये जो ओशनस हैं उनके ये सारे पार्ट्स भी हैं यहाँ पे एक नहीं लिखा है है तो उसको आप लिख सकते हैं मेजर पोर्शन जो ओशन फ्लोर का है, वो तीन से छ किलोमीटर बिलो है सी लेवल के ठीक है तो ये देखिए ओशन है पूरा हमारे धरती में इतना पूरा पोर्शन जो है वो ओशन है यहाँ पे समुद्र है अब आप समझेंगे इस बात को कि ये देखिए आप ये ओशन का पूरा आपका कॉन्फिग्रेशन है तो बेसिकली जो अपना लैंड का पार्ट है वो ये है फिर ओशन का यहाँ पे शेल्फ़ आता है फिर आप देखिएगा यहाँ पे ये यह ओशन शेल्फ है यानी कि लैंड से जैसे जैसे समुद्र की ओर हम जा रहे हैं तो ये ओशन सेल्फ है फिर आप देखिए ये वाला जो स्लोप है ये स्लोप है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है फिर बीच में अगर कुछ इस तरह से उठ गया तो उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलेंगे फिर ये जो नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसको हम एबसल प्लेन बोलेंगे अगर धरती के सतह में मतलब ओशन के सतह में कोई गड्ढा है उसको हम ट्रेंच बोलेंगे ठीक है अगर उसमें कोई पहाड़ बना हुआ है पहाड़ बना हुआ है तो उसको हम रिज बोलेंगे जैसे धरती ये ओशन के सतह पे पहाड़ बना है तो उसको हम रिज बोलेंगे अगर इतना बड़ा पहाड़ है कि वो इस लेवल से भी ऊपर जा रहा है और ये हमको दिख रहा है जैसे कि लक्षद्वीप हो गया है ना तो इसको हम बोल्कैनिक आइलैंड बोलेंगे तो ये सारा ओशन का पार्टस है रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर में आप देखिएगा कि जो लैंड है अंडर अंडर द वॉटर ऑफ द ओशन दैट इज द ओशन फ्लोर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेरिड फीचर है है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेरिड फीचर है ओशन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज यहाँ पे डीपेस्ट ट्रेंच ये सब इसी में है जैसे मेरियाना ट्रेंच सबसे बड़ा गड्ढा जो है हमारी धरती पर वो पूरा ओशन में आपको मिल जाएगा ये चीज यहाँ पे लिखी जा रही है फिर टेक्टोनिक प्लेट्स और वोलैनिक uh, एक्टिविटीज भी ये हमारे ओशन में आपको मिलता है तो अगर हम ओशन को डिवाइड करेंगे तो ओशन को हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया डीप सी प्लेन हो गया और ओशनिक डीप्स हो गया ओशन एक डीप्स हो गया ये सारे इसके पार्ट्स हैं ठीक है तो अब बिसाइड दिस पार्ट देयर आर आल्सो मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर्स और भी छोटे छोटे फीचर्स हैं जैसे कि रिजज हो गए जो पहाड़ हैं सी माउंट्स हो गए ग्योर्ट्स हो गए ट्रेंचेस हो गए कैनियंस हो गए ये सारे इसके पार्ट्स हैं तो सबसे पहले है शेल्फ शेल्फ जो है ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है उसी का जो एक्सटेंडेड मार्जिन है जो समुद्र में जाकर मिल रहा है उसको हम शेल्फ बोलेंगे ठीक है हर एक कॉन्टिनेंट जो है उसका अपना एक शेल्फ होता है जहां पे अभी पानी जस्ट समुद्र का पानी शुरू ही हुआ है समुद्र का पानी शुरू ही हुआ है शैलोएस पार्ट है ओशन का ठीक है एवरेज ग्रेडियंट इसका एक परसेंट से भी कम है यानी कि एक परसेंट से भी कम है यानी कि मान लीजिए कि ये धरती है और यहाँ पे ओशन जो शुरू होता है तो ये परसेंट जस्ट टिल्ट है और फिर वहां से ही ओशन का पानी ये जो आपका ओशन का पानी है ये यहाँ से शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये जो एक परसेंट टिल्ट है ना इसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलेंगे इसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलेंगे बहुत ही वेरी स्टीप स्लो है और यहाँ पे जो टूटा यानी कि ऐसे चल रहा था धरती और फिर यहाँ से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हुआ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हुआ इसी को हम कॉन्टिनेंटल Uh, ब्रेक कहते हैं ठीक है शेल्फ का ब्रेक कहते हैं शेल्फ ब्रेक कहते हैं फाइन, तो एवरेज विथ जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज विथ जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो अबाउट एट्टी किलोमीटर्स तक ये चलता है ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो चला यहाँ पे ये एट्टी किलोमीटर्स तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका इसका एक एवरेज विथ है ये कभी कभी एबसेंट भी होता है या कभी कभी बहुत भी छोटा होता है जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ओशन मार्जिन हैं जैसे चिले में नहीं है या बहुत कम है या कोस्ट ऑफ सुमात्रा में बहुत कम है तो इस जगह कम भी है और साइबेरिया का शेल्फ आप देखिएगा अंटार्कटिक ओशन में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है शेल्फ एक पंद्रह सौ किलोमीटर तक का विथ वहाँ पर है फिर आप देखिएगा जो डेप्थ ऑफ द शेल्फ है यानी कि ये कितना अंदर जा सकता है डेप्थ जो है ये भी वैरी करता है कहीं कहीं ये बहुत बहुत सैलो शैलो है यानी कि तीस मीटर तक और कहीं कहीं ये 600 मीटर तक है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ही जो समुद्र जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है ठीक है और ये धरती है दोनों यहाँ एक है अब समुद्र में धरती धर्त, का जो पार्ट थोड़ा सा नीचे जाता है उसके बाद बहुत ऐसा मतलब गड्ढा हो जाता है तो इसी पार्ट की हम बात करें इसी को हम शेल्फ कह रहे हैं है ना इसी को हम शेल्फ कह रहे हैं यहाँ पे शेल्फ में बहुत सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन भी होता है यानी कि जो आप जीवाश्म में कहते हैं ना उसका डिपोजिशन भी होता है सेडिमेंट का डिपोजिशन भी होता है मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होता है और ये बहुत टाइम तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता और यहां है और यहाँ ये सोर्स है फॉसल फ्यूल्स का फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसन को कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ uh, और ओशन बेसन को ये कनेक्ट करता है ठीक है इट बिगिनस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप्स ऑफ इन टू स्लोप तो यानी कि जब क्या होगा जब ऐसा होगा कि इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जैसे ये कॉन्टिनेंटल ये कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट में आपने समझा इस बात को कि ये एक डिग्री ये नीचे गया ठीक है एक डिग्री नीचे गया और उसके बाद ये बहुत ज्यादा नीचे ऐसे चला गया ठीक है बहुत ज्यादा ऐसे नीचे चला गया तो ये जो अचानक से जो स्टीप स्लोप है ना ये जो स्टीप स्लोप है जहां पे दो से पाँच डिग्री तक का वेरिएशन है यहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है ठीक है ये स्लोप जो है ये उस रीजन में है जहां पे दो से लेके तीन हजार किलोमीटर तक का इसमें रीजन वेरिएशन है इसको आप समझ गए हैं और स्लोप जो है इसका इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि अब ये स्लोप जहाँ से शुरू होगा यानी कॉन्टिनेंट का खत्म हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ को हम अभी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट मान रहे हैं लेकिन स्लोप को हम क्या मान रहे हैं स्लोप को हम पूरी तरह से ओशन का पार्ट मान रहे हैं स्लोप को हम कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं मान रहे हैं क्लियर है तो कैनियंस एंड ट्रेंचेस ये भी ऑब्जर्व होता है इस रीजन में यानी कि कैनियंस एंड ट्रेंचेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी गड्ढे हैं इस तरह के गड्ढे हैं ये भी आपके यहाँ पे ही इस रीजन में यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे डीप स्लीप डीप सी प्लेन ये जेंटल स्लोप है ठीक है जहां पे ओशन बेसन है उसका जेंटल स्लोप है और ये जो है फ्लैटेस्ट है और स्मूदेस्ट है वर्ल्ड यानी कि समुद्र का जो सतह है समुद्र का जो सतह है ये सबसे ज्यादा फ्लैट माना जाता है ये तीन हजार से लेके छ हजार मीटर का ये उसका डेप्थ है ठीक है और ये ये जो प्लेन है ये कवर होता है फाइन ग्रेन सेडिमेंट से जैसे कि क्ले और सिल्ट से इसको कवर किया जाता है फिर आप देखेंगे ओशियनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस यानी कि फ्लोर में जो गड्ढे हैं फ्लोर में जो इस तरह से जैसे मेडियाना ट्रेंच आपने सुना होगा सबसे सबसे डीपेस्ट गड्ढा तो जो गड्ढे हैं उनको ही हम ट्रेंचेस कह रहे हैं ये तीन से पांच किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज हो सकते हैं तीन से पांच किलोमीटर तक एवरेज हो सकते हैं और ये जो है ये बेस ऑफ द ओशन पे यानी कि ओशन के बेस में ये रहते हैं यहां पे बहुत सारे वॉलकैनिक और अर्थक् के एक्टिविटीज भी होते हैं और ये प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट मूवमेंट्स को पढ़ने के लिए काफी अच्छे होते हैं 57 डीप्स हैं हैव बीन एक्सप्लोर्ड सो फार और 32 आर इन पैसिफिक ओशन यानी माना जाता है कि जितने भी गड्ढे हैं 52 गड्ढे हमको मिले हैं जिसमें से सबसे ज्यादा 32 जो है वो पैसिफिक ओशन में है और 19 एटलांटिक ओशन में है और छह गड्ढे जो हैं हमको इंडियन ओशन में अभी तक मिल चुके हैं फिर बात है माइनर रिलीफ फीचर्स की

लगातार जो ऐसे पहाड़ बने हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम रिजेस बोलेंगे इसको हम रिजेस बोलेंगे ठीक है तो माउंटेन रिजेस जो है वो अपना 2500 मीटर तक यहाँ पे इसका पीक जो है वो 2500 मीटर तक ये है और सम जो कुछ कुछ जो है वो ओशन सरफेस पे भी बने हुए हैं आइलैंड जो है मिड अटलांटिक रिजज़ का ये आइसलैंड जो है वो एक मिड अटलांटिक रिजेस का ही पार्ट है कोई कभी कभी क्या होता है कि जैसे समुद्र से भी ऊंचा ये पहाड़ का ये चोटी दिखे दिखने लगेगा तो उसको हम आइलैंड कहने लगते हैं ठीक है समुद्र से भी समुद्र के पानी से ऊपर दिखने लगता है पहाड़ का चोटी तो उसको हम आइलैंड कहने लगते हैं फिर आता है कैनियन बात कैन का बात का बात क्या है बहुत सिंपल सा कैनन वैली होता है ठीक है या घाटी आप कह देंगे दो पहाड़ के बीच में ऐसे सीढ़ी जैसा जो बना रहता है इसको हम कैनियन कहते हैं तो जो डीप वैली है डीप वैली है कंपेयर सम कंपेरेबल द ग्रेट कैनियन ऑफ को रिवर ठीक को है कोलोराडो रिवर का यहाँ पे ग्रेट कैनियन है दे आर समाइम्स फाउंड कटिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये उसी के आसपास या कॉन्टिनेंटल स्लोप के आसपास रहता है हाँ और हटसन कैनियन जो है अभी तक का सब मेरीन यानी कि समुद्र के नीचे का सबसे ज्यादा फेमस या नॉन कैनियन है जिसको हम हटसन कैनियन कहते हैं फिर हो गया गियॉर्ट्स ठीक है तो ग्योर्ट क्या है ग्योर्ट बेसिकली एक पहाड़ है वो पहाड़ का जो छोटी ऐसे टॉप जो है ऐसे कटा हुआ है इसको हम गेट बोलेंगे ये एविडेंस दिखाता है ग्रेजुअल सब्सिडेंस का ठीक है और ये स्टेजेस जो है यहाँ पे इसका एविडेंस दिखाता है दस हजार सी माउंट हैं गेट्स हैं और ये पैसिफिक ओशन में यहाँ पे प्रेजेंट है फिर आता है एटोल की बात तो एटोल क्या है ये लो आइलैंड्स हैं जिसको हम ट्रॉपिकल ओशन में खोजते हैं ठीक है जो हमको मिलता है ट्रॉपिकल ओशन में और ये सेंट्रल यानी कि ऐसे एक गड्ढा रहेगा और यहाँ पे लो कुछ आईलैंड जो है ऊपर की ओर दिखेंगे तो ये इस चीज को हम मतलब कि अटोल कहते हैं एक डिप्रेशन के अराउंड जो कुछ मतलब समुद्री मतलब क्या बोल रहे हैं आप कि बेसिकली आइलैंड्स दिखने लगते हैं कोरल आइलैंड्स दिखने लगते हैं उसको हम एटोल बोलते हैं कोरल रीफ के बने रहते हैं यानी कि कोरल के जो कोरल रीफ के ये आइलैंड्स बने रहते हैं और एक जगह बीच में कोई गड्ढा जैसा रहेगा उसके चारों ओर ये द्वीप समूह बन जाएंगे इनको हम आइलैंड कहते हैं लगून हम कैसे कहेंगे तो लगून हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लैंड का एक टुकड़ा है और लैंड के टुकड़े में कहीं पे जाके पानी हल्का सा फंसा हुआ है ठीक है तो पानी जो है ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि लैंड का ये टुकड़ा है इस तरह का और यहाँ पे लैंड के टुकड़े में समुद्र का पानी आके यहाँ पे फंसा हुआ है ठीक है समुद्र का पानी आके फंसा हुआ है और लैंड ला, जो इसको ऑलमोस्ट कवर कर दिया है तो एक थोड़ा सा जगह रहेगा जहाँ समुद्र का पानी वहाँ फंस जाएगा तो इसको ये हम लगून कहने लगेंगे ठीक है तो बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिश वाटर और हाई सेलाइन वाटर ये जो लैंड के टुकड़े में आके फंस जाता है अब बात है कि समुद्र के और जो टेम्परेचर वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो बात नॉर्मल सी बात है कि लैटिट्यूड इतने दिन में आप समझ ही गए कि ये जो लैटीट्यूड है अगर इक्वेटर के पास रहेगा यानी लो लैटीट्यूड है तो टेम्परेचर हाई रहेगा हाई लैटीट्यूड है तो टेम्परेचर लो रहेगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की ओर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ लैंड एंड वाटर तो जो ओशन है नॉर्दर्न हेमस्फेयर में ये ज़्यादा हीट इसको मिलता है क्योंकि यहाँ पे देयर कॉन्टैक्ट जो है वो लैंड से ज़्यादा रहता है यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप ये अगर आप तीस डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री नॉर्थ लोगे और तीस डिग्री साउथ लोगे तो क्योंकि नॉर्दर्न एमोस्फेयर में ज्यादा लैंड है तो ये ज्यादा गर्म होगा ये ज्यादा गर्म होगा क्योंकि आपको पता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है तो गर्म इसीलिए ओशन नॉर्थ का ज़्यादा होता है प्रिवेलिंग विंड पर डिपेंड करता है यानी कि ओशन जो है वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं अब वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है ठीक है गर्म गर्म पानी जो है वो अंदर से ऊपर की ओर आने लगता है है ना इंटू लॉन्गीट्यूटनल वेरिएशन ठीक है टेम्परेचर यहाँ पे लॉन्गीट्यूटनल वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर के तो ये ऊपर की ओर आने लगता है उसके बाद आप देखेंगे ऑन शोर विंड पाइल्स बाई वार्म वाटर नियर द कोस्ट यानी कि नीचे से हवा जो है वो उसको हवा के कारण ठंडा पानी ऊपर आने लगता है तो अब वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऐसा भी होता है कि नीचे वाला पानी जो ठंडा है वो ऊपर की ओर आता है ओशन करंट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मैंने आपको वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट ऑलरेडी समझा दिया है तो गर्ल्स स्ट्रीम क्या है वार्म ओशन करंट है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसके कारण नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेचर ज्यादा होगा लैब्राडोर एक कोल्ड ओशन करंट है यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा इसकी वजह से लैंड में टेम्परेचर कम होगा फिर आप देखेंगे टेम्परेचर का जो डेप्थ है टेम्परेचर का जो डेप्थ है ये आप ओशन वाटर का ये कैसे दिखता है तो हाउ टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ठीक है तो टेम्परेचर जो है नीचे जाते जाते टेम्परेचर गिरने लगता है जैसे तो मान लीजिए समुद्र है समुद्र का सतह है उसके नीचे जैसे आप डेप्थ में जाइएगा तो जैसे आप डेप्थ में जाइएगा तो जैसे डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो भी घटने लगेगा तो प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन द सर्फेस वाटर ऑफ ओशन एंड द डीपर लेयर ठीक है तो सरफेस वाटर और डीपर लेयर में डिफरेंस आ जाता है बाउंड्री जो है वो यूजुअली अराउंड 100 से 400 हंड्रेड मीटर्स होता है और ये बिलो सी सर्फेस होगा ठीक है तो सर्फेस के सौ से लेके चार मीटर तक सौ से लेके चारो मीटर तक ये एक्सटेंड करता है सेवरल हंड्रेड ऑफ मीटर डाउनवर्ड्स ये जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेप्थ अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तो बाउंड्री रीजन जहां पे शुरू होता है वहां से रैपिडली डिक्रीज करने लगता है इसको हम अभी हम समझते हैं कैसा होगा इसे को हम थर्मोक्लाइन कहते हैं तो ऑलमोस्ट 90 परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बिलो थर्मोक्लाइन तो ये कहना ये चाह रहा है कि आप नीचे जाएगा तो टेम्परेचर टेम्परेचर ते, डिक्रीज करेगा वो ठीक है लेकिन एक जगह एक बाउंड्री आएगा और उसके बाद टेम्परेचर अचानक से बहुत जल्दी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा तो टेम्परेचर जो है ओशन का ये ओवर मिड एंड लो लैटिट्यूड ये आपका डिस्क्राइब होता है तीन लेयर पहला लेयर जो है टॉप लेयर कहलाता है जहाँ पे वार्म ओशन करंट वार्म ओशन है ये 500 मीटर इसकी मतलब डेप्थ रहेगा अगर हम समुद्र को लेते हैं तो ऊपर का जो पाँच मीटर का डेप्थ है यहाँ पर यह आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको वॉम वार्म ओशन करंट मिलेगा ठीक है तो जो है वो 20 से लेके 25 डिग्री तक रहता है यानी कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है पानी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है वार्म है ठीक है वार्म है तो टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशनिक वाटर ये आपका 500 मीटर का थिक रहेगा और टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा ये ना? और लेयर जो विद इन ट्रॉपिकल रीजन है ये आपका प्रेजेंट है थ्रू आउट द बट इन मिड लैटिट्यूड, ये जो है ये समर में डेवलप कर जाता है, है ना सेकेंड लेयर आप देखिएगा सेकेंड लेयर थर्मोक्लाइन लेयर है थर्मोक्लाइन लेयर को आप इस तरह समझें कि अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो नीचे जाड़ो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है जैसे कि चलो ये बीस डिग्री है तो नीचे गया उन्नीस डिग्री 18 डिग्री ऐसे लेकिन थर्मोक्लाइन का जो लाइन अगर आ गया तो उसके बाद सीधे पाँच डिग्री हो जाएगा यानी कि सीधे बहुत ही स्टीप डिक्रीज होगा पानी के टेम्परेचर में ठीक है स्टीप डिक्रीज होगा पानी के टेम्परेचर में और ये रैपिड डिक्रीज जो है टेम्परेचर का ये इंक्रीज डेप्थ के कारण होता है तो थर्मोक्लाइन जो है वो 500 से हजार मीटर के थिक के नीचे होता है यानी 500 या हजार मीटर अलग अलग ओशन में अलग अलग है उसके बाद एक लेयर आता है जिसको हम थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं जो थर्ड लेयर है बहुत ठंडा लेयर है और ये डीप ओशन करेंट का लेयर है ठीक है डीप ओशन वाटर का लेयर है फिर आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स को अगर हम देखेंगे तो सरफेस वाटर ये आपका क्लोज है टेम्परेचर जो है जीरो डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है क्योंकि आपको पता है कि आर्कटिक और एंटार्टिक का क्या मतलब हुआ कि अर्थ है अर्थ का पोल की बात कर रहे हैं कि सबसे ऊपर सबसे नीचे वाली बात कर रहे हैं है ना सबसे ऊपर सबसे नीचे वाली बात कर रहे हैं हेयर ओनली वन ऑफ द लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट ठीक है और इसको हम डीप ओशन वाटर कहते हैं जो है water का, वो आपका of water, ये क्या है तो एवरेज टेम्परेचर हमेशा जो है वो सत्ताइस डिग्री सेल्सियस होता है ओवरऑल अगर हम पूरे धरती का बात मिला दें उसका एवरेज निकाल दो सत्ताइस डिग्री है इक्वेटर पे ज्यादा होता है पोल की तरफ ये कम होते जाता है ये बात भी सही है और रेट जो है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग लैटीट्यूड तो ये जीरो पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड यानी कि अगर मान लो यहाँ पे यहाँ पे अगर 25 डिग्री है तो यहाँ पे 24.5 होगा यहाँ पे 24 होगा यहाँ पे 23.5 होगा यहाँ 23 होगा इस तरह से एक डिग्री पे 0.5 डिग्री लैटिट्यूड ये डिक्रीज़ होते रहता है ओशन जो है नॉर्दर्न हेमस्फेयर में वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है ठीक है साउथ के हेमसफेयर से रिलेटिवली यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है बट स्लाइटली टूव द नॉर्थ तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या दुनिया में इक्वेटर पे ही सबसे हाई टेम्परेचर है अगर हम मोशन की बात करेंगे आप बोलेंगे नहीं स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्थ जो है टेम्परेचर हाई है ऐसा नहीं है कि इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई है स्लाइटली थोड़ा ऊपर जाएगा तो वहां पर सबसे हाई टेम्परेचर यहाँ पे आता है समझ में आ रहा है आपको बात क्लियर है यस yes. तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वेरिएशन जो है वो अनईक्वल है है ना हाँ वेरिएशन जो है वो अनइक्वल है और ये लैंड में टेम्परेचर और वाटर में टेम्परेचर जो है आप शायद आपको बोर्ड शाइन नहीं कर रहा होगा शायद कुछ लोग हाँ ओके तो अभी आप देखेंगे ये आप समझ चुके हैं कि नॉर्दर्न में यहाँ पे वार्म है वाटर ज़्यादा और साउथ में वाटर उतना ज़्यादा वार्म नहीं है ठीक है और पानी हमेशा कैसे टेम्परेचर कैसे नीचे नीचे जाने पे टेम्परेचर जो है अपना हीट सरफेस वॉशन वाटर जो है वो अपना हीट नीचे की ओर देता है ठीक है तो लोअर सेक्शन ऑफ द ओशन में ये कन्वेक्शन के प्रोसेस से अपना हीट देते जाता है लोअर सेक्शन में कन्वेक्शन कन्वेक्शन कैसा होता है तो देखिए गर्म कहाँ से हो रहा है गर्म अगर एटमॉस्फेयर से हो रहा है मान लीजिए ये समुद्र है इसके अलग अलग लेयर हैं और यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है ठीक है और ये पोर्शन पहले गर्म हो गया अगर तो ये पोर्शन थोड़ा नीचे जाएगा फिर इसके ऊपर ये इसका सेकेंड वाला पोर्शन ऊपर आएगा वो गर्म होगा वो भी नीचे जाएगा फिर उसके ऊपर वाला पोर्शन इधर आएगा फिर वो गर्म होगा फिर वो भी नीचे जाएगा है ना तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है सालिनिटी ऑफ वाटर पानी में कितना नमक है इस पर डिपेंड करता है तो सी वाटर में एक केजी सी वाटर में कितना नमक है इस पर ये डिपेंड करता है ना कितना ग्राम है एक हज़ार एक हज़ार या एक के जी सी वाटर में इस पर डिपेंड करता है ये पीपीटी में होता है पार्ट पर थाउजेंड में ये होता है पार्ट पर थाउजेंड में होता है सैलिनिटी जो है ये ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन परसेंट है इसको कंसिडर किया जाता है तब ब्लैकिश वाटर है यानी कि सलाइन शुरू हो गया है है ना सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है ये सरफेस लेयर ऑफ द ओशन पे डिपेंड करता है और प्रेसिपिटेशन पे भी डिपेंड करता है यानी कि अगर मान लीजिए पानी है और पानी में बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो गया तो स, तो क्या होगा नमक नीचे रह जाएगा सैलिनिटी यानी कि पानी में नमक का जो प्रेजेंस होता है और फ्रेश पानी ऊपर चला जाएगा तो पानी अगर कम होते जाएगा नमक उतना ही है तो ऑब्वियसली उसकी सेलिनीटी ज्यादा होगी तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा सलाइन होगा पानी और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी कि उसमें फ्रेश वाटर और बढ़ते जा रहा है तो अगर फ्रेश वाटर बढ़ रहा है नमक उतना ही है तो वो पानी की सैलिनिटी कम होगी सरफेस सैलिनिटी जो है ये कोस्टल रीजन से पे डिपेंड करती है बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर यानी कि अगर नदी का पानी बहुत ज़्यादा किसी जगह में जा रहा है जैसे इंडिया में अगर एग्जाम्पल लोगे बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी का तो नदी का पानी ज़्यादा कहाँ जा रहा है बे ऑफ बंगाल में जा रहा है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा फ्रेश वाटर जाने के कारण क्या होता है कि ये उतना खड़ा नहीं है या उतना सलाइन नहीं है लेकिन अरेबियन सी में फ्रेश वाटर कम जा रहा है इसलिए ये ज़्यादा सलाइन है तो फ्रेश वाटर जाने के कारण रिवर में हमेशा क्या होता है कि पानी की सैलिनिटी कम रहती है पानी की सैलिनिटी कम रहती है तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विंड के कारण भी सैलिनिटी पे डिपेंड सेलिनिटी uh, में क्या होता है तो सैलिनिटी पे अफेक्ट आता है विंड भी इन्फ्लुएंस करता है सैलिनिटी को है ना तो ओशन करंट कंट्रीब्यूट करता है सैलिनिटी के वेरिएशन पे सैलिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर ये सारे इंटर रिलेटेड हैं यानी कि टेम्परेचर अगर uh, मान लीजिए ज़्यादा रहा तो पानी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा है ना पानी ज्यादा सलाइन होते जाएगा डेंसिटी तो पे भी डिपेंड करता है एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस करता है Of water in an area, तो हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे है टर्की में एक वैन लेक है जहाँ सबसे ज्यादा सैलिनिटी है फिर डेड सी है फिर ग्रेट सॉल्ट लेक है यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करेंगे तो से 33 से सैतीस परसेंट थर्टी से 37 सेवन परसेंट तक सैलिनिटी है जब भी कोई जगह लैंड लॉकड रहता है यानी चारों तरफ से वहां पर लैंड है पानी से कोई उसका कनेक्शन नहीं है तो उस केस में भी सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है जैसे डेड सी में सैलिनिटी ज़्यादा है रेड सी में सैलिनिटी ज़्यादा है तो इस तरह से उस पर भी सैलिनिटी का डिपेंडेंस आता है है ना हॉरिजॉन्टल का तो मतलब है कि जैसे डेप्थ में तो आपको समझ में आ रहा है और हॉरिजॉन्टल का तो मतलब है कि वहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं सैलिनिटी को तो ये मैक्सिमम सेलिनिटी कब कहाँ पे होती है तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ पे ये 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम सैलिनिटी होती है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड रिकॉर्डेड हाई सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉड बाय एटलांट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ठीक है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो ज्यादा सलाइन वाटर वहां लेके जाती है और बाल्टिक सी यहाँ पे लो सैलिनिटी यहाँ पे ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर ये लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे पहुँचता है मेडिटेरियन सी रिकॉर्ड करता है हायर सैलिनिटी क्योंकि हायर इवेपोरेशन है मेडिटेरियन सी में हायर सैलिनिटी है क्योंकि वहाँ पे हायर इवेपोरेशन है तो वेरी लो इन ब्लैक सी ब्लैक सी में सैलिनिटी कम है क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा जाते हैं है ना और जो एवरेज एवरेज सैलिनिटी इंडियन ओशन का ये पैंतीस इसको, इसको ऐसे क्यों लिखा गया है तो पैंतीस ग्राम हर हजार ग्राम पे कितना है पैंतीस ग्राम है हजार ग्राम पे पैंतीस ग्राम है ठीक है तो पार्ट पर पीपीटी पे -पी है।, पी -पी है समझ में आ रहा है जैसा मैंने बोला अरेबियन सी में ज्यादा सैलिनिटी है और बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है तो ये आप देखिएगा ये सैलिनिटी का एक चार्ट है जहां पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है जहां पे भी रेडनेस है यानी वहां सेलिनिटी ज्यादा है और जहां पे भी ब्लूनेस है यानी कि वहां सेलिनिटी कम है तो आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आ रही है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में और यहाँ पे 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट के बीच में यानी एटलांटिक ओशन के इस एरिया में सेलिनिटी काफी ज़्यादा है यहाँ पे सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है वर्टिकल अगर हम देखेंगे तो जैसे ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन ऑफ द सी ठीक है सैलिनिटी जो है एट द सर्फेस इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ आइस टू इवेपोरेशन तो कहा जा रहा है कि सतह पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है और डिक्रीजेज विद द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर ठीक है तो अगर वहाँ पर फ्रेश पानी आ रहा है तो सैलिनिटी घट जाती है सैलिनिटी एट द डेप्थ इज मच फिक्स्ड ठीक है तो डेप्थ में सैलिनिटी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है क्योंकि वहां पे पानी का कोई लॉस नहीं है यानी पानी या फिर पानी का कोई एडिशन नहीं है ठीक है सैलिनिटी का मार्क डिफरेंस है अगर सरफेस जोन और डेप्थ जोन को देखेंगे तो लोअर सैलिनिटी जो है वाटर का वो रेस्ट करता है अवव द हायर सैलिटी डेंस वाटर है ना लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिटी डेंस वाटर यानी कि कहा जा रहा है कि पानी जिसकी सेलिनिटी कम है लोअर सैलिनिटी वाटर जिसकी पानी जिसकी सेलिनेटी कम है वो ऊपर रहता है और जिसकी सेलिनिटी ज्यादा है वो जनरली नीचे रहता है तो अगर हम देखेंगे डेप्थ के साथ डेप्थ के साथ सेलिनिटी जनरली इंक्रीज विथ डेप्थ यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जाती है है, है जहां पे से जाने पे और शार्पली बढ़ जाती है ठीक है, है। तो बाकी फैक्टर जो है वहां पे कॉन्स्टेंट है यहाँ पे बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट है और सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजिटिटी टू इंक्रीज तो बात ये कहा जा रहा है कि देखिए जो सैलिनिटी की अगर हम बात करेंगे तो सरफेस पे जो सैलिनिटी है सरफेस पे जो सैलिनिटी वो ऑलमोस्ट फिक्स है है ना ऑलमोस्ट मतलब उल्टा बोल रही है सर्फेस पे जो सैलिनिटी वो वेरिएबल है कभी अगर इनफ्लक्स ऑफ वाटर हो गया तो सैलिनिटी घट जाएगी या बहुत ही वैपोरेशन हो गया तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी लेकिन डेप्थ में डेप्थ में ऑलमोस्ट सेलिनिटी एक जैसी है अब कैसी है किसमें ज्यादा है तो सैलिनिटी एट द सर्फेस इंक्रीजेस बाई लॉस ऑफ वाटर ये तो कहा जा रहा है और ये अगर डिक्रीजेज सैलिनिटी सरफेस इंक्रीजेज बाई लॉस ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाई द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे सैलिनिटी एक्चुअली इंक्रीज कर जाती है शार्पली इंक्रीज कर जाती है एक लाइन है हेलो क्लाइन उसके बाद तो और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसे सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और हेलो क्लाइन के बाद ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई Salinity जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हाई हाई सी वाटर जनरली बिलो द लो तो हाईटी जनरलीटी का जो पानी होता है वो जनरली नीचे चला जाता है और लो सैलिनिटी का पानी जो है वो ऊपर रह जाता है तो ये चैप्टर आपको ओशन वाटर और उसके सेलिनिटी के बारे में अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर्टीन की ओर तो देखिए क्या होता है बेसिकली चैप्टर नंबर फोर्टीन हमने स्टार्ट कर दिया अब जैसे समुद्र है समुद्र में पानी है पानी जो है वो इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके मूव करते हैं तो अगर लहरें आ रही हैं तो लहरों को हम वेव्स कहते हैं जब बहुत ऊठा ऊ ऊंचा उठ जाएगा पानी तो उसको हम वर्टिकल मोमेंट्स कहेंगे ठीक है कि वर्टिकली बहुत ऊंचा उठ गया इसको हम टाइड कहेंगे ओशन वाटर जो है ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता है बहुत बड़े मास में पानी ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और इस तरह से बहुत सारे वेव्स जो हैं वेव्स भी मूव करते रहते हैं यानी बहुत सारे लहरें भी पानी की ऐसे मूव करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह ये पानी के वेव्स और लहरें जो हैं इस तरह से

कि ये है, ये धरती 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 है, है, है? के पास क्या है? चांद और उसके फिर और क्या है सन भी है, है ना सन भी है तो सन है मून है अर्थ है अब सन और मून क्या कर रहा है गाइस सन और मून जो है वो क्या कर रहा है वो धरती से पानी को खींच रहा है धरती से पानी को खींच रहा है पानी को क्यों खींच रहा है यार खींच पानी को नहीं रहा है खींच तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती को ही रहा है मतलब सब में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जैसे ये मास कैपिटल एम है ये मास स्मॉल एम है दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे थे उसके जी एम एम बाई आर स्क्वेयर कहते हैं फोर्स को जी एम एम बाई आर स्क्वेयर कहते हैं है ना यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कहलाता है है ना तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सन है और मून है सन है और मून है यहाँ से पानी को पानी को धरती पे जो पानी है उसको खींचा जा रहा है ये एक दिन में ट्वाइस अडे ठीक है एक दिन में एक बार ये उठती है और गिरती है ठीक है तो एक दिन में ये क्या होता है कि द वॉटर इज रेज एंड फॉल डाउन ट्वाइस अडे तो ये जो अपलिंग है जो अंदर से जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि यहाँ पे कोल्ड वाटर है समुद्र में यहाँ पे वार्म वाटर है तो जब खींचा जाता है तो कोल्ड वाटर भी ऊपर आ जाता है तो अपविलिंग ऑफ कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी का ऊपर आना सब सरफेस से यानी कि सरफेस के नीचे से ठीक है और उसके बाद उसका सिंक कर जाना सिंक भी करती है सिंक भी करती है ठीक है इसी को हम वर्टिकल मोमेंट्स कहते हैं ओशन वाटर का और यही टाइट्स कहलाता है तो जो वेव है वेव क्या है एक्चुअली एनर्जी है पानी नहीं है ये एनर्जी है पहले हम वेव्स की बात करेंगे ठीक है तो जो छोटे छोटे ऐसे स्मॉल सर्कल्स होते हैं वेव के ये पास करते हैं इसी को हम एनर्जी कहते हैं ठीक है ये एनर्जी कहाँ से आता है विंड से आता है विंड जो है वो समुद्र में ऐसे ही मूव करते रहते हैं तट रेखा तक जाते हैं और जो सरफेस है सरफेस वाटर है उसके मोशंस को ही ये अफेक्ट करते हैं और ये बॉटम वाटर यानी कि समुद्र का जो नीचे सतह वाला पानी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है और वेव्स जो हैं वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं वो बीचेस तक पहुंच जाते हैं तट तक पहुँच जाते हैं और फिर वहां पर जाके वो शांत हो जाते हैं तो समुद्र की लहरें आ रही हैं आप समुद्र के पास ऐसे बीच पे खड़े हैं और लहरें आके एकदम छटाक से उसके बाद वो शांत हो जाती है ठीक है तो डायनामिक वाटर और ये फ्रिक्शन यहाँ पे काम करते हैं सी फ्लोर पे ये काम करते हैं तो अब जो डेप्थ है ऑफ वाटर का ये लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, है लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव होता है ठीक तो यहाँ पे ये आके वेव जब जब वेव, जब वेव जब वेवलेंथ जो है वेवलेंथ आ रही है और डेप्थ कम है तो वेवलेंथ जनरली वेव्स जो है वो ब्रेक कर जाती है शांत हो जाती है जो अभी तक के ओपन ओपन ओशन में अभी तक बहुत ज्यादा वेव लहरे होती हैं लेकिन समुद्र के मतलब वो तट पे आते आते शांत हो जाती है तट पे आते आते शांत क्यों जाती है यार तट पे आते शांत इसलिए हो जाती है ना क्योंकि देखो लीजिए ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ओशन है और कॉन्टिनेंट का ये यहाँ तक ही है कॉन्टिनेंट मान लीजिए कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ तक है ये आपका ओशन वाइज शेल्फ हो गया और समुद्र का अगर यहाँ पे शालोनस कम है यानी कि शालोनस है समुद्र का जो डेप्थ है वो कम है तो यहाँ पे जो वेव्स आती हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुंचते वेव जो है वो ब्रेक कर जाती हैं वेव जो है वो ब्रेक कर जाती हैं ठीक है और वेव कंटिन्यू कर जाती हैं ग्रो एज मूव एन एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विंड तो इनको विंड से एनर्जी मिल जाता है द्रीज ऑफ टू नॉट और लेस ब्लो ओवर काम वाटर ठीक है तो यहाँ पे नॉट क्या है नॉट बेसिकली नॉट क्या होता है नॉट लेंथ uh, को भी कहते हैं हम यहाँ पे नॉट स्पीड को कहते हैं है ना तो जब दो नॉट से या उससे कम ये ब्लो करता है तो उसको हम ओवर काम वाटर यानी कि जब समुद्र में हवा बह रहा है दो नॉट या उससे कम काम वाटर के ऊपर तो क्या होता है छोटे 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 ऐसे रिपल्स बनते हैं और रिपल्स जो हैं वो रिपल जो हैं वो फॉर्म करते हैं और ग्रो करते हैं विंड स्पीड इंक्रीज करता है और वाइट कैप अपेयर होता है ब्रेकिंग और वेव जो है वो ब्रेक हो जाते हैं वेव का साइज वेव का शेप से, है। है? वेव से वेव अम, शेप से पता चलता है कि उसका ओरिजिन क्या है ठीक है वेव के साइज से वेव के शेप से पता चलता है कि उसका ओरिजिन क्या है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे स्लो तो और स्टडी जो वेव हैं वो ओरिजिनेट करते हैं और ये पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिसफेयर ये आते हैं यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्थ हेमिसफेयर का हवा जो है वो वेस्ट साउथ हेमस्फेयर आ रहा है ऐसा भी होता है मैक्सिमम वेव हाइट ये डिटरमाइन करता है कि विंड कितना तेज है जितना ही तेज विंड होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर जो वेव्स हैं या जो आपके लहरें हैं वो बनती जाएंगी विंड ट्रैवल करता है ठीक है विंड ट्रैवल वेव ट्रैवल करता है बिकॉज विंड जो है उसको पुश करता है विंड वेव uh, करता है क्योंकि विंड उसको पुश करता है और वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स वाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ठीक है तो ग्रेविटी जो है उसको पुल करता है क्रेस्ट को ये हो गया ठीक है ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रॉ हो गया तो अभी जैसे ऊपर उठेगा तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर लेके आएगा है ना तो इस तरह से क्रेस्ट और ट्रॉ ये बनते रहते हैं और ये वेव आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है तो वेव का क्या होता है क्रेस्ट होता है और टो होता है यानी शिखा होता 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 है होता है है ग्रथ जो हाईएस्ट उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जैसे ये नीचे जाता है तो उसको हम ट्रो कहते हैं वेव का हाइट ये क्या है तो ये देखिए जैसे कि अगर कोई वेव लेंथ होता है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं ये ऐसे जा रहा है ना तो यहां से लेके यहां तक जो है इस वेव का हम हाइट कहते हैं वेव का हाइट ये हुआ एम्पलीट्यूड क्या हुआ ये चीज इसका एम्पलीट्यूड हुआ ठीक है और वेव पीरियड क्या हुआ एक क्रेस्ट और एक ट्रो को कंप्लीट करने में क्या होता है कि इट्स मोरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टू क्रेस्ट यानी कि दोनों क्रेस्ट यहां से इसके बाद क्रेस्ट शुरू होगा एक क्रेस्ट और एक ट्रो को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या तो वेव पीरियड कहते हैं वेवलेंथ क्या होता है वेवलेंथ जो है वो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं इस लाइन को हम वेवलेंथ कहते हैं इस लाइन को हम वेवलेंथ कहते हैं समझ में आ रहा है वेव स्पीड क्या है एट विच मूव्स ओवर द इसको हम मेजर करते हैं नॉट में समुद्र में जब भी कोई चीज मूव करता है ना तो उसको हम नॉट में ही मेजर करते हैं ठीक है समुद्र में जब भी कोई चीज मूव करता है तो उसको हम नॉट में ही मेजर करते हैं और लेंथ uh, को हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं वह समुद्र में जैसे माइल्स और मीटर वगैरह नहीं होते हैं नॉटिकल माइल्स होता है ठीक है नॉटिकल माइल पर सेकेंड करके हम नॉट निकालते हैं अब बात आती है टाइड की तो टाइड में आपको समझ में आ गया टाइड बहुत सिंपल सा बात है कि टाइड जो है मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार समुद्र के स्तर का समय समय पर उठना और गिरना ही ज्वार कहलाता है यानी टाइड कहलाता है जो मूवमेंट है वाटर का ये क्यों होता है मेट्रोलॉजिकल अफेक्ट के कारण होता है चाहे वो हवा के कारण हो या चाहे वो एटमोस्फेरिक दबाव के कारण हो है ना और ये जो मूवमेंट है इसको हम सर्ज कहते हैं सर्ज जो है ये रेगुलर नहीं होता है सर्ज जो है वो रेगुलर नहीं होता है मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये ग्रेटर होता है टू अ लेसर एक्सटेंट और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इसका मेजर कॉज है ऑफ ऑकरेंस ऑफ टाइड ठीक है मून का ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू ग्रेटर एक्सटेंड एंड टू ये सन का जो है, ये है, बाकी क्या है? तो सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स यानी कि किसी भी चीज को केंद्र की ओर आकर्षित करना ये भी एक फैक्टर है विच इज द फोर्स दैट एक्ट टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी ठीक है ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सेंट्रपेटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो सेंट्रिपेटल फोर्स ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज को हम बीच में कर रहे हैं तो वो सेंट्रिपेटल हो गया ठीक है सेंट्रिपेटल यानी कि ग्रेविटी क्या है ग्रेविटी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र में आकर्षित करती है तो उसको हम सेंट्रि कहेंगे और इसके ऑपोजिट जो लगता है जो बाहर की ओर करता है उसको हम सेंट्री कहेंगे तो ये दो तरह के यहाँ पे फोर्स लगाए जाते हैं तो राइज और फॉल जो होता है सी लेवल का ठीक है वंस और ट्वाइस अडे ये अट्रैक्शन ऑफ सन और अट्रैक्शन ऑफ मून के कारण होता है इसी को हम टाइड कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल अफेक्ट इसको यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये हवा के कारण हो सकता है दबाव के कारण भी हो सकता है है ना तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है क्यों क्योंकि मून हमसे ज्यादा पास है और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है क्यों क्योंकि सन हमसे उतना पास नहीं है ठीक है बाकी एक और फैक्टर क्या आपको समझ में आए सेंट्रोफ्यूगल फोर्स जो कि ग्रेविटी के काउंटर है तो साथ में जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो क्या होता है जब साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो फोर्स जो है वो एक क्रिएशन करता है दो मेजर टाइडल बल्ज का यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ उस अर्थ को खींच रहा है तो अर्थ में पानी है वो खिंचा गया तो वो क्या करा बल्ज बल्ज को क्रिएट किया तो ऑन द साइड जो मून को फेस कर रहा है वहां पर बल्ज यानी कि उठ गया पानी उठ गया और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होता है जो जहां पे जस्ट ऑपोजिट साइड जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड द मून इज लेस एंड इट्स फार्दर अवे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी दूसरे साइड पे भी बल्ज हो रहा है यानी कि धरती में अगर पानी है तो अगर इधर बल्ज हो रहा है तो इधर भी बल्ज हो रहा है ताकि हम इसको बैलेंस कर दें ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बैलेंस हो जाता है इसको आप याद रखेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कॉज करता है टाइडल बल्ज ऑन द अदर साइड ऑल्सो तो टाइडल बल्ज जो है वो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ग्रेटर हाइट पे है ना वाइल्ड वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये ग्रेटर हाइट पे है तो जो व्हेन द टाइडल बल्ज टाइडल बल्ज या कि मिड ओशियानिक आइलैंड को हिट करेगा तो ये जो है दे बिकम लो ठीक है तो यहाँ पे टाइडल बल्ज जो है मिड ओशियानिक को जब हिट करेगा तो ये क्या होगा ये मिड ओशियन में जाके यानी कि बीचो बीच जाके ये मतलब स्लो हो जाता है ठीक है तो ये जब वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि ये लैंड के पास जाने लगता है ठीक है तो वहां पे उसका हाइट बढ़ता है लेकिन जब ये जो है ये ये आइलैंड को कहीं पे भी जाके ये तट को अगर हिट करता है तो फिर ये स्लो हो जाता है फिर ये बंद हो जाता है ठीक है तो जो शेप है वेव्स का या का बे या एस्चुरी का बे यानी कि पानी का वो टुकड़ा है जो तीनों साइड से लैंड से कवर्ड है है ना तो बे या एचुरी का कोस्ट लाइन पे ये अपना टाइड्स ये इंटेंसिटी ऑफ टाइड ठीक है आल्सो मैग्नीफाइज द इंटेंसिटी ऑफ टाइड ये फनल शेप का होता है बेसिकली फनल शेप का होता है ये बेसिकली फनल शेप का मतलब क्या हुआ बे का मतलब क्या हुआ बे का मतलब हुआ कि जैसे लैंड है ठीक है और लैंड के तीनों साइड ये लैंड है जैसे इंडिया है ठीक है यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ जो पानी अटका हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं बे कहते हैं यानी कि बे तीनों साइड पेनसुला का जस्ट उल्टा तीनों साइड ये लैंड से कवर्ड है है ना तो अब क्या हो रहा है कि टाइड इज चैनलाइज बिटवीन द आईलैंड और इंटू द बे एंड एक्चुअली दे आर कॉल टाइडल करेंट अब वही चीज जाके जब समुद्र से ये चीज आके जब धरती पर टकराएगी जब कोस्ट पर टकराएगी तो इसको हम टाइडल करेंट कहेंगे है ना तो बे ऑफ फंडी ठीक है कैनेडा में है ये यह, यहाँ पे हाईएस्ट टाइड आया था और बे ऑफ फंडी में ये नोवा स्कोटिया कनाडा में है तो ये 16 से लेके 15 से लेके 16 मीटर तक का हाईएस्ट यहाँ पे टाइड आया था अब बात है फ्रीक्वेंसी कि कितने कितने समय के बाद ये होता है तो जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है ये दो हाई टाइड होता है और दो लो टाइड होता है हर दिन ऑलमोस्ट ठीक है अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट का अगर हम देखेंगे तो देर इज वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे ठीक है देर इज वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड आर अप्रोक्सिमेटली ऑफ सेम हाइट ठीक है फिर आप बात करेंगे मिक्स टाइड का तो मिक्स टाइड जो है यहाँ पे बात हो रही है कि टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर कॉल्ड मिक्स टाइड ठीक है जब कहीं छोटा हो गया कहीं बड़ा हो गया तो उसको हम मिक्स टाइड कहेंगे है ना तो हाइट ऑफ राइजिंग वाटर High tide, ये आपका appreciable है द मून ठीक है और के sun and moon पे ये करती है कि sun दूर है sun पास है कि दूर या पास स्प्रिंग टाइड जो है ये ऊंची है और नीप टाइड जो है ये नीची है स्प्रिंग टाइड क्या है जब ऑलमोस्ट इसको इस तरह से आप समझेंगे कि अर्थ है ठीक है अर्थ है और यहाँ पे सन है और यहां पे मून है और दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि सन है अर्थ और मून है तो भी ऑलमोस्ट क्योंकि काउंटर बैलेंस होगा एक ही डायरेक्शन में फोर्स है तो इसको हम स्प्रिंग टाइट कहेंगे क्योंकि इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है लेकिन जब अर्थ यहां है सन यहां है और मून यहां है और जो यहां पे ये यह फोर्स लगा रहा है यहां ये यह फोर्स लगा रहा है और नेट यहां चला गया तो नेट जब वहां चला गया तो इसको हम नीप टाइट कहेंगे उसको हम नीब टाइट कहेंगे यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो उसको हम नीब टाइट कहेंगे यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसको हम नीप टाइड कहेंगे ठीक है तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है और इस समय जब सन एंड मून जो है 90 डिग्री एंगल पे है तो उसको हम नीट टाइड कहेंगे मून अट्रैक्शन ये आपका थ्रू मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉग होता है सन से क्यों क्योंकि मून जो है वो हमसे ज्यादा पास है ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है महीने में एक बार जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी पर है 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 ना तो तो जिसको हम हम लोग चुके हैं तो पे क्या होता है? Unusual high low tide का occurrence होता और का ठीक है ड्यूरिंग दिस टाइम टाइडल रेंज इज ग्रेटर टाइडल रेंज जो है वो ग्रेटर होता है नॉर्मल से टू वीक लेटर वेन मून इज फॉर्स्ट फ्रॉम अर्थ ठीक है दो वीक के बाद जब फिर से क्योंकि आपको पता है कि महीने में एक बार चांद जो है सबसे करीब आता है और फिर जो है वो सबसे दूर चला जाता है जब एपोजी होता है तो उस समय भी जो एवरेज टाइड का जो हाइट है वो कम हो जाता है तो द द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड ईब ठीक है तो जो दो समय है एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच में उसको हम इब कहते हैं और जो टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड इसको क्या कहते हैं लो टाइड एंड हाई टाइड इसको हम राइजिंग कहते हैं ठीक है तो दो हाई टाइड द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड यानी कि पहले हाई टाइड आया फिर लो टाइड आया और उसके बाद लो टाइड आया फिर हाई टाइड आया तो इन दोनों के बीच के जो टाइम है उसको हम ईब कहेंगे ई डबल बी इन दोनों के बीच का जो टाइम है हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो टाइम है उसको ई डबल बी कहेंगे और लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो टाइम है उसको हम राइजिंग कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे राइजिंग कहेंगे फाइन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड टाइड क्यों जरूरी है तो so, टाइड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थ मून और सन के बीच का जो पोजिशन है इसको हम टाइड के तो द कॉज बिटवीन द अर्थ मून एंड सन पोजिशन विच आर नोन एज एक्यूरेटली ठीक है द टाइड कैन बी प्रेडिक्टेड एज वेल इन एडवांटेज एडवांस यानी कि अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा तो टाइड को भी हम समझ जाएंगे ठीक है इससे नेविगेटर को और फिशरमैन को हेल्प मिलता है ताकि वो हेल्प कर मतलब हम लोग को पता चल जाएगा टाइड क्या है कब आने वाला है तो हम लोग को उससे पता चल जाएगा कि फ़िशरमैन और नेविगेटर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए है ना तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइड और भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्यों तो हार्बर नियर द नियर द रिवर ठीक है नदी के पास जो हार्बर होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है है ना उसके बाद आप देखेंगे एस्टूडीज और बार्स शालो बार्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो टाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन जो पानी पोल्यूटेड है उसको हटाने में जरूरी है टाइड की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं इसीलिए भी टाइड इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम देखेंगे ओशन करंट तो ओशन करंट के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है जो है वो है, जिसका है, और द मूवमेंट और सेकेंडरी प्राइमरी फोर्स लगेगा जहां से ओशन करंट शुरू होगा और एक सेकेंडरी फोर्स लगेगा जिसके कारण वो पूरा इन्फ्लुएंस होते जाता है ठीक है तो आप ओशन करंट किस पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा गर्मी है क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है आपको ये समझ में आ चुका है यहाँ पे जैसे धरती है और धरती के बीच में यहाँ पे जो हीट का रेंज है धरती के बीच में यहाँ पे जो हीट है ठीक है इसके कारण पानी का जो लेवल है पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे सन है जब लेवल कम हो जाता है पानी का जब लेवल कम हो जाता है पानी का तो यहाँ से पानी और यहाँ से पानी जो है दोनों उसको कवर करने के लिए आता है फिर क्या होगा फिर एक सिचुएशन ये आता है कि बीच में पानी उठ जाता है बीच में पानी यहाँ पे उठ जाता है और वापस से ये पानी वापस बैक जाता है तो पानी उठ जाता है फिर वापस से ये बैक जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ओशन जो है ओशन करंट वो ऊपर नीचे हो रहा है तो विंड हो गया ग्रेविटी हो गया करियोलिस फोर्स करियोलिस फोर्स आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में कोई भी चीज अपने राइट वर्ड टर्न करता है और सदर्न हेमोस्फेयर में कोई भी चीज अपने लेफ्ट वर्ड टर्न करता है तो इसको हम करियोलिस फोर्स कहते हैं है ना सोलर एनर्जी ये कॉज करता है पानी को एक्सपैंड करने में इसी का यही कारण है कि इक्वेटर के नियर जो ओशन वाटर है ये आठ सेंटीमीटर हाइयर होता है क्यों मिडिल क्योंकि कभी-कभी जब हीटिंग के कारण वहां से पानी उठ जाता है एवेपोरेट हो जाता है तो दोनों साइड से ग्रेडियंट दोनों साइड से वाटर जो है वो फ्लैश कर जाता है और अपविलिंग होता है दिस कॉज अ वेरी स्लाइट ग्रेडियंट इन वाटर टेंस टू द फ्लो डाउन द स्लोप यानी वही जो होता है उसको वापस जाने के लिए यहाँ पे इक्वेटर में कहा जा रहा है कि लेवल उसका थोड़ा सा ऊंचा होता है ठीक है अब सरफेस पे जो विंड ब्लो कर रहा है सरफेस पे जो विंड ब्लो कर रहा है और वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन हो रहा है इन सब कारण से यहाँ पे ओशन करंट आ रहा है ठीक है ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी टेंड्स टू तो पुल द वाटर डाउन द दा पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट ठीक है तो ग्रेविटी के कारण जो पानी जो है वो पुल डाउन द पाइल ये पुल हो रहा है और ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है ठीक है क्रियोल फोर्स आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में मूवमेंट हमेशा अपने राइट वर्ड होता है और सर्दर्न हेमेस्फेयर में मूवमेंट जो है हमेशा अपने लेफ्ट वर्ड होता है और इस मूवमेंट के कारण क्या होगा इस मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इधर रहा है ये इधर से आ रहा है तो बीच में गायर फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है तो यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें बीच में गायर फॉर्मेशन हो जाता है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये गायर का फॉर्मेशन भी यहाँ हो जाता है ओशन वाटर में आप समझेंगे कि ये ड्रिफ्ट है यानी कि पानी का इस तरह से फ्लो है यूजुअली जो करंट है वो स्ट्रॉन्गर है सरफेस के पास और मेंटेन करता है स्पीड पाँच नॉट का डेप्थ में आप देखिएगा तो डेप्थ में मूवमेंट कम है और जीरो पॉइंट फाइव नॉट का है और ड्रिफ्ट जो है ये नॉट्स में हम मेजर करते हैं ये ओशन करंट का स्पीड होता है सरफेस करंट भी होता है और डीप करंट भी होता है सरफेस करंट जो है ये टेन परसेंट है पूरे ओशन का है ना और पूरे ओशन का टेन परसेंट है और ऊपर से लेके चार सौ मीटर डेप्थ तक ये होता है और डीप वाटर जो है ये नाइन्टी परसेंट है और ये नाइन्टी परसेंट है और इसको आप समझेंगे कि ये मेक करता है ये अप टू अब द नाइंटी परसेंट ऑफ द ओशन वाटर ठीक है तो जो वाटर है ये मूव करता है अराउंड द ओशन बेसिन और इसको ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी और ग्रेविटी के कारण इसमें मूवमेंट है तो कोल्ड करंट है और वार्म करंट है जिसको आप समझ चुके हैं कि जब भी पोल से पानी इक्वेटर की ओर आएगा इसको हम कोल्ड करंट कहेंगे और जब भी इक्वेटर से पानी जो है पोल की तरफ जाएगा तो इसको हम वार्म करंट कहेंगे ठीक है तो कोल्ड वाटर क्या है कि कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर तो बेसिकली जब ओशन जब करंट है ये यूजली फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में हमको ठंडा करंट मिलता है और मिडिल एंड लो एंड मिडिल लैटिट्यूड ठीक है तो यहाँ पर ठंडे करेंट हमको मिलते हैं यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है मेजर अगर हम बात करें कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है फोर्स के कारण ही ऐसा होगा कि कभी भी आपको इस तरह का मूवमेंट नहीं दिखेगा हमेशा आपको इस तरह से टिल्टेड वेड मूव दिखेगा ठीक है तो इसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं तो यही कॉरियोलिस्ट फोर्स जो है वो इसमें एक, एक सर्कुलर पैटर्न लेकर आती है है ना जहाँ पे मॉनसूनल फ्लो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है करेंट के मूवमेंट्स को ये ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स है और वार्म करेंट लो लैटिट्यूड से कहा जाता है टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दन हेमोस्फेयर और लेफ्ट इन द सउदर्न हेमोस्फेयर तो यही आपके सर्कुलर मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं अफेक्ट क्या है तो अफेक्ट यही है कि जो ठंडा प्रदेश है वहां पे अगर गर्म करंट है तो उनको राहत मिलती है अगर कहीं पर ठंडा ओशन करेंट है तो क्योंकि ठंडा ओशन करेंट पर ह्यूमिडिटी नहीं है तो ऊपर बादल का फॉर्मेशन नहीं करता है बादल का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर बारिश नहीं होती है है ना दो ओशन करेंट जहाँ पर गर्म और ठंडा दोनों आकर मिल जाते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ गर्म और ठंडे दोनों आकर मिल जाते हैं तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं है ना ये सारे इसके फायदे हैं फिर आप देखेंगे कि कूल समर रिलेटिवली यानी कि वही बात है कि टेम्परेचर को ये बैलेंस कर देता है जहाँ बहुत ठंडा है वहां पे थोड़ा गर्माहट आ जाएगा जहाँ बहुत गर्म है वहां पे थोड़ा ठंडाहट आ जाएगा ठीक है तो ये यहाँ पे ये है और एवरेज टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली लो होता है और आप देखेंगे नैरो डाई यूरिनल नैरोनल और एनुअल रेंजेस के कारण ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है तो यही चीज है जो कि ऑलरेडी रिपीटेड है चैप्टर नंबर में अब हम बढ़ेंगे चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पे हम कैसे रहते हैं पृथ्वी पर हमारा जीवन कैसा है तो इसको हम समझेंगे बायोस्फेर इंक्लूड देखिए बायोस्फेयर को आप पहले ऐसे समझें ठीक है तो बायोस्फेर को आप इस तरह से समझेंगे कि ये लिथोस्फेयर है ये हाइड्रोस्फेयर है ये एटमोस्फेयर है यानी यहाँ पे एयर है यहां पे वॉटर है और यहाँ सॉइल है जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो यहाँ पे बीच में क्या होता है जीवन होता है लाइफ होता है और लाइफ को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं इसको हम बायोस्फेर कहते हैं है। तो धरती पे बायोस्फेयर यानी कि सिर्फ धरती ही है, अभी तक में जितना हमको पता है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे लाइफ है यानी कि लोग वहाँ पे रहते हैं प्लानट अर्थ पे लोग रहते हैं और सराउंडिंग एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं ठीक है तो एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब अपने धरती पर रहते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिथोस्फेयर में रहते हैं और हाइड्रोस्फेयर में भी रहते हैं यानी कि लैंड और लैंड और समुद्र दोनों में रहते हैं और एटमोस्फेयर से तो वो सांस लेते ही लेते हैं यानी कि तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है अगर हमको इस पृथ्वी पर रहना है पानी हवा और मिट्टी है ना तो लाइफ ऑन अर्थ जो है वो हर जगह आपको मिलेगी चाहे वो पानी में मिले चाहे वो हवा में मिले चाहे वो मिट्टी में मिले चाहे वो ठंडे जगह पे मिले चाहे वो सूखे जगह पे मिले चाहे वो गर्म जगह पे मिले हमारे धरती पे हर जगह आपको जीवन जो है वो मिलेगा ही फिर हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में तो इकोलॉजी क्या होता है जब हम अर्थ एज हाउस होल्ड समझते हैं प्लानेट ह्यूमन बींग एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं ये सारे एक साथ रहते हैं एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं इसको समझते हैं तो बेसिकली इसको हम इकोलॉजी कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि जो इंटरक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं एनर्जी का जो फ्लो है उसको हम इस सिस्टम में मानते हैं ठीक है तो जो साइकिल है लैंड वाटर और एयर का साइकिल इसको हम यहाँ समझते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन जो डिफरेंस बिटवीन इको सिस्टम एग्जिस्टिंग वेरियन रेंजेस ठीक है तो हम किस तरह से अलग अलग कंडीशन में लोग एडेप्ट करते हैं इसको हम इकोलॉजिकल एडेप्शन समझते हैं अब हम समझेंगे बायोम्स अलग अलग, अलग बायोम्स क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो टेरिस्टेरियल बायोम्स है टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम है यानी कि इस धरती पे कैसे कैसे अलग अलग, अलग तरह से लोग रह रहे हैं उसको हम समझते हैं प्लांट रह रहे हैं उसको हम उसको हम हम समझते हैं हैं बायोम्स कहते तो जितने भी प्लांट है और एनिमल के स्पीशीज हैं अलग अलग कंडीशन में रहते हैं ठीक है तो जैसे अगर वो जंगल में रह रहे हैं फॉरेस्ट बायोम हो गया ग्रासलैंड घास के मैदान में रह रहे हैं ग्रासलैंड हो गया रेगिस्तान में रह रहे हैं डेजर्ट हो गया और बहुत ठंडे जगह पे रह रहे हैं तो तुंदरा बायोम हो गया ठीक है फिर हम समझेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां पे मेरीन है ठीक है तो समुद्री जगह पे रह रहे हैं उसके बाद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है यानी साफ पानी में रह रहे हैं ठीक है तो इस तरह से अलग अलग हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी रह रहे हैं अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व करता है प्लांट और एनिमल के स्पीशीज को जहां पे बायोटिक फैक्टर्स भी है और एबायोटिक भी यानी कि जिसमें लाइफ वो बायोटिक फैक्टर है जिसमें प्लांट हो गया एनिमल हो गया फिशेज हो गया और जिसमें नो no लाइफ है ठीक है नो लाइफ है जिसमें सॉइल वाटर एयर नो लाइफ है उसको हम ए सिस्टम कहेंगे तो ए सिस्टम में हो गया रेनफॉल टेम्परेचर सनलाइट एटमोस्फेयर ह्यूमिडिटी सॉयल ऑर्गेनिक कंडीशन इनऑर्गेनिक कंडीशन ये जितने भी चीजें हैं वो ए सिस्टम हो गया बायोटिक सिस्टम में आप समझेंगे तो बायोटिक सिस्टम में क्या हो गया तो बायोटिक सिस्टम में आपके हो गए प्लांट हो गए प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए जिनके पास भी जीवन है कार्वी वोरस हरवी वोरसनेक टाइगर जिनके पास भी लाइफ है वो बायोटिक सिस्टम हो गया है साथ ही साथ ये आप देखिएगा जो मृत मतलब शव को खाते हैं यानी कि जो बॉडी जो डेड बॉडी उसको खाते हैं तो उसमें चील मोंगूस ये सब हो गए डिकॉम्पोजर्स हो गए ये फीड होते हैं ऑर्गेनिज्म पे फॉर एग्जाम्पल स्कैंजर्स है है ना वल्चर्स हैं काउज हैं तो ये सारे जो हैं ये डिकम्पोजर्स हैं यहाँ पे इसको भी बताया जा रहा है आपको अब है फूड चेन के बारे में तो फूड चेन के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि फूड चेन जैसे एक ग्रेजिंग फूड चेन है तो ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या हुआ कि घास कौन खाया तो घास जो है वो हरवी है यानी कि जैसे मान लीजिए डियर खा लिया ठीक है घास डियर खा लिया डियर को कौन खाया तो वो उसको लायन खा लिया लायन जब मर गया तो उसको चील जो जो है वो उसको नोच के खा गया और जो बाकी चीजें हैं वो घास में डिकम्पोज हो गए तो एक तरह से ग्रेजिंग फूड चेन हो गया एक हो गया डेट्रीटस डेट्रिटस फूड चेन तो डेट्रिटस फूड चेन जो है वो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड करता है ठीक है ऑटोट्रॉप यानी कि घास में जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो घास पे रह रहे हैं घास में एनर्जी आया उसको कौन खाया तो उसको बेसिकली इनिशिएटेड बाय ग्रेजिंग एनिमल उसको हिरन खा लिया ठीक है एंड इनवॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड डेड मैटर्स मैटर्स तो ये dead matters पे है तो ये डिट्रिटस फूड चेन हो गया तो अब हम समझेंगे कि फॉर जैसे बायोम्स क्या है एक हो गया जंगल एक हो गया डेजर्ट रेगिस्तान घास का मैदान हो गया एक्वेटिक हो गया जलीय हो गया और उसके बाद लास्ट में एल्टीट्यूडनल बायोम्स यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो ये वाला बायोम हो गया फाइन तो यही चीज यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई गई है नेक्स्ट हम देखेंगे सब टाइप में अगर आप देखें फॉरेस्ट सबसे पहले हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो अर्थ में ऐसे बीच में है तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्विटोरियल बायोम बोलेंगे अगर इक्विटोरियल बायोम यानी कि हमेशा वहां पे बारिश होती रहती है सदा बहार पत्ते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके बाद अगर वो साल भर में एक बार अपने सारे पत्ते झाड़ लेते हैं तो उनको हम डेसीडियस बोलेंगे जैसे जैसे हम और ऊपर की जैसे इसके नीचे गए और यहाँ पे गए तो मिलेंगे आप जानते हैं कि फॉरेस्ट अगर आप इसकी बात करेंगे इक्वेटोरियल की तो इक्वेटर के पास मिलेंगे और डेसीडियस जो है थोड़ा सा ट्रॉपिकल की ओर मिलेंगे ये नॉर्थ अमेरिका में है नॉर्थ ईस्ट एशिया में है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में है ठीक है और ब्रॉड बेल्ट है यूरोशिया का नॉर्थ अमेरिका का जहां पे साइबेरिया अलास्का कनाडा कैनेडा स्कैंडवीन कंट्रीज है जैसे नॉर्वे फिनलैंड ये सब आ जाएंगे फाइन क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक में आप समझेंगे कि जो टेम्परेचर का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे है ना और रेनफॉल भी यहाँ पे ऑन एन एवरेज वन थाउजेंड एम तक रहेगा यानी कि बारिश ज्यादा होती है टेम्परेचर आपको समझ में आ गया ठीक है फिर आप देखेंगे कि रेनफॉल जैसे अगर आप ये एवरग्रीन की इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं ये डेसीडियस देस, की बात कर रहे हैं तो सीजन जो है डेसीडियस में वेल डिफाइंड है कि कब जैसे एवरग्रीन में ऑलमोस्ट हर टाइम बारिश हो रही है इक्वेटर पे आपको पता है कि आफ्टरनून यानी कि दोपहर में भी बारिश हो रही है लेकिन डेसीडियस में क्या होता है कि मतलब मौसम डिफाइंड है कि कब समर है कब विंटर है कब रेन है ये सब चीज यहाँ पे डिफाइंड है Soil की बात करते हैं तो सॉइल में भी प्रकार है सॉयल जो है कोई सॉयल एसिडिक uh, होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है कोई सॉयल ऐसे होते हैं जो आपके रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में उसके बाद फर्टाइल सॉयल भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमस हैं और एसिडिक और पुअर सॉइल भी होते हैं तो इस तरह के अलग अलग सॉइल मल्टीलेयर कैनोपी होता है मल्टीलेयर कैनोपी हुआ यानी कि पेड़ पेड़ है है और के के बाद भी छोटे प्लांट है। छोटे प्लांट के बाद भी भी छोटे छोटे प्लांट प्लांट घास है तो मल्टीलेयर कैनोपी है लेकिन डेसीडियस में जो है उतना डेंस कैनोपी नहीं है उतना डेंस कैनोपी नहीं है पिछले जो क्लासेस में हमने किया एनसीआरटी वहां पर भी हमने आपको ये सारी बातें बताई है और मॉडरेटली डेंस ब्रॉडलीफ है ठीक है जैसे मॉडरेटली डेंस ब्रॉड लीफ है एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं तो फॉरेस्ट में आपने ये समझा फॉरेस्ट में आपने ये समझा कि अगर हम फॉरेस्ट को लें और फॉरेस्ट को हम दो प्रकार के माने कि एक हो गया हमारा एवरग्रीन जहां पे कभी भी पत्ते नहीं झाड़े जाते हैं सदा बहार होते हैं ठीक है ये सदा बहार होते हैं इसके पत्ते कभी भी मतलब झाड़े नहीं जाते हमेशा ये हरे भरे होते हैं और यहाँ पे कैनपी कैसा होता है कि पेड़ है ठीक है फिर प्लांट भी है और फिर घास भी है तो ये पूरा मल्टी लेयर इसका कैनेपी रहता है और डेसीडियस जो है वो एक बार अपने सारे पत्ते जो है वो झाड़ते ही झाड़ते हैं तो ये सदा बाहर नहीं होते हैं। साल में एक बार साल में एक बार अपने सारे पत्ते ये झाड़ देते हैं ठीक है तो अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो यहां पे हमको ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे फाइन इक्वेटोरियल और यहां पे ज्यादातर हमको डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे ठीक है तो डेसीडियस फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल के पास मिलते हैं एवरग्रीन में हमेशा मौसम एक जैसा ही होता है ठीक है तो मौसम जो है वहां पे बारिश ही होती रहती है यहां पे है कि विंटर अलग है और समर अलग है रेनी अलग है तो ये प्रॉपर डिमार्केशन जो है वो डेसीडियस में टेंपरेचर टेम्परेचर भी आप समझ चुके हैं अब बात आता है डेजर्ट्स की तो डेजर्ट में भी आप देखिए एक हो गया हॉट डेजर्ट ठीक है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट एक हो गया सेमी एरिड डेजर्ट यानी कि उतना भी सूखा नहीं है एक हो गया कोस्ट के पास डेजर्ट का मतलब पहले आप ये समझो ना कि डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं होता है सिर्फ डेजर्ट का मतलब होता है जहां पे कुछ भी उगा ना हो ठीक है तो ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट भी हो सकता है सेमी एरिड भी हो सकता है कोस्टल भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है अगर हम हॉट एंड ड्राई की बात करें सहारा कालाहारी मरुस्थली रब एक खाली ये सब जो है हॉट एंड ड्राई है मार्जिनल एरिया उसका जो मार्जिनल एरिया है जैसे ये डेजर्ट है ठीक है और इसके आसपास का जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा वो सेमी एरिड हो जाएगा ठीक है कोस्ट के पास जो डेजर्ट है अटाकामा एक कोस्टल डेजर्ट है और जो बहुत ठंडे जगह पे होगा तो वहां पे तुंदरा हो जाएगा तो ये चार प्रकार के यहाँ पे डेजर्ट आपको दिख रहे हैं पहले प्रकार में इसका जो टेम्परेचर है ये ज्यादा है उसके बाद टेम्परेचर कम होते जाता है कोस्टल में टेम्परेचर मॉडरेट है और जो आपका लास्ट प्रकार है जिसमें कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है और वहां पे रेनफॉल भी कम है इसलिए वो डेजर्ट बन गया ठीक है सोयल कैसे रहते हैं सोयल में न्यूट्रिएंट्स होता है लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते हैं अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे तो बारिश बहुत कम होती है तो वहां पे पेड़ पौधे तो कुछ होंगे नहीं और वैसे ए से लेके सी तक और वैसे रेप्टाइल्स होते हैं जनरली वहां पे जैसे कि अगर छिपकिली हो गया चिपको हो गया ये सब टाइप के रेप्टाइल्स हो गए और ठंडे जगह पे छोटे छोटे जानवर रहेंगे जैसे रैपिड हो गया एंटीलोप्स हो गए स्क्वेडल्स हो गए इस टाइप के जानवर रहेंगे है ना नेक्स्ट है आप देखिए घास का मैदान घास का मैदान दो प्रकार के हैं एक हो गया अगर ये इक्वेटर के आसपास है तो उसको ट्रॉपिकल सवाना कहेंगे इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे है तो ये स्टीपी टाइप में आ जाएगा ठीक है तो ये स्टीपी टाइप में आ जाएगा सवाना में आपका हो गया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो इक्वेटर के आसपास है साउथ अमेरिका इंडिया में और जो ठंडे प्रदेश में है तो यूरो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जैसे यूरो एशिया में स्टीपे हो गया नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हो गया है ना अफ्रीका में आपको पता है सवाना ही है ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है डाउन है ठीक है यहां पर आपको पता है कि पैंपस है तो ये सारे घास के मैदान यहां पे है ये भी गर्म होते हैं टेम्परेचर यहां पे रेनफॉल जो है कम है तो आप ये समझेंगे कि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल है फिर घास के मैदान में रेनफॉल है और उसके बाद ऑब्वियसली डेजर्ट में सबसे कम रेनफॉल है तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आई उसके बाद आप देखेंगे सौयल, सौयल कैसा होता है पोरस होता है 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 यानी कि पानी उसके नीचे जा सकता है। है ना पानी उसके नीचे जा सकता है घास आप देखोगे तो ट्रीज है लार्ज श्रब्स है यहाँ पे कैसे जानवर है तो जिराफ है जीब्रा है वो फेलो है हैना है, है एलिफेंट है ये सारे यहाँ पे जानवर हैं घास घास जो है तो घास जो है वो ओकेजनल ट्रीज है जैसे कि टन वुल हो गया ओक हो गया विलो हो गया गेजल हो गया जेब्रा हो गया राना हो गया इस टाइप के जानवर हैं और घास यहाँ पे पाए जाते हैं अब आ गया एक्वेटिक यानी कि समुद्र के अंदर तो फ्रेश वाटर भी है और मेरीन भी है फ्रेश वाटर भी है मेरीन भी है फ्रेश वाटर में आप क्या समझेंगे फ्रेश वाटर में लेक आ गया स्ट्रीम आ गया रिवर आ गया वेटलैंड आ गए मेरीन में हो गया ओशन है कोरल रीफ है लगून है और एस्चुरीज है तो इन दोनों में ही टेम्परेचर जो है वो मतलब अलग अलग है ना कि ऊपर में आपका टेम्परेचर सरफेस पे ज्यादा है डेप्थ में टेम्परेचर कम है तो ओवरऑल वो टेम्परेचर वेरी करता है मेरीन में पानी ज्यादा है या फिर अगर आप बोलो तो जैसे लेक वगैरह में जहाँ लगूनस वगैरह है तो वहां पे स्वैंपियन मार्शी एरिया है यानी चिप 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 चिप, चिप ज्यादा है ठीक है अगर आप मेरीन को देखोगे तो वहां पे टाइडल जैसे टाइड्स हमने पढ़ाए वो सारी चीजें यहाँ पे

थ ठीक है ओवर स्लोप फिर फ्लोर फ्लोर एंड फोना आप देखेंगे तो डेसीडियस और तुंदरा में ये अलग अलग होते हैं यानी कि पेड़ पौधे अलग अलग हैं ये कहा जा रहा है तो मान लीजिए कि एल्टीट्यूड है अगर कोई एल्टीट्यूड में यहाँ पे डेसीडियस प्लांट है डेसिडियस फॉरेस्ट है तो वहां अलग होगा यहां पर बहुत ऊपर में तुंदरा है तो तुंद्रा में जानवर जो है वो ठंडे जगह में तुंद्रा यानी कि बहुत ठंडा जगह वहां जानवर अलग होते हैं फिर तो इसी के बायोकेमिकल साइकिल होते हैं कि कैसे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वाटर साइकिल हो गया या ऑक्सीजन साइकिल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है तो वो साइकिल क्या करते हैं बैलेंस करते हैं ठीक है वो पूरे एनवायरमेंट में बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे जो दो टाइप के मेजर साइकिल है एटमोस्फेयर में ठीक है उसको हम समझेंगे वाटर साइकिल वाटर साइकिल में आपको पता है कि पानी यहाँ पे है इवेपोरेट होगा बादल बनेगा फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो ये वाटर साइकिल हो गया है ना उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल तो आपको पता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है तो जो सॉयल जो कन्वर्जन है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे सुक्रोज स्टार्च सेल्यूलोज इस तरह से बनता है और जो कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स है ये यूटिलाइज होता है प्लांट के द्वारा ठीक है तो इस प्रोसेस के समय कार्बन डाइऑक्साइड ये जनरेट होता है और रिलीज होता है पत्तों से और रूट से हर दिन और इसके बाद जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बिकम पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू जो है वो आर इधर बींगोनस और बी गेट डीकम्पोज बाय द माइक्रो ठीक है तो ये जो है ये प्लांट टिश्यूज जो है वो उसको हर ये जो आ, हर्वी वोरस उसको खाद देते हैं हर्वी वोरस जो है वो कंपोज करते हैं सम ऑफ द कम्पोज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हर्वी वोरस जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स में कार्बन कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमोसफेयर में आता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में भी ऐसा ही यही ऑक्सीजन साइकिल है तो बेसिकली उसके बाद मेन uh, प्रोडक्ट्स मेन बाय जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के द्वारा जहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फिर ब्रेक होता है तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है ना और इस तरह से ये साइकिल जो है ऑक्सीजन का ये चलते रहता है ऑक्सीजन का ये साइकिल जो है वो चलते रहता है ज्यादातर ऑक्सीजन जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ये बनता है ठीक है तो H2O से जैसे सिंथेसिस होता है सनलाइट के द्वारा और फोटोसिंथेसिस से यहां पे ये बनता है नाइट्रोजन साइकिल को आप समझेंगे नाइट्रोजन जो है वो मेन मेनिट्यूंट है का सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है 79 जो में नाइट्रोजन है वो एटमोसफेयर से आता है ठीक है तो ये कंस्टिट्यूट होता है जिसमें एमिनो एसिड है न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन है विटामिन है पिगमेंट्स है इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो घूमते रहता है जनरली नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल होता है ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड ठीक है तो 90 परसेंट जो ऑक्सड नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल है वो बायोलॉजिकल है और प्रिंसिपल सोर्स जो है फ्री नाइट्रोजन का फ्री नाइट्रोजन का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो एक्शन ऑफ सॉयल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एसोसिएटेड प्लांट रूट का है एटमोस्फ़ेरिक नाइट्रोजन फाउंड होता है पोर स्पेस ऑफ सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो एटमोस्फेयर में फिक्स है इन द एटमोस्फेयर लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन से ये निकलता है और एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन जो है ये आपका अवेलेबल होता है ग्रीन प्लांट को भी मिलता है तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से नाइट्रोजन निकलते हैं लेकिन नाइट्रोजन को एज नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जिसके कारण उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है ये जनरली राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपके बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके एक बार आपको साइकिल बताया जा रहा है उसी तरह से फास्फोरस है सल्फर है कैल्शियम है पोटाश है तो ये सारे सोल्व जो है ये आपके लेक स्ट्रीम और सीज में डिजॉल्व है, है ना और ये अर्थ के क्रस्ट में रहते हैं और यहाँ पे बाई वेदरिंग ये सारे सोल्ट जो है ये सोल्यूबल सॉल्ट जो एंटर करते हैं वाटर साइकिल में इवेंचुअली तो यहाँ पे ये सारे सोल्ट हैं फिर आप देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फुलफिल करते हैं अपने मिनरल रिक्वायरमेंट अपनेल सोल्यूशन ये इन्वायरमेंट में इन देयर इन्वायरमेंट जो बाकी एनिमल्स हैं वो रिसीव करते हैं मिनरल नीड्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल जो वो कंज्यूम करते हैं डेथ के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मिनरल यानी कि जैसे मान लो कि किसी ने पत्ता खाया ठीक है पत्ता खा के उसको मिनरल मिल गया हिरण ने पत्ता खाया हिरन को लायन ने खाया लायन जब मर गया और फिर वो उसी जमीन पे चला गया तो सारे मिनरल जो हैं वो वापस से घास में पहुंच जाते हैं तो इससे ही इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है इससे ही इकोलॉजिकल इक्लिब्रियम मेंटेन रहता है यही चीज यहाँ पे लिखी गई है यही एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा गया है फाइन यही ये यह बहुत कॉमन सा चैप्टर है जो चीज यहाँ पे लिखा गया है तो द चेंज इज ड्यू टू द कंप्लीशन वे सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पीशीज सच एस ग्रासेज बैंबूज और पाइंस ओवरटेक द नेटिवी स्पीशीज तो सक्सेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोसेस में आपको समझा दू सक्सेन का तो so, सक्सेशन में क्या होता है यहां तक आपको समझ में आ गया यहाँ पे बताया गया कि इन इन द द प्लांट एनी नेटिव जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पे कोई पीपल का पेड़ था और मैंने यहाँ पे लाके कोई अलग सा एग्जॉटिक पेड़ लगाया कोई दूसरे देश का पेड़ लगाया और ये पीपल के सारे पेड़ जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए क्योंकि एग्जॉटिक पेड़ ने उस सोइल के सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लिए तो यही चीज यहां पे होता है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटिव फॉरेस्ट जो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूजुअली ब्रिंग अ चेंज इन द स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे चेंज हो जाता है स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे चेंज हो जाता है और ये कंप्लीशन जो है यहां पे होता है सेकेंडरी फॉरेस्ट बन जाते हैं बैम्बूज हो गए पाइन्स हो गए इस तरह के ओरिजिनल फॉरेस्ट हो गए ये सारे सेकेंडरी फॉरेस्ट है और इसी को हम सक्सेशन कहते हैं तो ये चीज यहाँ पे इस चैप्टर में बताई गई है जो कि बहुत कॉमन सा चैप्टर है जो पिछले क्लासेस में हमने किया है ऑक्सीजन साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत फिर इकोलॉजिकल बैलेंस है और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है जो कि ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में एनसीआरटी में किया हुआ है तो अब हम लास्ट चैप्टर की ओर बढ़े अब लास्ट चैप्टर जो है हमारा फाइनली इस क्लास का वो है चैप्टर नंबर सिक्सटीन देखो चैप्टर नंबर में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बताया बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है एक जानवर हिरन है एक जानवर लायन है एक कोई दूसरा जानवर है ऐसा करके अलग अलग प्रकार के जानवर है कोई पीपल का पेड़ है कोई नीम का पेड़ है कोई तुलसी का पौधा है अलग अलग डाइवर्सिटी है तो जो बेसिक कॉज है ठीक है इसको समझोगे द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशन हैं और जो अलग अलग डायवर्सिटी है वो क्यों है वो सोलर इन एनर्जी और वाटर के कारण है जहां पे जिस तरह का पानी है उस तरह चीज पर डिपेंड करता है जहां पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है उस पर डिपेंड करता है तो बेसिकली एक कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन है ठीक है बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्पीशीज पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन है और ये व्यू पॉइंट से इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के व्यू पॉइंट से इसको समझा गया है यहां तक आपको समझ में आ गया तो ये देखिए अलग अलग तरह के जानवर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवेंटली ऑन द अर्थ यानी कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से हैं। है ना एक ही तरह के हैं या ऐसा नहीं है कि वह हर जगह विविधता ज्यादा है मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ही जैसे पेड़ है और इस जगह अलग अलग प्रकार के पेड़ है ठीक है तो ऐसा नहीं कि बायो बायोडाइवर्सिटी भी इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ज्यादा विविधता है कहीं कम विविधता है पायों का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी विविधता है ना सिंपल टर्म्स में जिसको हम देखेंगे यहाँ पे और ये अलग अलग एरिया में अलग अलग हैं कितने प्रकार की विविधता होती है जेनेटिक है इको सिस्टम के हैं जेनेटिक है। को समझेंगे तो जेनेटिक जो जो है genes, जो है है वो बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक और अलग अलग जीन्स में अलग अलग स्पीशीज हो जाते हैं ठीक है तो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टर्स आर कॉल स्पीशीज यानी कि स्पीशीज एक स्पीशी है जैसे कि अगर कुत्तों की प्रजाति देखो तो कुत्ते सारे एक ही स्पीशीज के हैं लेकिन उसमें भी अलग अलग उसमें जेनेटिक वेरिएशन है ह्यूमन बींग जेनेटिकली बिलोंग टू होमोसिपियन ठीक है होमोसिपियन से सा हम सारे हैं और ये जो है अलग अलग हाइट के कलर के फिजिकल अपीयरेंस के कोई गोड़ा है कोई काला है कोई लंबा है कोई चौड़ा है कोई मोटा है कोई पतला है तो ये क्या है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये सारे एक ही स्पीशीज है, है ये सारे डॉग्स है ना लेकिन सब अलग अलग टाइप के हैं वैसे इंसान में भी है तो, तो फिर नेक्स्ट आता है स्पीशीज के वेरिएशन स्पीशीज के वेरिएशन में क्या होता है स्पीशीज के वेरिएशन में ये होता है कि यहां पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर थ्रू द रिचनेस एबेंडेंस एंड टाइप्स ठीक है सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज और सम जो है वो अलग अलग टाइप के हैं ठीक है तो एरिया रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द डाइवर्सिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम समझेंगे तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का इसमें हैबिटेट्स और इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ऑकरिंग विद इन ईच इकोसिस्टम टाइप हो गया है ना तो ये करता है बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी यानी कि कौन किस जगह रह रहा है कोई रेगिस्तान में रह रहा है कोई जंगल में रह रहा है कोई ठंडे एरिया में रह रहा है तो उसके इकोसिस्टम पे भी ये स्पीशीज के डाइवर्सिटीज डिपेंड करते हैं क्यों जरूरी है तो ये बहुत सारे कारणों से जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर इंसान की कल्चर इंसान की कम्युनिटी वहां पे उस डायवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही ये शेप लेती है ये मेजर शेपिंग द डायवर्सिटी ऑफ द नेचर तो डायवर्सिटी तो कैसे कैसे बनता है तो डायवर्सिटी वहां के इन्वायरमेंट वहां के कल्चर पे ये डिपेंड करता है और उसी पे ये बनते जाता है तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं वो एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड ठीक है अपने अनुसार उस उस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है तो स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी तो स्पीशीज जो है वो एनर्जी को स्टोर स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी ये उसको एनर्जी को स्टोर करती है प्रोड्यूस करती है डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर्स को है ना और जो साइकिल जो हमने बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़ा पिछले चैप्टर्स में उसमें भी अपना ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस फंक्शन को हम देखेंगे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम्स फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल ठीक है तो जो डाइवर्स है इको सिस्टम में एंड डाइवर्स इन इको सिस्टम ये आपका देखेगा चांसेज फॉर द स्पीशीज टू सरवाइव थ्रू एडवर्टाइज एड एडवर्टीज होता है इसमें और अटैक्स होते हैं इस पर यह डिपेंड करती है इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ह्यूमन में हम देखेंगे जितने भी ह्यूमन हैं बायोडायवर्सिटी में इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ ठीक है तो जो फॉर ऑल ह्यूमन बायोडायवर्सिटी जो है वो बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ में ठीक है वन पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड क्रॉप डाइवर्सिटी क्रॉप डाइवर्सिटी इसको कहते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फसल भी अलग अलग प्रकार के हैं बायोडाइवर्सिटी को हम रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं यानी कि बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज वहां से बायोडाइवर्सिटी अलग होने के कारण होते हैं और जैसे कि मान लो तुलसी के पेड़ से हमको कोई दूसरी दवाई मिली नीम के पेड़ से हमको दूसरी दवाई मिली तो ये क्या है विविधता के कारण हम हमको कुदरत ने हर चीज का एक मरहम दिया हुआ है है ना तो ये हर चीज के लिए हमको एक आंसर दिया गया है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है ई स्पीशीज के लिए और ये सम क्लू देता है कि कैसे लाइफ जो है वो इवॉल्व होते जा रही है लाइफ कैसे इवोल्व होते जा रही है बायोडाइवर्सिटी हमको लाइफ के फंक्शन को और स्पीशीज के रोल्स को भी समझाने में हेल्प करती है फिर आप देखेंगे कि जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये अच्छे इंडिकेटर है यानी कि अगर बहुत सारी स्पीशीज एक जगह रह पा रही है यानी वहां का कुदरत वहां का माहौल अच्छा है है ना लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते जा रहा है जैसे ट्रॉपिकल रीजन में आप देखेंगे कि ऑक्यूपाई ओनली वन फोर्थ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड और कंटेन थ्री फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में देखेंगे तो एक चौथाई है दुनिया का लेकिन तीन चौथाई जनसंख्या है वहां पे वहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा पेड़ कटते हैं जिसके कारण क्या होता है कि पॉपुलेशन अपनी डिमांड को पूरा करने में ये भूल जाती है कि वो कुदरत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है और आप देखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी वहां पर होता है फिफ्टी जो धरती पर स्पीशीज है वो वहां पे है और उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनके लिए डिजास्ट्रस है तो नेचुरल कैलामिटीज आप देखोगे और कोई हो गया फ्लड हो गया इरप्शन हो गया फॉरेस्ट फायर हो गया इसके कारण बहुत सारे डायवर्सिटी समाप्त हो जाते हैं और पोल्यूटेंट हो गए ठीक तो है तो बहुत सारे विच आर नॉट नेचुरल इनहेबिटेड स्पीशीज जो है, है नेचुरल इनहेबिटेड नहीं है लोकल है बट आर इंट्रोड्यूज इन दिस्टम इसको हम एक्सोटिक कहते हैं यानी कि जो वहां का नहीं है लेकिन बाहर देश से आया जैसे ऑस्ट्रेलिया से तुमने

ठीक तो है तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए भी क्योंकि हर कोई हर एक स्पीशी अपना एक रोल निभा रहा है एक पूरे चेन में हर स्पीशीज जो है वो एक रोल निभा रहा है और अगर कोई भी स्पीशीज हट जाता है तो वापस से इम्बैलेंस हो जाएगा है ना तो हमारा एक अर्जेंट नीड है कि लोगों को हम क्या करें एडुकेट करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस तैयार करें है ना इनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए उनको हम तैयार करें करे और जो लोगों में कॉन्स कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाएं जागरूकता बढ़ाएं कि हमको स्पीशीज को ध्यान से रख के चलना है कंजर्वेशन करना है स्पीशीज का ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है और स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए आप देखेंगे

उसके बाद आप देखिएगा प्रिवेंशन ऑफ एक्सटे एक्सिस्टेंस ठीक है तो जो एक्सटेंट हो रहे हैं उनको प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ काम करने के लिए बात की गई जो अलग अलग वेराइटी है प्लांट के और जानवर के उनको प्रिजर्व करने की बात की गई कंट्री को यह समझना पड़ेगा कि जो वाइल्ड रिलेटिव है उनके प्रोटेक्शन पे हमको काम करना है और इसके लिए हमने एक बैठक बुलाई ठीक है तो स्पीशीज के कंजर्वेशन पे यहाँ पे बात की जा रही है कि उसको प्रोटेक्ट करना है प्रिजर्व करना है प्रोपोगेट करना है और इसी के लिए भारत ने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत की डब्ल्यू पी ए यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इंदिरा गांधी जी का सरकार था उस समय और इसको स्टार्ट किया गया जहां पे हम जो स्पीशीज का डाइवर्सिटी अपने देश में है उसको हम समझेंगे और मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बनेंगे ठीक है तो बारह जो देश है जैसे मेक्सिको हो गया कोलंबिया हो गया इक्वाडोर हो गया पेरू ब्राजील है ना कॉन्गो मडेगास्कर चाइना इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ये वैसे देश है ये वैसे देश है जहां पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं हॉटस्पॉट क्या होता है हॉटस्पॉट का मतलब है कि जहां पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं लेकिन वो खतरे में है हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देर वेजिटेशन प्लांट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम ठीक है तो मोस्ट बट ऑल बट नॉट ऑल ठीक है तो हॉटस्पॉट जो है वो रिलाई करते हैं स्पीशीज के रिच इकोसिस्टम पे फूड फायर वर्क क्रॉप लैंड इसपे और यहाँ पे एन इनकम फ्रॉम टिम्बर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 85 फाइव परसेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड मेडागास्कर में जो मिलते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं बाकी और हॉटस्पॉट जो है उसमें डिफरेंट प्रेशर्स है जैसे कि आइलैंड्स ऑफ हवाई यहां पे यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट है लेकिन ये थ्रेटेंड है बहुत सारे स्पीशीज वहां पे थ्रेटेड और विलुप्त हो रहे हैं तो ये रही आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास इलेवन की बुक की सोलह चैप्टर्स की समरी कंप्लीट आप एक बार इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और यहाँ पे जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में उसके बाद आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास और अब हम आपका जो भी डिमांड रहेगा जो भी बुक आपको कंप्लीट कराना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई क्या आपका जो ज्योमोरफोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी हाइड्रोलॉजी बायोजोग्राफी ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के बिल्डअप के लिए और आप अब एम सी क्यूज क्वेश्चन को और रिटर्न क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट बन जाएगा तो होपफुली आपको एनसीआरटी क्लास इलेवन की ये ज्योग्राफी की बुक पसंद आई होगी इसका समरी थैंक यू फॉर द सेशन जय हिंद